तो नमस्कार सारे व्यूअर्स और जुड़ गए हैं इस लाइव मैच में और लंका प्रीमियर लीग लंका प्रीमियर लीग का ये पहला मुकाबला है इस सीजन का एक तरफ होगी जाफना किंग्स एक तरफ होगी गाले ग्लैडिटर्स जाफना किंग्स जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है देखते हैं आज कौन जो है इस मुकाबले को जीतेगा आप सभी का स्वागत करेंगे अपने इस YouTube चैनल पर क्रिकेट लाइव हिंदी पर तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को तो आप सभी का स्वागत करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए यहाँ पर जाफना किंग्स वर्सेस गाले ग्लेडिटर का ये पहला मुकाबला है इस सीजन का लंका प्रीमियर लीग 2022 का पहला मुकाबला एक तरफ होगी तिसारा फरेडा की टीम एक तरफ होगी कुशल कुसलमैंडस की टीम देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ेगा यहाँ पर अगर बता दें पिछले पिछले सीजन में जाफना किंग्स जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है दोनों टीमें जो है फाइनल में गई थी जाफना किंग्स और गाले ग्लेडिटर मगर बाजी मारी थी जाफना किंग्स ने हमने भी शुरुआत जो है लंका प्रीमियर लीग से की थी अपने चैनल के तो आज फिर से दूसरा सीजन नया सीजन जो है वो आ चुका है 2022 हज़ार बाईस का टाइम के चलते जो है इसको एक्सटेंड किया गया अब दिसंबर से शुरू हो रही है आज से ये मुकाबला शुरू हो रहा है तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफी जबरदस्त होगा बीस बीस ओवर का, का ये मुकाबला है और यहाँ पर यहाँ पर दोनों टीमें जो हैं वो काफी खतरनाक का, है थोड़ा सा छोटा इसे ग्राउंड होता है ये और कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों को मदद करती है ये पिच तो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं चलते हैं जरा आपने इस मैच के प्रीव्यू की तरफ सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर मौसम की भाई मौसम किस तरीके से क्योंकि हमने देखा है लंका प्रीमियर लीग में अमूमन बारिश होते बारिश होने में जो है समय नहीं लगता और यहां पर ज्यादातर बारिश होती रहती है काफी का मुकाबले छोटे भी देखे हैं पिछले सीजन में दिसंबर का यह समय था जब वहां पर मुकाबला खेला गया था तो यहां पर मौसम की अगर बात की जाए तो अट्ठाईस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर और माफ करिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है एक बार रुक जाइए यहाँ पर जो है थोड़ा सा शेख जायद इंटरनेशनल स्टेडियम आ गया गलती से यहाँ बता दें आपको मौसम के बारे में बता देते तो हैं थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आप सब लोग मैं थोड़ा सा मौसम के बारे में आपको अपडेट यहाँ पर कर देता हूँ जिया तो यहाँ पर मौसम के बारे में आप जान लीजिएगा तीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस है तीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस है थोड़ा सा क्लाउडी ये वेदर है यहाँ पर थोड़ी सी बारिश होने की संभावनाएं बताई गई हैं इस इस मुकाबले में उम्मीद करेंगे कि ज़बरदस्त खेलो बारिश ना हो इस मुकाबले में क्योंकि यहाँ पर मौसम तो बना हुआ है तीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है क्लाउडी थोड़ा सा वेदर है और सिक्सटी सेवन परसेंट चांसेज है बारिश होने चौवन परसेंट ह्यूमिडिटी है यहां पर अगर देखा जाए तो देखिए हमन महेंद्र राजपक्षा स्टेडियम में कई बार हमने देखा है कि बारिश हो जाती है कोस्टल एरिया है मगर कई बार हमने देखा है 67 या परसेंट चांसेस होते हैं मगर पूरे चालीस ओवर का खेल हो जाता है दिन का यह मुकाबला है और उम्मीद करेंगे कि यहां पर खेल जो है वो पूरा हो मगर मौसम थोड़ा सा क्लाउडी बना हुआ है बारिश की संभावना है जो है 67 है उम्मीद करेंगे कि पूरे चालीस ओवर खेल हो मगर अगर नहीं भी तो उम्मीद करेंगे यार पंद्रह पंद्रह या बारह बारह ओवर का यहां पर खेल हो जाए यहां से बता दें आपको कुछ ही समय बाद जो है वो टॉस हो जाएगा टॉस के बाद यहां से मुकाबला शुरू हो जाएगा तो मौसम थोड़ा सा डराने वाला है क्योंकि यहां पर थोड़ा सा बारिश होने की संभावना है काफी दिन से क्लाउडी वेदर चल रहा है कल थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है तो पिच में भी हद तक इंपैक्ट पड़ेगा बीस चालीस ओवर खेल है मगर कहीं ना कहीं जो शुरुआत के पहले पहले जो छः ओवर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर मुकाबले के लिए यहां पर तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफी बढ़िया होने की उम्मीद है यहाँ पर पुराने खिलाड़ी भी आपको देखने को मिल जाएंगे नए खिलाड़ी भी आपको देखने को मिल जाएंगे वो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं जो हमने टी के अंदर अभी रिसेंटली हमने देखा था जबरदस्त खेल का प्रदर्शन कर रहे थे यहां पर बात

काफ़ी बढ़िया होगा अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले कप्तान की तो कप्तान ग्लेडिटर के हैं कुशल मैंडिस कुशल कप्तानी की थी पिछले सीजन में मगर अनफॉर्चुनेटली आखिरी मुकाबला फाइनल मुकाबला जो है वो हार गए थे इस टीम के अंदर ओवरसीज़ प्लेयर्स की बात करें तो इमाद वसीम इस टीम के अंदर है इफ्तिकार अहमद इस टीम के अंदर है मोहम्मद हसरीन इस टीम के अंदर है सरफराज अहमद है पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज साथ में यहाँ पर आजम खान है जो अभी हमने रिसेंटली देखा है और फाइनल तक गए थे टी में प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं था मगर ज़बरदस्त बल्लेबाज और लंका प्रीमियर लीग शूट करती है शूट करती है आज़म खान को और यहाँ पर अनवर अली भी है अनवर अली अमूमन तेज़ गेंदबाज़ हैं लंबे कद के गेंदबाज हैं बढ़िया गेंदबाजी करते हैं बात करें यहाँ पर आज देखना होगा कि यहाँ पर अनवर अली और यहाँ पर अनवर अली और नशीम शाह मोहम्मद हसनैन के बीच में कंपटीशन रहेगा कि कौन खेलेगा मोहम्मद हसनैन बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी करके आए टी टेन के अंदर अनवली अभी सीजन से खेल नहीं रहे डोमेस्टिक खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो सीधा लंका प्रीमियर लीग में आए हैं ग्रालिक रिलेटेड की तरफ से अगर हम इनके डोमेस्टिक प्लेयर की बात करें लोकल प्लेयर्स की बात करें तो कुशल मैंडिस इस टीम के अंदर है कुशल जनित परेरा इस टीम के अंदर है नुआान प्रदीप इस टीम के अंदर है लक्षणा सदाकम इस टीम के अंदर है नुआान तुषारा इस टीम के अंदर है नवेंदू फर्नांडो इस टीम के अंदर है निमेश मेमुक्ति इस टीम के अंदर है पुलियाना तरंगा

बड़े प्लेयरों के साथ मिलकर जो है वो टीमें अपना मुकाम जो है सेट करती है पास इंटरनेशनल प्लेयर है कुशल इस टीम के अंदर है नुआन प्रदीप इस टीम के अंदर है उनके साथ अब देखना होगा कौन से चार ओवरसीज खिलाड़ी इन छह ओवरसीज खिलाड़ियों में से कौन से चार ओवरसीज खिलाड़ी जो है खेलते नजर आएंगे गालिकटर की टीम काफी अच्छी लग रही है बैलेंस लग रही है बस डिपेंड करता है प्लेइंग लाउंड किस तरीके से रहेगी पिछले सीजन भी बड़ा बढ़ बड़ा बढ़िया प्रदर्शन किया था मगर अमूमन देखते हैं जाफना किंग्स में जो तिसारा परेरा है उन्होंने कहीं ना कहीं गेम को चेंज कर दिया कप्तानी बड़ी जबरदस्त की अपनी टीम को पिछले सीजन में ट्रॉफी उठाने में मदद की थी यहां पर अब बात करते हैं अब बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर जाफना किंग्स की जाफना किंग्स जबरदस्त टीम लग रही है नाम थोड़ा सा बदला है मगर क्या काम बदल जाएगा इस सीजन के अंदर देखना होगा यहाँ पर जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जाफफना किंग्स के अंदर ओवरसीज प्लेयरों की बात करें सबसे पहले कप्तान की बात करते हैं तीसरा परेरा इस टीम के अंदर है ओवरसीज प्लेयर की अगर बात करें तो जिमी निशम शोएब मलिक जेम्स फुलर गुरबज इस टीम के अंदर है टॉम कलर स्टीम के अंदर है अगर मैं पिछले सीजन के ध्यान से उठाऊँ तो यहाँ पर इस टीम के अंदर बढ़िया गेंदबाजी बल्लेबाजी की थी यहाँ पर रहमदुल्ला गुरबज और टॉम कुलर कैडमोर ने अगर फाइनल मैच याद करूँ तो दो प्लस स्कोर खड़ा किया था तो इन दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी इस सीजन के अंदर भी होगी कि जबरदस्त यहाँ पर खेल दिखाएं साथ में गेंदबाज

टीम के अंदर है इसलिए डिफेंडिंग चैंपियन है इस सीजन की है इस टीम के अंदर आपको तिसारा परेरा दिखना देखने को मिल जाएंगे धनंजय डिसिल्वा धनंजय डिसिल्वा भी टी20 वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका का हिस्सा थे जबरदस्त खेल रहे हैं महेश टिकसेना इस टीम के अंदर अभी महेश टिकसेना ने टी20 टी10 के अंदर बढ़िया गेंदबाजी करके दिखाई वहां उनको दो ओवर मिले यहां इनके चार ओवर है चन्नी ट्रैक अगर मिला तो कही कहीं ना कहीं परेशान करते नजर आएंगे हर टीम को अंदर। स्टीम के अंदर बिनारू फर्नांडोज टीम के अंदर है बढ़िया तेज़ गेंदबाज है धुतित वलेजिया टीम के अंदर है शवेंदु लक्ष्मण इस टीम के अंदर है सदीरा सदीरा इस टीम के अंदर है परवीन जविशकर्मा इस टीम के अंदर है जविकर्मा इस टीम के अंदर प्रवीण जविकर्मा पिछले सीजन भी बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करते नजर आए थे यहां पर दिलशान मनुशंका इस टीम के अंदर है निपुन धनंजी है विजय विजयकांत विजयकांत इस टीम के अंदर है साथ में है तिशान विश्वाना स्टीम के अंदर है और त्रिवेंद्रम दिनशोन स्ट्रीम के अंदर है आशान राधिका इस टीम के अंदर है अविष्का फर्नांडो है आशिता फर्नांडो इस टीम के अंदर है अविष्का फर्नांडो की बात करें बड़े जबरदस्त यहाँ पर प्लेयर हैं बिनारू फर्नांडो भी इस टीम के अंदर बड़े ज़बरदस्त खेलते हैं बाकी देखना होगा क्या होता है और बुनानो बिनारू फर्नैंडो ने पिछले सीजन में फाइनल मुकाबले में ज़बरदस्त बल्लेबाजी का अपना मुजाहरा किया था एक छोर से टिके हुए थे और काफ़ी रन बनाए थे वहां पर रहमतुल्लह गुरबाज और टॉम कुलर कैडमोर ने भी बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया था उस मुकाबले में तो यह दोनों टीमों का

करते हैं यहाँ पर पिच की और ग्राउंड की और आपको फिर बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर प्लेइंग लेवल रह सकती है इस मुकाबले में मौसम मैंने आपको बता दिया है कि थोड़ा क्लाउडी वेदर है बारिश होने की संभावना है अगर बात करें यहाँ पर हेड टू हेड की हेड टू हेड पकड़ लीजिए भाई हेड टू हेड बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों टीमों का और यहाँ पर काफी हद तक दोनों टीमों की कंपटीशन जो है वो बराबर की रहती है अगर बात करें यहाँ पर हेड टू हेड परफॉर्मेंस की तो भाई चार सात मुकाबले दोनों दोनों टीमों ने आपस में खेला है ध्यान रखिएगा इस सीजन के अंदर भी पांच टीमें हैं पांच टीमों को हर टीम से दो दो मुकाबले खेलने हैं तो यहाँ पर जाफना किंग्स और गाले ग्लेडिएटर के बीच में टोटल सात मुकाबले हुए हैं सात मुकाबलों में से चार बार जाफना किंग्स जीती है और तीन बार यहां पर गाले ग्लेडिएटर की टीम जीती हुई है तो यहां पर हेड टू हेड प्रदर्शन काफी बेहतर रहता है दोनों टीमों का और दोनों टीमें जो हैं वो कंपटीशन वाली देने वाली टीमें हैं अगर मैं फाइनल निकाल दू पिछले साल का तो हेड टू हेड तीन तीन का हो जाएगा क्योंकि लीग मैचेस में दोनों टीमें एक दूसरे भारी पड़ती हैं आज देखना होगा क्या होगा एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है मेरे हिसाब से एक जबरदस्त खेल जो है मैं देखने को मिल सकता है लंका प्रीमियर लीग 2022 में पहला मुकाबला तेईस को फाइनल खेला जाएगा उम्मीद करेंगे क्योंकि क्रिकेट लेवल जो है वो बढ़ चुका है साल भर के अंदर टी खेलने का अंदाज बदल चुका है और लंबा गेम होता है टी वर्ल्ड कप से श्रीलंका की टीम जल्दी ही बाहर हो गई थी मगर उम्मीद करेंगे यहां पर उनके खिलाड़ी जो है अच्छा प्रदर्शन करे टीम बड़ी जबरदस्त है रिसेंटली जीता था श्रीलंकन टीम ने तो कहीं ना कहीं टी जो माइंड है श्रीलंकन प्लेयो के अंदर जो है वो बैठ गया है यहां पर हेड टू एड के अंदर आपकी भारी पड़ रही है भारी पड़ रही है जफला इस मगर अंडर मत, मत करिएगा गालिग लेडियस को मुझे लगता है कि दोनों तरफ आज रोमांचक मैच देखने को मिल जाएगा अगर मैच हो हु, पूरा हुआ तो यहां पर अब बात करते हैं यहां पर रिसेंट परफॉर्मेंस की भाई पिछले सीजन में क्या परफॉर्मेंस था पिछले पांच मुकाबलों में क्या परफॉर्मेंस था दोनों टीमों का अगर देख लेंगे तो हम समझ सकते हैं कि इस सीजन भी इसी इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस रहेगा अगर बात करें जाफरा किंग्स की जाफरा किंग्स पॉइंट टेबल को डोमिनेट कर रही थी पहले सीजन में और कहीं ना कहीं पिछले पांच मुकाबलों में से तीन मुकाबले जीते हैं वही गाले ग्लेडेटर भी पिछले पांच मुकाबलों में से तीन मुकाबले अपने नाम करें यहां पर अगर बात करें यहां परफॉर्मेंस की तो काफी बढ़िया आप देख सकते हैं कि जो रिसेंट परफॉर्मेंस था वो फाइनल मुकाबला था जो दिसंबर में खेला गया था लास्ट ईयर जाफरा

शोर लग रहा है कि पहला मुकाबला हाई स्कोरिंग मैच भी सकता है या फिर लो स्कोरिंग मैच दोनों में से एक मैच तो होगा ये है, मगर मिलता है कि हाई स्कोरिंग मैच के चांसेस ज्यादा रहेंगे बाकी अब डिपेंड करता है पिच किस तरीके से यहां पर अगर बात करें रिसेंट परफॉर्मेंस की तो कहीं ना कहीं जाफना किंग्स के साथ हम रहेंगे और जाफना किंग्स स्ट्रांग टीम है फेवरेट टीम भी है इस मुकाबले की अब बात करते हैं यहां पर ग्राउंड के ग्राउंड में जो रिसेंट पांच मुकाबले हैं उसका डाटा हम लेके आए हैं अपने व्यूअर्स के लिए पूरा डाटा लेके आए हैं यहाँ पर पिछले पांच मुकाबलों का तो पिछले पांच मुकाबलों में अगर बात की जाए तो सिक्सटी टीमें जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए जीती हैं चेस करती हुई चालीस मुकाबले जो है चेस करते हुए टीमें जीती हैं एक सौ यहां पर एवरेज स्कोर है टली पांच मुकाबलों में से 105 सौ पांच सेकेंड इनिंग का है ध्यान रखिएगा इसमें कुछ मुकाबले ऐसे भी हैं जो बारिश के चलते छोटे कर दिए गए सात ओवर कर दिए गए दस ओवर कर दिए गया इसलिए एवरेज स्कोर आपको कम लग रहा है मगर जिस तरीके का लंका प्रीमियर लीग रहती है यहां पर आपको हाई स्कोरिंग मैचेस भी चेज होते नजर आएंगे 200 200 रन भी चेज होते नजर आएंगे आपको एक सौ साठ एक सौ सत्तर रन टीमें बनाते हुए नजर आएंगे 20 ओवर के अंदर क्योंकि फेयरलेस क्रिकेट जो श्रीलंका इंटरनेशनल इंटरनेशनल में खेल रहा है उसी तरीके का खेल जो है हमें देखने को यहां पर मिल सकता है यहां पर ग्राउंड ऑलमोस्ट देखिए ग्राउंड अगर ग्राउंड की बात करें राजपक्सा स्टेडियम का तो यहां पर थोड़ा सा सो ग्राउंड्री जो है वो छोटी जरूर है यहां पर सरफेस जो है वो काफ़ी ज्यादा तेज गेंदबाजों और यहां पर बल्लेबाजों के जो है बोलबाला रहता है बाकी स्पिन भी होती है मगर देखिए जाफना

सरफेस अच्छा रहेगा जो टीम बल्लेबाजी करे और जो टीम बल्लेबाजी करती बड़ा स्कोर खड़ा करती है तो दूसरी टीम भी यहाँ पर उस मुकाबले को चेंज कर सकती है चेंज करने वाला ग्राउंड है ये एक्चुअल में रन बन सकते हैं इस ग्राउंड के ऊपर अब बात करते हैं यहाँ पर जरा पिच की भाई पिच किस तरीके से बिहेव करती है यहाँ पर आ, हम यहाँ पर जो है देख लीजिएगा वो किस किंग सामने है यहाँ पर पिच किस तरीके से बिहेव करेगी आप वो चीज़ समझ लीजिएगा यहाँ पर अड़सठ अड़सठ परसेंट विकटे अड़सठ 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 विकटे जो है वो तेज गेंदबाजों को मिली है छियालीस विकटे जो है स्पिनर गेंदबाजों को मिली है यहाँ पर भी सिक्सटी फोर्टी का रेशियो है तेज गेंदबाजों को मदद तो करती है पिच मगर साथ साथ स्पिनर गेंदबाजों को भी ये पिच मदद करती है बड़ा जबरदस्त ये सरफेस है उम्मीद करेंगे कि आज भी यहाँ पर एक जबरदस्त खेल जो है हमें देखने को मिल जाए मेन

पचास रन में भी डिफेंड होते दिखाएंगे वो अभी नहीं वो स्टार्टिंग सीजन नहीं स्टार्टिंग सीजन में फ्रेश होगी जितने जितने मुकाबले खेले जाएंगे ये एवरेज स्कोर जो है वो घटता घटता चला चल जाएगा शुरुआती जो पिच होती है वहाँ पर रन बनने का चांसेस रहेंगे और ये दिन का मुकाबला है दिन के मुकाबले में तेज गेंदबाजों को मदद मतलब मिलेगी मगर स्पिनर गेंदबाज भी यहाँ पर कैपेबल रहेंगे तो दो स्पिनर गेंदबाज आप अपनी टीम के अंदर रख सकते हैं अगर शोएब मलिक खेलते तो उनको भी रख लीजिए क्योंकि शोएब मलिक भी यहाँ पर एक दो ओवर आपको लोग करते आपके लिए करते नजर आ सकते हैं और बढ़िया गेंदबाजी करते हैं ऐसे नहीं है कि विकेट नहीं चटकाते मगर काफी देरों के बाद आ रहे हैं यहां पर खेलने के लिए तो देखते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगा यह पूरा ब्योरा है यहां पर आप सब लोग देख लीजिएगा ये पूरा पिच के बारे में ग्राउंड के बारे में मैंने बता दिया है आप सब लोग जो है डल्टिन सेवन एप के साथ भी जुड़ जाएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइच में पिन कर दिया उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा मिनिमम लीजिएगाट सिर्फ दस रुपए है मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ का तो सौ डिपॉजिट करके आप यहाँ पर खेल सकते हैं जीत सकते हैं तो खेलिए है और जीतिए डल्टिन सेवन ऐप पे यहाँ पर आप टू साइड बैट अवेलेबल है टू साइड बैट अवेलेबल है दोनों तरफ आप लॉसकट बुक सेट कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं तो टोटली एक्सचेंज है सारे मुकाबले आप लाइव भी दे सकते हैं पंद्रह मिनट के अंदर विद्रॉल आपको बैंक अकाउंट का अंदर मिल जाता है ये फास्ट विद्रॉल है ये ऐसा नहीं कि कह रहा हूं यहां पर हंड्रेड वन परसेंट जो है 15 के अंदर ही विड्रॉल आपके बैंक अकाउंट के अंदर बाकी डिपोजिट करना आसान है गूगल पे फोन पे, से तो में। में खेलिएगा और, और क्रिएट करना बहुत आसान है रेफर कोड डालने जरूरत नहीं है यूजर ने बनाइए पासवर्ड बनाइए मोबाइल नंबर डालिए आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी डेल्ट सेवन ऐप पर बता दिया मैंने मैक्सिमम अनलिमिटेड है जितना मर्जी

जगह इंजॉय करिएगा इस मुकाबले को मुकाबले में बस थोड़ी देर में यहां पर टॉस जो है वो होने वाला है तो यहां पर लेते हैं थोड़े बहुत मैसेजेस आप सब लोगों के काफी लोग जुड़े हैं हमारे साथ यहां पर और यहाँ पर उत्कर्ष भाई हेलो भाई 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 हेलो कैसे हैं Uh, हुसैन भाई हुसैन भाई कह रहे हैं हाय ऑल रोहन हुसैन अच्छा नाम बदल दिया आपने सर यार हुसैन रख दिया भाई रोहन भाई ने फोटो चेंज करके यहाँ पर शरियार भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ चैतन भाई कह रहे भाई कितने बजे मैच शुरू होगा भाई ये मुकाबला जो है वो तीन बजे शुरू होगा सवा दो बजे हम जुड़े हैं आप आपसे क्योंकि पंद्रह अभी तेरह मिनट के बाद टॉस जो है वो होता हुआ नज़र आएगा इस मुकाबले में टॉस जो है वो तेरह मिनट के बाद हो जाएगा जैसे बताया मैंने आपको मौसम थोड़ा सा मौसम जो है वो डरा रहा है क्योंकि बिकॉज एक्चुअली में क्या है यहाँ पर थोड़ा सा बादल जो है वो छाए हुए हैं बादल आज से नहीं है दो तीन दिन से यहाँ पर बादल जो है वो छाए हुए हैं उम्मीद करेंगे कि आज भी यहां पर बादल छाए हैं और बिल्कुल उम्मीद करूं कि यहां से मौसम जो है कुछ बेहतर रहे और कुछ बेहतर प्रदर्शन जो है हमें देखने को मिल जाए इसलिए थोड़ा पहले जुड़े क्योंकि आपको प्लेयर के बारे में ग्राउंड के बारे में पूरी इफार्मेशन आपको दे सकें यहां पर उम्मीद है यही है कि यार देखिए ये सीजन जो है इंका प्रीमियर लीग का जो पिछला सीजन गया था वहां पर भी एक अच्छा खेल हमें देखने को मिल गया था और उम्मीद करेंगे कि आज भी एक बेहतर खेल हमें देखने को मिले क्योंकि यहां पर हाई स्कोरिंग मैचेस भी मैंने चेज होते हुए देखे हैं मैंने रन बनते हुए देखे हैं उम्मीद है यही है कि खेल एक जबरदस्त हो यहाँ पर देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले में जुड़ जाइए हमारे साथ इस मुकाबले में अब बात करते हैं स्क्वाड से प्लेयरों की प्लेयर्स की बात करते हैं भाई कौन कौन से खिलाड़ी आज हम हमें जो है बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं यहाँ पर आपके किस के सामने गालि गलेटेड की टीम है तो गालिग मुख जाफना किंग्स की टीम है गाले की टीम दिखा देता हूँ मैं आपको गालिग गलेटेड की, की टीम है यहाँ पर आपको दिखा देते हैं यहाँ आप पर आपके किंग्स सामने इस टीम को आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर एम इम्पैक्ट डाल सकते हैं सबसे पहले चार खिलाड़ी चुन लेते हैं भाई चार खिलाड़ी कौन कौन से हो सकते हैं जो आज यहाँ पर ओवरसीज़ खिलाड़ी खेल सकते हैं देखिए इमाद वसीम यहाँ पर खेल रहे हैं हो सकता है इमाद वसीम खेलें आज इफ्तिकार अहमद भी रिसेंटली प्रदर्शन कर रहे हैं मोहम्मद हसनैन मोहम्मद हसनैन भी हो सकता है आज खेले या फिर यहाँ पर और अगर बल्लेबाजी में इफिकार अहमद के साथ अगर आजम खान भी खेल तो बेटर है मगर हो सकता है इफतिकार अहमद खेले क्योंकि अफ्तिकार अहमद का टी प्रदर्शन जो है काफी बढ़िया रहा है विकेट कीपर के लिए आपके पास सरफराज अहमद भी है और आजम खान दोनों जो है विकेट कीपिंग कर लेते हैं तो हो सकता है दोनों में से एक बल्लेबाज यहाँ पर खेलते नजर आए गेंदबाजी के लिए अब चार खाड़ी ओवरसीज हो चुके हैं अगर देखा जाए तो इमाद वसीम इफ्तिकार अहमद मोहम्मद हसनैन और साथ में यहाँ पर जो है आज़म खान मैं अनवर अली और सरफाज अहमद को थोड़ा बाहर रखूंगा क्योंकि अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस उनका बेटर नहीं है अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी चेंज करना है तो हो सकता है शायद यहाँ पर इमाद को ना खिलाया जाए स्पिनर गेंदबाज की जगह पे यहाँ पर अनवर अली जो है खेलते नजर आए दो तेज़ गेंदबाज़ क्योंकि अनवर अली बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं एज ए ऑलराउंडर आप उनको टीम में रख सकते हैं यहाँ पर बेहतरीन ये टीम लग रही है अगर पिछले सीजन की बात करें तो काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल गए थे कुशल मैंडिस इस टीम के अंदर है कप्तान है और कप्तान जो है कप्तानी पारी खेलना जानते हैं और कुशल मैंडिस का अगर देखा जाए रिसेंट परफॉर्मेंस टी के अंदर काफी बेटर रहा है यहां पर अगर बात करें यहाँ पर सीजन की तो बढ़िया रहेगा बाकी मैं अगर फैंटेसी प्लेयर्स की बात करूँ इस टीम के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी जो है अगर खेल सकते हैं प्लस फैंटेसी टीम में आपकी हेल्प कर सकते हैं तो मैं आपको थोड़ी तो बता देता हूँ यहाँ पर एक मिनट दीजिएगा जरा मैं आपको प्लेयर्स को जो है नाम बता दूंगा जिससे आप लिख भी सकेंगे याद भी रहेगा आपको फैंटेसी प्लेयर्स के लिए सबसे पहले बात करते हैं गाले गली लेटर की गाले गलेटर में इमाद वसीम हो सकता है आज खेल तो ना क्योंकि बढ़िया प्रदर्शन करते हैं बाकी आप देखना होगा आज खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे यहाँ पर बाद मोहम्मद यहाँ पर जो है मोहम्मद हफीज़ नहीं है अगर हफीज़ भी होते तो शायद बेटर रहता है यहाँ पर बाकी मोहम्मद हसीब हफीज़ जो है इस सीजन खेल नहीं रहे टारमेट ले लिया है इसी वजह से यहां पर और अगर बात करें यहाँ पर जो है आज़म खान आज़म खान की अगर बात करें पिछले सीज़न में भी अच्छा प्रदर्शन किया था मेरे हिसाब से आज़म खान हो सकता है कि आज खेलते नज़र आएंगे टीम में चार नंबर पर यहाँ पर इफ्तिकार अहमद भी दिक्कत यह है कि इफ्तिकार अहमद भी चार नंबर पर खेलते हैं और आज़म खान भी चार पर खेलते हैं अगर मेरे हिसाब से कुशल मैंडिस अगर यहाँ पर ओपन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इफ्तिकार अहमद या आज़म खान को भी ओपन करवा सकते हैं साथ में या फिर तीन नंबर पर इफ्तिकार अहमद और चार पे आज़म खान आप टेस्ट कर सकते हैं और मिड ऑर्डर में आपके पास अनवर तो हैं जो बड़े बड़े शॉट खेल खेल सकते हैं यहाँ पर आपके लिए ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए Uh, बात में यहाँ पर लक्षणा शदखवन इस टीम के अंदर है और बढ़िया गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर और सचिंदू का कोलम्बेज भी इस टीम के अंदर है बढ़िया बड़ा बड़ा जबरदस्त पसंद यहाँ पर परफॉर्मेंस पर रहता है पिछले सीजन भी अच्छे खासे विकेट चटकाए थे और रिसेंटली देखा जाए यहां पर जो है सचिंदू कोलम्बेज का कोलम्बेज जो है वो हर मैच में एक विकेट जरूर चटकाते हैं तो हो सकता है आज भी खेलते नज़र आए और एक आधा विकेट जो है लेके जाए कोलम बेच को टीम में रखेंगे जरूर कुशल मैंड ध्यान रखिएगा इनको जरूर रखेंगे अगर लोकल प्लेयर प्लेयर की बात करें तो नुआान तुषारा भी इस टीम के अंदर है लक्षण शदकम भी इस टीम के अंदर है नुआन प्रदीप है तो गेंदबाजी ऑलमोस्ट देखा जाए तो अच्छी लग रही है अगर आपके इस टीम के अंदर यहाँ पर जो है मोहम्मद असरीन इस टीम के अंदर है प्लस अनवर अली है और यहाँ पर जो है इमाद वसीम है हो सकता है इमाद वसीम ना भी खेलते अनवर अली को क्योंकि तेज़ गेंदबाज है डेथ ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं मोहम्मद असरन जो है वो नई गेंद के साथ बढ़िया गेंदबाजी करता है रिसेंटली टी टेन के अंदर फाइनल मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी कर अच्छे फॉर्म में गुजर रहे मोहम्मद असरीन हो सकता है कुशल जो है अनवर अली मोहम्मद असरीन को साथ में टीम में रखे साथ में आजम खान और इफ्तिकार अहमद खेल खेलते नजर आए इमद पहला मुकाबला जो है मिस कर जाए यहाँ पर अब देखना होगा आगे आ, लोकल खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं यहाँ पर सचिन सचिनू कोलम बेज को टीम में जरूर रखिएगा अब बात करते हैं तिसारा परेरी टीम की तिसारा परेरा की टीम यहाँ पर किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो कर सकती है आप तिसारा परेरा की आपको टीम जरा दिखा देते हैं यहाँ पर आपके स्क्रीन के बिल्कुल सामने तिसारा परेरा की टीम ये टीम बड़ी ज़बरदस्त है इसमें तिसारा परेरा की बल्लेबाजी पे आप चकवा खाइएगा तिसारा परेरा अभी लेजेंड्स लीग भी खेल रहे थे वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन रहा है अगर मैं बात करूँ

तो आप खुश शॉट हो तिसारा परेरा है धनंजय डिसवा है महेश तिक्सना है बिनारो फर्नांडो भी इस टीम के अंदर है बिनारो फर्नांडो बड़े जबरदस्त बल्लेबाज हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं यहाँ पर पिछले पिछले सीजन में फाइनल मैच में बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की थी यहां पर अब देखना होगा देखना होगा आज किस तरह खेलते हैं अविष्का फर्नांडो भी है तो इस टीम के अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं बड़े बड़े नाम हैं रहमदुल्ला गुरबा स्टॉम खुलर कैडमर दोनों जो खेलते नजर आएंगे जेम्स फुलर भी हो सकता है इस टीम के अंदर खेलें चौथे खिलाड़ी में सबसे से मलिक हो सकता है अगर शोएब मलिक नहीं खेले तो हो सकता है जिमी निशम को मौका मिल जाए जिमी निशम जो है वो खेलते नजर

यहाँ पर आ, कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर जो है तिसारा परेरा जो है अपने सीजन में कप्तान थे अपनी टीम को जीत दिलाई थी मुझे लगता है कि आज का प्रदर्शन भी काफ़ी बढ़िया रहेगा तिसारा परेरा का उम्मीद रहेगी कि तिसारा परेरा जो है यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करे ध्यान रखिएगा अपने बल्ले के साथ भी काफी मुकाबले जो है तिसारा परेरा ने जिताए अपनी टीम को हाय सर रेन अपडेट वेदर फॉरकास्ट भाई बताए तो रेन अपडेट बताए तो सही आपको टेम्परेचर जो है वो तीस डिग्री के आसपास हैं यहाँ पर मगर बारिश होने की है जो है वो सिक्सटी सेवन परसेंट है सिक्सटी सेवन परसेंट यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं पूरी पूरी हैं भाई पूरी पूरी इस टीम के अंदर है पैंसठ हो गई चलिए उनतीस दशमलव नौ डिब्री सेल्स टेम्परेचर है क्लाउडी वेदर है क्लाउडी वेदर है यहाँ पर पैसठ परसेंट जो है चांसेस बारिश होने के हैं ह्यूमिडिटी जो है वो तिरसठ परसेंट हो चुकी है तो बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी भाई देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले में जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ लंका प्रीमियर लीग का यह पहला सीजन है दोनों टीमों के आपको मेन मेन खिलाड़ी बता दी ओवरसीज खिलाड़ी बता दिए क्योंकि यहां पर ओवरसीज खिलाड़ी जो है वो काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है जाफना किंग्स से जहां पर अहमद अल गुरबा जो टॉम और दोनों जो है फॉर्म में यहाँ यहाँ पर हो सकता है जेन् खेलें या जिमिन निश्म और शोएब मलिक में से कोई एक खेलें यहाँ पर अब तीसरा प्लेयर डिपेंड करते हैं उनको क्या चाहिए क्योंकि शोएब मलिक जो है एज अ बल्लेबाज के साथ एक स्पिनर गेंदबाज भी काम कर सकते हैं और यहाँ पर अगर तेज़ गेंदबाज है तो जिमी निशम गेंदबाजी कर सकते हैं मेरे साथ तो शोएब मलिक के साथ जाना चाहिए जिमी निशम का फॉर्म जो है वो न्यूजीलैंड की टीम में भी कुछ खास रहा नहीं है और शोएब मलिक जो है उन पर आप मेडल ऑर्डर में भरोसा कर सकते हैं इस सीज़न क्या वो वो मिडल ऑर्डर में खेलेंगे क्या शुएम मलिक नंबर तीन पे खेलेंगे वो डिपेंड करता है यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर तो यही रहेगा क्योंकि रहमतुल्ला गुरबज जो है वो ओपन करते हैं हो सकता है वो ओपन करें बिनारो फर्नांडो जो है उन्होंने भी ओपन किया था इस सीज़न में फाइनल मुकाबले में तो वो ओपन कर सकते हैं तीन पे टॉम कुल कैडमोर हो सकते हैं चार पे शोएब मलिक और पाँच पे पर तीसारा परेरा हो सकता है तो ये बैटिंग ऑर्डर बन सकता है यहाँ पर और जेम्स सोलर तो एज अ गेंदबाज खेलेंगे और बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं जेम्स सोलर टी के अंदर आपने देखा ही होगा इनका नाम सुना ही था बढ़िया गेंदबाजी हुई थी इनके द्वारा और विक्टे भी चटकाई थी अपने टीम के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग बोल रहे हैं जाफना गेम जीतेगी भाई मतलब भाई बैट्स कैसे पे लगाओ किसका भाई देखिए बता देंगे आपको टॉस होने दीजिए भाई और पखतुन भाई आप टॉस टॉस होना दीजिए टॉस के बिना मैं आपको बताना बहुत मुश्किल होगा पहले टॉस होने दीजिए टॉस के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको दे दूंगा कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बस चार मिनट बचे हैं टॉस होने में और उसके बाद टॉस के बाद आप देखेंगे भाई कौन सी टीम किससे बने प्लेंग इलेवन देखे आप प्रेडिट नहीं कर सकते तो कौन सी टीम जीतेगी जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर जाफना किंग में अमेंदू असरंगा पहले पिछले सीजन में इनकी टीम के अंदर थे मगर अब जो है इस टीम के अंदर नहीं है वो अलग दूसरी टीम के कप्तान बन गए हैं बीस बीस ओवर का है भाई बिल्कुल भाई बीस बीस ओवर का यह मुकाबला है तैयारी

श्रीलंका की है लीग है इसका डेट चेंज हो गई थी इसके बाद फिर से आप जुड़ गए हैं छः तारीख से छः दिसंबर से ये यह मुकाबला यहाँ पर शुरू होने वाला है पहला मुकाबला तैयारी कर लीजिएगा इस मुकाबले के लिए यहाँ से पहला मुकाबला जल्द से जल्द खेला जाएगा तो जुड़ जुड़ जाइए हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होगा ढाई बजे टॉस होगा और टॉस के बाद टॉस के बाद बताएंगे प्लेइंग इलेवन कैसी रहेगी प्लेइंग एवन लंका प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी चल रही है अभी तो शुरुआती सेरेमनी चल रही है आप डिपेंड करता है किस तरीके से खेला हो और किस तरीके से खेल जो है यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा जुड़ जाइए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ आपको दोनों टीमों के अहम अहम खिलाड़ी बता दिए हैं जब तक टॉस नहीं होता तब तक एक बार इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको पिच के बारे में ग्राउंड के बारे में स्क्वाड के बारे में किस तरीके से यहाँ पर दोनों टीमों का स्क्वाड जो है वो रहने वाला है यहाँ पर जुड़ जाइए हमारे साथ इस मुकाबले में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देंगे यहाँ पर जैसे ही टॉस होता है तो टॉस आपको बता जाएगा भाई टॉस किस तरीके से यहां पर होगा और कौन सी टीम यहां पर टॉस जीतते हुए नजर आएगी तो आप सभी का स्वागत करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए यहाँ पर जाफना किंग्स वर्सेस गालिक लेडिटर का ये पहला मुकाबला है इस सीज़न का लंका प्रीमियर लीग 2022 का पहला मुकाबला एक तरफ होगी तिसारा फ्रेरा की टीम एक तरफ होगी कुशल कुसलमैंडस की टीम देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ेगा यहाँ पर अगर बता दें पिछले पिछले सीजन में जाफना किंग्स जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है दोनों टीमें जो है फाइनल में गई थी जाफना किंग्स और गालिग लेडिटर मगर बाजी मारी थी जाफना किंग्स ने हमने भी शुरुआत जो है लंका प्रीमियर लीग से की थी अपने चैनल के तो आज फिर से दूसरा सीजन नया सीजन जो है वो आ चुका है 2022 का आ, टाइम के चलते जो है 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 इसको एक्सटेंड अब दिसंबर से से शुरू शुरू हो हो रही आज ये मुकाबला हो रहा है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफी जबरदस्त होगा का, बीस बीस ओवर का ये मुकाबला है और यहां पर यहां पर दोनों टीमें जो हैं वो काफी खतरनाक है थोड़ा तो सा तो छोटा इसे ग्राउंड होता है ये और कहीं ना कहीं यहां पर गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों को मदद करती है ये पिच तो काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं चलते हैं ज़रा आपने इस मैच के प्रीव्यू की तरफ सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर मौसम की भाई मौसम किस तरीके से क्योंकि हमने देखा है लंका प्रीमियर लीग में अमूमन बारिश हो होते बारिश होने में जो है समय नहीं लगता और यहाँ पर ज़्यादातर बारिश होती रहती है काफ़ी मुकाबले में छोटे भी देखे हैं पिछले सीजन में दिसंबर का यह समय था जब वहाँ पर मुकाबला खेला गया था तो यहाँ पर मौसम की अगर बात की जाए तो अट्ठाइस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर और माफ करिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है एक बार रुक जाइए यहाँ पर जो है थोड़ा सा शेख जायद इंटरनेशनल स्टेडियम आ गया गलती से यहाँ बता दें आपको मौसम के बारे में बता देते हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आप सब लोग मैं थोड़ा सा मौसम के बारे में आपको अपडेट यहाँ पर कर देता हूँ जी तो यहाँ पर मौसम के बारे में आप जान लीजिएगा तीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस है तीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस है थोड़ा सा क्लाउडी ये वेदर है यहाँ पर थोड़ी सी बारिश होने की संभावनाएं बताई गई हैं इस इस मुकाबले में उम्मीद करेंगे कि जबरदस्त खेलो बारिश ना हो इस मुकाबले में क्योंकि यहां पर मौसम तो बना हुआ है तीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है क्लाउडी थोड़ा सा वेदर है और सिक्सटी सेवन परसेंट चांसेस हैं बारिश होने के चौवन परसेंट ह्यूमिडिटी है आ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अमून देखिए हमन ट महेंद्र राजपक्षा इंटरनेशनल इंटरनेशनल में कई बार हमने देखा है कि बारिश हो जाती है कोस्टल एरिया है मगर मगर कई बार हमने देखा है 67 या 70 होते हैं मगर पूरे ओवर का खेल हो जाता है दिन का यह मुकाबला है और उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर खेल जो है वो पूरा हो मगर मौसम थोड़ा सा क्लाउडी बना हुआ है बारिश की संभावनाएं सिक्सटी सेवन परसेंट है, है, है। उम्मीद करेंगे कि पूरे चालीस ओवर खेल हो मगर अगर नहीं भी हुआ तो उम्मीद करेंगे यार पंद्रह पंद्रह या बारह बारह ओवर का यहाँ पर खेल हो जाए यहाँ से बता दें आपको कुछ ही समय बाद जो है वो टॉस हो जाएगा टॉस के बाद यहाँ से मुकाबला शुरू हो जाएगा तो मौसम थोड़ा सा डराने वाला है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बारिश होने की संभावना है काफ़ी दिन से क्लाउडी वेदर चल रहा है कल थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है तो पिच कहीं भी हद तक इंपैक्ट पड़ेगा बीस चालीस ओवर खेल है मगर कहीं ना कहीं जो शुरुआत के पहले पहले जो छः ओवर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर मुकाबले के लिए यहाँ पर तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफ़ी बढ़िया होने की उम्मीद है यहाँ पर पुराने खिलाड़ी भी आपको देखने को मिल जाएंगे नए खिलाड़ी भी आपको देखने को मिल जाएंगे अमूमन वो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं जो हमने टी के अंदर अभी रिसेंटली हमने देखा था ज़बरदस्त खेल का प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर बात यहां पर स्क्वाड की भाई स्क्वाड किस तरीके से रहेगा दोनों टीमों का दोनों टीमों का स्क्वाड आप जांच लीजिएगा जान लीजिएगा डिफेंडिंग चैंपियन है कहीं ना कहीं जाफ़ना किंग पिछले सीजन में ट्रॉफी उठाई थी तो क्या इस सीजन भी ट्रॉफी उठा पाए? ट्रॉफी उठा पाएंगे देखना होगा सबसे पहले बात करते हैं गाले ग्लेडिटर की कुछ नए खिलाड़ी जो है उन्होंने अपनी टीम के अंदर डाले हैं यहाँ पर क्या ये टीम के एक नए खिलाड़ी जो है क्या मौका दे पाएंगे अपनी टीम को देखना होगा यहाँ पर जुड़ जाइए हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ मुकाबला काफ़ी बढ़िया होगा अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले कप्तान की तो कप्तान गाले ग्लेडिटर के हैं कुशल मैंडिस कुशल कप्तानी की थी पिछले सीजन में मगर अनफॉर्चुनेटली आखिरी मुकाबला फाइनल मुकाबला जो है वो हार गए थे इस टीम के अंदर ओवरसीज प्लेयर्स की बात करें तो इमाद वसीम इस टीम के अंदर है इफ्तकाम अहमद इस टीम के अंदर है मोहम्मद हसरीन इस टीम के अंदर सरफराज अहमद है पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज यहाँ पर आजम खान है जो अभी हमने रिसेंटली देखा है और फाइनल तक गए थे टी में प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं था मगर जबरदस्त बल्लेबाज और लंका प्रीमियर लीग शूट करती है शूट करती है आजम खान को और यहाँ पर अनवर अली भी है अनवर अली अमूमन तेज गेंदबाज हैं लंबे कद के गेंदबाज हैं बढ़िया गेंदबाजी करते हैं बात करें यहाँ पर आज देखना होगा कि यहाँ पर अनवर अली और यहाँ पर अनवर अली और नशीम शाह या मुखर मोहम्मद हसनैन के बीच में कंपटीशन रहेगा कि कौन खेलेगा मोहम्मद हसनैन बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करके आए टी टेन के अंदर एनवाल अभी सीजन से खेल नहीं रहे डोमेस्टिक खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो सीधा लंका प्रीमियर लीग में आए हैं ग्रालिक गिलेटेड की तरफ से अगर हम इनके डोमेस्टिक प्लेयर की बात करें लोकल प्लेयर्स की बात करें तो कुशल मैंडिस टीम के अंदर है कुशल जनित परेरा इस टीम के अंदर है नुआान प्रदीप टीम के अंदर है लक्षणा सदाकम इस टीम के अंदर है नुआान तुषारा इस टीम के अंदर है नवेंदू फर्नान्डो इस टीम के अंदर है निमेश मेमुक्ति इस टीम के अंदर है पुलिस तरंगा इस टीम के अंदर है निपुन मलिंगा सचिंदु टीम के अंदर है, है बढ़िया खेल खेल खिला खेलते हैं प्रीमियर लीग में इनका भी एक कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में नाम है लक्षण गामजे इस टीम के अंदर है त्रिनेदु कुशाला कुशाल इस टीम के अंदर है और शामू आशान इस टीम के अंदर है मेन फोकस हमारा ओवरसीज प्लेयर पर इसलिए रहेगा क्योंकि देखिए किसी भी लीग मैच में आप देखते हैं तो चार जो ओवरसीज प्लेयर खेलते हैं टीम के अंदर वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है क्योंकि यही जो प्लेयर्स है

जाफना किंग्स के अंदर ओवरसीज प्लेयर की बात करें सबसे पहले कप्तान की बात करते हैं तीसरा परेरा इस टीम के अंदर है ओवरसीज प्लेयर की अगर बात करें तो जिमी निशम शोएब मलिक जेम्स फुलर जेमसर गुरबज वील इस टीम के अंदर है टॉम कलर कैडमोर इस टीम के अंदर है अगर मैं पिछले सीजन के ध्यान से उठाऊं तो यहां पर इस टीम के अंदर बढ़िया गेंदबाजी बल्लेबाजी की थी यहां पर रमदुल्ला गुरबज और टॉम कुलर कैडमोर ने अगर फाइनल मैच याद करूं तो 200 प्लस स्कोर खड़ा किया था तो इन दोनों बल्लेबाजों पे जिम्मेदारी इस सीजन के अंदर भी होगी कि जबरदस्त यहां पर खेल दिखाएं साथ में गेंदबाज

टीम टीम के अंदर टीम के अंदर अंदर है 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 इसलिए डिफेंडिंग इस इस सीजन की आपको तिसारा दिखना, दिखना को मिल जाएंगे डिसिल्वा। डिसिल्वा वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका का हिस्सा थे जबरदस्त खेल रहे हैं महेश के अंदर बढ़िया गेंदबाजी दो ओवर मिले यहां इनके चार ओवर है और टॉस जीता है यहां पर गाले ग्ले ने गाले ग्ले ने टॉस जीता है पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया देखिए आपके किसके सामने है यहां पर टॉस हो चुका है इस मुकाबले में टॉस जीता है गाले ग्लेडिटर ने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है। कुशल मेंडिस ने कहा है कि यहाँ पर टॉस जीत कर हम चाहते हैं कि यहाँ पर देखें कितना स्कोर जो है किंग बनाएगी अगर बात की जाए तो यहाँ पर गाले ने कहा है कि तीन तेज गेंदबाजों से उतरे हैं तीन तेज गेंदबाज उनके पास हैं और दो स्पिनर गेंदबाजों के साथ यहां पर जाएंगे अतिसारा परेर भी कह रहे हैं कि भाई आ, सेवन प्लस फोर कॉम्बिनेशन हमने बनाया है यंगस्टर अभी अब समय को भी मौका दिया है सारा परेरा ने बस प्लेइंग लाइन का इंतजार है टॉस हो चुका है

पूरे ओवर का खेल यहां पर हो जाए और शाम को भी मुकाबला जो है, रहे। तो है इंटरेस्टिंग रहेगा देखना होगा कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है और किसका चलेगा सिक्का यहाँ पर प्रवण भाई जुड़ चुके हैं कैसे यहां पर तिरंगा भी है भाई बिल्कुल सर जी टीवी पर नहीं देख सकेंगे देख सकते हैं भाई टीवी बिल्कुल देख लीजिएगा पिछले बताओ भाई राजू वो श्री पर बताए तो पिछ रिपोर्ट तेज गेंदबाजों और स्पिनट गेंदबाजों पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है साठ परसेंट तेज गेंदबाजों को विकेट मिलती है और चालीस परसेंट स्पिनट गेंदबाजों को विकेट मिलती है दिन का मुकाबला धूप खिली नहीं है बादल है तो हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर मदद मिल सकती है किसको सपोर्ट करेंगे भाई भाई देखिए मेरे हिसाब से तो मैं गाले ग्लेटर को सपोर्ट करूंगा भाई चेज़ कर रहे हैं टी में चेज करते हुए टीमें ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है तो मेरी तरफ से गाले ग्लेडिटर को सपोर्ट करेंगे उम्मीद करेंगे गाले गेडिटर जो है इस मुकाबले को जीते यहाँ पर अब डिपेंड करता है लाइनअप दो यार बिल्कुल सर लाइनअप का वेट कर रहे हैं जैसे लाइनअप मेरे को मिल जाता तुरंत तो मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे क्योंकि यहां पर बताया है कि यहां पर मौका है मौका है यहां पर कॉम्बिनेशन बताया कि तीन तेज गेंदबाज कुशल मंडे तीन तेज गेंदबाज से लग गए दो स्पिनर गेंदबाज के साथ गए हैं और यहाँ पर तीसरा परेरा जो है वो सेवन प्लस फोर चार चार गेंदबाज और सात यहाँ पर जो है ऑलराउंडर प्लस बल्लेबाज जोड़े हैं उन्होंने अपनी टीम के अंदर बस टॉस हो चुका है टॉस के बाद लाइनअप का इंतजार करें जैसे ही लाइनअप आती है स्क्रीन के सामने तुरंत लाइनअप जो है आपकी तरफ लाइन लाइन हाजिर कर देंगे और लंका प्रीमियर लीग लंका प्रीमियर लीग का ये पहला मुकाबला आज दो मुकाबले होने एक मुकाबला अभी होना है और दूसरा मुकाबला इसके ठीक बाद शाम को होना है सारे सात बजे शुरू हो जाएगा मुकाबला तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस मुकाबले में टॉस तो हो चुका है बस प्लेइंग इलेवन का इंतजार है प्लेइंग इलेवन जैसे ही आती है हमारे स्क्रीन के सामने तुरंत जो है आपको यहाँ पर प्लेइंग इलेवन जो है वो दिखा दी जाएगी बता दी जाएगी तो तैयारी तो कर लीजिएगा इस मुकाबले की मुकाबला बस कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होने वाला है तो जुड़ जाइए हमारे साथ पिच कैसी है भाई पिच भाई देखिए थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि तेज गेंदबाजों को मदद करेगी फ्रेश पिच है और दिन का मुकाबला धूप ज्यादा पड़ी नहीं है इस पर कहाँ देख सकते हैं सर भाई सोनी लिप पर आप डायर देख सकते हैं सोनी पे आप लाइव देख सकते हैं इस मुकाबले को भाई सोनी पे आप सारा ये मुकाबला जो है वो लाइव देख सकते हैं मगर आपको फ्री में लाइव देखना रहे हो तो डल्टिंग थवन आपके साथ जुड़ जाएगा

पहले कह दिया है कि भैया हम तो करेंगे यहाँ पर गेंदबाजी क्या तिसारा पर टीम की सोच रहेगी मेरे हिसाब से, इसको 60 से एक सौ से लेकर एक के बीच में स्कोर रहेगा और वो चेज़ होगा फ्रेश पीचर हो सकता है बल्लेबाजों को ज़्यादा मदद करे गेंदबाजों के मुकाबले और टीम शीट टीम शीट बस थोड़ी देर में आने वाली टीम के बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे यहाँ पर कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं जैसे ही प्लेंग लेवन मेरे स्क्रीन के सामने आती है तो बिल्कुल आपके स्क्रीन के सामने जो है प्लेइंग इलेवन जो है चलनी शुरू हो जाएगी और मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा प्लेयरों का यहाँ पर तो थोड़ी देर रुक जाइएगा बस गुरुबाजा सो मारेगा भाई गुरुबज अगर खेलेंगे तो भाई पक्का मारेंगे और गुरुबज का फॉर्म भी काफ़ी छोटी मिलेगी ज्यादा बड़ी बाउंड्रीज मिलेंगी नहीं अमूमन मिलें मिलें पिछले सीजन भी इसी तरीके से सीजन आ, में जो है पीछे थोड़ी सी छोटी ग्राउंड थोड़ा सा छोटा सा रहा है और उम्मीदें यही है, है थोड़ी देर में अभी बस का इंतजार है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे भाई और चाहेंगे यहाँ पर एक बेहतरीन खेल जो है वो देखने को मिल जाए यहाँ पर गुरुबज नहीं खेलेगा भाई देखते हैं भाई गुरुबज क्यों नहीं खेलेंगे अभी रिसेंटली खेल तो नहीं किंग भाई टीटन के अंदर खेल के आए हैं आप कह रहे हैं यहाँ नहीं खेले क्यों नहीं, खेलें। नहीं खेलेंगे भाई गुरुबज गुरुबज टॉम कुलर कैडमोर कहीं ना कहीं जाफना किंग से बहुत अहम खिलाड़ी हैं जो फाइनल पिछले पिछल सीजन में फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने ही रन मारे हैं तो हो सकता है यहां पर खेले टॉस हो चुका है टॉस का इंतजार था टॉस हो चुका है और टॉस जीता है यहाँ पर टॉस जीता है यहाँ पर गाले खेले टिटन ने वहां पर भी कह रहे हैं भाई पहले जाफना में अब यहां पर रह चुके हैं गाली गलेटर में आप देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं यार बस प्लेइंग प्लेंग में देखिए हर बार इंतजार करना पड़ता है उम्मीदें यही है बस थोड़ी देर में अभी पाँच सात मिनट के अंदर आपको प्ले ग्राउंड दिख जाएगी तीन बजे भारत समय अनुसार तीन बजे ये मुकाबला खेला जाएगा तो जुड़ रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए आप भी टीम बताए भैया भाई, भाई मेरी तरफ से मैं गाले गलेटर को सपोर्ट करूंगा मैं चाहूंगा गाले गलेटर जो है इस मुकाबले को जीते अब एक बार प्लेंग्राउंड देख लूंगा तो मैं सुनिश्चित हो जाऊंगा कि भाई हाँ ये टीम मेरे लिए बेस्ट रहेगी मेरे को वैसे पसंद जरूर है सर ओपन रेट से लगाएं जाफना अपना क्या उन्होंने भाई देखिए वेट कर लीजिए ओपन से क्या जरूरत है भाई राकेश भाई ज़्यादा पैसा तो ओपन से छोटे से करिए ना क्योंकि पहला मुकाबला है मुझे लगता है कि एक जबरदस्त मुकाबला होगा जैकपट भी हो सकता है भाई क्योंकि पिछले सीजन में पहला मुकाबला हुआ था और एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ था और चेज हुआ था वो मैच आ यहां पर आ, भाई कितने मैच भाई बता दू दिया मैच तीन बजे शुरू होगा तीन बजे शुरू होगा उन्नीस मिनट बच्चे हैं अभी भी टीम एक बार आ जाए टीम आपको दिखा दूं बता दूं क्योंकि टीम अभी तक आई नहीं है मैं प्लेंग चेक कर रहा हूं हर जगह पे अभी टीम आई नहीं है जैसे टीम आती है तुरंत मैं आपको बता देता हूँ भाई कौन कौन से खिलाड़ी यहां पर खेल रहे हैं प्लेइंग इलेवन के अंदर अभी प्लेइंग प्लेंग्राउंड में हर जगह चेक कर रहा हूँ प्लेइंग ग्राउंड नहीं आई है लाइक कर दिया दिवग भाई आज मेरा कैप्टन शोएब है भाई आ रहा है अबराट भाई हमारा थमनल देख के शेयब मलिक चुन लिया क्या आपने आ, यहाँ पर आलिया शाह नवाज़ भाई कह रहे हैं कब स्टार्ट होगा तीन बजे शुरू होगा तीन बजे भारतीय समय अनुसार तीन बजे ये मुकाबला शुरू होगा तो जुड़ रही है सब्सक्राइब करते रहिए प्लेइंग अभी ले, प्लेंग इलेवन आई नहीं है प्लेइंग इलेवन जैसे ही आती है तुरंत मैं आपको अपडेट कर दूंगा यहाँ पर देखना होगा कौन सी टीम यहाँ पर क्या कर रही है कब देखिए मेरे हिसाब से 160 से लेकर एक के बीच में स्कोर रहेगा फ्रेश पिच है थोड़ा बहुत बारिश आने की संभावना है इसलिए गाली लेटर ने कहा होगा सोचा होगा कि भाई बारिश अगर हो गई तो फिर वो ढकल लूज मेथड यूज़ होगा तो इसीलिए अभी तक बारिश हुई नहीं है बादल छाए हुए हैं ग्राउंड के अंदर बादल छाए हुए हैं बारिश होने की संभावनाएं हैं मतलब हो सकती है सिक्सटी सेवन परसेंट है यार कभी कभी हमने सत्तर सत्तर परसेंट देखा और पूरे पूरे मैच वहां पर हो जाता है तो इसीलिए उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश ना ही हो पूरा मुकाबला खेल देखने को मिल जाए जाफना किंग टीम अच्छी है भाई पिछले पिछले सीजन के डिफेंडिंग चैंपियन और इस सीजन भी डिफेंडिंग चैंपियन की तरह ही खेलेंगे यहाँ पर तो लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को बस तो प्लेइंग इलेवन का इंतजार है कब भेजेंगे कब भेजेंगे प्लेइंग इलेवन हम तो इंतजार में आंखें तरस गई जाफना के लिए टॉम कुलर कैडमोर और गुरबास दोनों जो हैं, वो हैं है वो अहम खिलाड़ी हैं और दूसरी टीम में कुशल मैंडिस हैं क्या कुशल बल्लेबाजी कर पाएंगे फॉर्म में तो रहे हैं कुशल मैंडिस पाकिस्तानी टाइम भाई पाकिस्तानी ने अपना मुझे पता नहीं भाई मैं तो इंडियन टाइम के हिसाब से बता रहा हूं आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा लीजिएगा पाकिस्तानी टाइम

ध्यान रखिएगा प्लेइंग इलेवन कहीं नहीं आई है ये भाई प्लेइंग इलेवन का इंतजार ही कर रहे हैं बस प्लेइंग इलेवन का इंतजार कर रहे हैं जैसे ही प्लेंग इलेवन सामने आते हैं तुरंत आपके स्क्रीन के सामने जो है वो आ जाएगा यहां पर अभी भारत समय अनुसार देखिए यहाँ पर टाइम हो रहा है दो बज के तैतालीस मिनट और भारत समय अनुसार तीन बजे ही खेला जाएगा तो मुकाबला तो सत्रह मिनट बचे हैं अभी मुकाबला शुरू होने में उम्मीदें यही है कि थोड़ी देर में यहां पर खेल जो है वो शुरू हो जाए लाइनअप का भाई विद ठाकुर भाई लाइनअप का पूरा इंतजाम कर रहे हैं कि लाइनअप जो है वो आ जाए अभी लाइनअप आई नहीं है मैकापेटाइस में जुड़ चुके हैं हम करें यो ब्रो यो मैटाइस भाई कैसे हैं आप बस कुछ ही देर में यहां पर मुकाबला जो है वो शुरू होगा बस प्लेइंग इलेवन भाई ये भी टीटन जैसा हो गया है, ये भी टीटर हो गया है प्लेइंग इलेवन की अनाउंसमेंट हो ही नहीं रही है एक्चुअल में प्लेइंग इलेवन की अनाउंसमेंट हो ही नहीं रही है बस वेट कर रहे हैं कि भाई ये जल्दी से जल्दी जो है प्लेइंग इलेवन दे तो तुरंत मैं आपको यहाँ पर प्लेइंग इलेवन दिखा दूँ और बता दूँ आपको कि भाई क्या प्लेइंग इलेवन है दोनों टीमों की क्योंकि अभी तक लाइनअप जो है वो डिस्क्लोज नहीं की गई है डिस्क्लोज नहीं की गई है प्लेइंग इलेवन जैसे ही प्लेइंग इलेवन डिस्क्लोज होती है टॉस तो जीत लिया है टॉस तो जीत लिया है यहाँ पर गालिकेट ने पहले जो है गेंदबाजी करने का निर्णय लिया सही सीजन है भाई सही सीजन है यहाँ पर सही कोशिश करिए कि भाई पहला मुकाबला है आप चाहेंगे नहीं कि प्रेशर बने आपके ऊपर आप चाहेंगे दूसरी टीम के शुरुआती कुछ विकेट लेकर दबाव बनाया जाए जाफना के ऊपर ध्यान रखिए फाइनल मुकाबले में भी जाफना ने पहले बल्लेबाजी की थी दोस्तों प्लस स्कोर खड़ा किया था टीम बताओ भाई टीम बताओ भाई बता तो दिया मैं गाले गलेटर को सपोर्ट कर रहा हूँ बस गाले की एक बार बैटिंग देख लूँ यार कि गाली लीडर का उस टीम के पास कौन कौन से बल्लेबाज हैं इन फॉर्म बल्लेबाज तो होने चाहिए मगर देखिए खतरनाक जाफना है जाफना बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें तिसारा परेरा खेलते हैं और तिसारा परेरा ने पिछले सीज़न में बड़े ज़बरदस्त रन बटोए थे हाँ यहाँ पर देखते हु क्या होता है बस टॉस के बाद अब प्लेंग इलेवन का इंतजार है वेट कर रहे भाई आ गई प्लेंग लाउन भाई बता दीजिए फिर कौन कौन से खिलाड़ी खेलने स्वाप्ली भाई कहाँ आ गई बता दीजिए मुझे मैं तो हर जगह चेक कर लिया है और आप मुझे बता दीजिए मैं तो ऑफिशियल शाइट पर भी चेक कर रहा हूँ भाई पता नहीं क्या प्लेंग लाउन बताई दे क्या पता बताई दे प्लेंग इलेवन बस चीटिंग कर रहे हैं बता ही नहीं रहे हैं यहाँ पर चलिए चलते हैं जरा यहाँ पर हल्का फुल्का देखिए थोड़ा बहुत देखिए बादल तो छाए हुए हैं हल्का फुल्का मौसम में वैसे कहते हैं ना छोटी छोटी धूप से निकल रही है और मुझे लगता नहीं यहाँ पहुँच पाएगी धूप और बारिश होने समान है भाई आज गौराज मारेगा गुरबस देखिए गुरबस तो अच्छे खिलाड़ी हैं चलिए गाले की प्लेनिंग हम आ चुकी है प्लेइंग इलेवन आ चुकी है चलिए प्ले इलेवन तो चलते हैं और प्ले नाम दिखाते हैं आप सबको यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफी बढ़िया है और बस अब प्लेइंग इलेवन का इंतजार था और प्लेइंग इलेवन आ चुकी है प्लेइंग इलेवन आ चुकी है आपके स्क्रीन के सामने बस थोड़ी देर में ही आपके स्क्रीन के सामने दो सारे खिलाड़ी होंगे बाकी मैं टीम बता देता हूँ जाफना किंग में आविष्का फर्नांडो है टॉम कुलर अकेडमोन है तिसार परेरा है धनेंद्र डिसवा है शोएब मलिक को रखा है राहुल्ला गुरबाज जो विकेट कीपर होंगे जेम्स सुलर है महेश टिकसेना है और विजयकांत विजयकांत व्यासकांत टीम के अंदर बिनारो फर्नांडो है और दुनित

जाफना किंग्स की प्लेइंग इलेवन जो आपको दिखा रहे हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहां पर एक साइड में आपको जाफना किंग्स की प्लेइंग इलेवन दिखाएंगे और एक साइड में आपको यहां पर और दूसरी टीम दिखाएंगे बाकी अब डिपेंड करता है किस तरीके से खेल चलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग रहने की उम्मीद है तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने एक बार देख लीजिएगा जाफना जाफना किंग्स की प्लेइंग नाम है आप देख सकते हैं आप स्क्रीन के सामने इस टीम के अंदर आपको यहाँ पर अविष्का फर्नांडो टॉम कूलर कैडमो और आपको देखने को मिल जाएंगे साथ मिलेंगे टॉम यहाँ पर तीसारा पर जो जो अपने जो प्लेयर बताए थे वो ऑलमोस्ट वो प्लेयर यहाँ पर खेल भी रहे हैं अगर बात करें यहाँ पर जो बताए थे फर्नांडो के बारे में टॉम कुलर लो तिसारा डिसिल्वा, शुएं मलिक शोएब मलिक को टीम में रखा है और कहीं ना कहीं पुराने ही जो है वो देखने को मिली आप, आप के सामने आप देख, देख सकते हैं मगर अभी थोड़ी देर में ही आपको यहां पर गालिक की टीम भी आपको देखने को मिल जाएगी लीजिए गाले की टीम भी देख लीजिएगा तो गालिक की टीम एक साइड में आपके स्क्रीन के यहां पर जो है जाफना किंग्स की प्लेइंग इलेवन को मैच कर सकते हैं भी रहा वी라운 सासद में बता भी रहा हूं आपको यहां पर प्लेइंग 11 के बारे में तो जुड़ जाइए लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और जुड़ रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग रहेगा है। देखते हैं कौन सी टीम किस पे भारी पड़ती है बाकी देखिए यहां पर जाफना किंग्स में अविष्का फर्नांडो टॉम कूलर कैडमोर तिसारा परेरा धनंजय डिसिल्वा शोएब मलिक रहमानुल्लाह गुरबाज इस टीम के अंदर है जेम्स फुलर है महेश तिकसेना है विजयकांत व्यासकांत है बिनारो फर्नांडो है और दुलित वेलेज इस टीम के अंदर है तो यहाँ पर अच्छी लग रही है ये टीम आगे उम्मीद है तो यही है कि जबरदस्त खेल जो है वो देखने को मिल जाए तो जुड़ जाइए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहाँ पर देखना होगा कौन सी टीम किस पे भारी पड़ती नजर आती है तो यहाँ पर आपको पूरी प्लेइंग इलेवन दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन जो है वो दिखा रहे हैं जुड़ जाइएगा लाइक करिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ रहिए है यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने जो है प्लेइंग इलेवन दोनों टीमों की आ चुकी है बस दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन जो है वो लगा के एक बार फिर से आपको बता देते हैं भाई कौन कौन सी टीम किस पे भारी पड़ेगी इसलिए मैं पहले से आज सेट करके रखा हुआ था भाई कि प्लेइंग इलेवन बनना व्यवर्स दिखाएं तो परेशान व्यूअर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं यहाँ पर दोस्तों प्लस होगा भाई भाई हो भी सकता है भाई हो भी सकता है ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता हो सकता है भाई पूरा हो सकता है 200 प्लस क्या भैया यहाँ तो 220 रन भी हमें चे, हमने चेज होते हुए देखे हैं ध्यान रखिएगा 220 रन भी हमने यहां पर चेज होते हुए देखे हैं। तो लिए आपको दिखा देता हूँ क्योंकि यार दूसरी स्ट्रीम पर भी प्लेंग इलावन सेट करनी कर, दिया है कर दिया है सेट अब ध्यान से सुन लीजिएगा प्लेंग इलेवन एक बार ध्यान से बताएंगे आपके दाई तरफ दाई तरफ जो है वो किंग्स की प्लेंग इलेवन है और बाई तरफ आपकी स्क्रीन के जो है वो प्लेंग इलेवन है यहां पर जो है देखिए जाफना किंग्स में है अविष्का फर्नाडो टॉम कैडमो कैडमोर

अहमद को भी रखिएगा इफ्तिकार अहमद भी एक जबरदस्त पारी खेल के आए तो चीचन के अंदर तो तैयारी कर लीजिएगा मुकाबला हो रहा है शुरू तो प्लेग सबके स्क्रीन के सामने है जिससे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आपको इसीलिए आपके स्क्रीन के सामने दोनों टीमों की प्लेइंग एलेवन रखी हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पर जाफना किंग्स में जाफना किंग्स आपके बाई तरफ है और गालिक आपकी बाई तरफ है यहाँ पर जाफना किंग्स में अविष्का फर्नांडो टॉम कुलर कैडमोर रेहनालोरबस तिसारा परेरा धनंजय डिसिल्वा जेम्स फुलर शोएब मलिक महेश टिकसेना सेना और व्यासकांत स्टीम के विजय विजयकांत इस टीम के अंदर बिनानो फर्नांडो है डी विलवॉज इस टीम के अंदर है और जाफना गालिकटर में आपको कैंप यहाँ पर मिलेंगे गुशल मंडिस विकेट कीपर कप्तान आजम खान इस टीम के अंदर नुआान फर्नांडो इस टीम के अंदर इफ्तिकार अहमद हैं और इस टीम के अंदर आपको मिलेंगे इफ्तिकार अहमद के बाद जो है शमू आशान मुविन शबसिंगा इमाद वसीम फुलियाना थरंगा नुआन तुषारा नुआन प्रदीप वहाब रियाज वहाब रियाज वहाब रियाज का प्रदर्शन जो है न्यूयॉर्क स्ट्राइकर में बड़ा जबरदस्त था आज ही मुझे लग रहा है कि इसी तरीके का प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आएंगे तो जुड़ जाइए हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीद है तैयारी कर लीजिएगा

लीग का ये पहला मुकाबला है और पहले मुकाबले के बाद दूसरा मुकाबला आज होना है दूसरा मुकाबला भी आज होना है यहाँ पर और ओपनिंग सेरेमनी खत्म होने को आ रही है लंका प्रीमियर लीग की और लंका प्रीमियर लीग शुरुआत हो रही है शुरुआत हो रही है सीजन की डिफेंडिंग चैंपियन है यहां पर चाफना किंग्स गुप्ता आपके गेम दे दो भाई गुप्ता जी का गेम तो आप ले लीजिएगा चलिए कोई बात नहीं यहाँ पर विल विन भाई बता दो दिया गाले ग्लेडिटर को सपोर्ट कर रहे हैं भाई उम्मीद कर रहे हैं गाले ग्लेडिटर जो है इस मुकाबले जीते हैं इफ्तिकार और आजम खान की बल्लेबाजी भरोसा कर रहे हैं साथ में कुशल मैंडिस भी हैं कुशल बल्लेबाजी करते थोड़ी सी कमजोर जरूर लग रही है यहाँ पर बल्लेबाजी मगर तैयारी चल रही है टीमें हैं तैयार और यहाँ पर बस कुछ ही देर में आपको ग्राउंड के अंदर जो है दोनों दोनों खिलाड़ी दोनों टीमें आपको नजर आएंगी और बेहतरीन खेल होता है देखिए पहला मुकाबला पिछले सीजन भी काफ़ी बेहतर हुआ था यहाँ पर और मुझे लगता है कि आज का सीज़न भी आज का मुकाबला भी काफ़ी बढ़िया होगा तैयारी कर लीजिएगा और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस यहाँ से कोशिश यही है कि जबरदस्त यहां पर खेल हो और टीमें जो है वो जुड़ रहे हैं यहां पर देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में और कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है मुझे यही उम्मीद है यार कि देखिए मैं मैं अंदाजा लगा के चल रहा हूँ कि पहले सीज़न भी अच्छा खेल हुआ था इस सीज़न भी मुझे लगता है कि अच्छा ही खेल प्रदर्शन होगा और बड़े बड़े स्कोर यहाँ पर मैंने देखे हैं चेज़ होते हुए एक अच्छा टूर्नामेंट है अच्छी लीग है और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने को मिलेगी क्योंकि एशिया कप जीतने के बाद ये टीमें जो है वो काफ़ी जबरदस्त खेल दिखा रही हैं आपके किस के सामने प्लेयर है जिस भाई को कोई कन्फ्यूज हो तो मुझे मुझसे मैसेज करके पूछ सकता है भाई को अगर कोई दिक्कत हो तो बाकी टीमें हमारी यही रहेगी टीम हमारे रहेगी यहाँ पर गाली गिल उम्मीद करेंगे गाली गिलीटर जो है इस मुकाबले को जीते और काफी लोग जुड़े हैं ओके यहां पर काफी लोग जुड़े हुए हैं देखते हैं यहां से किस तरीके से खेल होता है बाकी प्रडिक्शन आपको दे दिया है रन में सबसे एक से लेकर सौ के बीच में बनने के चांसेस रहेंगे बाकी सरफेस पे गेंद जैसे डलेगी तुरंत आपको बताएंगे यहां आप पर कौन सी टीम किस भारी पड़ती है जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा टीचन के बाद अब सारे खिलाड़ी यहाँ पर लंका प्रीमियर लीग खेल रहे हैं बस छे मिनट के अंदर छह मिनट के अंदर सुमित तो सोनी भाई टॉस कौन जीता भाई भाई गालिक टॉस जीता है पहले गेंदबाजी कर निर्णय लिया है आप किस किंग के सामने है प्लेइंग बस छे मिनट बचे हैं इस छह मिनट के बाद आपको पूरा मुकाबला

जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी किस तरफ और यहाँ पर अब आप सबको अपनी मेन स्क्रीन पर लेके जाएंगे और जहाँ पर हम कमेंट्री करते नजर आएंगे हर मुकाबले की और उम्मीदें है यही हैं कि ज़बरदस्त यहाँ पर खेल हो और ज़बरदस्त खेल जो है वो खेला भी जाए यहाँ पर पहला मुकाबला लंका प्रीमियर लीग का अच्छा मुकाबला होने की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है चाहेंगे यार यहाँ पर थी सारा और कुशल मैंडिस जो है वो दोनों तैयार होंगे और दोनों दोनों जो है वो अच्छे खिलाड़ी भी हैं और दोनों जो अच्छा खेलते हैं यहाँ पर चलते हैं ज़रा अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने व्यूअर्स से भी कुछ क्योंकि पहला मुकाबला यार इतना ज़्यादा डाटा निकालना बहुत मुश्किल है जितना भी निकाला है जितनी भी कोशिश करके लाएँ और सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको बताई है इस मुकाबले के बारे में और उम्मीदें यही हैं उम्मीदें यही है कि ज़बरदस्त खेल हो यहाँ पर पहला मुकाबला है उम्मीदें यही है पहले मुकाबले में अच्छा खेल देखने को मिल जाता है और उम्मीदें यही है कि अच्छा खेल यहाँ पर हो भी अच्छा खेल यहाँ पर हो भी और बाकी दोनों टीमें फाइनलिस्ट थी फाइनल का बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगे यहाँ पर जो है कप्तान जो है दोनों टीमों के अब लेते हैं थोड़ा बहुत मैसेजेस आप सबके यार तैयारी कर लीजिएगा मुकाबला हो रहा है शुरू यहाँ पर और कोशिश यही है कोशिश यही है कि अच्छा खेल हो यार बाकी अब कि तो अब डिपेंड करता है कि खेल है किस तरह से श्रीलंका ने एशिया कप जीता है कहीं कही ना कहीं टी माइंडसेट जो है इनकी टीम के अंदर रहता है टी ट्वेंटी माइंड सेट इनकी टीम चलिए पर प्लेयर आ चुके हैं चलिए आप प्लेयर आ चुके हैं प्लेयर ग्राउंड के अंदर एंटर कर रहे हैं तो तैयारी कर लीजिएगा प्लेयर एंटर कर रहे हैं इस मुकाबले में तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कुछ कन्फ्यूज़न हो गई है मेरे साथ यार प्लेयर कन्फ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है उसको जो है थोड़ा सा दूर करेंगे यहाँ पर और प्लेयर बस देर में ग्राउंड के अंदर आने वाले हैं तो तैयारी कर लीजिएगा आप सब लोग जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग रहने की उम्मीद है चलिए यहाँ पर तैयारी करिएगा आप सब लोग देखते हैं अभी क्या होता है यहाँ पर थोड़ी देर में गाले गिटर ने टॉस जीता है पहले यहाँ पर जो है गेंदबाजी करने का निर्णय लिया निर्णय ठीक ही है उसे पहला मुकाबला आप सोचाएंगे कि फ्रेश पिच है उस फ्रेश का जो पिच की फ्रेशनेस है उसका फायदा जो है उठाएं अब देखो क्या फ़ायदा उठा पाएंगे नहीं गाले के गेंदबाज क्योंकि वो भी आज टीम के अंदर शायद प्लान वही है कि शुरुआत में विकेट चटकाई जाए चलिए अब ग्राउंड के अंदर प्लेयर एंटर कर रहे हैं प्लेयर ग्राउंड के अंदर आना शुरू कर रहे हैं तो तैयारी कर लीजिएगा आप सब लोग भी यार काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ आप ही लोग भाई आज पब्लिक में पब्लिक में क्या कर रहे हैं? पब्लिक में इतनी कम क्यों है भाई पहला मुकाबला है भाई इसलिए चेतन भाई धीरे धीरे मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लोगों को पता लगेगा कि लंका प्रीमियर लीग शुरू हो गया तो देखिएगा ट्रैफिक जो है वो गाड़ी का ट्रैफिक जो है बढ़ता नजर आएगा आप देखते हैं क्या होता है लाइव स्ट्रीमिंग करो दोस्त लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते संदीप भाई आप नए हैं क्या और नए है क्या आप इस टीम पे लगता तभी आप ऐसा बोल रहे हैं चलिए यहाँ पर बल्लेबाज आ चुके हैं और टीमें हैं तैयार देखते हैं कौन कौन आया बल्लेबाजी करने के लिए पहले यहाँ पर तो मुकाबला बस तीन मिनट में शुरू हो रहा है तो तैयारी कर लीजिएगा प्लेयर अंदर आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर एंटर कर चुके हैं प्लेयर यहाँ पर ग्राउंड के अंदर एंटर कर चुके हैं यहाँ पर जो है और यहाँ पर मुकाबला काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर देखते हैं क्या होता है आज आ, यहाँ पर हमारी टीम होगी गाले ग्लेटर और लाइव विजुअल थोड़ी देर में बस आना शुरू करेंगे आपके स्क्रीन के सामने प्लेयर्स बता देते हैं कौन कौन आया है बल्लेबाजी करने के लिए तो आ चुके हैं भाई रहमन गुरबस तो आ चुके हैं हम अंदर दिख रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए अब देखते हैं दूसरे बल्लेबाज कौन होंगे तो जुड़ रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करिए भाई प्लेन लाइन बता दो गाले की एक बार भाई बहुत लेट कर दिया आपने हसद हसददा को भी भाई बता दिया चिल्ला चिल्ला के बता दिया स्ट्रीम को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए प्लेनाओन में चिल्ला चिल्ला के बता दिया आपको दिखा भी दी थी स्क्रीन पर यार अब लेट आएंगे अब मैच शुरू होना प्लेन लाइन ढूंढ दो मिनट में आप करके लेंगे अब लवी भाई जी मुझे आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है भाई थैंक यू भाई इर्शाद भाई और उम्मीद करेंगे यार आपको आवाज़ के साथ हमारी कमेंट्री पसंद आए और एंजॉय करें इस कमेंट्री को आप प्लेयर ग्राउंड के अंदर बस कदम रख रहे हैं फील्ड को सेट किया जा रहा है जैसे ही इसको डलता है आपको तुरंत बताएंगे बाकी रहमानल्ला गुरुबस तो दिख रहे हैं बाकी उनके साथ टॉम कूलर कैडमोर आएंगे या फिर रहमान लाला गुरुबस के साथ जो है अब कौन आएगा ओपनिंग करने क्या शोएब मलिक अपनी बल्लेबाजी का थोड़ा सा शोब मलिक ओपन कर लो बैटर लगेगा क्योंकि शोब मलिक एक लंबे लंबी पारी के बल्लेबाज है हो सकता है ओपन करके वो एक लंबी पारी खेले एक छोर से टिके रहें दूसरे बल्लेबाज जो है अपना गेम बदल सकते हैं बाकी आप देखो दिशा परिवार क्या सोच रहे हैं चलिए यहाँ पर प्लेयर्स आ चुके हैं प्लेयर ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं तो तैयारी कर लीजिएगा यहाँ पर अविष्का फर्नांडो के साथ आए हैं अविष्का फर्नांडो के साथ आए हैं गुरबास्त तैयारी कर लीजिएगा लंका प्रीमियर लीग का ये Osionfish. पहला मुकाबला अब देखना होगा कौन सी टीम किस पे भारी पड़ती है यहाँ पर ज़बरदस्त खेल होने की उम्मीद है खेला हो बे क्या कहते हैं आप सब लोग खेल ज़बरदस्त होगा कि नहीं पहला मुकाबला है वहां रियाज़ के हाथ में गेंद थमाई है यहाँ पर कप्तान बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल अटैक करने के मूड में है बिल्कुल अटैक करने के मूड में है इसलिए यहाँ पर पहला ओवर ही अब थमा दिया गया है जो है पहला ओवर ही थमा दिया गया है यहाँ पर वह रियाज के साथ विनिंग परसेंटेज जाफना के ऊपर काफ़ी लोग हैं मगर हम जाएंगे गाले के साथ हम जाएंगे गाले के लेटर के तरफीकार और आजम खान दोनों फॉर्म में है अगर मिडल में दो बल्लेबाज फॉर्म में होते तो कहीं ना कहीं आपका हौसला जो है वो बुलंद होता है क्या यहाँ से खेला हो बे जी हाँ खेला तो हो बे अब देखते हैं क्या होता है मैच शुरू हो रहा है तो तैयारी कर लीजिएगा लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में यहाँ पर और यहाँ से बस थोड़ी देर में मुकाबला शुरू होगा अगर बात करें यहाँ पर दोनों टीमों की दोनों टीमें बड़ी जबरदस्त खेल दिखाएंगे लाइव विजुअल बस थोड़ी देर में आने वाले हैं यहाँ पर मुकाबला हो गया शुरू पहली गेंद डल रही है वहां के हाथ में गेंद है वहां की पहली गेंद बढ़िया गेंद अभिष्का फर्नांडो को अंदर आती हुई गेंद थी कोई मौका नहीं यहाँ पर रन बनाने का स्कोर अभी भी शून्य शून्य है स्कोर बेहतरीन ये गेंद थी और अंदर की तरफ लाई थोड़ा सा गेंद को डिफेंस कर लिया है वहां रियाज कर रहे हैं गेंदबाजी पहले ओवर की तैयारी कर लीजिएगा आप सब लोग जुड़ रही है सब्सक्राइब करते रहिए इंजॉय करते रहिए इस मुकाबले को मेरे हिसाब से एक जबरदस्त खेल होगा दूसरी गेंद इस बार वहां रियाज की वहाब रियाज की दूसरी गेंद सामने मौजूद है विश्व फर्नांडो देखना होगा किस तरीके से खेलते हैं वहाब रियाज गेंद लेके चले हैं यहाँ पर सामने है अविश्का फर्नांडो क्या छे ओवर छे ओवर का फायदा जो है उठा पाएंगे जी नहीं इस बार हल्के तो खेलकर ऑन साइड की तरफ एक रन बटोर लिया फर्नांडो ने स्ट्राइक पे आ गए हैं तो सिंगल के साथ खाता खुला है इस सीजन का का जाफना किंग्स का। तो एक रन के नुकसान दो गेंदों के बाद तो मुकाबला हो गया शुरू मुकाबला हो गया है शुरू यहां पर और तैयारी कर लीजिएगा तैयारी कर लीजिएगा इस मुकाबले के लिए मुकाबला बिल्कुल हो चुका है शुरू पहला मुकाबला लंका प्रीमियर लीग दो का जाफना किंग्स

और रहमानल्लू गुरबज अभी टिचन के अंदर बढ़िया हालिया में प्रदर्शन करके आया अगली गेंद हॉस्टन के बाहर ये गेंद थी बिल्कुल बिल्कुल रमन गुरबाज को कुछ पता है गुरबाज को कुछ पता नहीं लगा है कि गेंद गई कहाँ है अभी भी पेस से गेंदबाजी करते हैं तकड़ी पेस है और वहां भी के पास गेंद पढ़ने के बाद बाहर की तरफ निकली अच्छा सर्फेस लग रहा है अच्छा बाउंस देखने को मिला है इस पिच पे और गेंद पढ़ने के बाद उछाल लिया और कहीं ना कहीं आजम खान कर रहे हैं विकेट कीपिंग यहाँ पर आगे देखते रहिए भाई ज्यादातर तैयार हो भाई भाई जागप होने की उम्मीद रहेगी भाई मुझे इस मुकाबले में चलिए चलते हैं जरा अगले गेंद की तरफ एक बार फिर से तीन गेंदें हो गई गे। ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया बार पटकी भी गेंद थी इस बार भी रहमान लाला ने जान दिया इस गेंद को विकेट कीपर के पास शॉक कर दिया है शॉर्ट कर दिया है बिल्कुल यहाँ पर और कोई भी मौका नहीं कोई भी मौका नहीं यहाँ पर रहमान गुरबाज के पास रन बनाने का और जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है देखकर अच्छा लग i <laughs> <laughs> माफी चाहेंगे आप सब लोगों से जितने भी हमारे मॉडिटर साहब है जो भी स्पैम कर रहा है उसको हाइट चैट कर दें जो स्पैमर्स हैं उनको हाइट चैट कर दीजिए बाकी तो मैं भी मैं तो कर ही रहा हूं आप भी कर दीजिएगा यहाँ पर चार गेंदे हो गई हैं इस ओवर की और दो लगातार डॉट गेंदे रहमन गुरुबाज को ऑस्टम के बाहर कोई मौका नहीं अगली गेंद बार फिर से एक बार फिर से मिडिल स्टम्प गेंद थी पटकी हुई गेंद थी डिफेंस कर लिया इस गेंद को रहमान लाला गुरुबाज ने कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर स्कोर स्कोर अभी भी एक रन में ना किसान के लालची हूँ मैं भी लालची हूँ भाई वेट करेंगे वेट करिएगा वेट करिएगा मुझे तय आज खेला होवे ये पहला मुकाबला पिछले सीज़न में भी बड़ा काफ़ी अच्छा गया था यहाँ पर बात करते हुए यहाँ पर अविष्का अविष्का फर्नांडो जो है वो बात करते हुए वहाँ पर जो है आ...

एक रन बना के नुकसान के विकेट का कॉलम जो है वो शून्य है इटली से प्रणाम भाई बिल्कुल भाई ड्रीम बोले बाबा भाई जी नमस्कार कैसे हैं मनदीप सैनी भाई कह विकेट प्लीज अभी तो शुरुआत हुई अभी विकेट चाहिए आपको वाह जी वाह शुरुआत से ही एंट्री ला, ला, डाल दी है लगता है आपने अब 20 ओवर का मैच है भाई बिल्कुल बीस ओवर का यह मुकाबला है गुरबज मार बेटा संदीप कुमार जी कह रहे हैं तैयारी कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए और डल्टी सन पर जाकर आई क्रिएट कर लीजिएगा दोनों साइड बुक बेट जो है वो अवेलेबल है दोनों तरफ आप बुक लॉसकट बुक सेट कर सकते हैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में लेक्शन में पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आई क्रिएट कर, कर लीजिएगा मिनिमम बैट सिर्फ दस है मिनिमम डिपोजिटिटिटि जो है सिर्फ सौ रुपये का तो सौ रुपये डिपोजिट करके आप यहाँ पर खेल सकते हैं विड्रॉल जो है पंद्रह मिनट का अंदर आ जाता है अच्छी बात यह है कि आप कितना भी अमाउंट यहाँ पर डिपोजिट कर सकते हैं मिनिमम तो सिर्फ सौ रुपये मगर मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं कितना भी खेलिए सारे विड्रॉल जो है वो आपको मिलेंगे ट्रेड लाइव हिंदी का भरोसा है लॉसकट बुक सेट सब अवेलेबल है सारे मुकाबले लाइव भी देख सकते हैं आप आई एम फ्रॉम युगांडा युगांडा से जुड़े हैं भाई हमारे साथ हिमांशु भाई युगांडा से वहां पर आज कहाँ से आया भाई आ, सर ड्रीम में नहीं था भाई बसंत कुमार भाई ऐसे ही होता है टीम में थे टीम में कहीं जगह इनका नाम नहीं था मगर क्या हो सकता है कोई चेंज किया हो इस वजह से टीम आए हुए बहुत पुरानी हो चुकी है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं यार सपोर्ट कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा विकास भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ सर सब्सक्राइब कर द... होता नहीं भाई हो जाएगा सर जी विकास सर जी अगर करेंगे तो कुछ दिन में आपकी क्लासेस को भी लोग अनसब्सक्राइब करके जाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा सब्सक्राइब भी करना होता है आई एम फ्रॉम यू हिमांशु भाई युगा से जुड़े हमारे साथ अगली गेंस बार इमाद वसीम को दी है गेंद लक्ष्मण पे गेंद थी कलाइयों का सारे खेल दिया अविष्का फर्नाडो ने इसको फाइन की स्क्वायर ले की दिशा में एक रन मिल जाएगा यहाँ पर स्ट्राइक पे आ जाएंगे बल्लेबाज यहाँ पर अब रहमन गुरबाज पिछले ओवर में चार गेंदे करी थी अभी तो तक खाता नहीं खुला है उनका उम्मीद यही है यहाँ पर और यहाँ पर जो है काफी बड़ी जगह ये लेक्चर है मत चलिए कोई बात नहीं आप भी तो कुछ करने को देख रहे हैं वीरेंद्र गुप्ता भाई आप भी तो कुछ कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए यहाँ पर जुड़ रही है कोई बात नहीं यार खेलने दीजिए आप भी इंजॉय करिए ऐसे विकेट नहीं मिलती चलिए अगली गेंद बार सामने मौजूद है बल्लेबाज इस बार जो है गुरुबास सीधी गेंद थी ये और डिफेंस कर लिया इस गेंद पर यहाँ पर तो तुम्हारा भाई बोगस है भाई बिल्कुल बोगस है भाई मैं तो कह रहा हूँ डल्टी से हम जाकर ज्वाइन कर लो यार जाकर खेल पटिशन कर लो दो गेंदे हो गई हैं इस ओवर की माता तो बढ़िया सटी लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं यार पूरे बीस ओवर का मैच तो है शायद इसलिए थोड़ा संभल के खेल रहे हैं गुरबाज को एक बार ऑस्टन के बाहर ये गेंद बार कट जरूर किया गेंद गई पॉइंट के पास यहाँ पर फिल्टर मौजूद कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर स्कोर की अगर बात की जाए तो अभी भी दो रन बिना किसी नुकसान के एक दशमलव तीन के दो हम लोग थोड़ा सा संभल के बल्लेबाजी कर रहे हैं क्यों संभल के बल्लेबाजी कर रहे हैं? को समझ नहीं आ रहा शायद एक लंबी बैटिंग लाइन बनाना चाहते हैं या फिर एक लंबा स्कोर जो है वो खड़ा करना चाहते हैं मेरे हिसाब से थोड़ा सा अब हाथ खोलने चाहिए गुरबास को एक बार फिर से अंदर आती भी गेंदी बात और सिम की सीधे बल्ले से खेल दिया इसको ऑन की दिशा में एक बार रन आउट का चांस बन रहा है हमारे पहुंच जाएंगे इमारद वसीम दौड़कर गेंद को फील्ड करके थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पे मगर पहुंच गए थे रमन गुरबाज और रमन गुरबाज का खाता खुलता हुआ सातवीं गेंद पर तो स्कोर अभी भी तीन रन बिना किसी नुकसान के एक दशमलव चार गेंदों के बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा जुड़ जाइएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ बाबा बाबा भाई जुड़ चुके हैं वेस्ट बंगाल से हमारे साथ स्कॉटल गेमिंग भाई जुड़ चुके हैं कश्मीर से भाई हमारे साथ थैंक यू गुरबाज सेंचुरी मारेगा मानने दीजिए हिमांशु भाई अगली गेंद देखना होगा किस तरीके से खेलेंगे पर फिर से हल्का तो ऑन साइड पर खेलकर कर अविष्का फर्नांडो ने सिंगल बटोरा इस गेंद पर स्कोर पहुंचता हुआ जाफना किंग्स का चार रन बिना किसी नुकसान के एक दशमलव पांच गेंदों के बाद स्ट्राइक पे है रहमानुल्लाह गुरबाज सात गेंदें खेली हैं अभी तक सिर्फ एक रन बनाया एक बार फिर से यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं अमाद वसीम इमाद वसीम की ये गेंद सामने है गुरबाज एक बार फिर से फरून की गेंद सीधे बल्ले से खेला गेंदबाज इमाद वसीम ने गेंद को फील्ड कर लिया कोई मौका नहीं रन बनाने का स्कोर अभी भी चार रन चार रन बिना किसी नुकसान के दो ओवर के समाप्त के बाद शुरुआत काफ़ी धीमी हुई है पिच काफ़ी अच्छी लग रही है बल्लेबाजी के लिए अगर थोड़ा बहुत भी यहां पर अगर अपने हाथ खोलेंगे तो शायद रन बन सकते हैं मगर दो तो ओवर शायद पिच को समझ रहे हैं गुरबाज क्योंकि गुरबाज को समझने की जरूरत ही नहीं है भाई अभी अभी क्रिकेट खेल के आए हैं श्रीलंका के अंदर मेरे हिसाब से उनको तो तैयारी कर लेनी चाहिए कि आते ही बड़े शॉट खेले मगर वो भी समली बल्लेबाजी खेल रहे हैं गुरुबाज ग्राउंड को समझ रहा है बीस ओवर खत्म हो जाएंगे भाई बिल्कुल सही बात है सबनील भाई मिथिलेश दास भाई करें हेलो नमस्कार सर जी नाम ले लीजिए मिथिलेश भाई आपका नाम ले लिया है सर टेंशन मत लीजिएगा सब भाइयों का नाम लेते रहते हैं यहाँ पर जुट जाइए हमारे साथ इस मुकाबले में क्रिकेट कहाँ हो रहा है भाई ये मोहम्मद वसीम भाई श्रीलंका के अंदर हो रहा है लंका प्रीमियर लीग का ये मुकाबला एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा जुड़ जाइएगा दो ओवर हुए हैं अभी तक चार रन बिना किसी नुकसान के, के। यहां पर स्कोर है इस मुकाबले का और थोड़े थोड़े बादल जो है वो छा रहे हैं और रोशनी जो कम हो रही है सब तक तो थोड़ी देर में अभी लाइटिंग लाइट भी जलना शुरू हो जाए दिन के मुकाबले में बताइए दिन के मुकाबले में लाइट जल जा जाएगी क्योंकि तो थोड़ा थोड़ अंधेरा जो है छा रहा है ग्राउंड के अंदर क्योंकि, क्योंकि काले बादल तो नहीं पर बादल जो है वो ढक रहे हैं सूरज को यहाँ पर चलिए यहां पर गेंदबाजी करने के लिए तीसरा ओवर लेकर आया वहाँ रियाज वहाज की पहली गेंद का फर्नांडो को इस बार ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी कट कर दिया गेंद गई डी पॉइंट एशिया में चार रन के लिए यहां पर जो है चौका

किस तरीके से गेम चलता है अगली गेंद बार सामने मौजूद फिर से अभिषेक फर्नांडो एक बार फिर से ऑप्शन के बाहर ये गेंद थी इस बार कट कर दिया था फिर से गेंद को आउट साइड लगा था यहाँ पर और पॉइंट की बाई तरफ से गेंद गई सीधा थर्ड मैन की दिशा में यहाँ पर फिल्टर ने गेंद को फील्ड जरूर किया एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर अविष्का फर्नांडो को स्ट्राइक पे आ गए हैं रामन लगा गुरुबाज गुरुबाज से उम्मीद है कि यहाँ से थोड़े से बड़े बड़े शॉट लगाए अपनी टीम को आगे लेके जाएं तो क्या लेके जाएंगे क्या लेके जा पाएंगे क्या बड़े शॉट लगा पाएंगे देखना होगा यहाँ पर आप सब लोग बिल्कुल तैयारी कर लीजिएगा यहाँ पर इस मुकाबले की क्योंकि पहला मुकाबला है मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद उम्मीद रहेगी वहाज की अगर बात की जाए तो दो गेंदें करी हैं इस ओवर की और पहली पर चौका लग गया तो दूसरी पर सिंगल आ चुका है पांच रन आ चुके हैं इस ओवर से और वहां भी आज कर रहे हैं गेंदबाजी ट्रीटन लीग में एक बार इंजर्ड हो गए थे उसके बाद लगातार दो मैचों में बढ़िया प्रदर्शन रहा एक बार फिर से रनअप पे जाते हुए क्योंकि गेंद फेंकने गए जरूर थे पर अपना रनअ जो है थोड़ा तो सा भूल गए शायद इसलिए गेंद फेंकी नहीं यहां पर आ, काफी लोग जुड़े हैं यार स्ट्रीम को लाइक नहीं कर रहे जरा स्ट्रीम को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस सीजन में यार बनाएंगे और काफी लोगों को मॉनिटर बनाएंगे यार स्वप्निल भाई आ चुके हैं स्वप्निल भाई आप मॉनिटर नहीं बने यार कैसी बात कर रहे हैं आपको बनाएंगे यार मॉनिटर हाँ कहाँ जा रहे हैं आप हर जगह एक एक मॉनिटर छोड़ देंगे अपना

टी ट्वेंटी में लंका प्रीमियर लीग इनका बेस्ट लीग है लगातार यहाँ पर थोड़ा सा रन बनाएंगे मगर यहाँ पर भी आ, कैच आउट हो गए हैं और दबाव दबाव आ गया है जाफना किंग्स के ऊपर अब आएंगे बल्लेबाज टॉम कुलर कैडमोर बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं अच्छा फॉर्म में भी हैं अब देखना होगा क्या लंका प्रीमियर लीग की शुरुआत उस तरीके से हो पाएगी यहाँ पर जो है बल्लेबाजों की घर बन लो गुरुबस नौ गेंदों में एक रन बनाकर पवेलियन जाते हुए वहाँ भी यानी चटकाई है विकेट नौ रन एक विकेट नुकसान पर दो दशमलव तीन गेंदों के बाद देखते हैं टॉम कुल और वैसे अमूमन नंबर तीन पर खेलते हैं क्या उनका नंबर तीन ही रखा जाएगा मेरे साथ तो नंबर तीन ही इनके लिए बेस्ट रहेगा जी नहीं धनंजय डिसिल्वा थोड़ा सा बल्लेबाजी के क्रम में चेंज कर दिया धनंजय डिसिल्वा आ चुके हैं धनंजय डिसिल्वा कर रहे हैं बल्लेबाजी देखना होगा यहाँ से किस तरीके से खेल जो है वो चलता हुआ नजर आएगा जुड़ जाइए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहाँ से मुकाबला काफी बढ़िया है और चाहेंगे चाहेंगे यहाँ पर जो है अच्छा खासा खेल जो है वो देखने को मिल जाए तैयारी कर लीजिएगा आप सब लोग यहाँ पर रंजन डिसलवा तैयार हैं चौथी गेंद खेलने के लिए चौथी गेंद यहाँ पर खेलेंगे धनंजय सिल्वा क्या होगा इस मुकाबले का सूरत यहान अला गुरबस तो आउट हो चुके हैं अब यहाँ से कौन ले जाएगा इस पारी को आगे अविष्का फर्नांडो धनजय डिस धनंजय डिसवा देखते हैं अमूमन बड़े बड़े शॉट लगाते हुए तो क्या आज यहाँ पर कुछ बड़े शॉट लगाते हुए नजर आएंगे देखने वाली बात होगी वहां पर आज तैयार हैं अगली गेंद करने के लिए धनंजय सिल्वा सत्रह मुकाबले खेले दो सौ पैंसठ रन बनाए हैं यहाँ पर एक अर्धशतक इनका नाम है इनका बेस्ट जो है एक सेट है एक सौ तीस का इनका स्ट्राइक रेट रहता है अगली गेंद दो स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे वहाँ भी आज बार फिर से ऑस्टम पे गेंद सीधे बल्ले से खेला जरूर मिड ऑफ की तरफ यह गेंद है फिल्डर मौजूद है वहां पर कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर और विक्टो का पतन हो रहा है विक्टो का पतन हो रहा है एक विकेट खो दिया है और अभी उतने बड़े बड़े शॉट्स लगे नहीं है, उतने बड़े-बड़े शॉट रन बने नहीं है और विकेट जरूर खो दिया है। अब देखना होगा किस तरीके से आगे बढ़ता है कौन कह रहा है गुरुप सौ मारेगा भाई कह दिया भाई कह दिया भाई आप कैसे हो जनाब भाई लाजवाब कॉमेंट आसफर और जमी भाई बढ़िया हूं आप बताइए कैसे हैं आप जुड़ रही है चलिए अगली गेंद वहां रियाज के इस ओवर की वहा रियाज बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और अभी तो कोशिश ये कर रहे हैं कि यहां पर विकेट चटकाई जाए क्या होगा अभी तक तो तीसरा ओवर चल रहा है तीसरे ओवर की एक अगली गेंद बार फिर से फिर पटकी भी गेंद थी मिडल स्टम्प कलाई को सारे खेल दिया इसको स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर यहाँ पर बल्लेबाज धनंजय डिसिल्वा को अब अविष्का फर्नांडो आ जाएंगे स्ट्राइक पर इस ओवर की बात की जाए तो पांच गेंदें हो गए

अविष्का फर्नांडो को ओवर की समाप्ति हो जाएगी तीन ओवर समाप्त हो चुके हैं ग्यारह रन एक विकेट नुकसान पर जाफनाई किंग्स का स्कोर है स्ट्राइक पर होंगे अविष्का फर्नांडो अब देखते हैं यहां पर कौन सी टीम कौन सी टीम आप कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा क्या इमाद वसीम एक और ओवर यहां पर करते नजर आएंगे या फिर जो है किसी गेंदबाज को चेंज किया जाएगा देखते हैं क्या होता है लाइक करिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ में देख रहा हूं यार काफी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और स्ट्रीम को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को और जुड़ जाइए हमारे साथ लंका प्रीमियर लीग लंका प्रीमियर लीग का ये पहला मुकाबला सीजन जो है यहां पर इस सीजन में पहला मुकाबला और पहले मुकाबले में बल्लेबाजी उस तरीके से नहीं है एक ही बल्लेबाज आउट हुए हैं यहाँ पर हम लोग गुरबा से बार फिर से इमाद वसीमा यहाँ पहली गेंद बिल्कुल मिडल स्टंप पे ये गेंद थी सीधे बल्ले से खेल दिया डिफेंस कर दिया इस गेंद को कोई मौका नहीं यहाँ पर रन बनाने का स्कोर अभी भी ग्यारह रन एक विकेट नुकसान पर तीन दशमलव एक गेंद हो चुकी है अगली गेंद इस बार दूसरी गेंद है इस ओवर की और सामने मौजूद है बल्लेबाज यहाँ पर जो है अब सामने मौजूद है एक बार अफिशा पे अभिने थी स्वीप करने गए एक बार फिर से अपील करी आउट हो गए यहाँ पर एल पी डब्ल्यू आउट दे दिया गया अविष्का फर्नांडो को एक और झटका लगता हुआ जाफनाइ किंग्स को यहाँ पर फुल फुल्थ की गेंद थी थोड़ा सा अंदर की तरफ ये गेंद थी और उसको स्वीप करने गए और पैड से टकराई और अपील हुई और आउट दे दिया एक बार रिव्यू की मांग करें दो दो रिव्यू टीमों के पास है जी हाँ अविष्का फर्नैंडो ने यहाँ पर रिव्यू ले लिया है रिव्यू की मांग कर दी अविष्का फर्नांडो ने यहाँ पर अपील करी है लग तो रहा है कि मिडल स्टम्प गेंद है अगर लक्ष को मिस करेगी ये गेंद तभी यहाँ पर नो आउट रहेंगे अंपायरस कॉल भी हो तब भी अविष्का फर्नांडो आउट ही रह जाएंगे तो ग्यारह रन बने हुए हैं अभी तक और दूसरी गेंद थी माधव सिंह के चौथे ओवर की और इस पारी के चौथे ओवर की और सीधा गेंद जाके पैर से टकराई है अंपायर ने तो उंगली खड़ी कर दी है अब देखना होगा जी हाँ नो बॉल तो नहीं है पैर बिल्कुल क्रिज के अंदर थे और यहाँ पर देखना होगा क्या होता है जी हाँ प्यार तो बिल्कुल अंदर थे और गेंद देखना होगा गेंद पढ़ने के बाद बिल्कुल ऑस्ट्रम के बाहरी गेंद थी पढ़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई है ज़्यादा टर्न नहीं हुई गेंद टर्न तो हुई नहीं एंगल के साथ गेंद अंदर को लेके आए थे और ज़्यादा गेंद बाहर भी नहीं निकल रही है हल्का फुल्का मूवमेंट दिखी इस गेंद के ऊपर मुझे लग रहा है ये आउट होना चाहिए ज़्यादा मेरा ख्याल आगे बल्ला लगाया तो कोई दिक्कत नहीं मगर बल्ला नहीं लगा है जी हाँ स्निकोमीटर ने बता दिया कि बल्ला भी नहीं लगा है यहाँ तो और यहाँ पर जो है इम्पैक्ट जो है इम्पैक्ट भी स्टम के अंदर है इम्पैक्ट भी जो है वो स्टम के अंदर है तो गेंद जाके टकराई जरूर पैड से मगर वो लाइन के अंदर टकराई है पर पर तो थोड़ा बहुत देखिए जो लग रहा है कि आउट आउट होंगे तो आउट का वो हो कहां होता यहाँ पर है, है अविष्का फर्नांडो यहां पर बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं था यहां पर अविष्का फर्नांडो यहां पर आउट हो गए इंपैक्ट ऑनलाइन और यहाँ पर पिचिंग इन आउटसाइड ऑफ अविल्का अंपायर कॉल है उछाल जो था वो अंपायर कॉल हो गया क्योंकि गेंद जाकर लेस्टम और मिडस्टर्म के बीच के ऊपर वेल्स पे जाके लग रही है इसलिए उछाल के लिए अंपायर कॉल हो गया और अंपायर का फैसला यहाँ पर आउट था इसलिए अविष्का फर्नांडो यहाँ पर आउट हो गए हैं ग्यारह रन दो विकेट नुकसान पर तीन गेंदे हो चुकी हैं यहाँ पर फर्नांडो फर्नैंडो फर्नैंडो भेज दिए हैं इमाद वसीम ने दो पाकिस्तानी खिलाड़ी एक तरफ वहाँ पर आज एक तरफ इमाद वसीम दोनों जो है स्टार्ट किया था और दोनों को विकेट मिल गई उनके दूसरे दूसरे ओवर में स्कोर हो है जाफना किंग्स का ग्यारह रन दो विकेट नुकसान पर तीन दशमलव दो गेंदे हो चुकी हैं अब टॉम कुलर कैडमोर टॉम कूलर कैडमोर आ चुके हैं इन फॉर्म बल्लेबाज टॉम कूलर कैडमोर उनका साथ देंगे धनेंजर डिसरवा वो भी काफ़ी हद तक फॉर्म में नजर आए हैं और दो विकेट खो दिए हैं जाफना किंग्स ने हमारी टीम गालिग लेटर की थी उम्मीद थी आज शुरुआत अच्छी करेंगे और शुरुआत अच्छी की भी है कोई खराब शुरुआत नहीं है अच्छी शुरुआत की है यहाँ पर गालिग लेटर ने अब देखना होगा आगे किस तरीके से खेल चलता है टॉम कूलर कैडमोर फॉर्म में है मगर ये दस ओवर का मैच नहीं है चालीस ओवर ये पूरे बीस ओवर का मुकाबला है तो आपने शुरुआत की चौथे ओवर में ही आपने दो बल्लेबाज खो दिए हैं ग्यारह रन बनाकर बारह बचेस खेले हैं यहाँ पर दो सौ रन बनाए यहाँ पर कैडमन ने श्रीलंका प्रीमियर लीग के अंदर अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है हिमदीम की अगली गेंद एक बार फिर से ऑप्शन के बाहर सीधे बल्ले से ड्राइव जरूर किया गेंद गई कवर की दिशा में फिल्डर मौजूद है वहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा स्कोर अभी भी 11 रन दो विकेट नुकसान पर दबाव है दबाव हो चुका है गाले के ऊपर क्योंकि अब आने वाले बल्लेबाज होंगे शोएब मलिक और तिसारा परेरा दो अहम बल्लेबाज खो दिए मगर अब यहाँ से एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी टॉम कूलर कैडमोर और धनंजय डिसल्वा को अगर आप दस ओवर में साठ रन बनाते तो आखिर आखिर दस ओवर में आप टारगेट कर सकते हैं बड़े स्कोर तक साठ एक रन एक सौ रन भी एक अच्छा स्कोर हो सकता है इस पिच के ऊपर बाकी अब सामने मौजूद है टॉम कूलर कैडमोर ओवर की है चौथी गेंद इमाद वसीम की तैयार अगली गेंदबाजी गेंद गेंद, तो गेंद 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 स्कोर पहुंचता हुआ बारह रन दो विकेट नुकसान पर तीन दशमलव चार गेंद हुआ खेल हो चुका है सम्मा कूलर कैडमोर टी टेन के अंदर बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की तूफानी बल्लेबाजी की थी तो क्या आज यहां भी एक तूफानी बल्लेबाजी करते नजर

ट कर सकते हैं कर सकते हैं और सारे मुकाबले लाइव दे सकते हैं हम यहाँ पर चलिए तेरह रन बने हुए हैं दो विकेट नुकसान पर पाँच विकेट पर सिंगल लिया था यहाँ पर जो है धनंजय डी ने और स्ट्राइक पे आ गए हैं टॉम कूलर कैडमोर आखिरी गेंद खेलेंगे इस चौथे ओवर की पावर प्ले के इसके बाद तेरह गेंदें बची हुई हैं इमाद वसीम के ओवर के अगले गेंद के बाहर सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को मिड ऑफ के सर के ऊपर से वन बाउंस टू बाउंस बाउंड्री के बाहर जी हाँ चार रन मिलते हुए यहाँ पर टॉम कूलर कैडमोर को बढ़िया प्रहार है ये सीधे बल्ले से खेल दिया था इस गेंद को बिल्कुल गेंद मिड ऑफ के सर के ऊपर से चार रन के लिए तो ऐसी बल्लेबाजी चाहिए आप आए हैं तो तीसरी गेंद खेले टॉम कूलर कैडमोर और चौका बटोर लिया तो चार ओवर की समाप्ति के बाद सत्रह रन दो विकेट नुकसान पर जाफनाई किंग्स का स्कोर है यहाँ पर स्ट्राइक पे होंगे धनंजय डिसवा बारह गेंदे बची हैं इस पावर प्ले की अभी भी बारह गेंदे बची हैं पावर प्ले की तो क्या बारह गेंदों में कुछ यहाँ पर तेजी से रन बटोर पाएंगे धनंजय डिसल्वा और टॉम कूलर कैडमोर देखना होगा दबाव में है अभी दबाव में है यहाँ पर जो है थोड़ी सी जाफनाई किंग्स डिफेंडिंग चैंपियन और डिफेंडिंग चैंपियन की शुरुआत आज कुछ खास हुई नहीं है चार ओवर समाप्त हो चुके हैं यहाँ पर और स्कोर जो है अभी भी यहाँ पर सत्रह रन दो विकेट नुकसान पर रहमानल्लो गुर्बन ने बनाया सिर्फ एक रन अविष्का फर्नांडो भी नौ रन बना पाए यहाँ पर पर अच्छी बात यह है कि धनंजय डिसिल्वा दो रन आकर खेल रहे हैं और टॉम कोलर कैडमर पाँच रन बनाकर खेल रहे हैं स्ट्राइक पर होंगे अब धनंजय डिसिल्वा गेंदबाजी करने देखते हैं किसे बुलाया जाएगा क्या अब चेंज देखने को मिलेगा गेंदबाजी के अंदर वो देखना होगा दो दो रिव्यू हर टीमों को मिलेगा रिव्यू सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर इमाद वसीम दो ओवर किए नौ रन दिए एक विकेट चटकाया है और <laughs> उम्मीद यही है कि जबरदस्त हो मजा आए इस मुकाबले में पूरे बीस ओवर का मुकाबला है अभी सोलह और बचे हुए हैं इस पारी के मगर थोड़ा सा स्टार्ट अच्छा चाहिए आपको थोड़ा सा स्टार्ट अच्छा चाहिए आपको यहाँ से थोड़ा सा गेम को आगे ले जाना है तो थोड़ा सा गेम में आप बनाना पड़ेगा यहाँ पर चलिए यहाँ पर नए गेंदबाज को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद यहाँ पर बिल्कुल और ये गेंद है क्या जबरदस्ती ये गेंद थी बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी डिफेंस कर लिया धनंजय डिसिल्वा ने नुवान तुषारा को बुलाया गया और बिल्कुल मलिंगा वाला सिलिंगर मलिंगा वाला एक्शन है बिल्कुल सीधा बिल्कुल ऑस्टम की लाइन पे खेला था फेंक देता इस गेंद को यॉर्कर गेंद बल्ला सिर्फ लगा ही पाए थे धनंजय डिसिल्वा यहाँ तो एक मिनी मलिंगा जो है देखने को मिल गए पहली गेंद पर ही बिल्कुल जड़ में ये गेंद ऑस्टम की तरफ और डिफेंस कर लिया इस गेंद को धनंजर डिस ने सत्रह रन दो विकेट नुकसान पर चार दस एक गेंद के बाद सामने मौजूद बल्लेबाज यहां पर धरंजन डिसवा अगली गेंद यहां पर नुआन दुशार रखी नुआन दुशार रखी अगली गेंद दूसरी गेंद एक बार फिर सब स्टम्प बस सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को गेंदबाज की दिशा में गेंद जा रही है सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में यहां पर चार रन के लिए चौका मिलता हुआ इस गेंद पर यहाँ पर चौका आ गया इस गेंद पर धनंजय डिस का बल्ले बढ़िया ये शॉट था देख लिया था कि गेंदबाज जो है वो स्टम्प को टारगेट कर रहे हैं इसलिए सिर्फ बल्ले को बल्ले बल्ले को को गेंद, गेंद को सिर्फ मुख दिखाया सीधे बल्ले का और चौका बटोर लिया इस गेंद पर स्कोर पहुंचता हुआ जाफनाई रन दो विकेट नुकसान पर चार दशमलव गेंदे हो चुकी हैं करंट रन रेट काफी धीमी है चार की मगर ऐसी बाउंड्रीज आपको बचे हुए पावर प्ले की कुछ गेंदों में लगाने पड़ेंगे यहां पर क्योंकि आप सिर्फ दस गेंदे बची हैं पावर प्ले की कोशिश यही है कि यहाँ से यहां पर जो है सही रहेगा यहां पर देखते हैं अभी चलिए नुवान तुशारा की अगली गेंद नुवान तुशारा की ओवर की है तीसरी गेंद सामने मौजूद बल्लेबाज धनंजय क्या एक और बड़ा प्रहार करेंगे कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर स्कोर की अगर बात की जाए तो इक्कीस रन दो विकेट नुकसान पर चार गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त करंट रन रेट चार डिसिल्वा छह सात में है रन बनाकर खेल रहे हैं रन चाहिए रन चाहिए आपको रन बनाने पड़ेंगे क्या रन बन पाएंगे अच्छे स्कूल के एक सौ तो साठ तो आपको चाहिए होंगे यहां पर फाइट बैक करने के लिए अभी तक किसी बल्लेबाज ने कोशिश नहीं करी है यहां पर बड़े शॉट लगाने के लिए क्या यह कोशिश जो है वो सक्सेसफुल uh, रह पाएगी क्या यहां से कोशिश करते नजर आएंगे बल्लेबाज धनंजय डिसवा को अगली गेंद चौथी गेंद नुआन तुषारा के इस ओवर के एक बार फिर से ऑस्टन के बाहर ये गेंद इस बार ड्राइव लगाया पहुंचा है कवर बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए इस बार लिया था कि ऑस्टन ऑस्टन के बाहर ये गेंद है तो सफल किया की तरफ और ड्राइव लगाया और चौका बचोड़ा इस गेंद पर बिल्कुल टहला दिया है सहला दिया है बिल्कुल अपने बल्ले से गेंद को और चौका बचोड़ लिया बिल्कुल टाइमिंग बहुत जबरदस्त यहां पर धनंजय डिसवा की और दूसरा चौका इस ओवर में आता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 25 रन दो विकेट नुकसान पर चार दशमलव चार गेंदों के बाद बेहतरीन लाजवाब ये शॉट तरंजर डिसिल्वा के बल्ले से ऐसी बाउंड्रीज आपको लगानी पड़ेंगे इस बार ताकत नहीं नजाकत का प्रयोग कर रहे हैं इस ओवर के अंदर पहले एक स्ट्रेट ड्राइव पर, पर इस बार फिर कवर ड्राइव लगाया और चौखा बठोरा इस गेंद पर चलो चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ सामने मौजूद है बल्लेबाज धरंजर डिसिल्वा नुमान तुषारा के ओवर किए पांचवी गेंद धन जिस को एक बार फिर से फुलंद की गेंद बार सीधे बल्ले से ड्राइव लगाया हवाई फायर किया है गेंद रही है बाउंड्री रोप पे गिरी है चौका है छक्का एक बार चेक करना होगा अंपायर को मगर इस बार भाप लिया और बिल्कुल सीधा शॉट सीधा शॉट खेल दिया कवर की दिशा में छह रन तो लग रहा है कि छह रन है बिल्कुल ऐसे लग ही रहा है छह रन जी हाँ छह रन दिए अंपायर ने इकतीस रन दो विकेट नुकसान पर बिल्कुल फुलंद की गेंद और बिल्कुल सीधे बल्ले से बिल्कुल सर था और बिल्कुल कवर की दिशा में छह रन बटोर लिया यहां पर पहला चक्का आता हुआ इस सीजन का यहां पर धनंजय डिसलवा के बल्ले से इस ओवर में चौदह रन बटोर चुके हैं स्कोर हो चुका है इकत्तीस रन दो विकेट नुकसान पर चार दशमलव पाँच गेंद वा खेल हो चुका है समाप्त और जिस रनगति को बढ़ाना था धनंजय डिसिल्वा वो काम जो है बेहतर तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर चलिए अगली गेंद धनंजय डिसिल्वा को और यहाँ पर हनुमान तुषारा के इस ओवर की एक बार फिर से ये ओवर की आखिरी गेंद है आप इस बार थोड़ा सा पटकी हुई गेंद थी ऑस्टन के बाहर उसको हल्का तो उससे खेला थर्डमैन की दिशा में और एक रन बटोर लिया धनंजय डिसिल्वा ने और स्कोर पहुँचता हुआ स्कोर पहुँचता हुआ यहाँ पर बत्तीस रन दो विकेट नुकसान पर पाँच ओवर की समाप्ति के बाद धनंजय डिसिल्वा अपने पास स्ट्राइक रखेंगे यहाँ पर नौ गेंदों में सत्रह रन बनाकर खेल रहे हैं

सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा जुड़ जाइएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहाँ पर तीन लाइक हो चुके हैं यार एक भाई और लाइक करेंगे तो चार सौ लाइक्स पूरे हो जाएंगे तो जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा और मजे लीजिएगा इस मुकाबला पहला मुकाबला है सीजन का लंका प्रीमियर लीग का ये पहला सीजन है और पहला इस पहले नहीं हम करिए ये तो नया सीजन है और इस सीजन के अंदर यहाँ पर जो है पहला मुकाबला है तो चलिए नुआान प्रदीप आ चुके हैं नुआन प्रदीप को हम जानते हैं तेज़ गति से गेंदबाजी करते हैं सत्रह इनिंग्स खेल सत्रह इनिंग में अट्ठारह विकेट चटका चुके, चुके हैं चटका चुके हैं यहाँ पर इनिंग बेस्ट जो है वो तीन विकेट का है इनका और इंटरनेशनल तेज गेंदबाज है नुआान प्रदीप अपनी स्पेस के साथ कोई सेक्रीफाइस करते नहीं है तेज़ गति से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं दाएँ के तेज गेंदबाज़ हैं अब देखना होगा यहाँ से किस तरीके से गेम जो है वो आगे बढ़ता है नुवान प्रदीप जो है वो तैयार है अब यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए नुवान प्रदीप के सामने होंगे धनंजय डिसिल्वा उन्हीं के साथ ही खिलाड़ी धनंजय डिसिल्वा श्रीलंकन टीम में साथ खेलते हुए नजर आए हैं दोनों प्लेयर्स मगर अब आमने सामने हैं पहली गेंद इस बार नुआन प्रदीप की और सामने डिसलवा पर फिर से फुलंद की गेंद इस बार कलायु के सारे खेला जरूर लॉन्ग ऑन की दिशा मिड ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है वहां पर कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर स्कोर अभी भी बत्तीस रन दो विकेट नुकसान पर पाँच दशमलव एक गेंद का खेल हो चुका है समाप्त करंट रन रेट छः की है यहाँ पर यहाँ पर एक पार्टनरशिप पनप रही है धनंजय डिस धनंजय डिसिलवा और टॉम कुलर कैडमोर के बीच में क्या इस पार्टनरशिप को तोड़ पाएंगे नुआन प्रदीप अब देखना होगा यहाँ पर अगली गेंद सामने मौजूद है बल्लेबाज यहाँ पर धनंजय डिसवा सत्रह

ग्यारह गेंदों में इक्कीस रन बनाकर खेल रहे हैं तीन चौके एक छक्का लगाया है और इस ओवर में भी चौके में चौके के साथ स्वागत किया है यहाँ पर निवान प्रदीप का देखना होगा अगली गेंद को किस तरीके से खेलते हैं तीसरी गेंद है ये पावर प्ले के आखिरी ओवर की सामने मौजूद है धनंजय डिसिल्वा एक बार फिर से थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बाहर ये गेंद इसको हल्के तो उसने फिर से टहलाया गेंद को थर्ड मैन की दिशा में एक रन बटोर कर स्ट्राइक दे दिया है टॉम कूलर कैडमोर को स्कोर अभी भी यहाँ पर सैंतीस रन दो विकेट नुकसान पर पाँच दशमलव तीन गेंदों के बाद तो लाइक करिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहाँ से गेम जो है वो चल रहा है और गेम जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है यहाँ से थोड़ा सा रनगति को बढ़ाना होगा आप देखते हैं किस तरीके से इस रनगति को बढ़ाएंगे क्योंकि अभी देखिए टी में हम देखते हैं कि छः ओवर में कम से कम पचास या चालीस पचास पैंतालीस रन बनते हैं अभी उस तरीके की शुरुआत हुई नहीं है क्या टॉम कुलर कैडमोर इस ओवर में बड़े शॉट लगाते हुए नजर आएंगे तीन गेंदें बची हैं पावर प्ले की चौथी गेंद नुआन प्रदीप की ऑस्टन के बाहर ये गेंद इस बार हल्का तो सर डिफेंस किया और तेजी से एक रन पूरा कर लिया आठ डेंजर रन पर दौड़ रहे थे धनजय डिसलवा पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे यहाँ पर एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर जो है चॉम कूलर कैडमोर को स्ट्राइक पे आ जाएंगे धनंजर डिसल्वा अड़तीस रन दो विकेट नुकसान पर पाँच दशमलव चार गेंद ओके बाद करंट रन रेट छः दशमलव सात एक ही है यहाँ से और अब देखना होगा किस तरीके से गेम को आगे लेके जाएंगे शुरुआत तो ठीक -ठाक, तो शुरुआ ठाक सी हुई है अब अब मैं कह सकता हूँ शुरुआत ठीक ठाक सी हुई है बाकी अब डिपेंड करता है किस तरीके से गेम जो है वो आगे की तरफ बढ़ते नजर आएगा अगर बात करें स्कोर की तो स्कोर भी ठीक ठाक बना हुआ है अड़तीस रन दो विकेट नुकसान पर आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा आंड प्रदीप के ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से स्लो वन गेंद इस बार डिफेंस कर लिया इस गेंद को धनजेडी सिल्वा ने और यहां पर पांच गेंदे हो गई हैं इस ओवर की छह आए हैं इस ओवर में पावर प्ले का आखिरी ओवर है अड़तीस रन दो विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है जाफना किंग्स का तो देखने यहाँ से अब किस तरीके से पार्टनरशिप को आगे लेके जाएंगे धनंजय डिसल्वा और टॉम कूलर कैडमोर देखिए टॉम कूलर कैडमोर अभी रिसेंटली आपको पता है ये टी टेन के अंदर एक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे मगर ये टी टेन नहीं है ये टी ट्वेंटी इसलिए अपनी पारी को बुन रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि छः से लेकर पंद्रह ओवर के बीच एक सात से लेकर पंद्रह ओवर के बीच जो है एक कहते हैं मैच बनाने वाली पारी होती है वो अगली गेंद एक बार फिर से लेक्स्टम पे गेंद थी खेल दिया इसको फाइन लेग की दिशा में कोई रन नहीं मिलेगा इस आखिरी गेंद पर तो पावर प्ले समाप्त हो चुका है छः ओवर का पावर प्ले था अड़तीस रन बनाए दो विकेट नुकसान पर यहाँ पर जाफनाए किंग्स ने तो पावर प्ले में अब स्ट्राइक पे होंगे टॉम खुलर कैडमोर उस तरीके का पावर प्ले रहा नहीं शुरुआत में पहले रमन गुरबस जो है वो आउट हुए उसके बाद आपका और यहाँ पर रहमन ललो गुरुबाज के आउट होने के बाद फिर जो है यहाँ पर अविष्का फर्नांडो भी आउट हो गए दोनों ओपनर खो दिए थे यहाँ पर अब देखना होगा यहाँ से किस तरीके से गेम चलता तो है तो लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहाँ से कोशिश यही है कि ज़बरदस्त खेल जो है हमें देखने को मिल जाए तो जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री के साथ यहाँ पर मुकाबला अच्छा होने की उम्मीद रहेगी अगला मुकाबले में भी जुड़ेंगे आपसे कहा दो मुकाबले हैं आज आज के दिन में स्कोर अगर बात करें स्कोर हो चुका है अड़तीस रन दो विकेट नुकसान पर छुड़ रही है चैनल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम खोल लाइक कर दीजिएगा चलिए यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए अब किसे लाया जाएगा सातवें ओवर में क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है अब आप कम से कम जो है पांच फिल्टर जो है बाउंड्री पर रख सकते हैं तो यहाँ पर अब पांच फिल्टर के बाद खुलने के बाद कैसपिनर गेंदबाज आएंगे जी नहीं यहाँ पर जो है तुषारा के साथ ही गए हैं नुवान तुषारा के साथ ही गए हैं पहली गेंद बार चॉम कूलर कैडमोर को पहला ओवर में महंगा गया था यहाँ पर नुवान तुषारा का मगर यहाँ पर दूसरा ओवर भी दिया गया है अगली बार पटकी भी गेंद इस बार कट करा था गेंद को गेंद गई पॉइंट फिल्डर के पास कोई भी रन नहीं मिलेगा चॉम कूलर कैडमोर को पावर प्ले ठीक ठाक गया है मगर अब यहाँ से सात से लेकर पंद्रह ओवर जो है ये आ, कहते हैं ना आ, पारी को बुनने वाला समय होता है यहाँ से अगर अगले सात से लेकर पंद्रह ओवर तक अगर पंद्रह ओवर में तो आप एक सौ दस तक भी स्कोर बना दें तो शायद आप आखिरी पाँच ओवर में साठ या सत्तर रन जोड़कर टीम का स्कोर तो एक सौ तक तो पहुँचा सकते हैं तो वही प्लान होगा धंजर डिसलवा और टॉम कूलर कैडमोल का कि हर ओवर में यहाँ से हर ओवर में एक बाउंड्री जो है आप बटोरते हुए निकालें और सिंगल डबल रोटेट करें चलिए अगले गेंद इस बार सामने मौजूद बल्लेबाज टॉम कूलर कैडमोर एक बार फिर से पटकी हुई गेंद इस बार पोल करा है सीधे

यहाँ पर जो है अब काफ़ी मुश्किल काफ़ी मुश्किल हो रहा है जापनाई किंग्स के लिए यहाँ पर विकटे जा रही हैं चौम कूलर कैडमोर छः गेंदों में छः रन बनाकर पवेलियन जाते हुए एक चौका लगाया जरूर था अब यहाँ से आने वाले बल्लेबाज होंगे शोएब मलिक क्या शोएब मलिक अपनी टीम को आगे लेके जा पाएंगे देखते हैं यहाँ पर दो विकेट जो है वो खो दिए हैं तीन विकेट जो है वो खो दिए हैं सात ओवर के अंदर अंदर ही शुरुआत उस तरीके से आज जाफना की हुई नहीं है शायद काफ़ी दिन के बाद यहाँ पर खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि टी टन के बाद एक टी ट्वेंटी मुकाबला सूट नहीं कर रहा है यहाँ पर देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले में लाइक करिएगा आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जुड़ रहेगा हमारे साथ इस मुकाबले में फर्स्ट मैच में फिर फुस भाई बिल्कुल फुस नहीं है अभी टी ट्वेंटी मुकाबला यार अभी तो लंबा खींचेंगे इसको तीसरा परेरा अगर आ गए तो भाई बल्लेबाजी वो खुल के करते हैं उस तरह कुछ रन

शोएब मलिक इक्कीस मुकाबले खेले हैं लंका प्रीमियर लीग में थ्री सिक्सटी सेवन रन बनाए हैं यहाँ पर स्ट्राइकर जो एक सौ तैंतीस का रहता है यहाँ पर मगर यहाँ से स्ट्राइकर की बात नहीं यहाँ से पार्टनरशिप की बात है कि अगले अगले जो सात से लेकर पंद्रह ओवर के बीच में अगर आप नब्बे गेंदों में सौ रन बनाते तो आखिरी पांच ओवर को आप टारगेट कर सकते हैं नुआान तुषारा की ओवर की तीसरी गेंद सामने मौजूद है शोएब मलिक अब देखते हैं यहाँ से शोएब मलिक किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे चलिए चलते हैं और यहाँ पर चलिए चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ अब सामने मौजूद बल्लेबाज शोएब मलिक थोड़ा सा फील्ड को तब्दील कर रहे हैं यहाँ पर नुहान तुषारा पहला ओवर थोड़ा सा महंगा गया मगर इस ओवर में एक बहुत बड़ी विकेट टॉम कूलर कैडमोर की छटकाई है और इस बार फिर शोएब मलिक तैयार हैं यहाँ पर गेंद को खेलने के लिए ओवर की तीसरी गेंद और कोशिश यही है शोएब मलिक की कोशिश यही है कि रोटेट करें स्ट्राइक को चलिए एक बार फिर से ऑस्ट्रन के बाहर ये गेंद बार ड्राइव लगाया है गेंद गई कवर की दिशा में फील्डर वहाँ पर मौजूद एक रन तो मिल जाएगा और दूसरा रन भी दौड़ लेंगे जी हाँ थोड़ी सी फील्डर ने लेजीपन दिखाया और तुरंत दो रन दौड़ लिए यहाँ पर शोएब मलिक ने अपनी टीम का स्कोर पहुँचा दिया चालीस रन तीन विकेट नुकसान पर छः गेंदों के बाद यहाँ पर सिंगल्स को रोटेट करना होगा आपको बीच बीच में एक आधा बाउंड्री लगानी होगी क्योंकि करंट रन रेट जो है वो छः दशमलव एक के अगर इसी रन रन के रन रेट के हिसाब से रन बनाएंगे तो आप एक सौ बीस रन तक ही बना पाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर शोएम मलिक और रंजन डिसिलवा को एक पार्टनरशिप बिल्ड करने चाहिए अगले तीन चार ओवर्स के बाद ग्यारहवां या बारहवें ओवर से आपको चार्ज लेना चाहिए बड़े शॉट खेलने के लिए तीन विकेट ज़रूर खोले मगर आने वाले बल्लेबाज जो अभी तिसारा परेरा बचे हुए हैं थोड़ा बहुत तो यहाँ पर आप चांस ले सकते हैं उनके लिए आ, सर अभी सबर का मैच है क्या भाई बिल्कुल भाई सबर का मैच है अभी सबर सबर खेलते रहो अपना आराम से और सबर करते रहो भाई थोड़ा वेट करो भी रुक जाओ वेट करो भी मज़ा तो आएगा इस मुकाबले में अभी ऐसा नहीं है और कोशिश तो यही है लंका की भाई अभी अभी शुरुआत पहला मुकाबला है थोड़ा सा पहले मुकाबले में वो कॉम्बिनेशन जो है अभी एक साल जो कॉम्बिनेशन था उसके बाद फिर नया कॉम्बिनेशन बना रहे हैं यहाँ पर मगर शुएम मलिक तो देखिए अच्छे बल्लेबाज हैं ये तो चाहेंगे कि यहाँ से पार्टनरशिप को बिल्ड किया जाए धनंजय डिसलवा अभी टी ट्वेंटी रिसेंटली टी ट्वेंटी खेल रहे हैं तो फॉर्म में है अगले गेंद गेंदा दुशारा की भाई यॉर्कर गेंद थी इस बार सीधे बल्ले से खेला जरूर गेंदबाज से मिसफील्ड हुआ और एक रन दौड़ लिया यहाँ पर शोएब मलिक ने और स्ट्राइक पे आ गए हैं बल्लेबाज़ अब रंजय डिसिल्वा स्कोर हो चुका है इकतालीस रन तीन विकेट नुकसान पर छः दशल चार गेंदों के बाद तो थोड़ा सा गेम को अभी मोमेंटम को थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा एक आधा बाउंड्री आपको जड़नी पड़ेगी और रनों को आगे ले जाना पड़ेगा क्या रनों को आगे लेके जा पाएंगे देखते हैं यहाँ से किस तरीके से गेम आगे बढ़ता है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए आप भाई जन के लाइक करें और सब्सक्राइब करें भाई बिल्कुल सही बात करें लाइक एंड सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और बिल्कुल जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में उम्मीदें यही है कि एक ज़बरदस्त खेल जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए और अच्छा खेल होगा देखिए अच्छा खेल होगा आप टेंशन मत लीजिए आपने सबसे पहले घबराना नहीं है आप सब घबरा जा रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है मगर आप सब घबराइए नहीं अच्छा मुकाबला होने की बात रहेगी यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ा सा पटकी हुई गेंद थी ऑस्ट्रेन के बाहर कट करा था धंजय डिसल्वर ने गेंद गई पॉइंट की दिशा में कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर स्कोर अभी भी इकतालीस रन तीन विकेट नुकसान पर छः दशमलव पाँच गेंदे हो चुकी हैं जाफनाई किंग्स की शुरुआत उस तरीके से नहीं हुई है मगर देखिए शोएब मलिक और धंजर डिसल्वा डिस खासकर पंद्रह गेंदों बाईस रन बनाकर खेल रहे हैं और यहाँ कहीं ना कहीं फॉर्म में लग रहे हैं वही एकमात्र बल्लेबाज है जो अभी टिके हुए हैं इनका लास्ट तक खेलना बहुत ज़रूरी है दुर्गेश कुमार मीना भाई कह रहे भाई नाम ले लो भाई नाम ले लिया भाई नाम ले लिया है दुर्गेश कुमार मीना भाई चलिए यहाँ पर अगली बात गेंद थी इस बार थोड़ा सा गेंदबाज रुके हैं यहाँ पर स्कोर अभी भी यहाँ पर इकतालीस रन तीन विकेट नुकसान पर छः तो चलो पाँच गेंदे हो चुकी हैं आप सब लोग जो है डेल्टिन सेवन आपके साथ जुड़ जाइएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइव के अंदर मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आई क्रिएट करिए मिनिमम बैट सिर्फ दस है मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ का तो सौ रुपये डिपॉजिट करके आप यहाँ पर खेल सकते हैं जीत सकते हैं तो खेलिए और जीतिए है डेल्टिन सेवन ऐप पे चलो चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ अगली गेंद की तरफ और देखना होगा किस तरीके से खेल जाता है एक रन मिल हाँ पर। डिसिल्वा को स्ट्राइक पे आ जाएंगे शोएब मलिक स्कोर हो चुका है बयालीस रन तीन विकेट नुकसान पर सात ओवर की समाप्ति के बाद धनंजर डिसलवा सोलह गेंद तेईस रन तीन चौके एक छक्का लगाया है नुहान तुषारा पहला ओवर थोड़ा सा महंगा गया पंद्रह रन आए थे मगर दूसरे ओवर में कंट्रोल्ड गेंदबाजी कर रहे हैं चार रन दिए अभी तक और एक बहुत बड़ा विकेट टॉम कुलर कैडमोर का यहाँ पर विकेट चटकाया था यहाँ से भी तेरह और बचे हुए ओवर समाप्त हो चुका है सात ओवर समाप्त हो चुके हैं बयालीस रन तीन विकेट नुकसान पर जाफनाई किंग्स का स्कोर है स्ट्राइक पर होंगे धनंजय डिसलवा देखना होगा गेंदबाजी कौन करता है आठवें ओवर की करंट रन रेट अभी भी छः की चल रही है यहाँ पर करंट रन रेट अभी भी छ की चल रही है यहाँ पर यहाँ पर देखना होगा अब किस तरह होता है यहाँ पर गेंदबाजी थोड़ा सा गेम प्लान को बदलना होगा जाफनाई किंग्स को थोड़े बहुत यहाँ से रन एकत्रित एक करने होंगे इकट्ठे करने होंगे अगर यहाँ से एक बड़ा स्कोर अगर सात एक सौ साठ सौ पचास रन तक पहुँचना है तो थोड़ा सा यहाँ से अब स्टेबल बल्लेबाजी करने होंगे चलते हैं ज़रा गेम की तरफ और हमारी टीम यहाँ पर गाली के लिए ट्रेने शुरू में बताया था आपको और यहाँ पर चलते हैं ज़रा अगली गे गेंद की तरफ चलिए फर्नांडो आगे हैं इस बार फिर से नेक्स्ट टाइम पर गेंद कलाइयों के सारे खेल दिया इसको मिड विकेट बाउंड्री के बाहर छः रन के लिए इस बार नूआन प्रदीप का पेस का इस्तेमाल किया देखा कि गेंद आगे की तरफ है थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया और कलाइयों के सारे उसको फ्लिक कर दिया

इस मुकाबले की तरफ सामने मौजूद है बल्लेबाज धंजिलवा एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी उसको हल्का तो से पॉइंट की दिशा में खेला है और आ, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर धर्मपाल भाई कह रहे हैं प्लीज़ नाम लो भाई लव यू धर्मपाल छाबरा भाई आपका नाम ले लिया है दीपक भाई कर हमको भी दे दो भाई प्लेयर हम कमीशन भी देंगे भाई थी तो वही प्लेयर कौन सा प्लेयर दें भाई आपको आ, बहुत बस कॉमेंट्री है मैच कहाँ हो रहा है भाई अब्दुल कर अब्दुल कह भाई ये श्रीलंका में हो रहे हैं मुकाबले ये टी ट्वेंट लंका प्रीमियर श्रीलंका प्रीमियर लीग है ये जैसे हर जगह लीग चल रही है वैसे एक लीग है ये चलिए सामने मौजूद हैं बल्लेबाज धनंजय डिसिल्वा छक्का जरूर लगाया पहली गेंद पर मगर दूसरी गेंद पर कमबैक किया यहाँ पर फर्नांडो ने चलिए अगली गेंद पर फिर से ऑस्टर्न के बाहर ये गेंद थी इस बार आउटसाइड एज लगा थर्ड मैन की दिशा में खेलने की कोशिश थी आउटसाइड एज लगा और कैच पकड़ लिया यहां पर आजम खान ने एक और झटका एक और झटका लगता हुआ जाफनाय किंग्स को धनंजय डिसिल्वा हुए यहां पर कैच आउट और मुश्किलें बढ़ गई हैं जाफना किंग्स के लिए, लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं अड़तालीस रन चार विकेट नुकसान पर सात दशमलव तीन गेंदे हो चुकी हैं धनंजय डिसिल्वा उन्नीस गेंदों में उनतीस रन बनाकर पवेलियन जाते हुए तीन चौके और दो छक्के लगाए थे और नुआन प्रदीप को मिल गई ये विकेट इस बार ऑस्ट्रन के बाहर थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी उसको थर्डमिन की दिशा में खेलने की कोशिश आउट साइड लगा और आजम खान ने पकड़ लिया यहां पर कैच और एक और झटका एक और झटका लगता हुआ जाफना किंग्स को सट बल्लेबाज उन्नीस गेंदों में उनतीस रन मनाया धनंजय डिसिल्वा बने तीन चौके दो छक्के लगाए थे और विकेट गिर गया है चलिए पर कप्तान कप्तान हो सकते हैं बल्लेबाजी करने मुश्किल परेरा, परेरा है क्योंकि आप कल, आप कल क्यों 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 स्ट्राइक का डर है जहां पर स्ट्राइक का डर है वहां पर कॉमेंट्री करने से बची रहे आर एन सिंह भाई बाकी कोशिश कर रहे हैं यार स्ट्राइक का डराइ नहीं चाहते अभी स्ट्राइक दो तीन लग चुके हैं इसलिए थोड़ा सा शांति से कमेंट्री कर रहे हैं नहीं तो स्ट्राइक लग गई तो फिर परेशान हो जाएंगे आ, परेश भाई कह रहे हैं क्या क्या हाल चल रहा है सर जी भाई परेश गेमिंग भाई बढ़िया आप बताइए कैसे हैं यहाँ पर आप जुड़े हैं हमारे साथ थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए शाम को मैच है क्या भाई बिल्कुल शाम को मौच है शाम को मैच है यहाँ पर राजवीन अली भाई बिल्कुल रिजवान अली भाई शाम को मुकाबला है एक और मुकाबला होगा लंका प्रीमियर लीग का शुरुआत खराब हुई है तिसारा परेरा है जिन्होंने एंट्री नहीं ली है वह एट्री ले लीजिएगा मुझे मिलता है तिसारा

यहां पर चलिए चलते हैं जरा अगली गेंद इस बार लेक्सटम पे गेंद थी कलायु के सारे खेला जरूरत तो फाइनल की दिशा में वन बाउंस फील्डर के हाथ में ये गेंद एक मिल जाएगा एक रन मिल जाएगा तिसारा परेरा को यहाँ पर और खाता खुल जाएगा तिसारा का अगर स्कोर की बात की जाए तो उनचास रन चार विकेट नुकसान पर सात दशमलव चार गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त यहाँ से देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है अगर बात की जाए उनचास रन की तो रन ठीक ठाक बन चुके हैं नुआन प्रदीप कर रहे हैं गेंदबाजी शोएब मलिक हैं स्ट्राइक पर दो गेंदें बची हैं इस आठवीं ओवर की यहाँ से एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी देखिए टी ट्वेंटी में पार्टनरशिप का गेम होता है कि अगर छोटी सी पार्टनरशिप बिल्ड हो गई तो आखिरी छः या सात ओवर में तिसारा परेरा और शोएब मलिक मिलकर बड़े बड़े शॉट यहाँ पर लगा सकते हैं तो उसके लिए इसको मिड विकेट दिशा में यहाँ पर और एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर शोब मलिक को स्कोर पहुंचता हुआ पचास रन चार विकेट नुकसान पर सात दशमलव पांच गेंदें हो चुकी हैं तीसारा परे राय होंगे स्ट्राइक पर क्या यहां से अपनी टीम का स्कोर आगे लेके जा पाएंगे मेरा भी टेविंडो नाम लो भाई और रमेश राम भाई आपका नाम ले लिया है आरिफ भाई कह रहे हैं भाई हमारा भी नाम लो आरिफ सिद्दीकी भाई आपका भी नाम ले लिया है यहाँ पर और चार विकेट खो दिए मगर अच्छी बात यह कि कप्तान खुद बल्लेबाजी करने आए अब देखते हैं कप्तान किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे ब्रो ओवर यू एम फ्रॉम बांग्लेश आर के एन भाई भरिया आप बताइए आप कैसे हैं यहाँ पर जुड़ रही है सब्सक्राइब करते रहिए गेम्स विद अड़सठ रन होंगे चलिए अगली गेंद पर शॉर्ट पिच गेंद थी पुल कर दिया गेंद को गेंद जा रही है सीधा मिड विकेट बाउंड्री की तरफ फील्डर मौजूद एक रन तो मिल जाएगा यहाँ पर तिशारा पलेर को तीसारा पलेर के हाव भाव कुछ अलग लग रहे हैं यहाँ पर लग रहा है कि आते ही बड़े शॉट खेलना पसंद कर रहे हैं आठ ओवर समाप्त हो चुके हैं इक्यावन रन चार विकेट नुकसान पर जाफनाई किंग्स का स्कोर है तिसारा परेरा है स्ट्राइक पर क्या यहाँ से तिसारा परेरा अपनी टीम का स्कोर आगे लेके जा पाएंगे लग रही है लगे रही है हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होगा तिसारा परेरा तैयार हो रहे हैं यहाँ पर गेम को खेलने के लिए क्या लगता है आपको कि हाँ यहाँ से गेम को आगे लेके जा पाएंगे लाइक करिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ मुझे लग रहा है कि यहाँ से तीसारा फरेरा जो है कुछ कमाल की बल्लेबाजी कर सकते हैं इसके बाद जेन्स सुनर आने बाकी है मैं स्टेशन आगे बाकी है और उम्मीदें यही है, है कि ज़बरदस्त खेल जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती तो है जुड़ जाइए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ स्ट्राइक पर होंगे तीसारा परेरा आप देखते हैं नए गेंदबाज़ कौन आएंगे गेंदबाजी करने के लिए इस नवे जी नहीं दसवें ओवर में हाँ जी दसवें जी देखना पड़ेगा ओवर कौन सा मैं भूल गया हूँ यहाँ पर नवे ओवर में माफ करिए नवे ओवर में नवे ओवर में देखते हैं कौन गेंदबाजी करने आता है यहाँ पर तुषार आत्मा तुझान तुषार आए हैं यार कर गेंद थी के बाहर इस गेंद पर पूरी तरीके से बीट हो गए तो सारा परेरा कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर स्कोर अभी भी इक्यावन रन चार विकेट नुकसान पहली गेंद सटीक और कर गेंद थी इस बार ऑस्टम पर पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली अगर अंदर आ जाती तो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं यहाँ पर तीसारा परेरा देखते हैं अब क्या होता है इस मुकाबले में जुड़ रही है हमारे साथ नुआान तुषारा बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं पहला ओवर थोड़ा सा महंगा गया था मगर दूसरे ओवर में काफ़ी हद तक जो है कम करते नज़र आए हैं यहाँ पर उम्मीदें यही है कि बड़े बड़े शॉट लगाए आप है। देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी होगी यहाँ पर जितेंद्र भाई फिक्सिंग मैच अरे नहीं यार कोई फिक्सिंग नहीं है देखे जाओ अभी तो चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ नुवान तुषारा के ओवर की अगली गेंद इस बार सामने है तीसरा पर एक बार फिर से मैंने स्टम्प गेंद कलाई सारे खेल दिया उसको लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर सामने मौजूद होंगे बल्लेबाज अब शुब मलिक दो एक्सपीरियंस खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट के शुैब मलिक तिशारा परेरा बावन रन चार विकेट नुकसान पर आठ दशमलव दो गेंदें हो चुकी हैं यहाँ से थोड़ा सा शुयब मलिक और तिशारा परेरा को दो चार ओवर जो है समय लेना चाहिए पीछे बिताना चाहिए उसके बाद आखिरी के छः सात ओवर में आप अटैक कर सकते हैं बड़े बड़े शॉट खेल सकते हैं चलिए चलते हैं जरा गाले के लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं उम्मीद करें गाले की टीम जो है इस मुकाबले को जीते बाकी अब डिपेंड करता है किस तरीके से ये खेल होता है यहाँ पर आप सब लोग जुड़ रही है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए स्ट्रीम को लाइक करते रहिए मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होने की उम्मीद है बत्तीस रन यहाँ बावन रन मौख चार विकेट नुकसान पर नवे ओवर की है अगली गेंद पटकी हुई गेंद बाउंसर ये गेंद थी लेस्टम के बाहर ये गेंद है अंपायर को निश्चित तौर पर इसको वाइड जरूर देना चाहिए जी हाँ वाइड दे दिया अंपायर ने एक एक्स्ट्रा एक रन एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ खाते में जाफनाए किंग्स के तिरपन रन चार विकेट नुकसान पर आठ दशमलव दो गेंदें हो चुकी हैं तो जरूरत है यहां पर रनों की और अभी तो समली हुई बल्लेबाजी चल रही है अगर समली हुई बल्लेबाजी थोड़ा सा समय लेकर गेम को आगे बढ़ाया जाए तो एक अच्छा खासा स्कोर जो है बन सकता है यहां पर देख

और यहाँ पर गेम आगे बढ़ता हुआ चौवन रन चार विकेट नुकसान पर आठ दशमलव तीन गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त यहाँ से मुझे लग रहा है कि दो एक दो ओवर जो है पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जाएगा भाई आप आपका कल क्या, क्या, क्या चाहोगे भाई इंडिया जीतेगी भाई कल तो जीके पटल भाई करें आउट करो ठीक है ओके दसमलव सत्तर हो ना प्रताप भाई मुश्किल लग रहा है मुश्किल लग रहा है सारा परेरा का अगर बल्ला बोला तो तभी हो सकता है बाकी शोएब मलिक तो देखिए आराम से ही खेलेंगे शोएब मलिक का काम जो है वो यहाँ पर एक पार्टनरशिप बिल्ड करना है और बड़े शॉट खेलेंगे ते सारा पेटा उनको अगर लगा कि भाई शॉट खेलना चाहिए रन बनाना

कुछ रन बनते हुए नजर आएंगे देखना होगा यहां पर आ, सामने मौजूद है बल्लेबाज यहां पर जो है अब तिसारा परेरा और नुआन दुशारा के ओवर की अगली गेंदा में फील्डर के पास एक रन मिल जाएगा अच्छा खेलते हैं बहुत, परेरा। इस ओवर की अगर बात की जाए तो यहां पर चार रन आ चुके हैं इस ओवर में छपन रन चार विकेट नुकसान पर आठ दशमलव गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त सुयब मलिक चार गेंदों में पांच रन खेल रहे हैं नुआन दुशारा कर रहे हैं गेंदबाजी उनके स्पेल ये तीसरा ओवर है उनके स्पेल का ये तीसरा ओवर लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं एक छोर से बिल्कुल रोक के रखे हैं भाई गलती वापस करेंगे क्या रोहित शर्मा नहीं भाई कुछ नहीं कहना सिंह भाई गलती नहीं करेगी जब आप इतना क्लोज मैच हारते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर जो है वो समझते हैं कि हमने कहीं ना, अच्छा गेंदबाजी करी सिर्फ बल्लेबाजी हमें अच्छी करनी चाहिए तो कल देखिएगा यहाँ पर चलिए चलते हैं मुकाबले एक बार फिर से पटकी थर्ड की दिशा में खेल दिया इस को सिंगल मिलेगा सिंगल मिलेगा यहाँ पर इस गेंद पर और स्ट्राइक पे आ जाएंगे बल्लेबाज स्ट्राइक रखेंगे बने पास, पास। यहां पर शोएब मलिक आठ नौ ओवर की समाप्ति हो चुकी है उनसठ रन चार विकेट नुकसान पर जाफनाई किंग्स का स्कोर है स्ट्राइक पे होंगे तीसारा परेरा और यहां पर देखना होगा गेंदबाजी कौन करता है इस मुकाबले टाइम आउट हो चुका है देखिए स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो चुका है अब टाइम आउट के बाद देखना होगा क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम को लाइक करिएगा ध्यान रखिएगा जब लंका प्रीमियर लीग में जब टाइम आउट होता है तो गेम बदलता है ध्यान रखिएगा गेम बदलेगा अब यहाँ से गेम जो है वो चेंज होगा या तो रन आएंगे या फिर विकेट गिर जाएंगे अब वो देखना होगा लाइक करिएगा सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को दो मिनट का ये स्टडी टाइम आउट है यहाँ पर आप सब लोग तब तो तक डेल्टिन सेवन ऐप आप आपके साथ जुड़ जाइएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचर में पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आई क्रिएट करिए मिनिमम बैठ से दस है मिनिमम डिपोजिट जो है सिर्फ सौ का तो सौ आप डिपोजिट करके खेल सकते हैं जीत सकते हैं डेल्टिन सेवन ऐप के साथ यहाँ पर विड्रॉल जो है पंद्रह मिनट के अंदर मिलता है गारंटी है पंद्रह मिनट के अंदर विड्रॉल आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है बशर्त आपने अकाउंट नंबर सही डाला हो अपना बाकी गूगल पे फोन पे पेटीएम पे से आप डिपोजिट कर सकते हैं लोकल पेमेंट एक्सेप्टेड है यहाँ पर और आई क्रिएट करना बहुत ही आसान है लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचन में पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आई क्रिएट करिए आई करने के लिए क्रिएट करने के लिए आपको रेफरल कोड की जरूरत नहीं है आपको ने बनाना है अपना पासवर्ड बनाना है मोबाइल नंबर डालना है आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी डेल्टिन सेवन ऐप पे यहाँ पर आप टू साइड बेट कर सकते हैं तो, कर सकते हैं टोटली तो, एक्सचेंज है एक्सचेंज पे जो लोग खेलते हैं और समझते हैं कि भाई लॉस कट कर, बुक सेट करिए कोई भी जीते कोई भी हारे मैच को मगर आप जरूर जीतेंगे डेल्टीन सेवन ऐप पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचन पर पिन कर दिया उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा यहाँ पर चलिए चलते हैं यहां पर अपने मोबाइल पे फोन में लाइव देख देखने लें भाई प्लीज बताइए इस भाई भाई आप डेल्टी सेन को ज्वाइन कर लीजिए उस पर आप सारे मुकाबले लाइव देख सकते हैं एक बार स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जुड़ जाएगा हमारे साथ इस मुकाबले में क्या होगा क्या होगा इस मैच का सूरत्याल क्या गेम प्लान रहेगा मेरे हिसाब से गेम प्लान यही रहेगा भी यहाँ पर जो है जाफरें

एक फाइनल टोटल होता है टी के अंदर और गेंदबाजी है यहाँ पर जाफरा किंग्स के पास महेश सेना है तीसरा प्रेरक खुद गेंदबाजी करते हैं और इस टीम के अंदर गेंदबाजी है क्या यहाँ से कोशिश करेंगे वो देखना होगा यहाँ पर और यहाँ पर आप देखना होगा किस तरीके से गेम आगे बढ़ता है लाइक कर दीजिए आप सब सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और डल्टिन सेवन ऐप पर जुड़ना मत भूलिएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचर में पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आई क्रिएट करिएगा गालिक जीतेगा बहुत अच्छा खेलता है वो मैंडिस तगड़ा तो आज कन्फर्म भाई भाई कन्फर्म तो, तो लोग गुरबाज के लिए भी लोग कह रहे थे आउट हो गए ना क्रिकेट आए भाई कोई भी आउट हो जाता है कभी भी क्या पता आते ही कुशल मैंडिस भी बोल्ड हो जाए तो भाई ये भी तो नहीं है ना अगर आपके किस के सामने एक रन होंगे तो एक रन तो बनाने पड़ेंगे ना नाम से थोड़ा मनते हैं रन रुण, रन रुण, रनों से बनते हैं नाम से नहीं बनता है मैं नाम लो भाई सब्सक्राइब करूंगा भाई चिराग काव्य अरे अरे नाम बड़ा जबरदस्त भाई का चिराग काव्य भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ चार सौ चौरासी लाइक हो चुके हैं सोलह भाई और लाइक कर दीजिएगा आंकड़ा प्रहो जाएगा यहाँ पर पांच सौ लाइक प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को मुकाबला चल रहा है लंका प्रीमियर लीग का क्या होगा इस मैच का सूरत देखना होगा अभी जाफनाई किंग्स बिल्कुल फंसी हुई है जाफनाई किंग्स अभी फंसी हुई है क्योंकि चार विकेट जरूर खोए हैं उनसठ रन चार विकेट नुकसान पर नौ ओवर के समाप्ति के बाद टाइम आउट के बाद गेम चेंज होता है लंका प्रीमियर लीग में ध्यान रखिएगा ये बात याद रखिएगा कि टाइम आउट के बाद लंका प्रीमियर लीग में गेम चेंज होता है क्या यहाँ से जाफनाई किंग्स का गेम चेंज होगा वो देखने वाली बात होगी भाई कोई टीवी कौन से चैनल पर आ रहा है आरिफ सिद्दीकी भाई कहाँ से है पहले नाम आप जगह बताइए जहाँ से हम बताऊँगा लाइव कहाँ पर आ रहा है देखना मिश्रा भाई आज मेंडिस का रिकॉर्ड अच्छा है इनके खिलाफ भाई दीपक शर्मा रिकॉर्ड से अगर जीतते तो इंडिया का रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छा था भाई क्यों हार गए फिर यार रिकॉर्ड से नहीं होता भाई खेलना पड़ता है दिन नया होता है यार चलिए यहाँ पर अब तरंगा आ हैं तरंगा कौन सा तरंगा भैया तो और पुलियाना तरंगा जहाँ पुलाना तिरंगा आ चुके हैं नौ मुकाबले खेले हैं सात विकेट चटकाएँ इकॉनमी बहुत महंगा रहता है आठ दशमलव एक तीन का रहता है और यहाँ से पुलिया तिरंगा किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे तरंगा आ चुके हैं जी तरंगा के ऊपर पहली गेंद एक बार फिर से ऑस्टम पे गेंद थी बड़ा शॉट लगाने जरूर गए थे खेल दिया दिए गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन मिल जाएगा तीसरा परेरा को और स्ट्राइक पर आ जाएंगे शोएब मलिक एक नहीं दो ले लिए जी आ, दो रन ले लिए यहाँ पर ऐसा लगा तो नहीं एक ही रन लिया है शायद यहाँ एक ही रन लिया है शोएब मलिक आ गए स्ट्राइक पर कि सारा परेरा जो है नॉन स्ट्राइक रहन पे हैं तरंगा आ गए गेंदबाजी करने के लिए क्या यहाँ से गेम प्लान चेंज होगा क्या यहाँ से गेम प्लान जो है चेंज होगा यहाँ पर और किस तरीके से गेम आगे बढ़ेगा चलिए चलते हैं जरा लेकिन जरा लेफ्ट हम पर एक गेंद थी ओ हो जी हाँ पहली गेंद पर दो रन लिए माफी चाहेंगे और तीसरी दूसरी गेंद पर सिंगल है तीन रन आ चुके हैं इस ओवर में स्कोर पर हौंसता हुआ बासठ रन चार विकेट नुकसान पर दसवा ओवर है और दसवें ओवर में क्या यहाँ पर आक्रामक रवैया होगा सब्सक्राइब किया हो भाई नाम ले लीजिए मोहम्मद शमसुद्दीन भाई आपका नाम ले लिया है यहाँ पर आरिफ आरिफति भाई दिल्ली से हूँ भाई दिल्ली से आरिफ सती भाई मुझे नहीं पता टी वी पर कहाँ से आई टी पर कहाँ पर है मतलब डल्ली से उनको देख रहा हूँ कि आई डी क्रिएट कर लीजिएगा खेलिएगा और लाइव देखिएगा

क्या उस तरीके का खेल यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ सकते हैं तिसारा परेरा चलिए चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ तरंग, तरंगा तिरंगा की ओवर की है चौथी गेंद सामने मौजूद तिसारा परेरा एक बार पर फिर से कदमों का इस्तेमाल किया सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में यहाँ पर फील्डर मौजूद एक रन और जुड़ता हुआ यहाँ पर जो है तिसारा परेरा के खाते में तो यहाँ से थोड़ा रन गति को बढ़ाने की कोशिश रहेगी तिसारा परेरा की चौंसठ रन बन चुके हैं चार विकेट नुकसान पर स्ट्राइक पे होंगे शोएब मलिक चार गेंदे हो गए इस ओवर के मेरा भी नाम लोल भाई भाई, भाई ये तो नो यहाँ पर मैं तो नहीं हो पाएगा भाई मोहम्मद अली ऑफिशियल भाई आपका नाम ले लिया विजय भाई कह रहे हैं भाई मैं बैंगलोर से हूँ भाई आय विजय विजय भाई ले लिया आपका नाम अगले शोहब मलिक को ऑस्ट्रेलिया के बाद पटकी भी गेंद थी कट किया जरूर मगर पॉइंट की दिशा में गेंद गई वहाँ पर फील्डर मौजूद शोएब मलिक को रन जरूर नहीं मिलेगा यहाँ पर आ, खाली गेंद रहेगी इस ओवर में अभी तक का सिर्फ पाँच रन आए हैं पाँच गेंदों के अंदर आखिरी गेंद बची है क्या आखिरी गेंद पर कुछ चौका ओका बटोरेंगे शोएब मलिक देखना होगा यहाँ पर चौसठ रन चार विकेट नुकसान पर काफ़ी दिन के बाद शोएब मलिक जो है वो खेलते नजर आ रहे हैं यहाँ पर फिटनेस में थोड़ा सा जो है जोर देते हैं वो क्या यहाँ से थोड़े से कदमों का इस्तेमाल करके या फिर स्वीप या फिर रिवर्स स्वीप लगाते नजर आएंगे यहाँ पर चलिए अगली गेंद इस बार तरंगा की शॉर्टपिच गेंद लैफ स्ट पर है गेंद तीस को पुल कर दिया गेंद जारी है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फील्डर मौजूद वहाँ पर दौड़ के गेंद को फील्ड कर लेंगे

वाइल्ड कैंपिंग भाई दे दिया अनमोल चुके हैं हमारे साथ आशीष कुमार भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस मुकाबले में अभिनव एक्सपर्ट विनिंग इन टू मैन डेज चलेगा कि नहीं भाई चल, चलना तो चाहिए भाई चल जाएंगे पंद्रह बीस रन तो बना ही देंगे आ, मेरा मेरा अभी नाम लो भाई नाम ले लिया मोहम्मद फजल भाई आपका अभिनव भाई बता दो तो दिए चल जाएंगे पंद्रह बीस रन बना देंगे अभी किस में को नहीं पता भाई मैं भविष्य नहीं देखता और इस बीच इस पिछ के लिहाज से कुशल मैंडिस का चलना बहुत जरूरी है बाकी क्रिकेट का अनिश्चिताओं खेल है दस ओवर बने हुए हैं अभी भी दस ओवर में देखो कितने रन बने हुए हैं दस ओवर का खेल हो चुका है समाप्त सिक्सटी सिक्स रन बने हुए हैं अगली साठ गेंदें बची हैं साठ गेंदों में अगर अस्सी रन भी जोड़ते हैं तो एक तक पहुँच सकते, है। तो सकते हैं नब्बे जोड़ेंगे तो एक तक पहुँच सकते हैं मगर नब्बे की टारगेट होगा नब्बे का टारगेट होगा तिसारा परेरा का सामने मौजूद है तिसारा परेरा नए गेंदबाज़ आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर जी हाँ रियाज, वहाब रियाज की ऑस्टन के बाहर ये गेंद इस बार कट करट गेंद को भेजा डीप पॉइंट की दिशा में फिल्टर मौजूद है एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर तिसारा फरीरा को स्ट्राइक पे आ जाएंगे अब शुएम मलिक सिक्सटी सेवन रन लॉस ऑफ फोर विकेट जाफनाय किंग्स का स्कोर है दस दशमलव एक गेंद का खेल हो चुका है समाप यहां से थोड़ा सा लेना पड़ेगा तो चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में लाइक करते रही है सब्सक्राइब करते रही चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग है अभी तक तो का एक रन हो गया आ, यहाँ पर अजय अजय सोनी के पापा जो है वो खो गए हैं वो ढूंढ रहे हैं बता दीजिए भाई अजय 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 सोनी के पापा जो है वो कौन है मतलब बता, बताइएगा ज़रा अजय भाई को आ, बता दीजिए भाई कोई है तो नहीं चली ऑस्ट्रन के बाहर ये गेंद थोड़ा सा ऑस्ट्रन के गेंद रखी थी पढ़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली बल्ला भी नहीं लगाया यहाँ तो यहाँ तो बल्ला भी नहीं लगाया शोब मलिक ने जाने दिया इस गेंद को और विकेट कीपर के पास सिक्सटी सेवन रन लॉस ऑफ फोर विकेट दस दशमलव दो गेंदे हो चुकी हैं अजय सोनी के पापा खो चुके हैं वो पूछ रहे हैं भाई मेरे पापा कहाँ हैं तो बता दीजिए भाई कोई इनके पापा देख रहे हो तो प्लीज नाम बता दीजिएगा अपना मैं अजय सोनी को बता दूंगा भाई मेरी डी देखो बताओ कैसी है भाई बढ़िया लग रही है भाई दूर से लग रही है जॉनी सिंस लग रहे हैं पूरे <laughs> गुडू जॉनी सिंस की लगा रखी है गुड्डू सी कर मेरा नाम ले लिया आप कुेत से देख रहे हैं गुड्डू अंसारी भाई नाम ले लिया आपका रम रंग मिक्स म्यूजिक भाई कह रहे हैं हेलो सर हाय सर कैसे हैं आप जुड़ रही है लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को यहाँ पर आप थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे शो मलिकली ग्राउंड दस्टम गेंदबाजी करना है पटकी भी गेंद कलाई को सारे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर यहां पर शोएब मलिक को स्कोर पहुंचता हुआ अड़सठ रन चार विकेट नुकसान पर दस दशमलव तीन गेंदे हो चुकी है शोएब मलिक यहां पर दस गेंदे खेली तेरह रन बनाए हैं स्ट्राइक पे है तीसारा परेरा क्या होगा इस मैच का सूरत हाल देखना होगा कौन सी टीम किस पे भारी पड़ती है तीसारा परेरा नौ रन बनाए हैं अभी तक मगर यहां से कदमों का इस्तेमाल जरूर करेंगे चलिए चलते हैं जरा भाई टोटल कितना स्कोर होगा भाई डेढ़ सौ तो बनने की मुझे उम्मीद लग रही है डेढ़ सौ तो बना ही देंगे शायद मुझे ऐसा लगता है मेरा ऐसा मानना है बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई अड़सठ रन बने हुए कहता बाउंड्री तो लगानी पड़ेगी हर ओवर में और यहाँ पर चलिए चलते हैं जरा पे गेंद ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी कट कर दिया गेंद गई सीधा आउट साइड लगा और गेंद गई सीधा थर्ड मैन की दिशा में एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर सीधा पेरा को भी स्कोर होता हुआ सिक्सटी नाइन रन लॉस ऑफ फोर विकेट दस दशमलव चार गेंद का खेल हो चुका है समाप्त यहाँ से सिंगल रोटेट हो रहे हैं बड़े ओवर की तलाश में है बड़े ओवर की तलाश में है यहाँ पर तो क्या बड़ा ओवर आ पाए यहाँ पर वहाँ भी आज बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज को ज़्यादा रूम नहीं दे रहे हैं यहाँ पर और कोई कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को कही बल्ले बांध के रखा हुआ है शुरुआत से ही देखिए आज गेंदबाजी अच्छी करिए सिक्सटी नाइन रन लॉस ऑफ फोर विकेट अगली गेंद वहाँ भी आज की शोएब मलिक को ऑप्शन के बाहर ये गेंद थी उसको हल्के तो खेल दिया स्लिप की दिशा में थर्ड मिनट का फीडर दौड़ के गेंद को फील्ड कर लेंगे और एक ही रन मिलेगा यहाँ पर शोएब मलिक को इस ओवर की अगर बात की जाए तो पांच गेंदे हो गई हैं इस ओवर की सत्तर रन सत्तर रन बन चुके हैं चार विकेट नुकसान पर यहाँ से बची हैं पचपन गेंदे अब देखना होगा पचपन गेंदों में कितने रन और जोड़ते हैं यहाँ पर आ, कितने रन और जोड़ते हुए नजर आएंगे दोनों बल्लेबाज कोशिश यही है कि बड़े बड़े प्रहार करें बड़े बड़े शॉट लगाएं यहाँ पर तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब करिए भाई कानपुर से सा साइड कहाँ पर लाइव आ रहा है क्योंकि पर लाइव कहाँ से हूँ कानपुर में से कानपुर पर नहीं पता भाई अरविंद सिंह भाई कानपुर में कहाँ लाइव देख रहे हैं आप चलिए चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ देखते हैं क्या होता है स्कोर नहीं दिख रहा है भाई स्कोर दिख नहीं रहा स्कोर दिख तो रहा है भाई कितना स्कोर देखेंगे आप चलिए अगली गेंद इस बार थोड़ा एक्स्टम तो के बाहर ये गेंद थी वाइड करार दिया अंपायर ने इस गेंद को और वन बाउंसर भी कहा है तो वहाव रियाज की एक ख़राब गेंद इस ओवर में अगर बात की जाए तो अभी तक जो है पाँच रन आए स्कोर हो चुका है इकहत्तर रन चार विकेट नुकसान पर दस दशमलव पाँच गेंदें हो चुकी हैं देखना होगा यहाँ से मुकाबला किस तरीके से बढ़ता है जुड़े रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए यहाँ पर इंजॉय करते रहिए इस मुकाबले को और मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है स्कोर नहीं दिख रहा भाई दिख तो रहा रंजीत भाई कितना स्कोर देखेंगे स्कोर तो पूरा ही दिख रहा है हमारा यार चलिए चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ अगली गेंद एक बार फिर से इस गेंद पर आ यहाँ पर जो है सिंगल ही लिया है सिंगल ही लिया है यहाँ पर जो है सिंगल ही लिया बाइक पोखी आखिरी गेंद डॉट गेंद है इकहत्तर रन बन चुके हैं चार विकेट नुकसान पर ग्यारह ओवर की समाप्ति के बाद स्ट्राइक पे होंगे शोएब मलिक चौवन गेंदें बची हैं यहाँ से अब एक बल्लेबाज़ को आक्रामक रवैया अपनाना होगा एक बल्लेबाज को चार्ज लेना होगा और बड़े शॉट लगाने होंगे तो क्या यहाँ से शोएब मलिक या फिर तिसारा में से अब दोनों बल्लेबाजों को थोड़ा सा यहाँ पर रन गति को बढ़ाना होगा वहाँ भी आज तीन ओवर कर चुके हैं तेरह रन दिए एक विकेट छटका है इकॉनमी

मलिक भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ चलिए यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है अब तरंगा को तरंगा आ चुके हैं शोएब मलिक ने अपना हेलमेट जरूर उतार दिया है अस्पताल गेंदबाज के सामने तो लग रहा है कि बड़ा प्रहार करेंगे अब चलिए तरंगा के ओवर की पहली गेंद एक बार फिर से लेक्स्टम पे गेंद थी इस गेंद को खेल दिया यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन तो मिल गया शोएब मलिक को स्ट्राइक पर आ गए थी सारा परेरा बहत्तर रन चार विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है जाफनाई किंग्स का ओवर की अगर बात की जाए तो ग्यारह गेंद का खेल हो चुका है समाप्त यहाँ से अब दोनों बल्लेबाजों को थोड़ा सा आक्रामक

तिहत्तर रन बन चुके हैं चार विकेट नुकसान पर अगली गेंद फिर से शोएब मलिक को फुल टॉस ये गेंद थी सीधे बल्ले से खेला ज़रूर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड कर दिया लगता है काफ़ी दिन से क्रिकेट में एक्टिव नहीं है शोएब मलिक इसीलिए ऐसी गेंदों को तो बाउंड्री के बाहर पहुँचाते हैं ऐसे लग रहा है थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं और समझी बल्लेबाजी कर रहे हैं तेरह गेंदों में सिर्फ पंद्रह रन बनाए हैं तीन गेंदे हो गई इस ओवर की मात्र दो रन आए हैं शोएम बलिक को अगली गेंद तरंगा के इस ओवर की तरंगा के ओवर की अगली गेंद इस बार लक्ष्टम पे बस्तम पे गेंद थी इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेला गेंदबाज से मिस फील्ड हुई और एक रन दौड़ लिया यहाँ पर शोएम बली के चार गेंदे हो गए इस ओवर की तीन सिंगल अभी तक आए हैं स्कोर अभी भी यहाँ पर चौहत्तर रन चार विकेट नुकसान पर थोड़ा सा एक बल्लेबाज को एक बल्लेबाज को थोड़ा सा चांस लेना होगा मुझे लगता है सारा परेरा यहाँ से थोड़ा चांस लेते हुए नजर आएंगे बड़े शॉट खेलते हुए नजर आएंगे चौहत्तर रन चार विकेट नुकसान पर ग्यारह दसमलव चार गेंदें हो गई हैं पाँचवीं गेंद पांचवी गेंद का सामना करेंगे तीसारा पर्यटन एक बार फिर से लक्स्टम पे गेंद सीधे बल्ले से खेला जरूर गेंद गई है सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए इस बार थोड़ा फिल्टर को जो है वो वाइड रखा था मगर फाइन खेला यहाँ पर यहाँ पर जो है थोड़ा सा तिसारा पर्यटन ने चौका बठोड़ा इस गेंद पर स्कोर पहुंचता हुआ अठहत्तर रन चार विकेट नुकसान पर ग्यारह दशमलव पाँच गेंदें हो गई हैं करंट हंड्रेड छः दशमलव पाँच नौ की और काफ़ी देर के बाद काफ़ी देर के बाद यहाँ पर जो है एक बड़ा शॉट खेलता नजर आए तिशारा परेरा आप लगा के चलिए कि तीसारा परेरा जो है यहाँ से चार्ज लेंगे बड़े शॉट खेलने के लिए उम्मीद करेंगे कि थोड़े बड़े बड़े शॉट खेलें यहाँ पर और रन बटोरे अपनी टीम के लिए रन बटोरना बहुत जरूरी है अगर कम रन पे सोच रहे हैं अगर आप रोक लेंगे गाले के को तो आसान नहीं होगा यहाँ पर चलिए चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ फिर से शॉर्ट पिच गेंद इस बार खेल को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन और जुड़ता हुआ यहाँ पर तिसारा परेरा के खाते में और जाफनाई किंग्स के स्कोर में सेवेंटी नाइन रन लॉस ऑफ फोर विकेट जाफनाई किंग्स का स्कोर है एक बारह ओवर समाप्त हो चुके हैं शोएब मलिक जो है वो चौदह गेंदों में सोलह रन लगाकर खेल रहे हैं तिसारा परेरा ने चौका लगाया था उसके बाद स्ट्राइक पे अब यहाँ पर ओवर की समाप्ति हो जाएगी और यहाँ से बची हैं सिर्फ 48 गेंदे स्ट्राइक पे होंगे थी परेरा 15 गेंदे खेली सोलह रन बनाए एक चौका लगाया अगर बात की जाए दोनों बल्लेबाजों के बीच में 27 गेंदों में इकतीस रन की पार्टनरशिप हो चुकी है 48 गेंदे हैं क्या 48 गेंदों में थोड़ा सा बड़े शॉट लगाएंगे और भी इनके पास कैटी बैट्समैन बचे हैं सर अरे प्रदीप प्राइड भाई आप फिर बैट्समैन के चक्कर लोगे गए देखिए जाके ऑट्स देखिए जब आए थे तब क्या ऑर्ड था और अब क्या ऑर्ड है कुछ ना कुछ तो फर्क है ना भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है मुकाबले में टाइम आउट के बाद गेम बदलता है ध्यान रखिएगा अजय बहुत मार दर्द दर्द होता भाई नहीं करता अजय भाई बिल्कुल नहीं करता अजय भाई का अजय भाई का पापा ढूंढ दिया सबने भाई ने अजय भाई का पापा ढूंढ दिया कि नहीं तो चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ देखते देख अगली गेंद अगली वसीम गेंदबाजी करने आया चौपे लगाया यहाँ पर शॉर्ट थर्ड में शॉर्ट थर्ड में की दिशा में कैच पकड़ लिया एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर थोड़ा सा पटकी भी गेंद थी सारा परेरा को तो सारा परेरा को यहाँ उसको पुल करने गए आउट लगा और शॉर्ट मैन की दिशा में पकड़ लिया है कैच एक और झटका एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर अब जाफना है, किंग्स को 79 नाइन रन लॉस ऑफ फाइव विकेट बारह दस एक गेंद हो चुकी है तिसारा फरेरा सोलह गेंद में सोलन बनाकर एक चौका लगाकर पवेलियन जाते हुए दबाव दबाव आ चुका है दबाव आ चुका है यहाँ पर अब देखना होगा इस दबाव को किस तरीके से हैंडल करते हैं किस तरीके से गेम को आगे लेके जाते हैं क्योंकि यहाँ से जो गेम चल रहा है वो कुछ तो कुछ ख़ास नहीं चल रहा जाफनाई किंग्स के लिए शोएब मलिक ज़रूर खड़े ज़रूर हैं वहाँ पर मगर उतनी अच्छी बल्लेबाजी उनसे उनकी तरफ से भी हो नहीं रही है बिल्कुल सँभली हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं सिंगल्स रोटेट टेट कर रहे हैं मगर यहाँ से दुलित दुलित आ चुके हैं दुलित आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज हैं आज मौका मिला है टीम के अंदर क्या यहाँ से अपनी टीम को आगे ले, ले आ पाएंगे चल चलते हैं जरा अपनी टीम को क्या आगे ले जब लेके जाएंगे देखते हैं दूनित यहाँ पर दुलित वेलोंग वेलोंगी इस टीम के अंदर आ चुके हैं अब बल्लेबाजी करने आए हैं शोएब मलिक अकेले रहेंगे भाई अकेले ही खेल जाएंगे लगता है इस पारी में क्योंकि रन तो बनी नहीं देते हैं इनसे अगर एक आधा विकेट शोएब मलिक भी चले गए तो शायद एक सौ बीस बनाना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर नाम नहीं तय मार रहा हूँ भाई पता नहीं भाई क्या कह रहे हैं मलिक भाई मलिक भाई छा मलिक भाई जुड़े हैं भाई हाँ नाम बड़े दर्शन छोटे हैं है मलिक भाई के आज तो टी ट्वेंटी में भी ऐसे खेले रहे जैसे टेस्ट मैच खेले तो काम बनेगा नहीं ना बड़े बड़े शॉट चाहिए जाफनाए को यहाँ पर अब तीसरा पर्यटक बेचारे चांस लेने गए आउट हो गए शोएम मलिक कह रहे हैं हम, हम हम तो चांस लेंगे नहीं और आराम से बल्लेबाजी देखेंगे यहाँ पर अब देखना होगा क्या होता है इस मुकाबले में लाइक करते रहिए आप सब लोग सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और जुड़ रही हमारे साथ इस मुकाबले में उम्मीदें है यही हैं उम्मीदें है यही हैं कि कुछ कमाल करेंगे मगर कमाल के साथ धमाल भी करना पड़ेगा थोड़ा सा रन बनाने पड़ेंगे अब क्या रन बना पाएंगे वो देखना होगा बल्लेबाजी उस तरीके से हो नहीं रही है थोड़ी सी तैयारी जरूर करनी पड़ेगी आप सबको यहाँ पर कुछ रन बनाने के लिए चलिए यहाँ पर चलते हैं इम वसीम के ओवर की अगली गेंद दूसरी गेंद यहाँ पर धुनित आए हैं पहली गेंद है इस बार थोड़ा तो सा तो ऑस्टम पर गेंद थी ड्राइव लगाया कवर फिल्टर जो है सर्कल के अंदर है फिल्टर मौजूद है कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर सेवेंटी नाइन रन बन चुके हैं सेवेंटी नाइन रन बन चुके हैं पाँच विकेट नुकसान पर अब दुरित को यहाँ से अशोह मलिक के साथ एक पार्टनरशिप करनी होगी अगले तीन चार ओवर और शोएब मलिक हो सकता है कि आखिरी के कुछ ओवर्स में जो है वो बड़े प्रहार करते हुए नजर आए चलिए चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ इमाद वसीम ओवर गए दिकाया गेंद थी आ, बाहर निकली ये गेंद यहाँ पर गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं वाइड करार दिया अंपायर ने इस गेंद को एक रन मिलता हुआ है किंग्स को एक रन मिलता हुआ है जाफरई किंग्स को यहाँ पर अस्सी रन पाँच विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है जाफनाई किंग्स का बारह दशमलव दो गेंदे हो चुकी हैं छः दशमलव चार नौ का गर्न डेट एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के बाहर ये गेंद इस बार हल्के तो से खेला इसको शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में धुलित ने यहाँ पर स्ट्राइक पे आ चुके हैं अब शोएब मलिक सिंगल और आता हुआ यहाँ पर इस ओवर में इक्यासी रन पाँच विकेट नुकसान पर बारह दशमलव तीन गेंदे हो चुकी हैं चौके छक्के की दरकार है यहाँ पर अब शुएब मलिक को आखिरी बल्लेबाज समझ लीजिए बचे हुए हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर अब अंत तक बल्लेबाजी करने की अगर यहाँ से एक तीस से तीस एक सौ रन का स्कोर पहुँचाना है जाफनाए किंग्स को फाइटिंग फाइटिंग टोटल बनाना है तो शुएब मलिक का अंत तक खेलना बहुत जरूरी है इमाद वसीम आ चुके हैं इमाद वसीम के ओवर की पाँचवीं गेंद सामने है शुैब मलिक फिर से लक्षणम के बाहर ये गेंद है वाइड करार देंगे अंपायर इस गेंद को और एक एक्स्ट्रा रन और जुड़ता हुआ जाफना किंग्स के स्कोर में तो बयासी रन पाँच विकेट नुकसान पर अब बारह दशमलव तीन का खेल हो चुका है समाप्त समय आप तीन हुई हैं इस ओवर की एक महत्वपूर्ण विकेट तिसारा परेरा के रूप में गिरा है और उम्मीदें यही हैं कि यहां से शोएब मलिक जो है अपनी टीम का स्कोर आगे लेके जाए अपनी टीम को यहां से जीत दिलाए चलिए तो अगली गेंद पर फिर से आ, फिर से गेंद इस बार कलाई को सारे खेल दिया स्क्वायर लैग की दिशा में एक रन मिल जाएगा और दूसरा रन भी दूसरा रन भी पूरा कर लिया रनआउट का चांस है कि रनआउट हो जाएगा जी नहीं पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे नॉन स्ट्राइक रन पर दुनित तो दो रन और जुड़ते हुए शोएब मलिक और जाफनाई किंग्स के स्कोर में जाफनाई किंग्स का स्कोर पहुंचता हुआ चौरासी रन पांच विकेट नुकसान पर बारह दशमलव चार गेंदे हो चुकी हैं तो फिटनेस देखिएगा शोएब मलिक की फिटनेस जो है वो काफी बढ़िया लग रही है जिस से दो रन दौड़ रहे हैं युवा बल्लेबाजों के साथ मजा आ रहा है देखकर आप देखना होगा यहां से किस तरीके से खेल चलता है तो लाइक करिएगा दूसरा मुकाबला भी आपको लाइक करते रहिए अगली ऑस्टन के, तरफ। के गेंग गेंग बार कट जरूर किया मगर गेंद गई पॉइंट फिल्डर के पास फिर से कोई रन नहीं मिलेगा इस पांचवी गेंद पर स्कोर अभी भी यहां पर चौरासी रन पांच विकेट नुकसान पर तेरवा ओवर चल रहा है करंट रेट सिर्फ छह की चल रही है श्रीलंकन फैंस जो है वो वेट कर रहे हैं कि कब हमें जो है वो चौके और छक्के देखने को मिलेंगे थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन है बादल थे यहाँ पर शोएब मलिक अभी भी किसी मौजूद हैं मदद सिम के ओवर के अगली गेंद गएसन के बाहर फिर से सीधे बल्ले से खेलने गए मगर गेंद गई इस बार कवर की दिशा में फिल्टर मौजूद है कोई रन नहीं मिलेगा जस्ट फैज में भी इसमें लेने दो भाई तो लेना बनता भाई भाई तो लेना बनता है यहाँ पर जाफना है फेवरेट टीम भाई ऐसे नहीं आ रही है ऐसा नहीं आ रहा है कि जाफना है आप समझा करिए बात को ऐसे नहीं आ सकते जाफना भाई सीधे सीधे तो नहीं आ रहे हैं कुछ ना कुछ तो कमाल करेंगे बाकी अब डिपेंड करता है किस तरीके से खेल चलता है तो जुड़ रही है सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए एंजॉय करते रहिए इस मुकाबले को यहाँ पर तेरह ओवर समाप्त हो चुके हैं चौरासी रन पाँच विकेट का नुकसान पर जाफ़ना किंग्स का स्कोर है बयालीस गेंदें बची हैं क्या बयालीस गेंदों में कुछ बड़े शॉट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे क्या बड़े शॉट लगाते हुए नजर आ जाएंगे देखना होगा लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ थोड़ा सा रनों को अब थोड़ा सा रनों पे बढ़ाना होगा और गेम को आगे पहुंचाना होगा क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है मजा नहीं आ रहा था तो ये लाइट जो है वो ऑन हो रही है ग्राउंड की धीरे धीरे क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं एक बार फिर से लेक्स्टम्पे पे गेंद इस बार स्वीप कर दिया गेंद को बढ़िया ये शॉट है इस बार स्क्वायर स्क्वायरलेग बाउंड्री के स्क्वायर स्क्वायरलेग बाउंड्री की तरफ चार रन के लिए दुरुद के बल्ले से निकला है चौका आया काफ़ी देर के बाद चलिए यहाँ पर एक युवा बल्लेबाज ने बिल्कुल देखा कि गेंद लेक्स्टम्प पे है और बिल्कुल उसको स्वीप किया और चौका भटूरा स्क्वायरलेग की दिशा में स्कोर आगे बढ़ाया जाफना है किंग्स का पहली गेंद पर ही जड़ दिया है चौका अगर ऐसी ही बल्लेबाजी होगी तो मजा आएगा देखकर थोड़ा सा रन बनाने पड़ेंगे रन बनाने पड़ेंगे यहाँ पर बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे क्या लगा पाएंगे देखना होगा शोएब मलिक तो देखिए संभली हुए बल्लेबाजी करेंगे यहाँ से दुलित कर रहे हैं बल्लेबाजी अठासी रन पांच विकेट नुकसान पर तरंगा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए बार फिर से लेक्स्टम पे गेंद थी फिर से स्वीप कर दिया इस गेंद को और इस बार भी स्क्वा स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ चार रन के लिए लीजिए दो बैक टू बैक चौके यहाँ पर आते हुए दुलित के बल्ले से युवा चेहरा यहाँ पर युवा बल्लेबाज है और जिस तरीके से तिरंगा के ऊपर आक्रामक रवैया अपनाया है और काफ़ी देखकर अच्छा लग रहा है स्कोर पहुंचता हुआ है यहाँ पर यहाँ पर स्कोर जो है वो आगे जा रहा है बानवे रन बन चुके हैं और जिस तरीके से इस बल्लेबाज ने दो शॉट लगाए हैं और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से हाई नज़र आ रहे हैं तो बल्लेबाजी कर जाते हैं जो ऑलराउंडर टीम के अंदर खेल रहे हैं सातवें नंबर बल्लेबाजी करने आए हैं टॉप ऑर्डर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया मगर उनके अगर उनके बल्ले से यहाँ पर जुड़ते तो काफी बढ़िया रहेगा एक बार बार फिर से ऑस्टम की तरफ ये गेंद थी इस रिवर्स स्वीप करने गए एक बार फिर से चौका आता हुआ लीजिए एक और चौका यहाँ पर आता हुआ तीन लगातार चौके मगर इस बार बायस के चौके हैं आजम खान गेंद को पकड़ नहीं पाए रिवर्स स्वीप करने गए समझ नहीं पाए गेंद बिल्कुल उनके दस्तानों में आई नहीं और गेंद निकल गई उनकी टांग के नीचे से चौका मिल जाएगा इस बार आजम खान के बल्ले इस बार आजम खान के पैड से यहाँ पर रिवर्स स्वीप करने गए आजम खान पकड़े आजम खान की विकेट कीपिंग जो है थोड़े से अब लो लेवल की हो चुकी है क्योंकि टी भी देखा था हमने उतनी अच्छी खासी विकेट कीपिंग जो है वो करते हुए नजर नहीं आए थे मगर ये अच्छा ओवर जा रहा है कहीं ना कहीं जाफनाई किंग्स के लिए बारह रन आ चुके हैं इस ओवर से और छियानवे रन स्कोर हो चुका है अगली गेंद तरंगा के फिर से एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया इस बार हल्का तो खेला इसको लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन मिल जाएगा तेरह रन आ चुके हैं इस ओवर से स्कोर की अगर बात की जाए तो सत्तानवे रन पांच विकेट नुकसान पर तेरह दशमलव चार गेंदे हो चुकी हैं करंट रन रेट सात दशमलव एक शून्य का है यहां पर शोएब मलिक का प्लान यही रहेगा कि एक छोर से विकेट को बचा के रखें और गेम को आगे लेके जाए तो क्या गेम को आगे लेके जा पाएंगे शोएब मलिक देखने वाली बात होगी जुड़ जाइए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहाँ पर और यहाँ पर एक बार फिर से शोएब मलिक को एक गेंद इस बार खेल दिया इसको डीप मिड विकेट दिशा में गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ मगर एक ही रन मिलेगा हमारी टीम गालिग लीडर

की जाए तो पंद्रह रन आए हैं इस ओवर से चौदह ओवर की समाप्ति के बाद निन्दानवे रन पाँच विकेट नुकसान पर जाफनाए किंग्स का स्कोर है थोड़ा सा यहाँ पर रनगति को बढ़ाने की कोशिश कर है और रन बढ़ाए भी है रनगति को बढ़ाया भी है थोड़ा सा अगर गेम को आगे लेके जाना है तो थोड़ा सा मोमेंटम को शिफ्ट करना होगा टी में एक सौ दस बनता था भाई बिल्कुल भाई सही बात कह रहे हैं प्राइवेट भाई में टी में गेंदे तो साठ मिलती हैं साठ गेंदों में एक तो ठीक है और यहाँ पर तो पूरी पारी खेलनी पड़ेगी थोड़ा सा इसलिए अब अब हम बताएं अजीब से क्यों लग रहा है देखते हैं यार स्लो खेल रहे हैं स्लो खेल रहे हैं हमें आदत जो है वो अब टी की हो चुकी है आ, बिग बैश लीग कब स्टार्ट होगा भाई प्रेम भाई बिग बैश लीग भी अब तेरह दिसंबर तेरह दिसंबर शुरू होगी कवर करेंगे उसको भी आप सब लोग जुड़ेंगे बिल्कुल तो कवर करेंगे टी टेन और लंका प्रीमियर लीग दोनों दोनों जो है कवर करेंगे हम और दोनों लीग हमारे चैनल की जो है नीव है एक बार फिर से वसीम गेंदबाजी करना है ओवर द स्टम गेंदबाजी करना है थोड़ा सा गेंद लैक्स्टम्पी की तरफ थी इसको खेल दिया कलाई के सारे स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन मिलेगा यहाँ पर दुनित को और स्ट्राइक पे आ जाएंगे शुयम मलिक शोब मलिक यहाँ पर चांस ना लें इमादत वसीम का ओवर जा रहा है जाने दीजिए वहाँ भी आज का एक और बचा हुआ है आप तेज गेंदबाज को जो है टारगेट कर सकते हैं रन बनाने के लिए अच्छे खासे रहा है पिछले ओवर में मोमेंटम आपके साथ चल रहा है सात रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं पंद्रह ओवर है पंद्रह ओवर में सौ रन बनाए तो आखिरी पाँच ओवर टारगेट करके आप शायद डेढ़ रन तक बना सकते हैं यहाँ पर शेयम मलिक को अगली गेंद एक बार फिर से शोहे मलिक को सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को इमादव ने गेंद को फील्ड करा कोई रन नहीं मिलेगा दूसरी गेंद पर स्कोर अभी भी एक सौ रन पांच विकेट नुकसान पर शोएब मलिक पर एकदम संभली हुई पारी और एक चोर को, एक को को बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ शोएब मलिक ने एक छोर को पकड़ा हुआ एक छोर से बल्लेबाजी कर रहे हैं चलिए अगली गेंद इस बार हिमाद वसीम के ओवर की सामने है शोएब मलिक कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश थी इस बार ऑस्टन के बारे गेंद थी कट कर दिया और एक रन मिल जाएगा और ओवर थ्रो का ओवर थ्रो का भी बहुत दूर थ्रो था मगर कई बार कवर कर लिया रन नहीं लिया यहाँ पर स्कोर की अगर बात की जाए तो एक रन पाँच विकेट नुकसान पर चौदह दशमलव तीन गेंदे हो चुकी हैं छः दशमलव नौ साल नौ नौ सात के यहाँ पर करंट रन रेट हो चुकी है शोएब मलिक बीस गेंदों में बीस रन बनाकर खेल रहे हैं अब शोएब मलिक को कोई जाके बताइए ये फिफ्टी ओवर मैच नहीं है टी -20 मैच है यार बीस गेंदों में सिर्फ बीस रन ऐसा लग रहा है एक एक छोर से ना काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और शायद बहुत लंबी बल्लेबाजी हो गई है और गेंदे सिर्फ देखते हैं तो सिर्फ बीस गेंदे खेली अब तक अशोय मलिक ने चलिए यहाँ पर चलते हैं ज़रा धुनित बल्लेबाजी कर रहे हैं माधव सिंह के ओवर की अगली गेंद पर फिर से मेले स्टम पे गेंद थी उसको हल्का तो ढकेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर धुनित को स्ट्राइक पे आ जाएंगे फिर से शोएब मलिक स्कोर हो चुका है एक सौ दो रन पाँच विकेट नुकसान पर तो चौदह दशमलव चार गेंदें हो चुकी हैं अब आ, देखना होगा टाइम आउट के बाद क्या होता है क्योंकि टाइम आउट जो है वो सोलहें ओवर के बाद शायद टाइम आउट लिया जाता है नवे ओवर के बाद एक बार फिर से सोलवें ओवर के बाद टाइम फिर पंद्रह या सोलवें ओवर के बाद टाइम आउट लिया जाता है अब देखना होगा इस गेंद की आग अब दो गेंदे बची हैं इस ओवर की कोशिश यही है कि बड़े शॉट लगाए जाएँ क्या बड़े शॉट लग पाएंगे देखते हैं और यहाँ पर मधु सिंह के ओवर के अगली गेंद सामने है शोएब मलिक मलिकार फिर से फटकी हुई गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर और फिर से शोएब मलिक शोएब मलिक आ जाएंगे यहाँ पर नॉन स्ट्राइक रैन पे स्ट्राइक पे आ जाएंगे दुरीित स्कोर हो चुका है एक सौ तीन रन पाँच विकेट नुकसान पर चौदह दशन पाँच गेंदों के बाद शोएब मलिक को नींद आ रही है सर चाय पिलाए इसको भाई पता नहीं मोहम्मद नसीम भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा शोएब मलिक खेल तो रहे हैं ऐसा लग रहा है टी नहीं फिफ्टी ओवर से गेम खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है टेस्ट मैच के गेम खेल रहे हैं विकटें बचानी है यहाँ पर और विकेट बचा के बल्लेबाज बल्ले बल्लेबाज है यार एक बाउंड्री तो आप बीच में निकाल अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं पर वो बिल्कुल हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर मलिक मुझे समझ नहीं आ रहा है, कर क्यों को, को अगली गेंद फिर से पे शोमित इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद निकल गई गे, स्लिप की दिशा में चार रन के लिए चौका एक और आता हुआ लीजिए एक और चौका आता हुआ चौकात के बल्ले से आखिरी गेंद थी पंद्रहवें ओवर की पंद्रह ओवर समाप्त हो चुका है एक सौ सात रन पांच विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है जाफना है किंगस का और यहाँ पर महत्वपूर्ण चौका इस ओवर में लग रहा था कि रन नहीं आएंगे मगर बटोर लिया आखिरी गेंद पर चौका धुनित ने धुनित अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तीन चौके लगा चुके हैं अपनी इस पारी के अंदर दस गेंदों में सत्रह रन बनाकर धुनित खेल रहे हैं शोएब मलिक इक्कीस गेंदों में इक्कीस रन की पार्टनरशिप कर रहे हैं मगर यहाँ से अगर देखा जाए तो सिर्फ तीस गेंदें बची हैं इस पारी के मैं सोच रहा हूँ इस तरह करें बट नहीं किया अच्छा किया भाई बिल्कुल सही किया भाई प्राइवेट भाई मैंने तो एंट्री ले रखी है अभी देखो रन मिलवाता हूँ एक कम से कम यार नब्बे पर बनती है तो चलते हैं जरा जलाल जल्द बन जाएंगे भाई बनना चाहिए भाई बनेंगे बनेगा बनेगा, बनेगा भाई लग रहा है बनेगा डेढ़ सौ तो बनना चाहिए यार शोएब मलिक खड़े हुए हैं शोएब मलिक जैसा लग रहा है कि सब खड़े हुए हैं बस बाकी काम तो दुनिया कर रही है क्या शोएब मलिक अच्छी पारी यहाँ से खेल पाएंगे क्या शोएब मलिक अपनी टीम को आगे लेके जा पाएंगे देखना होगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम को लाइक करिएगा जुड़ जाइएगा हमारे साथ क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ क्या होगा इस मुकाबले क्या होगा इस मुकाबले में देखने वाली बात होगी चैनल को को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम लाइक कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में <coughs> अगर मलिक आउट होगा तो 130 बन बनेंगे भाई इंस्टेंट भाई अगर मलिक मलिक जो है खड़े भी रहेंगे तब भी इतने बनेंगे भाई आउट होंगे तब, तब भी इतने बनेंगे अगर नॉट आउट रहेंगे तब भी इतने बनाने वाले हैं थोड़ा सा शुएब मलिक को बल्ला खोलना पड़ेगा अपना अपना थोड़ा सा हुनर दिखाने पड़ेंगे स्किल को यूज़ करना पड़ेगा जो शॉट एंड बाौंड, बाउंड एंड बाउंड्री है उसको टारगेट करना होगा प्रदीप आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए तेज़ तरार गेंदबाजी करते हैं दूरी तो आउट होगा अभी सुखदेव भाई अगर वो आउट होगा तो रन कौन बनाएगा फिर ये तो एक सौ दस एक सौ बीस रन बैठ लीजिए शोब मलिक पर भरोसा थोड़ा सा उठ रहा है मेरा यहाँ पर चलिए चलते हैं ज़रा अगले गेंद की तरफ देखते हैं अब क्या होता है क्योंकि यार शुैब मलिक को देखते देखते मैं खुद परेशान हो गया यहाँ पर चलिए अगले गेंद शोएब मलिक को स्लोर वन गेंद थी फिर से सीधे बल्ले से खेला है और कितने रन मिलेंगे आप खुद बताइएगा सिर्फ एक ही रन लिया है एक ही रन लिया है इस गेंद पर धुनित दुलित हैं स्ट्राइक पर शायद हो सकता है वेट कर रहे हैं कि धुनित जो है वो बड़े शॉट खेलें और उसके बाद उसके बाद जो है शोब मलिक अपना चांस उठाएं यहाँ पर मानने दो आउट आउट मत करो यार मारने दो प्राइड भाई भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई मारने दो मने थोड़ा बहुत रन मारने दो कम से कम नब्बे पैसे लाने दो यार लॉस लॉस्ट बुक सेट तो करें चलिए चलते हैं चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ देखते हैं क्या होता है यहाँ पर स्ट्राइक पर मौजूद हैं बल्लेबाज़ जो है यहाँ पर मौजूद हैं दूनित यहाँ से उनतीस गेंदे बची हैं इस पारी की और उनतीस गेंदों में कितने रन बनेंगे रुको जरा सबर करो इंस्टेंट भाई में सबर तो कर रहे हैं सर कब से सबर कर रहे हैं भाई में तो पहले ओवर से सर कर रहा हूँ कि अब मारेंगे अब मारेंगे अब मारेंगे जब तक मारेंगे टोटल टाइम आउट हो जाएगा फिर टाइम आउट फिर गेम में बदल देते हैं ये चलिए यहाँ से अगर बात की जाए एक रन बन चुके हैं तो दूनित ने तीन चौके मार दिए मुझे लगता है सौ रन भी पूरे होंगे पंद्रह ओवर के अंदर भाई साहब टेस्ट मैच खेलना है तो इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट मैच होता है उसमें जाकर मलिक को खेलना चाहिए था भाई सही बात है मोहम्मद भाई वहाँ तो वहाँ तो दोनों टीम अच्छा खेली बार रन बनाए हैं खासकर इंग्लैंड ने बेहतर अच्छा बेहतर खेला था भाई चलिए तो अधिक को अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद है लैक्स्टम के बाहर यह गेंद है कि अंपायर उसको वाइड करार देंगे जी नहीं डॉट बॉल दे दी है डॉट बॉल दे दी है यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान हो चुका है क्या कर रहे हैं बल्लेबाज हमें समझ में नहीं आ रहा यार करना का चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर जिस तरीके से शॉर्ट पिच गेंदबाजी को छोड़ दिया मज़ा नहीं आ रहा है जी फुलर मारेगा जी फुलर तो मारेगा सुखदेव भाई मैं तो मना नहीं कर रहा फुलर मारेगा मगर मारने के लिए तो ये जो बल्लेबाज खड़े हैं तो फुलर मारे तो फुलर को भेजते पहले छोए मल्ले से पहले फुलर को भेजते तो मारता तो कम से कम यहाँ पर क्योंकि अब सब अठाईस गेंदे बची हैं चलिए अगर दुर्मित को अगली गेंद बार दुर्मित को अगली गेंद शॉर्ट शॉर्टपिज गेंदे पुल कर दिया इस गेंद को गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर आपसे ज्यादा जज्बात समझ में नहीं आ रहे हैं भाई बिल्कुल समझ सकते हैं भाई देखिए मैच देखते देखते अगर एक प्लेयर ऐसा खेल जाए ना कि एक छोर से खड़ा ही हुआ यार एक चौका कब लगाया था शोए ने चौका कब लगाया था ऐसे कोई ऐसा तो है नहीं कि बिना बेकार बल्लेबाज हैं इंटरनेशनल बल्लेबाज हैं यार कम से कम एक चौके के बाद कम से कम एक दो तो चौके तो की पारी में कम से दो तीन चौके होने चाहिए थे और सिर्फ एक चौका लगाया है यहाँ पर तो क्या करें भाई अब क्या कर सकते समझिए सोचिए एक बार इंस्टेंट भाई ऐसी पारी को अगर देखेंगे तो सोचेंगे भाई कर कर, कर खेलने की खेलने क्या आए हैं टी ट्वेंटी मैच को टेस्ट बना दिया है उन्होंने यार चलते हैं जरा अगले गेंद की तरफ एक बार फिर से ऑफ रूम बनाया जरूर है ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी कट कर दिया गेंद गई शॉर्ट रन में दिशा में क्या रन मिलेंगे एक रन मिलेंगे सात साल हो गए टेस्ट से रिटायर हो गए फिर भी टच स्वप्निल भाई क्या कर सकते हैं दुख है दुख है यहाँ पर शोएब मलिक आ, क्या कहने कहीं यहाँ पर तेईस गेंदे खेले तेईस रन बनाए हैं और एक छोर से जम गए हैं आज आज बिल्कुल जम गए हैं शोएब मलिक कह रहा है कोई हिला नहीं सकता हमें आज इतना स्लो खेल रहा है ऐसा लग रहा है <laughs> सही कह रहे हैं भाई कभी कभी भी आपकी आवाज़ कम हो जाती है कहीं मालिक करीब के अब्दुल तो भाई देखिए मैं आवाज को तेज और कम खुद कर लेता हूं मैं से करता हूँ दे फॉलो तो कर रहे हैं साल भर से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं इतना खराब तो कोई भी नहीं खेल रहा है इस टी ट्वेंटी मुकाबलों का टी ट्वेंटी टेस्ट मैच भी कह रहा हूँ इतना खराब तो कोई भी नहीं खेला कि एक छोर से ऐसा सिक्योर कर लिया अपने टीम को आपने कि मतलब शॉट भी खेलने का मन नहीं कर रहा है शॉट भी नहीं खेलने का मन कर रहा भाई एक होता है ना कि एक बल टीम में बल्लेबाज होता है वो कोशिश करता है कि चलो यार एक आता शॉट तो खेलें वो बल्ले को उठा ही नहीं रहे हैं वो सिर्फ गेंद को टहला रहे हैं बल्ले को टहला बल्ले से गेंद को टहला रहे हैं कि जाइए सिंगल जाइए या सिंगल जाइए तो वो नहीं थोड़ा सा शॉट तो लगाएं कम से कम बॉल तो मिल रही है उनके रडार में अगर चाहें तो सीधा शॉट खेल सकते हैं हम तो चलिए स्ट्राइक पर शोम मल एक बार ऑफ्टन के बाहर ये गेंद इस बार थप्पड़ सा लगाया था गेंदबाज को कवर की दिशा में खेला इस शॉट को एक रन मिल जाएगा फिर से अब थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ थोड़ा बल्ला उठा के कोशिश कर रहे हैं कि चलो मार देता हूँ शॉट सोलह ओवर समाप्त हो चुके हैं एक सौ बारह रन पाँच विकेट नुकसान पर सात रन प्रति ओवर के हिसाब से बन रहे हैं एक सौ बारह रन बन चुके हैं टाइम, टाइम आउट ले लिया गया है टाइम आउट ले लिया गया है यहाँ पर और अब बची हैं सिर्फ चौबीस गेंदे चौबीस गेंदों और चालीस रन बनते हैं तो एक 150 तक पहुँच सकती है ये टीम जो लोग मुझे कह रहे हैं भाई मैं जाकर खेलूँ भाई मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ देख रहा हूँ जिन दिन से यार इतना एक प्लेयर का इंटेंट होता है कि बल्ला चला रहे हैं कि हाँ वो कोशिश कर रहे हैं कि शॉट खेले मगर शुहे मलिक का तो आज मूड ही नहीं है वो कह रहे जी सिंगल लूँगा और कोई बोलेगा नहीं मुझे कुछ भी भाई मलिक को को आउट करो यार है मालिक को आउट होगा तो आउट होगा भाई बिल्कुल कर देंगे भाई परी सिंह जी कह रहे हैं ठीक है ठिक गया है भाई बिल्कुल भाई ठीक गया बिल्कुल आप पॉजिटिव वाइब्स रखें देखने रन आएंगे भाई पॉजिटिव वाइब्स भाई पॉजिटिव वाइब्स तो सबके पास है वो दुर्वित को लग रहा है कि वो बल्ला घुमा रहे हैं तो थोड़ा बहुत शॉट लग रहा है कि हाँ एक आधा बाउंड्री तो मार देंगे वो मगर जिस तरीके से शेह मलिक खेल रहे हैं मुझे तो कि पारी देखकर ऐसा लग रहा है कि वो खेल क्यों रहे हैं क्योंकि वो ग्राउंड पे जैसे बॉल आ रही है उनके करीब बॉल आ रही है तो सिर्फ वो टहला दे रहे हैं बॉल को मतलब तो टहलाना मतलब कि बल्ले से जो पावर भी जनरेट नहीं कर रहे हैं सिर्फ एक कहते रहे कलाई को सारे खेल दिया वो कलाई के सारे सिर्फ फ्लिक करते हैं एक सिंगल लेते हैं और फिर स्ट्राइक बदल देते हैं अपना आ, अरे तू अगर इतना तो अच्छा अच्छा खेल सक रहा है तो तू खेल दिखा भाई खेल तो हम तो खेलते हैं भाई हम तो खेलते हैं जयंत कर जयंत कर भाई खेलते तो बता रहे हैं भाई बिना खेले तो बता बताते थोड़ा कुछ भी अगर बिना खेले बता सकते तो बताते कैसे आपको बता रहे हैं जयंत भाई जिस तरीके से वो खेल रहे हैं उनका इंटेंट नहीं है अब देखो टाइम आउट हो चुका है अब टाइम आउट के बाद ये तो विकति आएंगी या तो अब जो है इंटेंट दिखेगा रन बनाने का क्योंकि यहाँ से इंटेंट नहीं दिख रहा है और चार ओवर बच्चे हुए हैं चौबीस के अंदर चालीस रन तो चाहिए होंगे एक रन का टारगेट तो आपको चाहिए होगा यहाँ पर आउट करने के लिए लाइक कर दे सर जी जाफना किंग जीतेगी सर मुश्किल लग रहा है नंदर साहू भाई गालिक टू सपोर्ट कर रहे हैं मगर इतना भी खराब खेलने को नहीं कहा था सबकी इच्छा है तो चले जाओ आउट कर दो और मलिक को भाई आप मार जो कहो भाई भाई बिल्कुल सही हुसैन भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ मार शुरू हो थोड़ा मार पिटाई शुरू हो क्योंकि मार पिटाई करने से पहले ही पहले जो है जिस तरीके से खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि गेम को फंसा रहे हैं यहाँ पर मैच हराने की गारंटी के लिए शोएब मलिक भाई <laughs> क्या कर सकते हैं भाई दुनिया को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई मैं जो देखूंगा जो कमेंट्री का मतलब क्या होता है जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ मैं आपको बताऊँ यहाँ पर क्योंकि किस तरह का इंटेंट लग रहा है हाँ हो सकता है कि देखो आपने चौबीस गेंदें खेल लिए चौबीस रन बना लिए तो थोड़ा सा आपको भी अब भूला जाएगा अंदर ड्रेसिंग रूम से भाई आप आप चांस लीजिए क्योंकि दुनित जो है वो नंबर सात के बल्लेबाज हो शोएब मलिक नंबर पाँच के बल्लेबाज हो तो नंबर पाँच के बल्लेबाज को चांस लेना चाहिए नंबर सात के बल्लेबाज को यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बड़ा शॉट कौन अच्छे से लगा सकता तो मैं कहूँगा शोएब मलिक शोएब मलिक बेहतर शॉट लगा सकते हैं तो उनको थोड़ा सा चांस लेना चाहिए हो सकता है अब आखिरी चार ओवर में चांस लेते हुए नज़र आए यहाँ पर और गेंदबाज जो है वो बिल्कुल ऑलरेडी गेंदबाजी कर रहे हैं उतने कुछ खास गेंदबाजी हो नहीं रही क्योंकि उन्होंने मन मना लिया कि आज सिंगल के साथ खेलना तो सिंगल के साथ ही खेलेंगे इंडियन प्लेड नहीं है क्या भाई संजय भाई इंडियन प्लेयर नहीं है कोई भी यहाँ पर और यहाँ पर अगर मलिक आउट होगा भाई मिल तो गई है डेढ़ सौ रन बन जाएगा भाई रिकॉर्ड लॉस पर डिपेंड करता है शोएब मलिक किस तरीके से खेलते हैं अगले चार ओवर में अगर शोएब मलिक अच्छा खेलेंगे तभी रन बनेंगे तब तक आप सब लोग जो है डलटीन सेवन ऐप के साथ जुड़ जाइएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में लाइचन में पिन कर दिया है उस लिंक पर क्लिक करके आई क्रिएट कर लीजिएगा मिनिमम बैट सिर्फ दस रुपये है मिनिमम जो है सिर्फ सौ रुपये का तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइन मैंने पिन कर दिया है इफ्तिकार अहमद आए लीजिए हो गया काम शुरू इफ्तिकार अहमद आए हैं सरवे ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद है शोएब मलिक देख लीजिएगा इसमें लगेगा रन अब है, मुझे, लग रहा। मुझे फीलिंग आ रही है एक रन तो मिल जाएगा और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे शोएब मलिक तो पहली गेंद पर दो रन आ गए हैं इफ्तिकार अहमद को देखा है कई बार गेंदबाजी करते हुए बढ़िया गेंदबाजी करते हैं बढ़िया ऑस्पिन गेंदबाजी करते हैं फाइनल मुझे याद आता है इंग्लैंड वाले जहां पर उनको मार पड़ गई थी मगर गेंदबाजी अमूमन अच्छी करते हैं एक सौ चौदह रन पांच विकेट नुकसान पर शोएब मलिक हैं स्ट्राइक पर दो रन तो ले लिए हैं पहली गेंद पर क्या यहां से थोड़ा बहुत अब चांस लेना चाहिए देखो चांस शोएब मलिक ही लेना लेने में शायद बेटर रहेगा अगर उन्होंने चांस लिया तो शायद दस बारह रन प्रति ओवर के हिसाब से अगले चार चार ओवर जो है रन बन जाएंगे डेढ़ सौ एक सौ पचपन रन एक अच्छा स्कोर हो सकता है इस पिच के ऊपर सामने मौजूद है शुएब मलिक अगली गेंद इफ्तिकार अहमद की सामने है शोएब फुल टॉस गेंद इस बार गेंद को भेजा है कवर की दिशा में गैप में यह गेंद चौका मिल गया इस गेंद पर काफी देर के बाद अब बल्ला उठाकर बल्ला चलाया जरूर है और मैंने कहा था टाइम आउट के बाद गेम बदलता है और गेम बदल गया है रन आ चुके हैं इन दो गेंदों के अंदर अब अब लगा कि शोएब मलिक थोड़ा सा इंटेंट दिखा रहे हैं बड़ा शॉट खेलने के लिए और इफ्तिकार अहमद की फुल टॉस गेंद थी ये चौका चौका भटोर लिया इस गेंद पर छह रन आ चुके हैं इन दो गेंदों के अंदर बढ़िया ओवर जा रहा है एक आध बाउंड्री और शोएब मलिक लगाते हैं और तो शायद यहाँ से रन रेट जो हमें डेढ़ सौ रन दिख रहा है वो डेढ़ सौ रन शायद क्रॉस हो जाए यहाँ पर इफ्तिकार अहमद की ओवर की अगली गेंद इस बार तीसरी गेंद शोएब मलिक है स्ट्राइक पर एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने गए टॉप एच लगा है पर गेंद के नीचे फील्डर दौड़ते हुए जी जहाँ पकड़ लेंगे लीजिए इफ्तिकार अहमद ने पकड़ा है कैच एक और विकेट गिरता हुआ शोएब मलिक यहाँ से पवेलियन जाते हुए एक रन पांच विकेट नुकसान पर दो गेंदों बनाए छह रन दो गेंदों बनाए तो छह रन यहां पर शोएब मलिक ने उसके बाद निकल लिए जी आउट होके चले गए हैं शोएब मलिक बड़ा दुख लग रहा है इनको देखकर आप सब लोग जुड़ रही है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए स्ट्रीम को लाइक करते रहिए शोएब मलिक पवेलियन जाते हुए यहाँ पर विकटों का पतन हो रहा है और विकेट गिर रही है ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से एक बड़ा स्कोर बन सकता है शोएब मलिक स्ट्राइक पे होते मगर शोएब मलिक पवेलियन गए यहाँ पर कैच पकड़ा है इफ्तार अहमद ने कॉटन बोल्ड किया यहाँ पर इफ्तिकार अहमद ने मलिक ने बनाए सत्ताईस गेंद में तीस रन और एक जमी हुई पारी जो है वो खेल के जाते हुए शोएब मलिक अब नए बल्लेबाज आ गए हैं जेम्स फुलर जेम्स फुलर आ चुके हैं जेम्स फुलर करेंगे बल्लेबाजी इन पर डिपेंड करता है भाई ने भी कहा भी था कि जेम्स फुलर यहाँ से आज बड़े शॉट लगाते हुए नजर आएंगे क्या यहाँ से जेम्स फुलर अपनी टीम का स्कोर आगे लेके जा पाएंगे जुड़ रही आखिरी आखिर बची है सिर्फ 21 गेंदे मेरे दोस्त हार के बर्बाद होकर सुसाइड कर चुका है ये मलिक नहीं मार रहा है अब तो। <laughs> जब भाई क्या करे मिश्रा जी किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई मैंने गालिक को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई ये गाले के को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई ये शोएब मलिक ना मेरे को पता था शोएब मलिक जिस में होता है कुछ ना कुछ कांड करते हैं इफ द कार अहमद बॉलिंग करेगा तो कमेंट्री कौन करेगा भाई साहब इफ्तिकार अहमद गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद नसीम भाई चले इफ्तिकार अहमद को अगली गेंद बार फिर से फुलर को मिले पे गेंद थी कलाइक सारे खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर और जिस तरीके से शोएब मलिक ने पारी खेली है ना मज़ा आया देख ऐसा मजा आया कि यहाँ पर जाफनाए किंग को हारने की जरूरत नहीं है शोएब मलिक तो मजाक कर रहा है क्रिकेट खेल कहाँ खे खेल रहा है भाई बिल्कुल सही बात कह रहे भाई फीलिंग आया मुझे बस लगता है भाई लगता है दिल से बुरा लग रहा है भाई अभी मलिक का नशा उतरा भाई बिल्कुल सही बात है भाई चलिए यहाँ पर चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ काफ़ी बेकार बल्लेबाजी हुई सर कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया भाई अजय कुमार भाई दे दिया रिप्लाई टेंशन मत लीजिए यार हाँ मलिक सपने में खेल रहा भाई सपने में ही खेल रहा काफ़ी देखो क्रिकेट से जो जो इंसान दूर रहता ना एकदम से खेलता है तो थोड़ा बहुत तो देखो लगता है टाइम बनाने का मगर यहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है शोएब मलिक की मतलब लगता है कि शायद टी ट्वेंटी इस तरह की टी ट्वेंटी बल्लेबाजी बनती नहीं बनती नहीं है सभी टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी की बल्लेबाजी और अगर बात करें इस ओवर की इफ्तिकार अहमद की इस ओवर की तो टोटल आठ रन आए हैं इस ओवर से आखिरी गेंद बची है जेम्स फुलर बल्लेबाजी कर रहे हैं अब जेम्स फुलर पर निकाए हैं कि बड़े बड़े शॉट खेल खेलने यहाँ पर इफ्तिकार अहमद की अगली गेंद बार फुलर को बाम की तरफ ये गेंद थी सीधे बल्ले से खेला जरूर है गेंद हवा में है फील्डर नीचे आते हुए एक और विकेट गिरता हुआ लीजिए यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ जेम्स फुलर के रूप में एक रन छ विकेट नुकसान पर जाफनाई किंग्स का स्कोर है सोलह दशमलव हो चुकी है यहाँ से बची हैं सिर्फ और सिर्फ 18, 19 गेंदें और जेम्स ने कोशिश जरूर की बड़ा शॉट खेलने की गेंद को ज़्यादा दूर ले जा नहीं पाए और लॉन्ग ऑफ के फिल्टर ने पकड़ा है यहाँ पर कैच और एक और झटका लगता हुआ जाफनाई किंग्स को तो जाफनाई किंग्स की जो लुटिया है वो डूब सी रही है अब क्या इस लुटिया को बचा पाएंगे बल्लेबाज गेंदबाज क्योंकि एक सौ रन तो बन चुके हैं सात विकेट नुकसान पर जेम्स फुलर दो गेंदों में एक रन बनाकर पवेलियन जाते हुए तीन विकेट हाथ में हैं। 19 है उन्नीस गेंदे बची हैं इस पारे अट्ठारह गेंदे बची हैं इस पारी के दुनित होंगे स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज अब चल कर आ चुके हैं दो युवा बल्लेबाज हैं दोनों युवा कैसे गेंदबाज हैं बल्लेबाजी कर लेते हैं अब देखना होगा यहाँ से कितने रन और जोड़ते हैं तीन ओवर में अगर तीस रन और जोड़ते हैं तो शायद डेढ़ सौ रन का स्कोर यहाँ से बन सकता है जाफनाई किंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा आ यहाँ पर चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ एक रन बन चुका है सात विकेट नुकसान पर शोएब मलिक के जाने के बाद अब लग रहा है कि भाई आ, सही किया चले गए वो पहले चलाते साथ बैटर रहता है यहाँ पर श्रीलंकन टीम के लिए अब रियाज को बुलाया गया है रियाज अपना स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं चाचा ये क्या किया तुमने चाचा जी ने दो विकेट ले लिया भाई चाचा ने दो विकेट ले लिया आज आठ रन दिए और दो विकेट चटका दिए सोलहवें ओवर में आके चलिए यहाँ पर चलते सत्रह यहाँ पर चलते हैं सत्रहवें ओवर में आके यहाँ, यहाँ पर यहाँ पर चलिए अगली गेंद चलते हैं वहाँ भी आज आ चुके हैं ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और बाएं आज के बल्लेबाज को विजय कांत आ चुके हैं विजय कांत आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए मगर स्ट्राइक पर धुनित दुनित को शॉर्ट पिच गेंद इस बार पुल करने गए हैं बाउंसर ये गेंद थी पूरी तरीके से बीट हो गए यहाँ पर धुनित स्कोर अभी भी एक रन सात विकेट नुकसान पर सत्रह गेंद हो चुकी है अंपायर से कहते हैं वन है जी अंपायर करें बिल्कुल जी तैयार रहिएगा डेढ़ सौ भी नहीं बनेगा भाई रिकॉर्ड लॉस भाई मैं तो कह रहा था शोएब मलिक रहेंगे तभी बनेगा नहीं तो इनका तो काम वैसे भी निपट जाएगा और शोएब मलिक रहते तब भी नहीं बनते भाई जिस से बल्लेबाजी कर रहे थे शोएब मलिक ना कोई दिक्कत नहीं है अहमद भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए स्ट्रीम को लाइक करते रहिए आ यहाँ पर और अब देखते हैं अगली गेंद किस तरीके से होती है दूसरी गेंद है ये इस ओवर की सत्रह गेंदें बची हैं इस पारी की दूनित और विजयकांत कांत यहाँ पर बैठे हुए हैं बल्लेबाजी करने के लिए अब यहाँ से कोशिश है सत्रह गेंदों में कम से कम बीस पच्चीस रन और जोड़े जाएँ भी टीम के लिए अगली गेंद यहाँ पर वाब्राज की शॉर्ट पिच गेंद टॉप एच लगा है गेंद जाती हुई कीपर के सर के ऊपर से चार रन के लिए इस बार आउटसाइड एच लगा टॉप एच का जो है सहारा मिला यहाँ पर दुनित को दुनित जो है इंटेंट दिखा भी रहे हैं बड़ा शॉट खेलने के लिए स्कोर पहुंचता हुआ 124 रन 124 रन सात विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है यहां पर जाफनाए किंग्स का क्या यहां से मुकाबला जो है वो आगे तक बढ़ेगा क्या यहाँ से मुकाबला आगे बढ़ तक स, बढ़ सकता है तो आप सब लोग जुड़ रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में यह, यहाँ पर अगली गेंद वहाँ आज की शॉर्ट पिच गेंद बार पुल कर दिया गेंद को गेंद जा रही है डीप मिड विकेट दिशा में लॉन्ग ऑन आउट फील्डर में मौजूद वहाँ पर दौड़कर गेंद को फील्ड कर लेंगे दो रन मिल जाएंगे यहाँ पर दुनित को स्कोर पहुंचता हुआ एक सौ छब्बीस रन सात विकेट नुकसान पर देखना होगा किस तरीके से यहां पर खेल आगे की तरफ बढ़ता है यहां से कोशिश यही है, है कि गेम को आगे की तरफ बढ़ाया जाए गेम को आगे चलाया जाए क्या होगा इस मैच का सूरत जुड़ रही है जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग है देखते हैं अगली गेंद की तरफ वहाज के ओवर की अगली गेंद ऑस्टम के ज्यादा बाहर ये गेंद थी आउट साइड लगा है इस बार डीप पॉइंट की दिशा में गेंद गई है एक रन तो मिल जाएगा और दूसरा रन भी पूरा करना चाहेंगे दोनों थी यहाँ पर जी हाँ दूसरा भी पूरा कर लिया इस ओवर में अभी तक बात करें तो टोटल आठ रन आ चुके हैं और चार गेंदों के अंदर थोड़ा सा वहाब रियाज अपने लाइन और लेंथ से भटक गए हैं शायद भटक गए हैं लाइन और लेंथ से कह होगा इस मैच का सूरत हाल वो तो समय बताएगा समय जो है बिल्कुल सही बता रहा है यहाँ पर देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले में जुड़ रही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम को लाइक करिएगा कि क्या यहाँ से थोड़े से क्या यहाँ से थोड़े से चांसेस जो है वो लेंगे एक बार फिर से ओवर पे ये गेम है अगली ये गेंद है उस गेंद पर ड्राइव लगा है एक रन और दो रन और बटोरे हैं इस ओवर में दस रन आ चुके हैं इस ओवर से एक सौ तीस रन सात विकेट नुकसान पर सत्रह दशमलव पाँच गेंदे हो चुकी हैं सत्रह दशमलव पाँच गेंदे हो चुकी हैं दबाव दबाव है अभी भी, भी। दबाव है अभी भी, भी। यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज की बड़े शॉट खेले जाएं मगर बड़े शॉट लगाने नहीं दे रहे हैं बाबर आज मगर कोई कोई बात नहीं दो दो रन करके गेम को आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर और बात करें स्कोर की तो स्कोर हो चुका है एक रन सात विकेट नुकसान पर आखिरी गेंद वहाब रियाज के इस ओवर की दुलित बल्लेबाजी कर रहे हैं उन्नीस गेंदों में तीस रन बनाए युवा चह रहे हैं ये उन्नीस गेंदों में बनाए तीस रन वहाब रियाज है स्ट्राइक पर आखिरी गेंद पर फिर से पटकी हुई गेंद के ज्यादा बाहर ये गेंद है और यहाँ पर आउट साइड लगा अंपायर से अपील कर रहे हैं और आउट दे दिया जी हाँ और दुलित को यहाँ पर आउट दे दिया अंपायर ने एक और विकेट गिर गया है जी लीजिए एक और विकेट गिर गया है यहाँ पर स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है एक रन आठ विकेट नुकसान पर दो ओवर बचे हैं बारह गेंदे बची हैं अब देखते हैं बारह गेंदों में कितने रन और बनेंगे क्या क्या बारह गेंदों में बीस रन बनाकर अपनी टीम का स्कोर डेढ़ के पार ले जाएंगे मगर दुरित यहाँ पर बीस गेंदों में तीस रन बनाकर चार चौके लगाकर पवेलियन जाते हुए भावरेज का स्पेल जो है वो पूरा हो चुका है चार ओवर में सिर्फ तेईस रन दिए एक विकेट छटका है और दो विकेट सिर्फ हाथ में है दो विकेट हाथ में है जाफनाई किंग्स के पास अब क्या यहाँ से खेला हो वे देखना होगा आपका लिंक में कौन सा गेम है खेलना है भाई आ भाई लिंक पे जाके आप जो है खेल सकते हैं जीत सकते हैं डल्टिन सेवन ऐप लिंक पे पर मैच चल रहा है उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं अंकल जी डी डी सिलवा बॉलिंग करे क्या परी सिंह जी डी डी धनझट डिसवा गेंदबाजी करते हैं आपको पता ही होगा धनजर डिसवा गेंदबाजी करते हो और करेंगे भी करेंगे भी डी गेंदबाजी करने के लिए मगर अभी तो पहले बल्लेबाजी करवा दीजिए भाई सेना महेश टेक्सेना जो है वह बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं पांच लाइक हो चुके हैं बारह भाई और लाइक कर दीजिएगा आंकड़ा पूरा हो जाएगा यहां पर जो है अब 600 लाइक्स हो तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहाँ पर मुकाबला काफी बेहतर चल रहा है बारह गेंदे बची हैं इस पारी की जाफनाई किंग्स ने आज आ, जो है यहाँ पर गालिगर ने टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया स्ट्राइक पे है महेश टिकसेना क्या यहाँ से कुछ आक्रामक शॉट देखने को मिलेंगे क्योंकि आखिरी के बारह गेंदे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे दोनों टीमों के लिए अगली गेंद इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी यहाँ पर जो है विजय कांत को इस बार खेल को खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन मिल जाएगा विजय कांत को स्ट्राइक पे आ जाएंगे महेश टिकसेना क्या महेश टिकसैना जो है वो कुछ बड़े शॉट यहाँ पर लगा पाएंगे ग्यारह गेंदे बची हैं इस पारी की तैयारी कर लीजिएगा यहाँ से और किस तरीके से खेल जो है वो चलता है यहाँ पर तैयारी कर लीजिएगा ग्यारह गेंदों में कोशिश ये रहेगी कि बारह से पंद्रह रन जोड़े जाएँ और अभी टीम का स्कोर एक के पार ले जाया जाए तो क्या ले जा पाएंगे क्या दो या चौक दो चौके हर ओवर में लगा सकते है। हैं यहाँ पर महेश टिकसेना तैयार हैं अगली गेंद खेलने के लिए चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करते रहिए स्ट्रीम को लाइक करते रहिए यहाँ से कोशिश यही है चलिए अगली बार यहाँ पर फर्नांडो की ओवर की पटकी भी गेंद कट खेलने की कोशिश बीट हो गई इस गेंद पर महेश टिकसेना कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज की यहाँ पर जो है अच्छी गेंदबाजी और बिल्कुल अपर कट खेलने की कोशिश पूरी तरीके से बीट हो गए महेशी कसना गेंदबाजी में तो देखा है इनका हुनर क्या बल्लेबाजी में भी क्या बल्लेबाजी में भी यहाँ पर हुनर होगा क्या तैयारी करना है भाई गेम रेस किंग भाई तैयारी ये करिएगा गेम देखने की तैयारी करिएगा उम्मीद करिएगा कि देखिए तो चौके लग जाए शायद चलिए अगली गेंद बार फिर से पटकी हुई गेंद को इनको जाने दिया विकेट कीपर के पास हो क्या रहा है ये स्लोअर स्लोअर बाउंसर गेंद थी महेश टीका सेना जो है बिल्कुल बैठ गए गे। तीन गेंदे हो गए इस ओवर की सॉरी नान प्रदीप गेंदबाजी कर रहे हैं तीन गेंदे हो गए इस ओवर की मात्र एक रन आए हैं नौ गेंदे बची हैं इस पारी की यहाँ पर नौ गेंदें बची हैं इस पारी की बड़े शॉट की दरकार है रन बन नहीं रहे हैं विक्ट आ नहीं रही हैं ये क्या हो रहा है इनके साथ जाफनाई किंग्स आज प्रदर्शन शुरू से ही उस तरीके का रहा नहीं एक रन बन चुके हैं अगली गेंद चौथी गेंद महेश टीकासेना की शॉर्ट पिच गेंद टॉप एस लगा है फील्डर नीचे आते हुए एमिडॉन के फील्डर के हाथ में ये गेंद है एक और विकेट गिर गया जी हाँ एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर महेश यहाँ पर टीका सेना भी पवेलियन जाते हुए यहाँ पर बहुत बड़ा झटका जी बहुत बड़ा झटका यहाँ पर आ चुका है महेश ठीक सेना यहाँ पर आउट हो गए हैं स्कोर स्कोर की बात की जाए तो एक, एक रन नौ विकेट नुकसान पर आखिरी विकेट बची हुई है अब यहाँ पर और गेंदे बची हैं सिर्फ आठ आठ गेंदों में आप कितने बनेंगे क्या होगा और क्या भैया आप हमसे गुस्सा हैं क्या नहीं भाई रमन कुमार भाई बिल्कुल गुस्सा नहीं है आप जुड़ रही है हमारे साथ और यहाँ पर गाले ग्लेडिएटर का यह मुकाबला जो है बिल्कुल हाथ में आके बैठ चुका है एक सौ इकतीस रन नौविकेट नुकसान पर प्रदर्शन आज कुछ खास रहा नहीं जाफनाई किंग्स और बल्लेबाजी उस तरीके से हुई नहीं एक छोर से शोर मलिक टिके रहे मगर सिर्फ वही टिके रहे बाकी सब तो कुछ कर नहीं पाए यहाँ पर चलिए नए बल्लेबाज आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए दो गेंदें बची हैं अब यहाँ पर जो है जाफनाई किंग्स कोशिश करेगी इन बची हुई आठ गेंदों में कम से कम आठ रन तो बनाएँ क्या आठ रन बना पाएंगे देखना होगा यहाँ पर सामने मौजूद बल्लेबाज हो नए बल्लेबाज हैं पहली गेंद पांचवी गेंद फुल टॉस ये गेंद कलाइयों के सारे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में और यहाँ पर दो रन मिलने चाहिए क्या दो रन मिल जाएंगे जी हां, दूसरा रन भी पूरा दौड़ते हुए बल्लेबाज दो रन और आते हुए यहाँ पर स्कोर पहुंचता हुआ एक सौ तैंतीस रन एक्चुअली में रियलिटी है कि जब रिव्यू होता तो गड़ गर, क्या गड़बड़ कर देते हैं भाई रिव्यू लिया कहाँ तो परी सिंह जी रिव्यू लिया कहा रिव्यू देखी बार लिया था जब भी आउट दिखाया था चलिए यहाँ पर जो है अब बिनारो बिनारो फर्नांडो आ चुके हैं यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए बिनारो फर्नांडो को अगली गेंद इस ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर फिर से पटकी हुई गेंद बाउंसर ये गेंद है जाने दिया इस गेंद को विकेट कीपर के पास ओवर की समाप्ति हो चुकी है उन्नीस ओवर समाप्त हो चुके हैं एक रन नौ विकेट नुकसान पर एक रन नौ विकेट नुकसान पर जाफनाए किंग्स का स्कोर है क्या होगा इस मैच का सूरतल देखने वाली बात होगी यहाँ पर चाफ ना किंग्स बिल्कुल दबाव में है स्कोर की अगर बात कीजिए एक सौ रन बन चुके हैं नौ विकेट नुकसान पर स्ट्राइक पे होंगे विजय विजय व्यासकांत जो है वो स्ट्राइक पे होंगे क्या यहाँ से कोड़े बद इस ओवर में आ, कुछ और रन जोड़कर अपनी टीम का स्कोर स्कोर एक के पार ले जा पाएंगे देखना होगा पाँच सौ अट्ठानवे लाइक हो चुके हैं दो भाई और लाइक कर दीजिएगा कौन सा कमेंट्री का प्ले है जी भाई भाई देखिए श्रीलंका का प्ले है ये श्रीलंका प्रीमियर लीग है श्रीलंका प्रीमियर लीग है ये श्रीलंका प्रीमियर लीग है जहाँ पर यह खेल खेला जा रहा है बाकी जितना गे खेल खेला जा रहा है मज़ा नहीं आ रहा है चलिए चलते हैं ज़रा यहाँ पर नए गेंदबाज आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर है बीसवें ओवर है पहली गेंद बीसवें ओवर की और यहाँ पर तुषारा गेंदबाजी करना है शॉर्ट पिच गेंद इस बार पोल कर दिया गेंद को गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ एक रन तो मिल जाएगा इस गेंद पर और स्ट्राइक पे आ जाएंगे बल्लेबाज यहाँ पर आ, बिनारो बिनारो आज बिनारो आ जाएंगे यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाजी उस तरीके से हुई नहीं है आज उस तरीके से बल्लेबाजी हुई नहीं है जाफना एक, एक से जिस तरीके से बल्लेबाजी करना जानते हैं बल्लेबाज आखिरी की आखिरी की कुछ गेंदे बची हैं आखिरी कुछ गेंदों में क्या यहाँ से आ, कुछ बड़े शॉट लगाते हुए नजर आएंगे देखने वाली बात होगी यहाँ पर सामने मौजूद हैं बल्लेबाज यहाँ पर जो है बिनारो बिनूरा और सॉरी बिनूरा जो है बिनानोफ अंडांडो जो है स्ट्राइक पे है एक बार फिर से लो फुल टॉस ये गेंद थी सीधे बल्ले से खेलने गए बीट हो गए इस गेंद पर एक सौ चौंतीस रन बने हुए हैं यहाँ पर नौ विकेट नुकसान पर उन्नीस दो गेंदे हो चुकी हैं आसान नहीं होगा मुकाबला ध्यान रखिए यह मुकाबला आसान नहीं होगा गाले ग्लैडिटर के लिए भी मुझे लग रहा है फीलिंग आ रही है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा सर जी दानिशाह दानिश खाया हुआ हूँ एग्जिट मार दे प्लीज़ एग्जिट करवा देना प्लीज हो जाएगा भाई और उछल रहे हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस मुकाबले में एक एंट्री और मार दीजिए रिकवर हो जाएगा बता रहा हूँ मैं आपको अभी भी हमने भी वही लिए सेम नीचे भी ले लिए हमने तो बैठे हैं आराम से आज अपोजिट जाएंगे अपोजिट जाएंगे चलिए चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ यहाँ पर और करिए गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में यहाँ पर एक रन तो मिल जाएगा और दूसरा रन भी क्या ले पाएंगे जी नहीं यहाँ पर सिर्फ एक रन मिलेगा यहाँ पर फर्नांडो को और स्ट्राइक पर आ गए विजय कांत एक रन बन चुके हैं नौ विकेट नुकसान पर उन्नीस दशमलव तीन गेंदे हो चुकी हैं छः दशमलव नौ दो का रिक्वायर करंट रन रेक रेट है यहाँ पर अभी भी तीन गेंदे बची हैं चाहेंगे कि एक, एक बाउंड्री जो है इस ओवर में लें फ्रेंडो इंग्लिश क्लासेस में भाई बिल्कुल सही बात है सब बोले मिश्रा भाई जी जी फंसेगा बिल्कुल अर्जुन सोन ट भाई जी जी फंसेगा और कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भैया ये ये जी जी जो है आसान से नहीं जीतेगी चलिए चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ सामने मौजूद बल्लेबाज हैं और विजय कांत एक फिर से सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर दौड़ कर गेंद को फील्ड करेंगे मिसफील्ड हो गई यहाँ पर दो रन मिलने चाहिए इस गेंद पर यहाँ पर और दो रन और मिलते हुए स्कोर हो गया एक रन नौ विकेट नुकसान पर उन्नीस गेंदों के बाद विजय कांत है स्ट्राइक पर दो गेंदें बची हैं आसान चेज़ है भाई तोसिक भाई आसान तो क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता भाई आसान नहीं होता है क्रिकेट में और चिल्ले जब चिल्लाते हैं ना बोल बोल के वो तो आसान कुछ भी नहीं होता है क्रिकेट है भाई श्रीलंकन क्रिकेट है यहाँ कुछ भी आपको आसान मिलेगा नहीं यहाँ पर जब मैंने पिछले पांच मुकाबलों में से एवरेज स्कोर एक था थोड़ा बहुत पिच जो है, जो है मदद कर रही है तेज गेंदबाजों को तो शोध हो सकता है शाम के समय गेंद थोड़ा बहुत स्विंग भी करे यहाँ पर चलिए अगली गेंद बस शॉर्ट पिच गेंद पुल करा इस गेंद को और बोल्ड कर दिया लीजिए पांचवी गेंद पर कर दिया है बोल्ड यहाँ पर विजय कांत को तो यहाँ से पारी होती हुई समाप्त पारी हो गई है समाप्त यहां पर जाफनाई किंग्स की स्कोर हुआ एक रन दस विकेट नुकसान पर नौ नौ उन, 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 दस उन्नीस दशमलव पाँच गेंदों के बाद तो मैच का सूत हाल बता दे फिर उसके बाद लेंगे छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद जुड़ेंगे लाइव एक्शन में आप सबके साथ इनिंग इनिंग इन ब्रेक की ब्रेक यहाँ पर अगर बता दें कि मैच का सूरत हाल ये कि गाले ग्लीटर ने टॉस जीता पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया रन बनाए एक सौ पर जाफनाई किंग्स ने दस विकेट नुकसान पर उन्नीस गेंदों के बाद यहाँ पर काफ़ी काफ़ी ख़राब अब यहाँ पर बल्लेबाजी हुई गेंदबाजी बहुत अच्छी करी यहाँ पर गाले ग्लेडिएटर टीम ने अब टारगेट होगा यहाँ पर गाले ग्लेडिएटर के पास एक रन का जो कि 120 सौ बीस में बनाना है अब देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर और उसके बाद ब्रेक के बाद जुड़ेंगे लाइव एक्शन में इनिंग ब्रेक इनिंग ब्रेक हो चुकी है तो इनिंग ब्रेक के बाद अब जुड़ेंगे आपके साथ दूसरी पारी में तब तक आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम को लाइक करिएगा जुड़ रहेगी हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहाँ पर अभी दूसरी पारी बाकी और दूसरी पारी का धमाल भी हम बाकी पहली पारी में रन बन नहीं पाए टारगेट बता दें आपको एक 138 रन का दिया है यहाँ पर जो है गाले के को तो क्या गाले लेडीटर जो है इस रन चेज़ को अंजाम दे पाएंगे तो छोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद जुड़ेंगे यहाँ पर अगली पारी में तब तो तक आप सब लोग कहीं मत जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम को लाइक करिए इन्जॉय करिए इस मुकाबले को चुकी है मुकाबला शुरू हो चुका है तो जुड़ जाइए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहाँ पर मुकाबला जो है वो शुरू हो चुका है या सारा पर गेंदबाजी करना है पहले ओवर की और दो तो गेंदें हो गई हैं और फर्नांडो और कुशल मैंडिस जो है वो ओपन करने आए हैं नुवेंदुक और कुशल मैंडिस दोनों जो है ज़बरदस्त बल्लेबाज सिंगल मिल के मिल चुका है गाले ग्लेडिएटर को खाता खुल चुका है दो गेंदे हो चुकी हैं एक रन बिना किसी नुकसान के टारगेट है एक सौ एक सौ अड़तीस रन का और अब चाहिए एक सौ अट्ठारह गेंदों में एक सौ सैंतीस रन शुरुआती झटके देने होंगे जाफनाई किंग्स को अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो क्या यहाँ से शुरुआती विकेट चटका पाएंगे तिशारा परेरा देखने वाली बात होगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा अगली गेंद बार तिशारा परेरे की सामने है कुशल मैंडिस दाएं हाथ के बल्लेबाज तिशारा परेरे की गेंदम पर एक गेंद थी ये उसको हल्का तो खेला स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन मिल जाएगा यहाँ पर कुशल मैंडिस को स्ट्राइक पर आ जाएंगे नुवेंदू फर्नैंडो तो दो रन हो चुके हैं बिना किसी नुकसान के तीन गेंदें हो चुकी हैं अब देखना होगा यहाँ से आ, मुकाबला जो है किस तरीके से आगे बढ़ता है तो चलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा मुकाबला हो चुका है शुरू यहाँ पर मुकाबला हो गया शुरू इस खेल जो है वो चालू हो चुका है सेकंड दूसरी पारी दूसरी पारी में क्या एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ पाएंगे देखना होगा यहाँ पर क्या इस टोटल को चेंज कर पाएगी ये यह टीम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है अगली गेंद तीसरा पड़ेगा कि ओवर की फर्नांडो है स्ट्राइक पर एक बार फिर सेलेक्शन पे गेंद फाइनल की दिशा में खेला जरूर मगर रन नहीं मिलेगा चौथी गेंद हो गई है इस ओवर की और चार गेंदें हो गई हैं इस ओवर की दो रन ना बिना किसी नुकसान के स्कोर है यहाँ पर गारिग लेडिटर का पहला ओवर चल रहा है पहले ओवर में विकेट की तलाश में इसलिए तीसरा प्रेरणा नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अमूमन देखते नहीं है नई गेंद के साथ मगर आप जो है नई गेंद के साथ आ चुके हैं विकेट छटकाने के लिए तो क्या विकेट छटका पाएंगे देखते हैं यहाँ पर अगली गेंद की तरफ दिशा पड़ेगा कि ओवर की अगली गेंद इस बार सामने है नुआंदो इस गेंद को ढकेल दिया मैन की दिशा में एक रन और जुड़ता हुआ यहां पर गाले ग्लेडिटर के स्कोर में तो तीन रन बिना किसी नुकसान के यहां पर पांच गेंदे हो गई हैं इस ओवर की कुशल मैंडिस होंगे स्ट्राइक पर क्या कुशल मैंडिस यहाँ पर कुशल तरीके से बल्लेबाजी कर पाएंगे शुरुआत अच्छी करनी होगी और शुरुआती पार्टनरशिप जो है वो बढ़िया करनी होगी क्या शुरुआती पार्टनरशिप यहाँ पर एक अच्छी कर पाएंगे देखना होगा कुशल मैंडिस को अगली गेंद तीसरा परेरा की सामने है कुशल मैंडिस तीन गेंदे हो गई हैं तीन रन बन चुके हैं यहाँ पर आखिरी गेंद इस ओवर की परेरा की कुशल मैंडिस हैं स्ट्राइक पर इसको हल्का तो गेंद को ढकेला थर्ड मैन की दिशा में एक रन और जुड़ता हुआ और गालिग लेडीटर के स्कोर

चल चुका है मगर अगर शुरुआती झटके देंगे खासकर कुशल मैंडे जैसे बल्लेबाज को जल्दी पवेलियन भेजेंगे और शायद बेटर होगा यहाँ पर अब देखते हैं कौन लेके आएगा दूसरा ओवर बल्लेबाजी उस तरीके से हुई नहीं आज जाफना किंग्स की यहाँ पर जो है धनंजय ने बनाए उनतीस रन यहाँ पर मैंडिस शोएब मलिक बनाए रन और दुरित ने बनाया तीस रन तो ज़्यादा बड़ा स्कोर बना नहीं है एक रन का बनाए हैं यहाँ पर उन्नीस दशमलव पाँच गेंदों में तो महेश टिकसेना यहाँ पर माफ करिए माफ करिए जी हाँ महेश टिकासीना महेश टिकासीना के हाथ में गेंद थमाई है अमूमन देखते हैं शुरुआती पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए शुरुआत के ओवर में गेंदबाजी करते हुए तो महेश टिकासीना है तैयार गेंदबाजी करने के लिए दूसरे ओवर की पहली गेंद सामने है कुशल मैंडिस यहाँ पर औस्टम की तरफ गेंद थी इस बार टर्न हुई और डिफेंस कर लिया इस गेंद को कुशल मैंडिस ने तो कुशल तरीके से इस गेंद को खेला है और यहाँ पर यहाँ पर कोशिश करना होगा विकेट छटकाने की तो यहाँ पर महेश कहेंगे शुरुआती दो ओवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे अमूमन शुरुआत में विकेट चटकाते हैं तो क्या आज भी यहाँ पर विकेट चटकाते हुए नजर आएंगे दूसरे ओवर की दूसरी गेंद सामने मौजूद कुशल मैंडिस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद इस बार पुल कर दिया गेंद को गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ फील्डर मौजूद वहाँ पर एक रन मिल जाएगा कुशल मैंडिस को स्ट्राइक पर आ जाएंगे यहाँ पर बल्लेबाज नोवेंदो फर्नैंडो तो नोवेंडो फर्नैंडो ने चार गेंदे खेली हैं दो रन बनाए हैं दाएं हाथ के ये बल्लेबाज़ हैं आ, देखते हैं किस तरीके से यहाँ से बल्लेबाजी करते हैं अगर टी स्कोर को अगर आगे लेके जाना तो पावर प्ले के अंदर आप चाहेंगे कि चालीस से बयालीस रन जो है वो जोड़े जाएँ और बिना विकेट के खासकर बिना विकेट के अगर विकेट गिराएंगे तो प्रेशर जो है वो खुद के ऊपर जो है जनरेट कर लेंगे यहाँ पर देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले में अगली गेंद अगली गेंद सामने है यहाँ पर बल्लेबाज सामने है बल्लेबाज नुआंदो ऑस्टो की तरफ ये गेंद थी इस गेंद को डिफेंस कर लिया महेश कसीने के इस गेंद को कोई रन नहीं मिलेगा थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करते हुए सेना जो है अपनी गेंदबाजी के सहारे तीन गेंदे हो गई हैं इस ओवर की और मात्र सिर्फ एक रन आया है और दो डॉट गेंदे दो डॉट गेंदे हमें देखने को मिली हैं इस ओवर के अंदर यहाँ पर का सेना की ओवर की चौथी गेंद सामने फर्नांडो एक बार कदमों का इस्तेमाल किया इस बार हल्के तो जो खेल दिया इसको लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन मिल जाएगा और इस गेंद पर स्कोर पहुंचता हुआ छह रन बिना किसी नुकसान के एक दशमलव चार गेंदे हो गई हैं दो रन आए हैं इस ओवर में स्ट्राइक पर फिर से आ जाएंगे कुशल मैंडिस क्या कुशल मैंडिस यहाँ पर कुशल बल्लेबाजी कर पाएंगे वो देखना होगा जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ कैरम बॉल ऑस्प स्पिन सभी चीज़ें जो है वो ट्राई कर रहे हैं फिंगर स्पिनर गेंदबाज हैं उंगलियां फेरते जरूर हैं गेंदों पे और अच्छी टर्न गेंदबाजी करते हैं कुशल मैंडिस को अगले गेंद के बाद फिर से पे गेंद थी इस गेंद को कलाई को सारे खेल दिया स्क्वायर लैग की दिशा में एक रन और जुड़ता हुआ कुशल मैंडिस के खाते में और यहाँ पर स्कोर पहुंचता हुआ गाले ग्लेडेटर का सात रन बिना किसी नुकसान के एक गेंदों के बाद एक सौ गेंदों में चाहिए एक रन जीतने के लिए रिक्वायर रन रेट है सात का विकेट की तलाश में महेश टिकसेना कर रहे हैं गेंदबाजी क्या प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे क्या प्रेशर पाएंगे यहां पर गाली ग्लेडिएटर के ऊपर यहां पर अगली गेंद मयूष्टी का सेना की ऑस्टम पे गेंद ड्राइव लगाया इस गेंद पर मिड ऑफ की तरफ गेंद गई है एक रन मिल जाएगा यहां पर नुएंदो फर्नैंडो को तो ओवर की हो जाएगी समाप्ति इस ओवर में आए मात्र सिर्फ चार सिंगल दो ओवर की समाप्ति के बाद आठ रन बिना किसान के ग्लेडिटर का स्कोर है आ, नुएंदो फर्नैंडो होंगे स्ट्राइक पर एक गेंदों में चाहिए एक रन जीतने के लिए सात का रिक्वायर रन रेट है यहाँ पर कोशिश यही है कि दोनों बल्लेबाजों की संभली बल्लेबाजी की जाए और पावर प्ले को बड़ा यूटिलाइज किया जाए क्योंकि चाहेंगे कि आप एक बड़ा टेटोल चेज नहीं कर रहे हैं सिंह का टारगेट है अभी आठ रन बना लिए हैं तो अब चाहेंगे कि अगले कुछ ओवर्स में थोड़ा सा बाउंड्रीज वाउंड्रीज लगाई जाए और दबाव बनाया जाए आने वाले बल्लेबाज आजम आज़म इस टीम के अंदर हैं इफ्तिकार इस टीम के अंदर हैं साथ में यहाँ पर जो है नीचे मिड ऑर्डर थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लग रहा है क्योंकि वहाँ पर इमाद वसीम तो हैं मगर थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है अगर शुरुआत के टॉप चार बल्लेबाज़ों को आउट कर दिया जाए तो शायद प्रेशर में आ सकती है यहाँ पर जो है गाले गलेटर की टीम यहाँ पर चल चलते हैं जरा अगले गेंद की तरफ अगले ओवर की तरफ चलते हैं यहाँ पर तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज आ रहे हैं यहाँ पर आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा जुड़ जाएगा हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग होने की उम्मीद रहेगी आसान नहीं होगा यहाँ पर जो है टोटल को चेस करना है गाले के लिए भी क्योंकि शाम का समय है और तेज़ गेंद चुके हैं तेज गेंदबाज आ चुके हैं बाद बाद यह यहाँ पर पर है यहां पर बिनारो बिनारो फर्नांडो बाहर के बाद गेंदबाजी और नुवेंदो फर्नांडो जो है वो बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बार गेंद को मिडस्टर पिच की थी गेंद पढ़ने के बाद बाहर की तरफ निकली कट करने गए थे और पूरी तरीके से बीट हो गए इस गेंद पर नुवेंदो फर्नांडो अगली गेंद देखते हैं बिनारो फर्नैंडो की किस तरीके से होगी दोनों फर्नैंडो जो है अब बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहे हैं तो कौन सा फर्नैंडो को जीत मिलेगी वो हमें देखना होगा यहाँ पर चलिए अगली गेंद बिनारो फर्नैंडो को इस बार नवेंदु फर्नैंडो को एक बार फिर से लक्ष्मम की तरफ गेंद थी इस बार हल्का तो, तो खेला उसको स्क्वायर लाख की दिशा में एक रन तो मिल जाएगा और इस एक रन के साथ कुशल मैंडिस कुशल मैंडिस यहां पर आज जाएंगे स्कोर हो चुका है नौ रन बिना किसी नुकसान के दो दशमलव दो, दो गेंदों के बाद कुशल मैंडस हैं स्ट्राइक पर पांच गेंदों में चार रन बनाए कुशल मैंडिस को हमने देखा है टी वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए बिनारो फर्नांडो को भी देखा था कि जहां पर जहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मतलब मिलती है वहां पर यह बेहतर गेंदबाजी करते हैं बिनूरा फर्नांडो अगली गेंद बिनारो बी बनूरा फर्नैंडो के सामने मौजूद कुशल मैंडिस क्या बड़ा प्रहार करेंगे अब आप क्या चांस लेंगे बड़े शॉट लगाने का क्योंकि यहाँ से सिंगल रोटेट कर रहे हैं अब थोड़े से बड़े शॉट आने शुरू करेंगे क्या बिनोना फर्नांडो के ओवर की अगली गेंद कुशल मैंडिस है स्ट्राइक पर एक बार फिर से पढ़ने के बाद गेंद लक्ष्मण की तरफ निकली थी उसको कलाई के सारे खेल दिया मिड विकेट दिशा में एक रन तो मिल जाएगा और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे यहाँ पर कुशल मैंडिस दो रन मिलते हुए इस गेंद पर स्कोर पर हुआ यहाँ पर ग्यारह रन बिना किसी नुकसान के दो दशमलव तीन गेंदों के बाद कुशल मैंडिस भी यहाँ पर कुशल तरीके से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल और डबल्स पे फोकस कर रहे हैं अभी तक इस पारी के अंदर कुछ बड़े शॉट लगे नहीं है चौका या छक्का लगा नहीं है अभी तक किसी बल्लेबाज के अब बल्ले से स्कोर हो चुका है ग्यारह रन बिना किसी नुकसान के दो गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त

तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा पूरी टीम को इसलिए समल के बल्लेबाजी कर रहे हैं वेट कर रहे हैं थोड़ा सा स्लो पिच डिफेंड होगा भाई स्लो नहीं है भाई इतनी भी स्लो नहीं है अच्छी पिच है थोड़ा सा गेंद बढ़ने के तेज गेंदबाजों के लिए मदद करती है ये पिच और यहाँ पर महेश टिकासेना की गेंदबाजी जो है वो काफी अच्छी रहेगी क्योंकि जो वो वो मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज हैं इस ओवर के बाद की तो चार गेंदे हो गई हैं पांचवीं गेंद इस बार बिनोर फर्नैंडो की ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंद इस बार, बार पुल कर दिया गेंद को गेंद जा रही है सीधा मिड विकेट बाउंड्री की तरफ फील्डर दौड़ रहे हैं गेंद के पीछे नहीं रोक पाएंगे जी चौका मिल जाएगा कुशल में एंडिस के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका यहां पर इस पारी का स्कोर पहुंचता हुआ पंद्रह रन बिना किसी के दो दशमलव पांच गेंदों के बाद थोड़ी सी गेंद देखी शॉट है उसको पुल कर दिया डीप मिड विकेट दिशा में चौका बचोड़ लिया यहां पर कुशल मैंडिस ने तो आठ गेंदों में दस रन बनाकर खेल रहे हैं कुशल मैंडिस अभी चाहिए एक गेंदों में एक रन जीतने के लिए सात दशमलव सात का रिक्वायर रन रेट हो चुका है थोड़ा सा रन गति को आगे की तरफ बढ़ाना होगा क्या बढ़ा पाएंगे वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर किस तरीके से गेम चलता है यहाँ पर सामने मौजूद है बल्लेबाज कुशल मैंडिस अबिनो फर्नांडो के ओवर की आखिरी गेंद है इस ओवर में ठीक ठाक गेंदबाजी करी है फर्नांडो के ओवर की अगली गेंद सामने कुशल मैंडी फिर से पिच गेंद बार पुल कर दिया गेंद को गेंद जारी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद चार रन लिए एक और चौका आता हुआ कुशल मैंडिस के बल्ले से और यहां से स्कोर आगे की तरफ बढ़ रहा है स्कोर हो चुका है यहाँ पर उन्नीस रन बिना किसी नुकसान के तीन ओवर की समाप्ति के बाद कुशल मैंडिस नौ गेंदों में चौदह रन बनाकर खेल रहे हैं स्ट्राइक पे होंगे। और यहां पर होंगे नवेंदू फर्नैंडो और यहाँ पर बिनोनो फर्नैंडो का पहला ओवर काफ़ी महंगा गया ग्यारह रन आए इस ओवर से अब चाहिए एक गेंदों में एक रन जीतने के लिए शुरुआती झटके जो है वो देने में नाकाम रही है अभी तक जाफनाया किंग्स क्या महेश टिकसेना दूसरे एंड से एक और ओवर यहां से करते हुए नजर आ सकते हैं कि एक और ओवर वहां पर डालते हुए नजर आएंगे देखने वाली बात होगी आप सब लोग जुट जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम को लाइक करिएगा यहां से अभी भी अभी भी काफ़ी रन चाहिए मगर विकटों की तलाश रहेगी क्योंकि अब यहां पर कुशल मैंडिस इफ्तार अहमद और आज़म खान के ऊपर ये टीम रहेगी अगर ये दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते तो काफ़ी गेंदबाजी करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा आप देखना होगा किस तरीके से खेल चलता है और खेल किस तरीके से आगे बढ़ता है तो जुड़ रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंजॉय करते रहिए इस मुकाबले को मुकाबला है तैयार

नेक्स्ट ओवर में आउट होगा भाई देखते हैं नेक्स्ट ओवर में आउट होंगे कि नहीं बल्लेबाजी तो ठीक ही हो रही है भाई जिस हिसाब से चल रहा है बल्लेबाजी ठीक तो ही कर रहे हैं यहाँ पर चलिए सामने मौजूद ठीक है सेना एक बार फिर से थोड़ा सा ऑफ पे पे गेंद थी इसको हल्का तो से खेला ऑन साइड की तरफ फील्डर मौजूद है वहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा और यहाँ पर बल्लेबाज जो है कुशल मैंडिस को और कुशल मैंडिस के चौका लगे अभी चलिए कुशल मैंडिस को दो गेंदे हो गए हैं पहली गेंद पर सिंगल आए माफी चाहेंगे दूसरी गेंद पर कुशल मैंडिस स्ट्राइक मतलब डिफेंस कर लिया इस गेंद को दो गेंदे हो गई हैं इस ओवर के महेश टीकासेना कर रहे हैं गेंदबाजी टीकासेना के ओवर के अगली गेंद बार फिर से पटकी हुई गेंद थी पुल कर दिया स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद है वहाँ पर एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर स्ट्राइक पर आ जाएंगे अब जो है दूसरे बल्लेबाज फर्नांडो, फर्नांडो, नुआंदो फर्नांडो होंगे स्ट्राइक पर मैं का सेना की गेंदबाजी को बिल्कुल सम्मान सहित बल्लेबाजी कर रहे हैं कुशल मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं जानते हैं विकेट टेकर गेंदबाज़ हैं और इनको विकेट दिया तो कही कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाएंगी यहाँ पर जो है गाले गेडिटर गाले ग्रेडिडर की टीम को चलिए गाले की टीम की आप बल्लेबाज खेल रहे हैं यहाँ पर नोवेंदो फर्नांडो फर्नांडो को अगली गेंद का सेना के ओवर की एक बार खदमों का इस्तेमाल किया इस बार खेल दिया गेंद को यहाँ पर मिड विकेट दिशा में फील्डर मौजूद वहां पर फील्ड करेंगे गेंद को एक रन तो दो रन भी मिल जाएंगे इस गेंद पर रन के साथ स्कोर पहुँचता हुआ यहाँ पर काले ग्लेडिटर का तेईस रन बिना किसी नुकसान के तीन दशमलव चार गेंदे हो चुकी हैं हॉले हौले गेम जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है क्या होगा इस मैच का सूरत हाल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा यहाँ पर दबाव बना के रखा हुआ है दोनों पर बल्लेबाजों ने अभी तक विकेट मिली नहीं है तीन चार गेंदे हो गई हैं इस ओवर के अभी तो चार रन आए हैं इस ओवर से महेश का ससीना कामयाब रहने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक तो यहाँ पर सिर्फ सामली हुई डिफेंसिव अप्रोच देखने को मिली है अब यहाँ पर फर्नांडो जो है वो कदमों का इस्तेमाल करते नज़र फर्नांडो को अगली गेंद लैक्स्टम के बाहर ये गेंद तीस बार टर्न हुई ये गेंद यहाँ पर ग्लव्स पे गेंद लगी है गुरबाज के क्या चार अच्छे ज्यादा तेज चोट तो नहीं लगेगी यहाँ पर वाइट गेंद है इस वाइट गेंद के साथ स्कोर पहुँचता हुआ गाले ग्लेडिएटर का चौबीस रन बना के गए नुकसान के तीन दशमलव चार गेंदों के बाद यहाँ पर दबाव दबाव थोड़ा सा बढ़ गया है और गुरबाज की उंगली में जाके गेंद लगी है काफी तेज लगी है काफी दर्द से कहरा गए हैं इस बार थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा कि विकेट कीपर कीपिंग करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं थोड़ा सा इंजरी हुई है यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में यहाँ पर थोड़ा सा दबाव जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है अब जो है बल्लेबाज करी गेंदबाजी टीम जाफना है किंग्स के ऊपर कीपर इंजर्ड भाई बिल्कुल भाई कीपर इंजर्ड एडवांस बता दिया था भाई सब एडवांस कब बताया था हमने देखा ही नहीं साहिल भाई आपकी एडवांस तो चलिए एडवांस बता दिया था सब भाई अब अरे अब क्या बोल रहे हो अब क्या बोलेंगे भाई सहेल भाई हम तो पहले ही बोल के बैठे हुए थे आपको पता ही नहीं आज स्ट्रीम देखा करो सहेल भाई बीच में हीरो नहीं बनना है पहले बता दिया करो क्या होना वाला भाई हम हम जान लेंगे आपकी बात को चलिए यहाँ पर चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ थोड़ा सा रहमान गुरबाज की उंगली पर गेंद लगी है लेक्सटम के बाहर ये गेंद थी उसको पकड़ने गए तो उंगली पर गेंद लग गई और वाइट तो गेंद थी मगर चोट लग गई गुरबाज को यहाँ पर देखते हैं जितने देर में वो ठीक हो जाएंगे विकेट कीपिंग करने के लिए, के लिए के विकेट कीपिंग कर रहे हैं यहाँ पर जाफनाई किंग्स के लिए और इस खेल में अगर वापसी करनी है जाफनाई किंग्स को तो शुरुआती झटके देने पड़ेंगे खासकर दो या तीन विकेट यहाँ पर छटकाने होंगे मेन बल्लेबाज जो हैं वो कुशल मैंडिस इस टीम के अंदर हैं आज़म खान हैं इफ्खार अहमद है ये तीन बल्लेबाजों को आपको जल्दी समेटना होगा अगर समेट नहीं पाए तो मुकाबले को बिल्कुल फिनिश कर देगी गाले के रिलेट की टीम और उसके बाद एक और मुकाबला है ध्यान रखिएगा लंका प्रीमियर लीग का एक और मुकाबला है दूसरा मुकाबला है उस मुकाबले में भी जुड़ेंगे आप सबके साथ चैनल को सब सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और डल्टिन सेवन ऐप पर ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइश में फिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक कर क्लिक करके आई क्रिएट कर, कर लीजिएगा मिनिमम बैट सिर्फ दस है मिनिमम डिपॉजि जो है सिर्फ सौ का है पंद्रह मिनट के अंदर विड्रॉल जो है बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है डिपोजिट करना बहुत आसान है गूगल पे फोन पे पे, पे, पे से आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं खेल सकते हैं जीत सकते हैं तो खेलिए और जीतिए फास्ट विड्रॉल है फास्ट डिपॉजि है टोटली एक्सचेंज है टोटली एक्सचेंज है टोटली जो एक्सचेंज है यहाँ पर कट बुक सेट कर सकते हैं दोनों टीम पे दोनों टीम पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप और लॉस कट बुक सेट कर सकते हैं तो जाइए डेल्टिन सन पर खेलिए आई डी क्रिएट करना बहुत ही आसान है लिंक को क्लिक करिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है लास्ट में पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करिए रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है यूज़र ने बनाइए पासवर्ड बनाइए मोबाइल नंबर डालिए आपकी आई जो है वो क्रिएट हो जाएगी डेल टन सेवन ऐप पर तो मुकाबला फिर से शुरू होने जा रहा है रवन लोग गुरबाज तैयार है विकेट कीपिंग करने के लिए काफ़ी तेज़ ये गेंद लगी थी शायद नाखून पर गेंद लगी होगी इसलिए काफ़ी दर्द महसूस कर रहे थे यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ देखते हैं ओके अगली गेंद फिर से के बाहर ये गेंद थी फिर से वाइट गेंद फिर से लगी है उंगली पे फिर से लगी है उंगली पे मगर इस बार ज्यादा तेज नहीं लगी है दो लगातार डॉ दो लगातार वाइट गेंद स्कोर अभी भी पच्चीस रन में न किसी नुकसान के तीन दशमलव चार गेंदे हो चुकी हैं शायद थोड़ी सी हलचल नजर आ रही है इस मुकाबले में क्या फिर से उंगली पे लग गई है देखना होगा पच्चीस रन बन चुके हैं यहाँ पर उंगली पे फिर से गेंद लगी शायद रैमन लो गुरबाज को विकेट कीपिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आ रही है कि यहाँ पर सबसे विकेट कीपर जो है यूज़ कर सकती है जाफना है किंग्स की टीम क्योंकि दो बार लगातार उंगली पे उसी जगह पे जाके गेंद लगी है एक बार फिर से लक्सटम पे गेंद थी उसको पकड़ने गए और बिल्कुल जिया यहाँ पर चोटिल हो गए जो है अब रावन लगवास दो लगातार दो गेंदे और दोनों बार विकेट कीपर इंजर्ड हो गए भाई ये तो अपना काम चल रहा है इनका अपने ही अपने अपने प्लेयर ही आउट हो रहे हैं मगर स्टंपिंग भी छोड़ दिया शायद स्टंपिंग भी चांस भी था यहाँ पर मगर जब चोट लगी तो शायद चोट ज़्यादा तेज लगी इसलिए गेंद को पकड़ नहीं पाए इसलिए स्टम्पिंग भी नहीं कर पाए थोड़ा सा दबाव में थोड़ा सा दबाव में यहाँ पर और प्रेशर में भी हैं दर्द में भी हैं क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कप्तान सोच रहे हैं यहाँ पर इसरा परेरा कि क्या करना चाहिए क्या एक्स्ट्रा विकेट कीपर को लाना चाहिए उंगलियों पर पहले से ही टेपिंग कर रखी है यहाँ पर हम लोग गुरुबाज ने अब लगा के चलिए कि कम से कम उनकी पूरे पाँच उंगली में से चार उंगली पर टेप लगी हुई है सिर्फ देखना होगा क्या पाँचवीं उंगली पर भी टेप लगा देंगे थोड़ा सा स्वाइलिंग भी देखने को मिल रही है उनके हाथ में मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर जी हाँ विकेट कीपर बदल दिया है विकेट कीपर बदल दिया है शायद यहाँ पर जी हाँ विकेट कीपर बदल दिया है इंजर्ड हो चुके हैं रामना लुरुबास ग्राउंड के अंदर जाएंगे और ये ख़राब संकेत है क्योंकि जाफना किंग जानती है कि उनकी बैटिंग जो है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है तो विकेट कीपर बदल जा रहे हैं यहाँ पर रमन लगाता लगातार दो गेंदों में दो बार उनकी उंगलियों पे गेंद लगी और अब वो शायद विकेट कीपिंग नहीं करेंगे इस मुकाबले के नए विकेट कीपर बुलाए जा रहे हैं या फिर नया दस दस्थ, नए दस्ताने जो है वो दी जा रहे हैं वो देखना होगा जी हाँ विकेट कीपर चेंज हो रहे हैं चलिए यहां पर विकेट कीपर को बदल दे रहे हैं रहमान लल्ला गुरबाज इंजरी में थे और वापस जा रहे हैं उंगलियों में पहले से टेपिंग इतनी है और गेंद फटने के बाद थोड़ा सा तेज जाती है महेश सेना की और दोनों बार वो उंगलियों पर लगी दोनों बार वो उंगलियों पर लगी और इंजरी का सामना करना पड़ा रहमन लल्ला गुरबाज को वापस जा रहे हैं नए विकेट कीपर को दोबारा से बुला लिया गया है यहां पर विकेट कीपिंग करने के लिए तैयारी

चलिए चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहाँ पर उंगली पांच को नहीं पचार हो भाई चारों उंगली पीप लगी भाई चारों पर लगी हुई है तो चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ एक बार फिर से गेंदबाजी कर रहे हैं महेश टी कसीना लेक्सटम पर यह गेंद थी खेल दिया इसको मिड विकेट दिशा में एक रन मिल जाएगा तीन दशमलव पाँच गेंदे हो चुकी हैं छब्बीस रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के कुशल मैंडिस हैं स्ट्राइक पर महेश टी कसीना कर रहे हैं गेंदबाजी ये ओवर थोड़ा सा लंबा हो गया दो वाइड गेंदे डाली हैं इस ओवर में और टोटल छः सात रन आ चुके हैं इस ओवर में आखिरी गेंद बची है इस ओवर की महेश सेना की सामने मौजूद बल्लेबाज कुशल मैंडेस नए विकेट कीपर का आगमन हो चुका है गुरबाज कोई इंजर्ड नहीं हुआ ग्राउंड में एक लड़के से अरे भाई ऐसा नहीं सुशील सिंह ने भाई गेंद दोनों बार लगी है उंगली में यार चलिए कुशल मैंडिस को अगली गेंद सामने मौजूद यहाँ पर मह एस टी कसेना आखिरी गेंद पर भी सिंगल लिया यहाँ पर कुशल मैंडिस ने स्ट्राइक पे आ जाएंगे बल्लेबाज स्ट्राइक पे आ जाएंगे बल्लेबाज यहाँ पर कुशल मैंडिस स्ट्राइक रखेंगे अपने पास चार ओवर समाप्त हो चुके हैं सत्ताईस रन बिना किसी नुकसान के गालिग लिडिटर का स्कोर है छियानवे गेंदों में चाहिए एक रन छियानवे गेंदों में चाहिए 111 रन क्या इस मुकाबले में अभी भी और रोमांच बाकी है या फिर एक तरफा मुकाबला हमें देखने को मिल जाएगा यहां पर लाइक करिएगा चलो सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में यहां पर जाफनाई किंग्स गालिकटर का मुकाबला चल रहा है पहला मुकाबला है लंका प्रीमियर लीग का क्या इस मुकाबले में कामयाबी मिलेगी जाफनाई किंग्स को डिफेंडिंग चैंपियन है इस सीजन की और कहीं ना कहीं पिछले सीज़न जीता था इस सीज़न में अपनी ट्रॉफ़ी लेके आए हैं क्या यहाँ पर फिर से जीत दर्ज कर पाएंगे देखना होगा जाफनाए किंग्स की टीम सत्ताईस रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के सामने मौजूद हैं बल्लेबाज यहाँ पर जो है कुशल मैंडेज तो ये यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया गया है यहाँ पर तेज गेंदबाज जेम्स फुलर को जेम्स फुलर बढ़िया गेंदबाजी करते हैं पिच भी इनको सूट करेगी अब देखते हैं जेम्स फुलर क्या ओपनिंग बल्लेबाजों को आउट कर पाएंगे खासकर कुशल मैंडिस को क्योंकि कुशल बल्लेबाजी कर रहे हैं बारह गेंदों में सोलर बनाकर खेल रहे हैं जेम्स फुलर के ओवर की पहली गेंद सामने मौजूद कुशल मैंडिस बढ़िया लाइन हाँ पर यह गेंद थी यहाँ पर सिंगल ले लिया इस गेंद पर कुशल मैंडिस ने थोड़ा सा ऑस्ट्रन के बाहर ये गेंद थी कट करा और गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में एक रन तो मिल जाएगा यहाँ पर कुशल मैंडिस को और स्ट्राइक पे आ जाएंगे नुआंदो फर्नैंडो अट्ठाईस रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के चार दशमलव एक गेंद का खेल हो चुका है समाप्त आप सब लोग जुड़ रही है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए स्ट्रीम को लाइक करते रहिए देखना का विकेट गिरता रहेगा भाई कब गिरेगा अर्जुन भाई कुछ करिए यार विकेट नहीं आ रहा है लाइव uh, uh, ड्राइव बता दिया आपकी बात चलो मैं समझ गया आपकी बात फॉलो नहीं करना होगा मैं तो खुद कहता हूँ किसी को फॉलो मत करिए चलिए अगली गेंद इस बार सामने मौजूद हैं जेंसुलर की गेंद फर्नाडो हाइसट्राइक पर बाहर ये गेंद पढ़ने के बाद उछाल लिया ड्राइव लगाने गए बीट हो गए इस गेंद पर दूसरी गेंद जो है वो चॉट गेंद है अट्ठाईस रन बने हुए हैं यहाँ पर बिना किसी नुकसान के चार दस मतलब दो हो चुकी हैं थोड़ा क्राउड देखिए अगर थोड़ा ग्राउंड जो है वो थोड़ा खाली खाली सा नजर आ रहा है शायद दिन का ये मुकाबला है इसलिए ग्राउंड थोड़ा सा खाली नजर आ रहे हैं मगर यहाँ पर गेंदबाज ही बहुत अच्छी की जैसे फूल ने पढ़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली और कोई मौका नहीं यहाँ पर नुवेंदो फर्नांडो के पास रन बनाने का यहाँ पर 28 रन बने हुए हैं अभी भी दबाव महसूस कर रही है जाफराइ किंग्स की टीम विकेट तलाश कर रही है कि मोमेंटम को शिफ्ट किया जाए क्या मोमेंटम को शिफ्ट कर पाएंगे चलिए अगली गेंद बाद फुल टॉस ये गेंद थी अपील कर रहे हैं जोरदार अपील नेक्स्ट ट के बाहर ये गेंद थी मगर लेग टाइम के बात की बाहर ये गेंद थी गेंद जाके पैड से टकराई है बड़ा शॉट खेलने ज़रूर गए यहाँ पर अपील जरूर करी है तो क्या रिव्यू लेना चाहेंगे देखना होगा दो रिव्यू मिलेंगे आपको क्या रिव्यू लेंगे यहाँ पर देखना है यहाँ पर सोच रहे हैं मना कर दिया यहाँ पर क्योंकि गेंद फुल टॉस गेंद थी और बिल्कुल जाके पैड से टकराई है लेग बाय का ये सिंगल होना चाहिए दूसरी गेंद पर और एक रन और जोड़ना चाहिए यहाँ पर खाते में गाले ग्लैडिटर के, के उनतीस रन बिना किसी नुकसान के, के चार दशमलव तीन गेंदें हो चुकी हैं आखिरी गेंद है चौथी गेंद है इस ओवर की जेम्स फुलर की सामने मौजूद बल्लेबाज कुशल मैंडिस एक बार फिर से कुशल मैंडिस को यह गेंद के बाहर एक गेंद थी आउटसाइडर्स लगा है थर्ड स्लिप से गेंद निकल गई गे थर्ड मैन की दिशा में यहां पर और चौका मिल गया कुशल मैंडिस को बढ़िया कुशल बल्लेबाजी कुशल मैंडिस की स्कोर पहुंचता हुआ 33 रन बिना किसी नुकसान के चार दशमलव चार गेंदों के बाद कुशल मैंडिस एक छोर से टिके हुए हैं चौदह गेंद में इक्कीस रन बना चुके हैं तीन चौके लगाए हैं यहाँ पर और जेन्स वोलर की इस गेंद पर अच्छी गेंद थी एज लगा जरूर मगर वहां पर स्लिप से जस्ट ये ऊपर से गेंद निकल गई यहाँ पर और चौका मिल गया कुशल मैंडिस को बानवे गेंद में चाहिए एक सौ पांच रन जीतने के लिए अगर मोमेंटम को शिफ्ट करना है यहाँ पर जो है विकेट चटकानी पड़ेगी चलिए चलते हैं अगली गेंद की तरफ कुशल मैंडिस पर जेसौन के ओवर की आखिरी गेंद पांचवें ओवर की ऑस्ट्रिंग के बाहर ये गेंद फिर से ड्राइव लगा है गेंद जारी है कवर तरफ एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए दो बैक टू बैक चौके यहाँ पर इस ओवर में तोड़ते हुए कुशल मैंडिस कुशल मैंडिस की कुशल बल्लेबाजी यहां पर माफ करिए पांचवी गेंद पर चौका व रहा है तो यहाँ पर अभी भी आखिरी गेंद बची है जेंस फुलर के इस ओवर की तो यहाँ पर इस ओवर में आ चुके हैं टोटल दस रन स्कोर पहुँचता हुआ सैंतीस रन बिना किसी नुकसान के चार दशमलव पाँच गेंदों के बाद इक्यानवे गेंदों में चाहिए एक सौ एक रन जीतने के लिए रिक्वायर रेट छः दशमलव छः छः का हो चुका है चलिए यहाँ से थोड़ा दबाव अब महसूस कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज और मैच धीरे धीरे हाथ से निकलता हुआ जाफनाए किंग्स के लिए जेन्सफील्ड के ओवर के अगले गेंद फिर से अंदर आती हुई गेंद थी इस गेंद को कलाई कलाइव सारे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद एक रन मिल चे आएगा एक रन मिल चाएगा इस गेंद पर पाँच ओवर समाप्त हो चुके हैं अड़तीस रन बिना किसी नुकसान के, के गालिग लेडिटर का स्कोर है कुशल मैं डे सोलह गेंदों में छब्बीस रन बना चुके खेल रहे हैं इनका विकेट बहुत अहम है जाफनाई किंग्स के लिए अगर इनका विकेट गिराते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा बाकी अब डिपेंड करता है गेंदबाजी किस तरीके से होगी क्योंकि उस तरीके से गेंदबाजी हो नहीं रहे क्या महेश टिकसना एक और ओवर डाल सकते हैं आखिरी ओवर पावर प्ले का क्योंकि पावर प्ले बेहतरीन तरीके से खेला है अभी तक अब गालिग ने अगर बात करें यहाँ से पार्टनरशिप की तो पार्टनरशिप सब ज्यादा रन तो कुशल मैंडिस के बल्ले से आए हैं नोेंदो फर्नांडो थोड़े फंसे हुए है। हैं वो चौदह गेंदे खेली हैं नौ रन मनाए उतना पावरफुल इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला इस पावर प्ले के अंदर और शुरुआत सही शुरुआत से ही देख रहे हैं यहाँ पर जाफना ने भी एक स्लोइ स्टार्ट की थी और उसके बाद जो है यहाँ पर उसके बाद फिर गाली का लाइटर भी शुरुआत अच्छी थी धीमी गति से थी मगर रन रन बनाए हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे रन बनाए हैं अब बिना विकेट के अड़तीस रन बना चुके हैं महिस्टी कसेना गेंदबाजी करना है एक बार फिर से और फुलंद की गेंद थी इसको स्वीप कर दिया गेंद जा रही है स्क्वायर लैग की दिशा में बाउंड्री की तरफ एक रन तो मिल जाएगा और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे कुशल मैंडे स्कोर पहुँचता हुआ चालीस रन चालीस रन स्कोर पहुँच चुका है बिना किसी नुकसान के पाँच दशमलव एक गेंद हो चुकी है एटी नाइन बॉल्स हो जाए नाइन्टी एट रन की जरूरत है कुशल की कुशल बल्लेबाजी और कप्तानी पारी कुशल मैंडिस बिल्कुल समली हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर जानते हैं महेश टीकासेना को सम्मान भी दे रहे हैं जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पर रन बटोर रहे हैं महेश टीकासेना की ओवर की है दूसरी गेंद इस बार सामने मौजूद कुशल मैंडिस एक बार फिर से ऑस्पिन गेंद है ये बैकफुट पे जाकर उसको हल्का तो खेल दिया यहाँ पर जो है स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन और मिलता हुआ कुशल मैंडिस को स्ट्राइक रखते हुए अपने स्ट्राइक पे आते हुए नुवेंदू फर्नैंडो इकतालीस रन बनाए के नुकसान के पाँच दस दो गेंदें हो चुकी हैं अट्ठासी गेंदों में सत्तानवे रन चाहिए जीतने के लिए और धीरे 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 जाफनाई किंग्स के हाथ से ये मुकाबला जो है वो खिसक रहा है विकटों की तलाश है विकेट मिलेगी तभी गेम में वापसी कर पाएगी जाफनाई किंग्स की टीम ये पावर प्ले इनके लिए गया नहीं है बेहतर कुछ गया नहीं है बयालीस इकतालीस रन बन चुके हैं अभी भी पावर प्ले की चार गेंदें बची हैं तो क्या यहाँ से फर्नांडो एक आधा बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे महेश टिकासेना के ओवर की अगली गेंद इस बार तीसरी गेंद इस ओवर के सामने मौजूद फर्नांडो एक बार फिर से लैक्सटम के बाहर ये गेंद है इस बार कीपर से भी गेंद छटक गई और दो रन मिल जाएंगे इस गेंद पर दो अतिरिक्त रन जुड़ते हुए यहाँ पर गालिग लेडिटर के खाते में तिरतालीस रन बिना किसी नुकसान के पाँच नशलमत दो गेंदें हो चुकी हैं कुशल मैंडिस अट्ठारह गेंदों में उनतीस रन बनाकर खेल रहे हैं महेश टिकासेना करेंगे यहाँ पर महेश महेशा कर रहे गेंदबाजी उस तरीके की गेंदबाजी हो नहीं पा रही है स्ट्राइक पर फिर से आ जाएंगे कुशल मैंडिस पिछानवे रन चाहिए जीतने के लिए अट्ठासी गेंदों में अगली गेंद महेश के ओवर की सामने मौजूद यहाँ पर कुशल मैंडिस फुल रन की गेंद कलाई को सारे खेल दिया इसको मिडॉन की तरफ फील्डर मौजूद एक रन और जुड़ता हुआ कुशल मैंडिस के खाते में स्कोर पहुंचता हुआ चौवालिस रन बिना किसी नुकसान के पांच गेंदों के बाद सतासी गेंदों में चाहिए चौरानवे रन जीतने के लिए धीरे धीरे जाफनाई किंग्स इस मुकाबले से बाहर हो रही है विकटें मिलेगी नहीं तो काम बनेगा का नहीं अगर विकटें मिली तभी काम बन पाएगा यहाँ पर और सामने मौजूद बल्लेबाज फर्नांडो फर्नांडो की इस गेंद पर सिंगल ले लिया जी सिंगल ले लिया इस गेंद पर स्ट्राइक पे आ जाएंगे बल्लेबाज अब कुशल मैंडिस कुशल की कुशल बल्लेबाजी देखने के लिए हम तैयार हैं स्कोर स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर अभी पैंतालीस रन बिना किसी नुकसान के पाँच दशमलव चार गेंदों के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहाँ से और महेश टी का सेना के ओवर में भी मान के चलिए काफ़ी रन आ चुके हैं अच्छी रन आ चुके हैं इस ओवर से सामने मौजूद हैं बल्लेबाज अब देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं महेश टी का सेना थोड़ा सा दबाव बनाने की तैयारी में रहेंगे महेश टी का सेना इस बार फिर से गेंद लेकर आए हैं थोड़ा तो सा तो पटकी हुई गेंद को ड्राइव लगाया गेंद गई कवर की तरफ और फिल्डर से फिर से मिसफील्ड हुई वहाँ पर आ, देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पर आखिरी गेंद बची हुई है अब सामने है बल्लेबाज एक बार फिर से कला एक सारे खेल दिया इस गेंद को मिडॉन की तरफ फील्डर मौजूद कोई रन नहीं मिलेगा पांचवी गेंद जो है वो डॉट गेंद है स्कोर अभी पैंतालीस रन बिना किसी नुकसान के पाँच दशमलव पाँच गेंदे हो गई हैं पिचासी गेंद्रे रन चाहिए और अब लग रहा है कि मुकाबला धीरे धीरे जो है वह हाथ से खिसक रहा है यहाँ से हाथ से खिसक रहा है अब मुकाबला जो है जाफनाए किंग से सेना कर रहे हैं गेंदबाजी यहाँ पर अब विकटों की तलाश में गेंदबाजी कर रहे हैं आज दिन थोड़ा सा सही गया नहीं है दो दशमलव पाँच गेंदें करी हैं उन्नीस रन दिए हैं एक बार फिर से आखिरी गेंद की तरफ चल रहे हैं कुशल मैंडिस हैं स्ट्राइक पर लैक्स्टम पे ये गेंद थी खेल दिया इसको स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन और जुड़ता हुआ यहाँ पर खाते में कुशल मैंडिस और गालिग लेडिटर के लिए छः ओवर समाप्त हो चुके हैं छियालीस रन बिना किसी नुकसान के गालिग लेडिटर का स्कोर है चौरासी गेंदों में चाहिए बानवे रन जीतने के लिए क्या यहाँ से खेला हो बे? क्या यहाँ से खेल आगे की तरफ बढ़ता हो तभी मज़ा आएगा इस मुकाबले में जुड़ रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए और जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में आप सब जो है डल्टिन सेवन ऐप पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए डल्टिन सेवन ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है लाइक सेवन पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आई डी क्रिएट करिए मिनिमम बैठ सिर्फ दस रुपये है मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपये का है और सौ रुपये डिपॉजिट करके आप यहाँ पर खेल सकते हैं जीत सकते हैं तो खेलिए और जीतिए डल्टिन सेवन ऐप पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइक सेवन पहले पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आई डी क्रिएट करिए और खेलिए और जीतिए देखते हैं यहाँ से खेल किस तरह से चलता है अब विजय कांत को बुलाया गया है विजय कांत व्यासकांत जो है वो गेंदबाजी करने आएंगे विजय कांत लक्ष्मणर गेंदबाज हैं अच्छी गेंदबाजी करते ज़रूर हैं यहाँ पर देखना होगा आप किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे अगर सीजन की बात करें तो पांच मुकाबले खेले हैं छः विकेट छटकाए इकॉनमी जो है वो साथ का रहता है तो पहली गेंद विजयकांत के इस ओवर की सामने मौजूद बल्लेबाज कुशल मैंडिस कुशल मैंडिस का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए कुशल मैंडिस को अगली गेंद पहली गेंद, पहली गेंद इस बार सातवें ओवर की सामने है विजयकांत एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद बार हल्का तो खेला इसको ऑन साइड की तरफ एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर कुशल मैंडिस को स्ट्राइक पर आ जाएंगे यहाँ पर लुवेंदो फर्नैंडो यहाँ पर स्कोर अभी भी सैंतालीस रन बिना किसी नुकसान के छः दसमलव एक गेंद हो चुकी है फ्रासी गेंद में इक्यानवे रन चाहिए एक मोमेंटम को शिफ्ट करने के लिए आपको कुछ क्विक एक दो विकेट चटकाने होंगे खासकर कुशल मैंडिस को आउट करना होगा आपको चलिए चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ विजयकांत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए विजयकांत के ओवर की है दूसरी गेंद सामने है नुवेंदो फर्नैंडो लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को नुवेंदो फर्नैंडो बढ़िया गेंदबाजी करते हैं लेक्शन गेंदबाज गुगली का प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं और ये पिच पर अगर गुगली करेंगे तो शायद बैटर रहेगा यहाँ पर और कोशिश यही फील्ड में थोड़ी तब्दील फील्ड में थोड़ी तब्दीली की जा रही है यहाँ से गेम को आगे ले जाने के लिए ज़्यादा बड़ा स्कोर है नहीं तिरासी गेंद में इक्यानवे रन चाहिए जीतने के लिए मगर आपको विकटे विकटे मिले तो शायद मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है चलिए अगली गेंद इस बार यजय की मिडल स्टम्प पर गेंद थी सीधे बल्ले से डिफेंस कर लिया इस गेंद को नोवेंदू फर्नैंडो ने नुवेंदू फर्नैंडो छब सोलह गेंदें खेली मात्र दस रन बनाए हैं समली बल्लेबाजी एक छोर से विकेट बचा जो है वो खेल रहे हैं साथ दे रहे हैं अपने कप्तान कुशल मैंडिस का और अब देखना होगा यहाँ से तीसरी गेंद इस ओवर की एक बार फिर से फुलंद की गेंद सीधे बल्ले से खेला ज़रूर मगर मिड विकेट पर फील्डर मौजूद कोई रन नहीं मिलेगा दो लगातार डॉट गेंद विजय कांत के इस ओवर में दो लगातार डॉट गेंद है तीन गेंदों के अंदर सामने है निवेंदू फर्नांडो निवेंदू फर्नांडो पर प्रेशर बनाने की पूरी तैयारी में लग रहे हैं विजयकांत कांत यहाँ पर विजयकांत के ओवर की अगली गेंद पर थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंद लैक्स्टम के बाहर ये गेंद थी और विजयकांत जो है चौथी गेंद पर सिंगल आया है एक रन तो ले लिया दूसरा रन भी लेने की कोशिश मना कर दिया मना कर दिया कुशल मैंडिस ने वहाँ पर स्कोर हो चुका है अड़तालीस रन बनाकर से नुकसान के छः दशमलव चार गेंद का खेल हो चुका है समाप्त ओवर में अभी तक दो रन आए हैं क्या यहाँ से अगर कुशल मैंडिस को अगर आउट कर दिया तो शायद थोड़ा सा दबाव महसूस हो पाएगी गाले के रिलेटेड की टीम अगर यहाँ से आपको वापसी करनी है तो गाले के बल्लेबाज कप्तान कुशल मैंडिस को आउट करना होगा तभी यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम या फिर थोड़ा सा माहौल जो है बनेगा प्रेशर सिचुएशन जो है फेस करेगी ये टीम अगली गेंद कुशल मैंडिस को आउपन के बाहर ये गेंद थी इस बार आउट साइडर्स लगा स्लिप के हाथ से गेंद लगी और निकल गई गेंद थर्ड मैन की दिशा में चार रन के लिए चौका आता हुआ इस बार कुशल मेंडिस के बल्ले से निकला है चौका इस ओवर की पांचवी गेंद पर किस्मत किस्मत का सहारा मिलता हुआ यहाँ पर अच्छी गेंद थी लक्ष्मण गेंद थी औस्टम पे गेंद पिच करी और बैकफुट पर जाके खेलने गए थे इस गेंद पर आउट साइड लगा और स्लिप के जस्ट उंगलियों से गेंद लगी और थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकल गई चौका मिलता हुआ इस गेंद पर जो है कुशल मैंडिस को स्कोर पहुंचता हुआ यहां पर बावन रन बिना किसी नुकसान के विकेट अभी तक गिरी नहीं है टारगेट ज़्यादा बड़ा है नहीं और चौके जो है वो आ रहे हैं चलिए अगली गेंद विजय कांत के इस ओवर की सामने मौजूद है बल्लेबाज अब कुशल मैंडिस एक बार फिर से फुलंद की गेंद ड्राइव लगाया है गेंद जारी है कवर की दिशा में एक रन तो मिल जाएगा इस गेंद पर दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे यहाँ पर कौशल मैंडिस और यहाँ पर इस ओवर की आखिरी गेंद भी डल गई है इस ओवर में आए टोटल छः से आठ रन सात ओवर समाप्त हो चुके हैं चौवन रन बिना किसी नुकसान के काले किलोलीटर का स्कोर है और यहाँ से अठहत्तर गेंदों में चाहिए चौरासी रन जीतने के लिए और दबाव दबाव पूरी तरीके से डाल दिया है पूरी तरीके से डाल के रखा हुआ है जाफनाए गेंद बाजों के से गेंदबाजों के ऊपर यहाँ से थोड़ा सा अगर गेम को मोमेंटम को शिफ्ट करना है तो आपको यहाँ से जो है विकेट चटकानी पड़ेगी अगर इसी तरीके से रन मंत्र है तो आसानी से इस मुकाबले को आसानी से इस मुकाबले को जीत लेगी यहाँ पर जो है वो गाले गलेटर की टीम देखते हैं भी किस तरीके से खेला होगा किस तरीके से खेल चलता हुआ नजर आएगा यहाँ पर जुड़ रही है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए स्ट्रीम को लाइक करते रहिए अगर कंपेरिज़न देखा जाए तो पावर प्ले के अंदर 38 ब दो थी आ, यहाँ पर जाफना किंग्स गाले के रेटर ने छियालीस रन बनाए बिना विकेट के साथ से लेके पंद्रह ओवर के बीच में 69 नाइन रन बनाए थे यहाँ पर आ, जाफना किंग्स ने तीन विकेट खोए थे तो टोटल पाँच विकेट खोए थे पंद्रह ओवर के अंदर यहाँ तो सात ओवर हो चुके हैं और चौवन रन बने हैं अभी तक सामने मौजूद हैं बल्लेबाज यहाँ पर अब यहाँ पर नोेंदू नोवेंदू फर्नैंडो गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है यहाँ पर दुनित दुनित को बुलाया गया है बल्लेबाजी तो अच्छी की थी दुनित ने यहाँ पर अब ये देखते हैं गेंदबाजी में किस तरीके से अपनी टीम का सपोर्ट कर सकते हैं विकेट अभी तक कोई भी गेंदबाज़ विकेट लेने में कामयाब रहा नहीं है और उस तरीके की उस तरीके की गेंदबाजी हुई भी नहीं क्वालिटी गेंदबाजी हुई भी नहीं है अब देखते हैं यहाँ से किस तरीके से गेम को आगे लेके जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए स्ट्रीम को लाइक करते रहिए जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी की तरफ यहाँ पर दुलित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दुलित के ओवर सात मुकाबले खेले हैं पांच विकेट चटकाए हैं दो दो विकेट इनका बेस्ट तो ये देखते हैं अभी यहाँ से कितने विकेट झटकाते हैं अभी भी अगर बात की जाए तो अठहत्तर गेंदे बची हैं चौरासी रन आपको एक दो ओवर अच्छे चाहिए होंगे यहाँ पर यहाँ आपको अगर प्रेशर क्रिएट करना है तो आपको आपको एक दो ओवर अच्छे जाने होंगे अगले तीन ओवर जो है वो अच्छे करने होंगे एक या दो विकेट झटकाने होंगे आपको प्रेशर बिल्ड करने के लिए क्योंकि ये गेम अंत ओवर तक जाएगा तभी कुछ कमाल हो सकता है दुनित तैयारी कर रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए सामने मौजूद बल्लेबाज़ नोवेंदो फर्नैंडो तो नोवेंदो फर्नैंडो खेलेंगे पहली गेंद लेफ्ट आर्म और उसमें गेंदबाज है पहली गेंद इस बार टन शार्प टर्न देखने को मिला पूरी तरीके से बीट हो गए इस गेंद पर क्या गेंद थी है ज़बरदस्ती गेंद दुलित की पढ़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली आता पता नहीं लगा यहाँ पर नुवैंडो फर्नांडो को चलिए दूसरी गेंद देखते हैं दुलित के इस ओवर के सामने मौजूद नुआन फर्नांडो एक बार फिर से स्लो रन गेंद बैकफुड अदबों का इस्तेमाल किया मगर गेंद को खेल दिया स्लिप की दिशा में गेंद जा रही है थर्डमन की दिशा में यहाँ पर चौका मिलना चाहिए जी हाँ निश्चित तौर पर चौका आएगा किस्मत साथ है भाई आज किस्मत साथ है ग्लेडिएटर के गेंद काफी अच्छी थी। हुई, के बल्ले से यहाँ पर थोड़ा सा स्लिप को थोड़ा सा स्लिप को जो है वाइड रखनी होगी क्योंकि यहां पर स्लिप रखी हुई है सेकेंड स्लिप तक सेकेंड फर्स्ट के बीच में आपको स्लिप रखनी चाहिए जहां पर गेंदें जा भी रही हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर चांस लेना होगा कप्तान को अभी ये इस ओवर में चौका है मगर गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं अगर यहाँ पर चार ओवर पूरे करते हैं तो शायद प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर अपने यहाँ पर जो है बल्लेबाजों के लिए अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर अब गेंदबाजी होती है अट्ठावन रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के छिहत्तर गेंदों में अस्सी रन चाहिए जीतने के लिए सात गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त यहाँ पर

यहाँ पर दुनित ने आठवें ओवर मिली है सफलता मगर इस सफलता को बरकरार रखना होगा क्योंकि चौका आ चुका है इस ओवर में क्या यहां पर दुनित जो है वो इस ओवर को अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पर कैच की बात करें तो यहाँ पर भाई साहब बड़ा जबरदस्त नाम है विकेट कीपर का दूसरे विकेट कीपर का बड़ा जबरदस्त नाम बहुत बड़ा नाम है भाई इनका तो बता देंगे आपको रुक जाइए सबर करिएगा और यहाँ पर अब नए बल्लेबाज आ गए हैं आजम खान देखिए आजम खान आजम खान कुशल मैंडिस इफ्तिकारहबंद ये तीन बल्लेबाजों को आपको सस्ते में झटकाना होगा कुशल मैंडिस एक छोटे ठिके हुए अब अगला टारगेट जो है आज़म खान और कुशल मैंडिस को रखना चाहिए अगर इन दोनों बल्लेबाजों का विकेट आया तो थोड़ा सा प्रेशर महसूस कर सकती है यहाँ पर अब गालिकटर की टीम कुछ पचहत्तर गेंदों में अस्सी रन चाहिए जीतने के लिए पिच अच्छी लग रही है गेंदबाज़ों के लिए अब थोड़ा सा एक दो विकेट और छटकाने होंगे यहाँ पर और क्योंकि पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी हुई है अट्ठावन रन एक विकेट नुकसान पर आज़म खान का जो है लंका प्रीमियर लीग काफ़ी अच्छा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े शॉट लगाते ज़रूर है मगर ये पीछे ऐसी नहीं है कि आकर आप बड़े शॉट लगा सकें आप यहाँ पर टाइम भी व्यतीत करें और टाइम अगर व्यतीत करते हैं तो एक अच्छा खासा मुकाला देखने को मिल सकता था तो आजम खान आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए नंबर तीन पर गेंदबाजी कर रहे हैं दुनित अगर बात करें आजम खान की ग्यारह मुकाबले खेले दो रन बनाए हैं स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है एक रन का एक का स्ट्राइक रेट है इनका यहाँ पर और देखते हैं यहाँ से किस तरीके से खेलेंगे किस तरीके से खेलेंगे आजम खान बढ़िया गेंद थी और ऑस्टिन और ऑस्टम पे ये गेंद थी थोड़ा सा गेंद टर्न भी हुई कट करने गए एज लगा ज़रूर यहाँ पर जुड़ रहिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए स्ट्रीम को लाइक करते रहिए दिया गेंद आजम खान को ऑस्टम के फिर से बाहर ये गेंद थी कट करने गए बीट हो गए गे इस गेंद पर आज़म खान थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश है दुनित के ये चार ओवर जो है बहुत अहम रहेंगे जाफनाए किंग्स का क्या एक चौदह विकेट और छटका सकते हैं क्या दुनित हल्का हल्का शाम का समय बिल्कुल धूप यहाँ पर सूरज जो है वो ढलता हुआ नजर आ रहा है अगला मुकाबला अंडर लाइट्स होगा चलिए चलते हैं सर अगली गेंद की तरफ इस बार फिर से स्वीप करने गए एक बार फिर से औस्ट्रंक के बाहर ये गेंद गेंद पढ़ने के बाद काफी टर्न कर रही है यहाँ पर दूनित की कि मैं काफी देर के बाद किसी गेंदबाज को टर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है देख रहा हूँ यहाँ पर मैं अट्ठावन रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर अच्छा ओवर जा रहा है पढ़ने के बाद टर्न हो रही है गेंद उछाल भी ले रही है आसान नहीं हो रहा है आजम खान को बड़ा शॉट लगाने के लिए एक बार फिर से इस बार स्टम्प लाइन में गेंद थी है और सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर अच्छा ओवर पांच रन आया इस ओवर से एक विकेट छटकाया है बहत्तर गेंद में सेवेंटी

किस तरीके से गेम आगे बढ़ता है विजय कांत को आना पड़ेगा विजय कांत को सबसे छोर से लगा के रखें और यहाँ पर विजय कांत अगर आते हैं तो वो भी अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं और विकेट छटका सकते हैं चले चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ देखते हैं क्या होता है यहाँ पर आठ ओवर समाप्त हो चुके हैं अभी तक अट्ठा उनसठ रन बने हैं एक विकेट नुकसान पर यहाँ पर विकेट छटकाने वाले गेंदबाज से दोनित अच्छा ओवर गया पाँच रन दिए इस ओवर में थोड़ा सा शाम के समय हल्की हल्की धूप दिख रही है लग रहा है कि बादल अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं तो शाम के मुकाबले जो बारिश होने की संभावनाएं हैं वो कम हो जाएगी यहाँ पर चलिए यहाँ पर आज़म खान है स्ट्राइक पर विजय कांत को बुलाया गया है पहले ओवर में आठ रन दिए थे और यहाँ पर यहाँ पर जो है अब देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे आज़म खान को तो तंग किया दुरित ने काफ़ी तक कम तंग किया यहाँ पर तंग किया आज़म खान को मगर इलेक्शनर गेंदबाज है पहली बार फिर से ऑस्टम पर गेंद थी इसको डिफेंस किया आउटसाइड इस लगा गेंद गई पॉइंट की दिशा में कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर उनसठ रन बने हुए हैं एक विकेट नुकसान पर आजम खान को मजबूर करना होगा कि बड़ा शॉट वो खेले यहाँ पर तो क्या मजबूर कर पाएंगे अगले गेंद इस बार थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंद कट कर दिया इस गेंद को गेंद गई या पॉइंट की दिशा में चार रन के लिए खराब लाइन पर यह गेंद थी और बढ़िया ये शॉट था आजम खान के बल्ले से थोड़ा सा देखा गेंद छोटी है और उसको इनको कट कर दिया और डीप पॉइंट की दिशा में चौका बटोर लिया आजम खान ने ख़राब गेंदबाजी गेंद को आपको आगे रखना है जिससे बल्लेबाज जो है वो थोड़ा सा जज करे और बड़ा शॉट खेलने जाए यहां पर मगर शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे तो आजम खान के लिए गेम आसान रहेगा और बिल्कुल बिल्कुल खराब गेंद थी है। तो यहां पर चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ तिरसठ रन एक विकेट नुकसान पर आठ दशमलव दो गेंद खेल हो चुका है समाप्त सामने मौजूद है बल्लेबाज यहां पर आजम खान एक बार फिर से पे कलाई को सारे खेल दिया इसको एक कैच पर पकड़ लिया यहां पर एक और विकेट गिरता हुआ लीजिए एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर यहां पर जो है आजम खान पवेलियन चाहते हुए लेक्स्टम पे गेंद थी कलायोग के सारे खेले जाते थे मिड विकेट दिशा में मिड विकेट का फिल्टर सर्कल के अंदर मौजूद यहाँ पर कैच आउट पकड़ लिया कैच आउट हो गए आजम खान दूसरा झटका लगता हुआ गाले ग्लेट्री की टीम को तो दूसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर स्कोर पहुंचता हुआ तिरसठ रन दो विकेट नुकसान पर आठ दशमलव को मिल गई है विकेट यहां पर एक तीन गेंदे करी हैं हैं रन दिए और विकेट चटका है पिछली गेंद पर चौका जरूर लगाया था मगर इस बार सेंसिबल गेंदबाजी थोड़ा सा गेंद को गेंदम की तरफ किया कि गेंद टर्न होगी वहां पर आजम खान को फंसाया बहुत बड़ा विकेट है यह अभी भी कुशल मैंडिस और इफ्तिकार अहमद आने बाकी हैं क्या इफिकार अहमद अभी आएंगे या फिर बाद में बल्लेबाजी करने आएंगे यहां पर विकेट के पीछे पड़े हो भाई बिल्कुल भाई विकेट के पीछे पड़े हैं आज महेंद्र सिंह भाई बिल्कुल विकेट दिला के मानेंगे यार अभी एक तरफ़ा गेम चलेगा तो मज़ा कैसे आएगा गेम को एंजॉय करना है तो आपको वहाँ पर विकेट चटकानी ही पड़ेगी यहाँ पर टाइम आउट शायद ले लिया गया है टाइम आउट लेने की शायद यहाँ पर ब्रेक लिया है टाइम आउट यहाँ टाइम आउट ले लिया गया है क्योंकि अब नवे ओवर के बाद टाइम आउट लिया जाता है तो यहाँ पर नवे ओवर से पहले ही टाइम आउट ले लिया गया है आप सब लोग जो है डलटिन सेवन ऐप के साथ जुड़ जाइएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइसेंस और पेन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिए मिनिमम बैट सिर्फ दस रुपये है मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपये का है सौ रुपये डिपोजिट करके आप यहाँ पर खेल सकते हैं है। तो है जीत सकते हैं तो खेलिए और जीतिए डल टिन सेवन ऐप पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइसेंस और पिन कर दिया उस लिंक को क्लिक करके आई क्रिएट करिए आई क्रिएट करना बहुत ही आसान है रेफल कोड डालने जरूरत नहीं है यूजर नेम बनाइए पासवर्ड बनाइए मोबाइल नंबर डालिए आपकी आई जो है वो क्रिएट हो जाएगी डल टिन सेवन ऐप पर तो वहाँ पर आपको विड्रॉल जो है पंद्रह मिनट के अंदर मिलेगा और डिपोजिटि करना आसान गूगल पे फोन पे पेटीएम से आप डिपोज कर सकते हैं लोकल पेमेंट एक्सेप्टेड है यहां पर और अच्छी बात है कि फास्ट है जाइए खेलिए और जीती है डल्टिन सेवन ऐप पर आई क्रिएट करिए उसके बाद एक क्रिएट पे जाइए वहाँ पर आप सारे मुकाम लाइव भी दे सकते हैं प्लस और आप जो है अपडिशन करके पैसा कमा सकते हैं टोटली एक्सचेंज है लॉस कट बुक सेट कर सकते हैं टोटली एक्सचेंज है दोनों टीम पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आपको एक टीम के साथ बैठने की जरूरत नहीं है जब भी आपको अच्छे और मिलेंगे तो आप लॉस कट बुक सेट करिएगा और अपनी दोनों टीम पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए उसके बाद आराम से मैच को देखिएगा कोई भी जीते कोई भी हारे मगर आप जरूर जीतेंगे इसलिए कहनाओं डल्टिन सेवन ऐप को ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइसन में पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आई क्रिएट कर लीजिएगा मज़ा आएगा इस मुकाबले में दो विकेट आ चुके हैं मगर अभी भी देखिएगा अभी भी देखिएगा कि अभी पलरा जो है अभी भी गाले ग्लेडिटर का गाले ग्लेडिटर का यहाँ पर जो है आ, जो है अभी रन रन अगर रनों की बात की तो रनों में आगे ही है गाले की टीम क्योंकि यहाँ पर आ, 63 रन बने हैं दो विकेट नुकसान पर अभी इफ्तिकारा ने बाकी हैं खासकर अब अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा अगर विजयकांत और जो है दुलित की अगर एक पार्टनरशिप हो जाए गेंदबाजी में तीन चार ओवर निकल जाएँ वहाँ पर अगर रन ना बने और कुशल मैंडिस का विकेट भी आ जाए और इफ्तिकार अहमद जो है थोड़ा सा स्पिन अच्छा खेलते ज़रूर है मगर ये पिच वो ऐसी नहीं कि आती ही बड़े शॉट खेल सकते हैं आप तो थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए प्रेशर बिल्ड किया जाए तो आखिरी के कुछ ओवर्स में आपको रनस मिल जाएंगे और थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बिल्ड हो जाएगा कुशल मैंडिस का विकेट बहुत अहम है क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं चौबीस गेंद में अड़तीस रन बनाए हैं यहाँ पर जाफरा वाले सोच रहे हैं कि कुशल मैंडिस जो है वो अंत तक बल्लेबाजी करें मगर यहां पर यहाँ पर जाफरा नहीं खाली एक लीटर वाले सोच रहे हैं कि कुशल मैंडस जो, जो है वो अंत तक बल्लेबाजी करें और जाफरा सोचे कि कुशल मैंडिस को जल्दी आउट किया जाए क्योंकि कुशल मैंडिस जो है वो एक बेहतर लेम में नजर आ रहे हैं अगर स्ट्राइक रेट देखेंगे तो एक का है अब देखते हैं टाइम आउट के बाद क्या होगा विजयकांत की अच्छी शुरुआत है पहला और काफी अच्छा किया था इसीलिए मैं कह रहा था कि विजयकांत को लाना चाहिए क्योंकि एक छोर से वो भी लैक्समिन गेंदबाजी कर रहे हैं उनको भी टर्न मिल रहा है थोड़ा सा वो शॉर्ट पिच गेंद जो कर रहे हैं ना उससे थोड़ा सा बचना होगा गेम को गेंद को आगे फेंकेंगे तो शायद एक चांस बन सकता है विकेट लेने का तब तक आप सब लोग जो है लाइक करिएगा सब्सक्राइब चैनल को भाई स्कोर कार्ड दिखाओ थोड़ा दिवाकर भाई स्कोर कार्ड बताओ तो दिया भाई कितना स्कोर कार्ड देखेंगे टीम का देखेंगे प्लेयर का देखेंगे किसका देखेंगे आप बता दीजिए डस्मिटो भाई किसके किसके कितना है चलिए यहां पर विजय कांत की एक अगली गेंद थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंद है सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश मगर डी पॉइंट में यह गेंद गई है एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर यहां पर जो है भाई क्या नाम है भाई मूविन मोविन शुभन सिंह भाई पता नहीं क्या नाम है भाई नाम बता रहे हैं एक बार पढ़ के एक बार जहाँ जी हाँ, हाँ, हाँ शुभ शिंगा शुभ शिंगा जो है बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं आप शुभ शिंगा ना कि इफ्तिकार अहमद इफ्तिकार अहमद जो है शायद नंबर पाँच में बल्लेबाजी करेंगे कुशल मैंडिस को गेंदबाजी कर रहे हैं कुशल मैंडिस को अगली गेंद इस बार यहाँ पर विजय कांत की बार औस्टम पे गेंद अच्छी गेंद डिफेंस कर लिया इस गेंद को डिफेंस कर लिया इस गेंद को फर्स्ट बॉलिंग वालों की भाई डिस्पेसूट भाई फर्स्ट बॉलिंग में स्कोर कार्ड का बीच में नहीं दिखा पाएंगे बता दो आप किसका नाम बता दो कौन से प्लेयर का देखना है क्या विकेट देखनी है किसने कितने लिए बता दूंगा आपको एक बार फिर से अगली गेंद पिच गेंद थोड़ा सा कट कर दिया पॉइंट की दिशा में गई गे गेंद कोई रन नहीं मिलेगा अच्छा ओवर यहाँ पर दो लगातार डॉट गेंदे कुशल मैंडिस से नौ ओवर समाप्त हो चुके हैं चौसठ रन दो विकेट नुकसान पर गारिग लेडीटर का स्कोर है 66 बॉल्स में चौहत्तर रन चाहिए जीतने के लिए अगर आपको प्रेशर बनाना है तो कुशल मैंडिस का विकेट ले, लेना होगा शुभशिंगा शुभशिंगा जो है वो आप बल्लेबाजी करेंगे एक गेंद खेलिए एक रन बनाए आप क्या है? यहां से दुनित को दुनित को अगला ओवर देंगे क्योंकि एक छोर से बसाना होगा आपको दोनों छोर से दोनों गेंदबाज अपने स्ट्राइक गेंदबाज को लगाना होगा इफ्तिकार का बताओ भाई इफ्तिकार ने भाई एक ओवर किया आठ रन दिए दो विकेट चटकाए थे भाई इफ्तिकार जो है एक ओवर किया रन दिए दो विकेट चटकाए थे इफ्तिकार अहमद ने और यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए नंबर पाँच पे भी लगा हुआ है वैसे नंबर चार पे आते हैं नंबर पांच पे बल्लेबाजी करेंगे अंटर को हर तरह पैसा दिखता भाई बिका दिखा भाई मैच फैलाओ खुशियाँ बढ़ाओ भाई बिल्कुल खुशियाँ बढ़ा रहे हैं टेंशन मत लीजिए एक विकेट की तलाश है बस वो विकेट आ जाए ना फिर देखो गेम कैसे खुलता है कुशल मैंडिस को आने दीजिए कुशल मैंडिस के विकेट आते ही आप झींगा लल हो जाएंगे चलिए आ गए धुनित आ गए गेंदबाजी करने में पहली गेंद इस बार इस बार थोड़ा सा ऑफ की तरफ सफल किया था शुभ शिंगा ने और गेंद को सीधे बल्ले से खेला एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर स्ट्राइक पर आ जाएंगे बल्लेबाज कुशल कुशल जो है बड़ी कुशल बल्लेबाजी कर रहे हैं अगर प्रेशर क्रिएट करना है यहाँ पर तो कुशल मेंडिस का विकेट जरूरी है अभी भी जाफना किंग्स को वापसी करनी है इस मुकाबले की देखते हैं चाचा को बुलाओ भाई भेजो भाई चाचा नहीं है शुभ सिंगा को भेजा भाई नहीं फंसेगा ऐसे स्टेट गले जीते की गाले भाई प्रजापति भाई देखो क्या होता है आपके आप आपके पास सच ना हो यार ऐसा सोच रहा है चलिए अगली गेंद बार कुशल मैंडिस को ऑस्ट्रम के बाहर ये गेंद तो थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी इस बार ज़्यादा ही बाहर चली गई टर्न होने की टर, टर्न होने के बाद ये गेंद वाइड करार दिया अंपायर ने इस गेंद को एक एक्स्ट्रा एक रन जुड़ता हुआ यहाँ पर गाली गलेटर के, के स्कोर में सिक्सटी रन बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर अगली गेंद दिनित के इस ओवर के एक बार फिर से यहाँ पर कुशल मैंडिस को ऑस्ट्रम की तरफ गेंद कट कर दिया गेंद को गेंद गई है पॉइंट की दिशा में फिल्डर मौजूद यहाँ पर एक और डॉट गेंद इस ओवर में दो गेंदे हो गई हैं दो रन आ चुके हैं इस ओवर से इस ओवर को अच्छा करना होगा खासकर कर को दोनित चाहेंगे कि यहाँ से कुशल को आउट किया जाए मगर तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करने के लिए आपको गेंदबाजी जो है सर्टिंग लाइन पर करनी होगी अगली गेंद इस बार बिड़ा स्टंप पर यह गेंद थी पड़ने के बाद उछाल लिया इस गेंद ने और ग्लव्स पर जाकर ये गेंद लगी कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर कुशल मैंडिस को बढ़िया गेंद यहाँ पर दुनित की इस बार लाइन और लेंथ बिल्कुल सही है लाइन और लेंथ अच्छा बिल्कुल सही है पढ़ने के बाद गेंद उछाल ले रही है थोड़ा सा प्रेशर जरूर क्रिएट करने की कोशिश है यहाँ पर तिशारा परेरा की इसलिए फील्ड में थोड़ी तो तब्दीली कर रहे हैं यहाँ पर चलिए अगली गेंद इस बार दुनित के इस ओवर की सामने मौजूद कुशल मैंडिस एक बार फिर से पढ़ने के बाद उछाल लिया गेंद ने और गेंद कही है पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद कोई रन नहीं मिलेगा कोई भी रन नहीं मिलेगा यहाँ पर चलिए यहाँ पर चार गेंदे हो गई हैं इस ओवर की मात्र दो रन आए हैं इस ओवर को फंसाना होगा यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बनाना होगा क्या दुश्मन यहाँ पर कुशल मैंडिस बड़ा शॉट खेलेंगे देखना होगा अगले गेंद इस बार चौथ पांचवी गेंद पर फिर से बैकफुट पे जाकर गेंद को कट कर दिया मगर इस बार गेंद बल्ले के पीछे बीच लगी यहाँ पर गेंद गई सीधा कवर बाउंड्री की तरफ एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर स्कोर पहुँचता हुआ सिक्सटी सेवन रन लॉस ऑफ टू विकेट तीन रन आए इस ओवर से स्ट्राइक पर है यहाँ पर शुभशंगा मूविन शुभशिंगा शुभशंगा यार नफड़ा ज़बरदस्त नाम है इनका शुभसंगा जो है यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं आखिरी गेंद खेलेंगे आ, दुनित की दुनित का दूसरा ओवर है ये एक दस पाँच गेंदें करी हैं आठ रन दिए एक विकेट छटका ज़रूर है ये भी और अच्छा जा रहा है एक आधा विकेट और छटका देंगे तो शायद यहाँ पर जाफनाए के व्यूअर्स जो हैं वो काफ़ी खुश हो जाएंगे और मज़ा आ जाएगा उनको खासकर प्राइवेट भाई आ, यहाँ पर चलते हैं ज़रा अगली गेंद की तरफ सामने मौजूद बल्लेबाज यहाँ पर शुभ शुभसिंगा और यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ा सा पटकी हुई गेंद थी सीधे बल्ले से खेलने गए गेंदबाज ने गेंद को फील्ड कर लिया कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर दस ओवर की समाप्ति के बाद सिक्सटी सेवन रन लॉसौ टू विकेट साठ गेंद में इकत्तर रन चाहिए जीतने के लिए रिक्वायर रेट फिर से सात दशमलव एक शून्य का हो चुका है तो क्या यहाँ से गेम खुलता हुआ नजर आ रहा है गया पर जाफना किंग्स वापसी कर रही है क्या इस मुकाबले में अगर वापसी करना है तो विकेट लेना है किसका लेना है कुशल मैंडिस का टी है कोई टेस्ट बताओ भाई नहीं भाई टी ट्वेंटी है थोड़ा पिच डिफिकल्ट है बल्लेबाजी करने के लिए तो शुरुआत में रन आ गए क्योंकि पावर प्ले थे मगर यहाँ से थोड़ा सा गेम और जो है वो खुलता नजर आ रहा है तो तैयारी कर लीजिएगा आप सब लोग यहाँ पर हो सकता है कि शायद एक आधा विकेट आए या फिर रन आए बाह पाली भाई मैं खुद बहुत लॉस में हूँ आज हो जाता है इसमें कमाऊंगा मैं कमा लेंगे पैर भाई टेंशन मतलब भरोसा रखो तुम्हारे तो भाई भरोसा रखो कुछ ना कुछ तो होगा इस मुकाबले में एग्जिट तो मिलनी चाहिए ऐसे कैसे हार जाएगी यार फेवरेट टीम एक बार में चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ देखते हैं यहाँ पर गेंद को खेल दिया इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में दो रन ले लेंगे यहाँ पर कुशल कुशलमेंटिस गेंदबाजी करने के लिए आए हैं यहाँ पर विजयकांत नहीं जी विजयकांत कांत बुलाया जी यहाँ विजय कांत की गेंदबाजी कर रहे हैं स्कोर हो चुका है सिक्सटी नाइन रन लॉस ऑफ टू विकेट दस दशमलव एक गेंद हो चुकी है यहाँ पर स्ट्राइक पे है कौशल मैंडिस कुशल मैंडिस यहाँ पर एक छोर से अपनी विकेट बचाकर और अब तेजी से रन बटोर रहे हैं एक बार फिर से विजयकांत की ये गेंद ऑस्ट्रन के बाहर ये गेंद थी कट कर दिया शॉट में दिशा में गेंद गई है अल्डायरेक्ट हिट का लगी है यहाँ पर डायरेक्ट हिट लगी है क्या रनआउट होने का चांस रहेगा शुभशिंगा का देखना होगा एक रम दौड़ने के लिए कहा जरूर कुशल मैंडिस ने और शुभसिंगा जो है वो दौड़े भी जरूर यहाँ पर और देखना होगा रनआउट चेक करने बार थर्ड अंपायर की तरफ गए जरूर है डायरेक्ट है लगा जरूर है क्या यहाँ पर रन आउट होंगे देखना होगा क्योंकि कीपर तो कह रहे कि मैं देख नहीं पा हाँ विकेट मिल गया लीजिए एक और विकेट मिलता हुआ यहाँ पर काले ग्लीटर का एक और विकेट मिलता हुआ डायरेक्ट थ्रो बिल्कुल शॉर्ट थर्न में जिसमें रन नहीं था वो रन दौड़ा जरूर कुशल मैंडिस ने ख़राब कप्तानी यहाँ पर कुशल मैंडिस की जब जानते थे कि रन नहीं है क्यों दौड़ा है यहाँ पर और शुभसिंगा को और शुभशिंगा हो गए रन आउट यहाँ पर एक और झटका लगता हुआ स्कोर हो चुका है सिक्सटी सिक्सटी नाइन रन लॉस ऑफ थ्री विकेट जी हाँ और यहाँ पर शुभशिंगा है कि कुशल मैंडिस है देखना होगा यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है यहाँ पर अगर कुशल मैंडी है तो भैया जी नहीं शुभ शिंगा शुभ शिंगा आउट हो गए मोविन शुभ शिंगा आउट हो चुके हैं तीन गेंद में दो रन बनाकर रन आउट किया यहाँ पर तीसरा ती सेना ने तीसारा पर्यटन ने आउट किया डायरेटिट था यहाँ पर एक और झटका और प्राइवेट भाई यहाँ पर खुश प्राइवेट्रीज में प्राइवेट भाई रुको जरा सबर करो यहाँ पर इफ्तिकार अहमद चाचा आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए गेम धीरे धीरे खुल रहा है यहाँ पर जो है गेम जो है वो खुल रहा है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो है अब जाफना किंग्स के लिए मैं कुशल मैंडस विकेट भाई रुक, रु, रुक जाओ सबर करो सबर करो रुक जाओ सबको दिलाएंगे विकेट आपने घबराना नहीं है बारह और बयासी भी चार आउट होंगे भाई बयासी ज़्यादा बोल दिया यार कम बनाओ हो बहत्तर बहत्तर बोलो साठ सत्तर में ही सत्तर बहत्तर में ही चार पाँच विकेट आ जाए चलो चलिए यहाँ पर विकेट आता हुआ है और काफ़ी खुशी दिख रही है हमारे व्यूअर्स में लाइक का बटन बिल्कुल तोड़ दिया है सबने मिलकर लाइक करते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए इंजॉय करते रहिए इफ्तिकार अहमद इफ्तिकार कुशल मैंडिस ये दो बल्लेबाज बहुत है हमें ध्यान रखिएगा इन दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया जाफनाए ने तो समझ लीजिए गेम उनके हाथ में है मगर इनको आउट करना आसान नहीं होगा जाफना किंग्स के लिए क्या इफ्तिकार अहमद को जल्द से जल्द से ही मिश्र जी ऐसे ही आउट करो प्राइड भाई रुक जाओ भी जल अगली गेंद इफ्तार अहमद को सीधे बल्ले से खेला जरूर है गेंद गई है मिड विकेट फील्डर के पास यहाँ पर इफ्कार अहमद टी टेन में भी कुछ प्रदर्शन कुछ अच्छे थे कुछ ख़राब थे तो क्या यहाँ पर भी वो ख़राब प्रदर्शन बरकर रहेगा देखना होगा अगले गेंद इफ्तिकार अहमद को शॉर्ट पिच गेंद पर पटकी हुई गेंद थी थप्पड़ से लगाया था यहाँ पर और गेंद गई है पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद एक रन मिल जाएगा यहाँ पर क्या जे एम फुलर को एक और, और दे सकते हैं यहाँ पर क्या जे एम सुलर गेंदबाजी कर सकते हैं क्योंकि तेज़ गेंदबाज हैं और यहाँ पर रन बना विकेट ले सकते हैं सिंगल आया इस गेंद पर सत्तर रन बन चुके हैं तीन विकेट नुकसान पर दस दशमलव चार गेंदे हो चुकी हैं क्या यहाँ से एक बार जो है अपने तेज़ गेंदबाज को मौका दे सकते हैं शायद हो सकता है कि एका। एक यहाँ प्रेशर में विकेट मिल जाए चलिए चले पर सामने है मेंडिस। आ, सामने है कुशल सामने विजयकांत एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया गेंद को गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ एक रन तो मिल जाएगा दूसरा रन भी ले लेंगे यहां पर इस दूसरे रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ बहत्तर रन तीन विकेट नुकसान पर दस दशमलव पांच गेंदे हो चुकी हैं विक्टो की तलाश में विजय कांत विक्टो की तलाश में विजय कांत का ये तीसरा ओवर है अठारह रन दिए एक विकेट छटकाया जरूर है इस ओवर में भी इससे पहले वाले ओवर में रनआउट आउट हुआ था यहाँ पर अब देखना होगा क्या होता है इस मुकाबले में लाइक करिएगा आप सब लोग लाइक करिएगा आप सब लोग सब्सक्राइब कर दिए चैनल को चलिए अगली गेंद बार मिडल गेंद स्टंप आउट कर दिया देखना होगा एक बार चेक करना होगा क्या है यहां पर स्टंप होगा कि नहीं फुलंद की गेंद थी और की तरफ ये गेंद थी और कुशल मैंडिस पर स्टंपिंग चेक की जा रही है देखना होगा बड़ा खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि गेंद पकड़ने के बाद बाद थोड़ा सा रुके थे उसके बाद स्टंप पे लगाया यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी विजय कांत की पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली और स्टम्प आउट हो गए कुशल मैंडिस स्कोर हो चुका है बहत्तर रन तीन विकेट नुकसान पर आखिरी गेंद है यह आखिरी गेंद है ग्यारहवें ओवर की थोड़ा प्रेशर जरूर बनाया विजय कांत ने अभी भी चौवन गेंदों में सिक्सटी रन चाहिए जीतने के लिए नो बॉल तो नहीं है अब देखना होगा क्या स्टंपिंग सही समय पे कर पाए क्योंकि गेंद पकड़ने में थोड़ा तो रुके थे विकेट कीपर उसके बाद स्टंप पे लगाया है खुशी तो थी उनके चेहरे पे मगर आप देखना हो कुशल मैंडिस क्रीज से पाँव बाहर निकला है कि नहीं क्योंकि पैर उठा ही नहीं है ऐसा लग रहा है कि पैर उठा ही नहीं है कुशल मैंडिस का मगर आप देखना होगा उछाल मिला था इस गेंद पर अगर गेंद थोड़ी सी नीचे होती शायद बोल्ड भी हो जाते है यहाँ पर कुशल मैंडिस गेंद पड़ने के बाद टर्न हुई है बाउंस हुई है यहाँ पर आउट साइड तो नहीं लगा है स्निकोमीटर ने कोई भी आवाज जरूर कैप्चर नहीं करी है यहाँ पर थोड़ा सा गेम खुलता हुआ नजर आ रहा है क्या विकेट मिल जाएगा जी नहीं ऐसा लग रहा है कि स्टंपिंग का चांस जी पैर तो बाहर गया था मगर बिल्कुल लाइन के बिल्कुल जस्ट आगे ये पैर था हाथ लगेगा क्या जी हाँ देखना होगा एक बार फिर से जी नहीं जी नहीं यहाँ पर पैर जो है ऐसा लग रहा है कि अंदर था क्रिस के अंदर जी हाँ पैर को वापस जो है क्रिस के अंदर ले आए थे कुशल मैंडिस और स्कोर अभी भी यहाँ पर बहत्तर रन तीन विकेट नुकसान पर ग्यारह ओवर समाप्त हो चुके हैं चौवन के अंदर सिक्सटी सिक्स रन चाहिए अब जो अगले दो ओवर है बहुत महत्वपूर्ण है जापनाई किंग्स के लिए क्योंकि यहाँ से आप दो ओवर में चाहेंगे कि प्रेशर बिल्ड किया जाए क्योंकि रिक्वयर रन रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है सात दशमलव तीन तीन का हो चुका है और बड़े शॉट लगाना इस पिच के ऊपर आसान नहीं होगा बल्लेबाजों के लिए हमने पहली पारी में देखा है दूसरी पारी में भी आप देखेंगे तो कोई बड़ा शॉट खेलते नजर नहीं है कि आगे बढ़कर स्टेप आउट करके बड़ा शॉट खेला हो क्रॉस मेडिड कोई शॉट खेला हो हमेशा बल्लेबाज जो है वो सिंगल डबल या फिर कट लगा रहे हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा समझ के बल्लेबाजी करने होगी इफ्तिकाल अहमद स्ट्राइक पर क्या अब दुनित को एक और ओवर मिलेगा क्या दुनित गेंदबाजी करेंगे थोड़ा सा गेम जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर थोड़ा सा अब जाफराएं के लिए मगर यहाँ पर अभी मैं कहूँगा कि कुशल मैंडिस का विकेट जो है बहुत है मैं कौन चटकाएगा कुशल मैं <laughs> <laughs>

का मिलता हुआ इस गेंद पर इफ्तार अहमद को स्कोर पहुंचता हुआ छिहत्तर रन तीन विकेट नुकसान पर ग्यारह दशल दो गेंदों के बाद दुलित जो है वो गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक अच्छी गेंदबाजी की थी इस बार फिर तो गेंद को अंदर लाने की कोशिश मगर इस बार भाप लिया और कट कर दिया गेंद को थोड़ा सा गेंद को थोड़ा सा, को थोड़ा सा और आगे रख सकते हैं शायद गेंद को टर्न करने का मौका दे सकते हैं देखना होगा इफ्तिकार अहमद चार गेंदों में पांच रन बनाकर खेल रहे हैं बावन गेंदों में चाहिए बासठ रन जीतने के लिए क्या वापसी हो पाएगी क्या वापसी हो पाएगी यहाँ पर देखना होगा दुलित की इस ओवर के अभी तक दो गेंदें हुई हैं चार रन इस ओवर से थोड़ा सा महत्वपूर्ण ये ओवर है यहाँ पर थोड़ा सा तेज़ गेंदबाजों को मदद करने वाली मदद मदद करती है ये पिच थोड़ा सा ला सकता था तेज़ थे थे गेंदबाज़ को अगली गेंद इस बार फिर से तीसरी गेंद इस बार इफ्तिकार अहमद को ऑस्टम पे गेंद सीधे बल्ले से सिर्फ ढकेल दिया गेंद को कवर फ़िल्टर के पास फिल्टर मौजूद कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर जुड़ रही है लाइक करिए कैसे होती अगर भाई बढ़िया हूँ यासि भाई आप बताइए कैसे हैं यहाँ पर श्रीलंका लेगा ये अच्छा हमारा गली क्रिकेट है भाई बिल्कुल सही बात रहे हैं आप नहीं सही चल रहा है गेम भाई डिफिकल्ट नहीं है अगली गेंद बार फुलंद की गेंद थी बड़ा शॉट लगाने गए यहाँ पर और गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर सिंगल के सारे गाड़ी आगे बढ़ती हुई चार गेंदे हो गई हैं इस ओवर की पाँच रन बने हुए हैं साठ गेंद पचास गेंदों में इकसठ रन चाहिए जीतने के लिए सात दशमलव तीन दो का रिक्वायर हंड रेड है कौशल मैंडेस चौंतीस गेंदों में तैंतालीस रन बनाकर खेल रहे हैं अगली गेंद दुनित की यहाँ पर सामने है कौशल मैंडेस क्या बड़ा शॉट लगाएंगे इस गेंद पर देखना होगा पांचवीं गेंद दुनित की यहाँ पर दुनित ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी करी है दो दशमलव चार गेंदे करी हैं तेरह रन दिए हैं थोड़ा सा यहाँ पर रुके जरूर हैं, थोड़ा सा प्रेशर अगर बिल्ड करना है तो आपको निकालना होगा निकालना होगा यहां पर खासकर कुशल मैंडिस को कुशल तरीके से बाहर ले जाना होगा यहां पर देखते हैं अब क्या होता है दुनिया के ओवर की अगली गेंद सामने कुशल मैंडीज एक बार फिर से ऑफ स्टंप की तरफ गेंद थी इसको खेल दिया आ, स्लिप की दिशा से यहां पर मगर शॉर्ट थर्ड थर्टमेंट के फील्डर ने हाथ से गेंद को पकड़ लगाया जरूर महेश टिकासीना ने और यहां पर एक रन नहीं दो रन बटोर डोड़ लिए जी स्कोर पहुंचता हुआ सेवनटी नाइन रन सेवनटी नाइन रन लॉस ऑफ थ्री विकेट ग्यारह दशमलव पांच गेंदें हो चुकी हैं ले आइए ले आइए महेश टीकासेना को शायद जरूरत है महेश टीकासेना की क्योंकि एक दो ओवर आपको चाहिए अब प्रेशर बिल्डिंग के लिए तो महेश टीकासेना या फिर जेम्स लोलर जैसे गेंदबाज को आपको वापसी लाना होगा एक, एक ओवर जो है वो और करवाना होगा स्पिनर गेंदबाज दबाव बना रहे हैं मगर अनएक्सपीरियंस गेंदबाज है खासकर दुनित प्रेशर सिचुएशन है यहाँ पर गेंदबाजी तो अच्छी कर रहे हैं चलिए अगले गेंद पास इफ्तार अहमद है स्ट्राइक पर लेक्स्टम पे गेंद थी खेल दिया उसको फाइनल की दिशा में गेंद फिल्टर दौड़ रहे गेंद के पीछे एक रन और अच्छा पिछली गेंद पर भी एक रन मिलता है इफ्तिकार इस गेंद पर भी एक रन ले लिया है तो इस ओवर में आए तो टोटल टो सात रन बारह ओवर समाप्त हो चुके हैं सेवेंटी नाइन रन बन चुके हैं तीन विकेट नुकसान पर अड़तालीस गेंद उनसठ रन चाहिए जीतने के लिए सात दशमलव तीन आठ का रिक्वायर रन रेट है और गाले के लिए कोशिश करेगी कि इफ्तिकार और कुशल दोनों जो है वो आखिर तक बल्लेबाजी करें और जाफनाए चाहेगी कि इफ्तिकार और कुशाल को आउट किया जाए उसके बाद फिर इमाद वसीम बचते हैं बल्लेबाजी करने के लिए और यहाँ पर मेन बल्लेबाज तो क्या यहाँ से क्या यहाँ से कुछ कमाल करके दिखा सकते हैं पर यहाँ पर जो है वो गेंदबाज़ जाफराई किंग्स के क्योंकि मुकाबला अभी तो उनके हाथ में नहीं है ध्यान रखिएगा हाथ में भी तो गाले लेटर के हैं मगर यहाँ पर अगर विकेट छटकाएंगे तभी काम होगा इफ्तिकार अहमद है स्ट्राइक पर देखना होगा क्या महेश टिका सेना को लेकर आएंगे अगला मैच जिस जिसका भाई बता देंगे भाई अगला मैच बता देंगे मैनिक भाई पहले तो निपटाने दीजिए जल्दी बहुत है भोपाल भाई जुड़े हैं हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं भाई आज टेंशन में लग रहे हैं सब लोग सब लोग प्रेशर सिचुएशन में है बिल्कुल प्रेशर जो है वो झेल रहे हैं अब देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में मैंडिस का विकेट ले लो भाई मैं कैसे ले लूँ भाई अरेन भाई आपको लेना है आप लीजिएगा मैं कैसे ले लूँ भाई कुशल मैंडिस आउट हो जा भाई टिका हुआ भाई टिके हुए हैं कुशल मैंडिस एक छोर से लग रहा है आज शोएब मलिक से ट्रेनिंग लेके आए मगर शोएब मलिक का अगर इसी तरीके से शोय मलिक भी खेल तो शायद बेटर रहता चलिए अगली गेंद लक्ष्मण विजय ऑस्टम की तरफ गेंद थी कट करने गए कैच आउट हो गए गए लीजिए एक और विकेट मिलता हुआ अहमद आउट आउट हो गए, चचा आउट हो चुके हैं यहां पर मुकाबला खुल चुका है अब ये मुकाबला खुल चुका है 79 रन लॉस ऑफ फोर विकेटर का स्कोर है इफ्तिकार अहमद आठ गेंदों में सात रन बनाकर जाते हुए विजयकांत की ऑस्टम की तरफ गेंद थी कट करने गए और सीधा पॉइंट फील्डर ने पकड़ा है कैच और जी हाँ तीसरा फील्डर ऐसी कैच है तो वो हमेशा

मिश्रा जी पचास परसेंट लॉस निकाल लिया भाई बिल्कुल निकाल लिया भाई सबसे पहले जाकर लॉस निकाल के आइए पचास परसेंट भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिफ्टी परसेंट लॉस जीरो कर लीजिए फिफ्टी परसेंट लॉस कवर कर, कर लीजिए मुझसे कहा था नीचे खा लो ऊपर वाले पे लॉस ही कवर करेंगे हम चलिए सात सौ छह सौ तिरन लाइक हो चुके हैं सात भाई और लाइक कर दीजिएगा एंट्री गलत नहीं दिए अब एग्जिट की बारी आज एग्जिट एग्जिट की बारी आई नहीं है अब लेके आएंगे क्योंकि यहां पर कुशल मैंडिस आए कुशल मैंडिस गए और फिर गाले भी चली जाएगी यहाँ से चलिए यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी आज दो युवा चेहरा चेहरों की विजय कांत और आ, दुनित की जिन्होंने गेम को बनाया है अपनी टीम के लिए मगर यहां पर महेश टीकासेना का एक ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा वो ध्यान रखिएगा महेश सेना का एक और अभी बाकी है शुरुआत में तीन ओवर किए थे क्या यहाँ से महेश सेना को ला सकता है क्योंकि इमामसीम जो है वो बात के बल्लेबाज हैं उनके लिए ऐसे टीका ऑस्टल गेंदबाज रहेंगे तो शायद हो सकता है वहां बात करते हुए बात कर रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है बल्लेबाज कुशल मैंडिस इफ्तकार मतलब शॉट बड़ा अच्छा था के बाहर ही गेंद थी कट करने गए और ज्यादा उछाल मिला नहीं उस गेंद पर और सीधा जो है इतारा परेरा अच्छी हाइट भी है और कैच आउट कैच आउट हो गए यहाँ पर स्कोर अगर बात की जाए स्कोर हो चुका है सेवेंटी नाइन रन इमाद वसीम आ चुके हैं बात कर रहे हैं कुशल मैंडिस से कुशल मैंडिस की कुशल पारी रही है कुशल मैंडिस ने अच्छी बल्लेबाजी करी बकरी अच्छी बल्लेबाजी करी है यहाँ पर अब देखना होगा यहाँ से गेम किस तरीके से आगे बढ़ता है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सामने है बल्लेबाज यहाँ पर इमाद वसीम एक बार फिर से ऑस्टम पे तरफ गेंद थी सीधे बल्ले से खेला जरूर मेंियालीसठ रन चाहिए जीतने के लिए, रेट धीरे धीरे आठ की तरफ बढ़ता हुआ नजर रखिएगा जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी तरफ एक बार फिर से थोड़ा तो सा शॉर्ट पिच गेंद हाँ पर विजय कांत की स्क्वायर लग की दिशा में एक रन तो मिल जाएगा या दूसरा रन भी लेंगे विजय कांत देखना होगा यहाँ वसीम यहाँ पर स्ट्राइक पे हैं कुशल मेंडेस पैंतीस गेंदे चौबीस रन बनाए हैं पाँच चौके लगाए हैं छक्का अभी तक लगाया नहीं है विजय कांत का स्पेल काफ़ी अच्छा रहा है उनका स्पेल का ये आखिरी ओवर है तीन गेंदे बची हैं इस ओवर की अगर इस ओवर में कुशल कुशल को जो है कुशल पारी की तरह आउट कर देंगे तो शायद बैटर रहेगा चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में आखिरी तीन गेंदे बची हैं उनके स्पेल की यहाँ पर चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ सामने मौजूद बल्लेबाज कुशल एंडिज विजयकांत के ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लो फुल टॉस ये गेंद थी इसको हल्के तो खेल दिया मिड विकेट दिशा में एक रन तो मिल जाएगा और दूसरा रन भी लेने की कोशिश रहेगी कि नहीं देखना होगा जी नहीं नहीं लेंगे जी एक ही रन लेंगे इस ओवर की गेंद पर तो चवालीस गेंदें सत्तावन रन चाहिए जीतने के लिए सात दशमलव सात सात का रिक्वार रन रेट है ये दो गेंदें ये दो गेंदें बड़ी अहम रहेंगी यहाँ पर विजयकांत के अगर डॉट कराते हैं इन दो गेंदों को तो काफ़ी बेटर सिचुएशन रहेगी यहाँ पर चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ देखते हैं किस तरीके खेला हो बे। खेला हो बे। देखते हैं जरा अगली अगली गेंद पर अगली गेंद बाद वसीम कोई बार ऑस्ट्रन की तरफ गेंद थी कट कर दिया पॉइंट की दिशा में गई है गेंद कोई मौका नहीं रन बनाने का स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर यहां पर हो चुका है जी स्कोर हो चुका है यहां पर इक्यासी रन चार विकेट नुकसान पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम को लाइक करिएगा जी लॉस निकल लिया। बिल्कुल सही बात करें प्रवट भाई आधा कर लिया आधा कर लिया नीचे की एंट्री काम कर जाती है अगली गेंद इस बार सामने मौजूद है बल्लेबाज यहां पर इमाद वसीम देखते हैं क्या होता है चलिए यहां पर देखो मैं अपनी टीम के साथ था फिर टीम के खिलाफ भी हो गया बताओ कैसे <laughs> यार वही से कहते लॉस कट कर, बुक करो ट्रेडिंग करो एंजॉय करो जिंदगी को क्यों पढ़ क्यों पढ़े हो टीमों के चक्कर में खेलो और जीते मार चार बार यार भाई ये क्या कर रहा है फिलहाल भाई इतना बढ़िया मैच चला गया पर आप अभी भी टीम के साथ बैठे रहोगे जिंदगी बर्बाद है भाई गाल एक लेटर को जिता दो नहीं तो मेरे दो भाई क्यों क्यों लॉस कट बुक सेट क्यों नहीं करते इसलिए कहू डी समझ जाके खेलो यार जितना मर्जी खेलो लॉस कट बुक सेट करो ट्रेड करो यार ट्रेड करना नहीं सीखो तो कुछ हम नहीं बन पाएगा आप सबका यार हमने ट्रेड करना सीख लिया है भाई <laughs> चलिए अगले गेंद विजयकांत के ऑस्टम की तरफ गेंद थी सीधे बल्ले से खेला जरूर फील्ड कर लिया इस गेंद को धीरे धीरे प्रेशर बिल्डिंग चल रही है भाई धीरे धीरे प्रेशर बन रहा है क्या होगा इस मैच का सूरत अल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम कॉल लाइक कर दीजिएगा यहाँ पर आज विजय कांत और बल्लेबाज विजय कांत ने आज गेम को काफ़ी अच्छे तरीके से खिलाया है अपनी टीम को गेम से निकाला है क्या यहाँ पर अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे देखने वाली बात यहीं पर यही होगी जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ आ, भाई राजू भाई अलग विन होगा भाई तीन भाई क्या करूँ मैं मैं क्या कर सकता तो हूँ जीत जीता नहीं जीते जीता एडमिन भाई आपका लॉस कट हो गया क्या भाई बिल्कुल डिजिटल भाई लॉस कट तो हो गया बस बुक सेट के इंतज़ार रहने नीचे छोटी एंट्री ले लेते भाई मैंने मुझे पसंद थी ना फेवरेट मैंने क्या करता हूँ कि फेवरेट टीम ऐसे आसानी से नहीं आ रती भाई आसानी से नहीं आ रहेगी कहीं ना कहीं, कहीं कम जरूर करेगी अभी भी कम हो सकता है अगर एक आधा विकेट मिल जाए अगर कुशल मैंडिस का देखना होगा क्या करेंगे पर मगर मेरे हिसाब से अब महेश सेना का टाइम हो चुका है महेश सेना का जो एक और बचा है उसको तर्कश में जो तीर बचा हुआ है उसको निकाल दीजिएगा और मगर यहाँ पर जो है धनंजय डिसवा वाह धनंजय डिसिल्वा को बुलाया गया है धनंजय डिसिल्वा गेंद करने आए हैं काफी लोग जो है नाकोश मिश्रा जी बैंक से लोन लिया था अगली गेंद पर पटकी भी गेंद थी थोड़ा सा उसको खेल दिया मिडविकेट दिशा में डीप मिड विकेट दिशा में सॉरी एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर बयासी रन बन चुके हैं चार विकेट नुकसान पर लगा था टू पॉइंट थ्री का और गाले प्लीज जिता दो यार भाई ऐसा नहीं होता बताते भाई लॉस कैश आउट करो नीचे एंट्री पे एग्जिट करो अब वेट करोगे पूरा मिल जाए पूरा जिंदगी में कुछ नहीं मिलता भाई आधे दूर सपने से आदमी जो है बड़ा आदमी बन जाता तो आधा दूर करिए पूरा मत करिए यार अमिताभ जी पटोसी के घर बेच कर चलिए तो अलग इस स्वैग में है चलिए गेम खुला है मज़ा आ रहा है अब मज़ा आ रहा है गेम में अब देखो क्या होता है चलिए अगली गेम इस बार सामने मौजूद है बल्लेबाज यहाँ पर जो है आ, इमाद वसीम लक्ष पे गेंद थी कलाई को सारे खेल दिया इसको लेग की दिशा में एक रन मिल जाएगा यहाँ पर गाले के फैंस को अब थोड़ी सी टेंशन होती नजर आ रही है इसका फायदा जो है हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को तो सोटान में लाइक है यार एक जगह वहाँ पर दो भाई और लाइक करिएगा आई नीड इंजॉय भाई इन्जॉय तो करेंगे यार बड़ा इंजॉय नहीं हुआ मजा नहीं आया मैच में देखिएगा आप भाई मैंने तो एक पट्टी लगा भाई बिल्कुल सही कहता सेट कर लीजिए क्या दिक्कत है कुछ ज़्यादा महल खड़ा करना है एक दिन में महल ना होगा क्या इंजॉय करो यहाँ पर सब लोग इंजॉय करो मिश्रा जी पड़ोसी की भाई क्या कर रहे हैं चलिए अगली गेंद कुशल मैंडिस को सीधे बल्ले से खेला जरूर है गेंद गई है सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक रन मिल जाए ये सिंगल सिंगल जो है प्रेशर बिल्ड करेगा जो गाले ग्रीटर के लिए बाउंड्री चाहिए अब गाले ग्रेडर को चाहिए बाउंड्री क्योंकि यहाँ से रिक्वायर पर नजर रखिएगा आप सब लोग बढ़ रहा है बढ़ रहा है आठ दशमलव तीन एक का हो चुका है जहाँ रिक्वायरमेंट रेट साढ़े छः का पहुंच गया था वो साढ़े आठ तक पहुंचने वाला है चलिए यहाँ पर सामने है इमाद वसीम गेंदबाजी कर रहे हैं धनंजय डिसलवा एक और स्पिनर गेंदबाज है एक स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं ऑस्पिनर गेंदबाज है क्या महेश सेना को भी एक ओवर देकर प्रेशर बिल्ड करवाया जा सकता है देखना होगा यहाँ पर इमाद वसीम तैयार हैं अगली गेंद खेलने के लिए सामने मौजूद हैं इमाद वसीम गेंदबाज़ी कर रहे हैं यहाँ पर धनंजय डिसिल्वा ऑस्टम ने गेंदबाज़ एक बार फिर से ऑस्ट्रोन की तरफ गेंद सीधे बल्ले से खेला जरूर फील्ड कर लिया गेंद को फील्ड कर लिया इस गेंद को इमाद वसीम ने कोई रन नहीं मिलेगा धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पर जो है गाले लीटर के ऊपर सैंतीस गेंदें बची हैं एक सिंगल और आता हुआ हिमाद वसीम के बल्ले से सैंतीस रन सैंतीस गेंदें बची हैं और रन चाहिए तिरपन रिक्वायर रन रेट आठ दशमलव पाँच नौ का हो चुका है जो रिक्वायर रन रेट एक टाइम लग रहा था गाले लीटर जो है सीधा मैच जीत जाएगी कौन भाई थे वो कह रहे थे सीधा मैच जीत जाएगी तो मैंने कहा था शुरू में इनको कि सीधा कोई मैच होता नहीं है क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है इंजॉय करिएगा इंजॉय करिएगा इस मुकाबले को धीरे धीरे गाड़ी को आगे लेके जा रही है गाले लीटर टीम मगर गाले की टीम की कहते हैं ना कि एक ही

वो स्किल की बात है ना यार धीरंजय से बढ़िया टीका, टीका सेना को लगाई है टिका सेना की गेंद जिस तरह टिका सेना की गेंद सही फंस रही है भाई फुलर को मैं इसलिए कह रहा था कि फुलर जो है वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे तो इमाद वसीम से वो फंस सकते हैं क्योंकि टॉप एज लगता है वो माउंसर फंसते हैं भाई इमाद वसीम माउंसर फंसते हैं भाई स्प्रे पर तो घुमा देंगे बल्ला ये ये स्पेस पेसर तो थोड़ा फंसते हैं इमाद वसीम आ, इमाद आउट होगा जे के जीत गया जीता नहीं भाई रिकॉर्ड लूट भाई अभी जीता नहीं है क्रिकेट है निश्चितता खेल है जीता नहीं है अभी जीता नहीं है चीता नहीं है अभी रुक जाओ सबर करो एंजॉय करो मुकाबले को गेम को देखते रहो खेलते रहो जुड़े रहो हमारे साथ लाइव हिंदी मिश्रा जी आप तो समझ आ गया कि कभी भी चालीस हज़ार में मत गाँ हमेशा तीस पर पैंतीस हाँ बिल्कुल प्राइवेट भाई बिल्कुल सही लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिखा तुमने जिंदगी का एक असूल एक गोल्डन रूल जो है सीख लिया आपने इसलिए मैं तुम्हें, तुम्हें कहता हूँ प्रायड भाई वेट करो और झूठ नहीं बोलते कभी भी झूठ नहीं कहते मैंने क्या कहता है मजा तो आएगा फेवरेट टीम ऐसे नहीं आने देखी अब चाहे वैसे हार भी जाए जाफनाए मगर ऐसे हार जैसे जितनी नहीं देती किसी टीम को चलिए यहाँ चलते हैं जरा काफ़ी लोग हमें व्यूअर्स जो है मैसेज कर रहे हैं रन रेट वेरी हाई बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप वसंत हसन सुमित भाई बिल्कुल रन रेट बढ़ गया है साढ़े छह से सीधा नौ के करीब पहुंच रहा है धनजर डिस ने भी पांच रन दिए अपने ओवर से चौदह समाप्त हो चुके हैं छियासी रन बन चुके हैं चार विकेट नुकसान पर स्ट्राइक पर होंगे कुशल मैंडिस दो रन दूर है अपने अर्धशतक से गेंदबाजी करने के लिए किसे बुलाया गई किसे बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए जरा देखें जरा स्क्रीन पे अपनी किसे बुलाया गया है मिजरा जी यहाँ पर अब फुलर देखिए जेम्स फुलर को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए क्या दिमाग है भाई आजकल दिमाग बड़ा लगा रहे हैं तिशारा फर तेसारा सारा परेरा करेंगे यहाँ पर कप्तानी के कहते सारा परहेरा खुद भी कवर कर सकते खुद तो ना करें यार बिल्कुल जैसे चलिए चलिए जेम्स चलिए की अब ओवर की पहली गेंद सामने मौजूद है डिसिल्वा शॉर्ट पिच गेंद पोल कर दिया गेंद को गेंद हवा में है यहाँ पर जस्ट आगे गिर जाएगी जस्ट आगे ये गिर जाएगी फील्डर के और एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर जो है अब कुशल मैंडिस को स्ट्राइक पे आ जाएंगे यहाँ पर हिमाद वसीम स्कोर हो चुका है सतासी रन चार विकेट नुकसान पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है थोड़ा सा दबाव बना हुआ है यहाँ पर अगर बात की जाए गाली ग्लेडिएटर के ऊपर 35 गेंदों में इक्यावन रन चाहिए जीतने के लिए आपको इस ओवर में थोड़ा सा थोड़ा सा आक्रामक रवैया जो है अपनाना पड़ेगा खासकर इमाद वसीम और कुशल मैंडिस को क्योंकि रिक्वायरमेंटेड अगर दस के पार चला गया थोड़ा आसान नहीं होगा इस पिच पर रन बनाने के लिए जेंस वोलर गेंदबाजी करना है जीन्सर के ओवर की अगली गेंद सामने मौजूद इमाद वसीम बाड़िया गेंद थी बाड़िया ये गेंद थी कोई मौका नहीं रन बनाने का बेहतरीन ये गेंदबाजी पढ़ने के बाद गेंद ने उछाल लिया और उसको गेंद को डिफेंस कर लिया इमाद वसीम ने अब आएगा मजा कैप्टन हो कौन है कितने मैच का है भाई अरे खेल देखते रहिए मिश्रा जी मैंने तो अड़तालीस में खाया था कोई बात नहीं मैं नौ में भी खाई थी अपनी भाई आग

मना कर दिया दो लगातार डॉट गेंदे इसीलिए मैंने कहा था जेम्स फुलर को बुलाइए डॉट गेंदे जो है वो अच्छी निकालते हैं जेम्स फुलर यहाँ पर दो लगातार डॉट गेंदे आ चुकी हैं तैंतीस गेंदे में चाहिए इक्यावन रन बड़े शॉट की दरकार है बड़े शॉट की दरकार है अब अब देखना होगा किस गेंदबाज के सामने बड़ा शॉट लगाते हैं यहां पर जेम्स फुलर अगर अगला ओवर महेश तिकासीना को दे दिया तो शायद वहां पर एक या दो विकेट और आते हुए नजर आ जाएगी यहाँ पर जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ चलिए अगले गेंद निमाद वसीम को तीस चौथी गेंद इस ओवर के एक बार फिर से फुलन की गेंद बल्ला घुमाया जरूर गेंद है सीधा मिड विकेट फिल्डर कवर फिल्डर के पास यहां पर एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर इमाद वसीम को तो चार गेंदों में सिर्फ दो रन आए हैं ध्यान रखिएगा चार गेंदों में सिर्फ आए हैं दो रन दबाव पूरी तरीके से गाले के लीटर के ऊपर है क्या खेला हो भाई मैंने पहला मैच आप सबको शुरू में कहा था कि पहला मैच इनका जैकपॉट मैच होता है भाई ध्यान रखिएगा पहला मैच बोला था मैंने आपको जैकपॉट मैच होता है आप देखते हैं क्या जैकपॉट हो पाएगा दबाव में है गाले की टीम गाले की टीम दबाव में है यहाँ पर अट्ठासी रन बन चुके हैं चार विकेट नुकसान पर कुशल मैंडिस अपने एक रन दूर है अपने अर्धशतक से क्या यहाँ पर मुकाबले में टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिल जाएगा कुशल मैंडिस पे निगाहें सबकी सबकी की निगाहें कुशल मैंडिस पे यहाँ से अगर आखिरी ओवर तक ठीक रहे कुशल मैंडिस के तो साथ गेम बन सकता है इस ओवर की चार गेंदें हुई हैं बत्तीस गेंदों में पचास रन चाहिए जीतने के लिए रिक्वायर रन रेट दिर धीरे धीरे दस के करीब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से एक बार तो जो ख़राब बल्लेबाजी मैंने कहा था शुरू में कहा था मिडल ऑर्डर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो मिड ऑर्डर जो है वो टेस्ट भी हो गया देख लीजिएगा चलिए चलते हैं ज़रा अगली गेंद की तरफ जेंज फॉलर कर रहे हैं गेंदबाज इस ओवर की पाँचवीं गेंद यहाँ पर कुशल मैंडिस को थोड़ा सा पटकी भी गेंद थी हल्का तो खेला इसको एक रन के लिए एक रन दौड़ लेंगे और पचास रन पूरे कर लेंगे लीजिए कुशल मैंडिस ने कर लिए कुशल बल्लेबाजी पचास रन कर लिए पूरे एटी नाइन रन लॉस ऑफ फोर विकेट गाले ग्लेडिटर का स्कोर है इकतीस गेंदों में चाहिए उनचास रन जीतने के लिए और रिक्वायर रन पर नजर रखिएगा आप सब लोग नौ दशमलव चार आठ का रिक्वायर रन रेट हो चुका है और क्या बल्लेबाजी करिए क्या बल्लेबाजी करिए कुशल मैंडिस ने बेस्ट बेस्टिंग डेटेस्ट बैटिंग चल रहा है भाई एम एस धोनी भाई अब बस क्या बोले यार ऐसे चलने दीजिए जो चल रहा है चलने दीजिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को और जिताओगे तो जीत जो अजीत जी, जी, जी भाई जल्दी जल्दी चलते जरा मुकाबला जीतेगा तो जीतेगा जी कह जीतेगा उनका जीतना तो जीत लिए भाई ये आ, यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं थैंक यू फॉर सपोर्टिंग है इस तरह से सपोर्ट करिए डल्टिन सेवन आपको ज्वाइन कर लीजिएगा यार डल्टिन सेवन आपको ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है लेचर में पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिए मिनिमम बैटर दस रुपये है मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ सौ रुपये का है आ, यहाँ पर अगली गेंद बार थोड़ा सा सो शॉर्ट पिच गेंद थी आउट एज लगा और गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है वहाँ पर और दो रन लेना चाहिए थे मगर एक ही रन मिला उस गेंद पर तो यहाँ से अगर बात करें बात करें स्कोर की तो स्कोर हो चुका है पंद्रह ओवर की समाप्ति के बाद नब्बे रन चार विकेट नुकसान पर तीस गेंदों में चाहिए अड़तालीस रन तीस गेंदे अड़तालीस रन क्या होगा इस मैच का सूरत आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा तैयार रहिएगा इस मुकाबले के लिए यहाँ चेज नहीं होता है रमन कुमार भाई कौन कह रहा है कौन कह रहा है रमन कुमार भाई हिस्ट्री उठा के देखिए ये पिच बड़ी खतरनाक है यहाँ तो रन भी बनते हैं आज वो पिच जो है वो हार्ड सरफेस है थोड़ा सा स्पिनिंग ट्रनिंग ट्रैक थोड़ा सा ट्रनिंग ट्रैक भी है मगर तेज़ गेंदबाज किसी भी गेंदबाज को पढ़ने के बाद गेंद उछाल ले रही है जो उछाल ले रही है ना तो आप जज नहीं कर पा रहे आप बल्ले को चला नहीं पा रहे बड़ा शॉट खेलने के लिए तो इसीलिए परेशान लग रहे हैं बल्लेबाज और डर भी रहे हैं बल्लेबाज शुरुआती मैच में डर भी रहे हैं थोड़ा सा कि विकेट गिर तो मैं आउट होगा तो कौन आउट होगा मज़ा आएगा मैच का भाई बिल्कुल मजा आएगा दूसरा मैच भी शुरू होने वाला है अब दूसरा मैच भी शुरू हो जाएगा इसके तुरंत बाद ही तब तो तक आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ और याद रखिएगा खेलिएगा तो सिर्फ डेल्टी सेवन ऐप पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में लैसर में पिन कर दिया है यहाँ पर आप लॉस कट बुक सेट कर सकते हैं दोनों टीमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ट्रेड कर सकते हैं कोई भी जीते कोई भी टीम जीते कोई भी टीम हारे आप जरूर जीतेंगे तो जाकर डेल्टी सेवन ऐप पर खेलिएगा ये एक सिंगल मैच सिंगल मत करिए एक टीम पर बैठ गए तो बैठ गए ना दोनों टीमों पर ट्रेड करिए स्मार्ट बनिए बेवकूफ मत बनिए सभी ने डल्टी समझा के खेली है अगली गेंद इमाद वसीम को यहाँ पर रिवर स्वीप करने गए हैं पैर से टकराई है महेश टीका सेना मैंने जैसे कहा था कि जेम्स फुलर के बाद महेश टीका सेना वो गेंदबाजी पे लाइए और ले आए लीजिए कप्तानी और सोच जो है वो काफ़ी हद तक कमेंटेटर से मिल रही है जी यहाँ पर तिसारा परेरा की मैंने कहा था इसके बाद महेश टीका सेना को आना चाहिए और तुरंत ले आए देखिए सुनते बहुत है हमारी यहाँ पर तिसारा परेरा फैन है हमारे लगता है चलिए यहाँ पर टीका सेना गेंदबाजी करने आए हैं पहली गेंद जॉर्ट गेंद है सामने है इमाद वसीम यहाँ पर ओवर द विकेट गेंदबाजी करने जा रहे हैं ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं एक बार सेना के और अगली गेंद दूसरी गेंद एक बार फिर से सीधे बल्ले से खेला जरूर है रन लेने की कोशिश यहाँ पर फील्डर ने गेंद को फील्ड जरूर किया मगर एक ही रन मिलेगा एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर स्ट्राइक पे आ गए हैं कुशल मैंडिस स्कोर पहुंचता हुआ इक्यानवे रन चार विकेट नुकसान पर पंद्रह दशमलव दो गेंद व खेल हो चुका है समाप्त कुशल मैंडिस हैं स्ट्राइक पर पचास रन पूरे किए हैं रिक्वायर रन रेट पर नजर रखिएगा दस दशमलव दस, दस, दस के पार पहुंच चुकी जी ये दस के पार पहुंच चुकी है रिक्वायर रन रेट महेश सेना की है चार गेंदे बहुत अहम है हैं क्योंकि तो बड़ा शॉट तो लगाना पड़ेगा कुशल मैंडिस को अगर नहीं लगाया तो रिक्वायर रन रेट ग्यारह साढ़े तक पहुँच जाएगी थोड़ा फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं शॉर्ट थर्डमेंट को जो है वो शॉर्ट फाइनल लेग से चेंज कर रहे हैं शायद यहाँ पर शायद गेंद लक्ष्मण की तरफ रहेगी यहाँ पर अगले गेंद को मैंडिस को तो थोड़ा तो सा टर्निंग ट्रैक एक गेंद थी टर्न हुई थी टर्न में मिला था इस गेंद को स्वीप कर दिया गेंद गई सीधा यहाँ पर स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर स्कोर पहुँचता हुआ बानवे रन चार विकेट नुकसान पर पंद्रह गेंदों के बाद लाइव देख के भी आपको को बता नहीं पाएगा कि ऐसे करके ऐसे खेलिए तो कमेंट्री में आपको बता देते हैं भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना दस तो पैसे से उड़ा था मैच को फुल फिक्स है अरे यार यही तो गेम है आप समझे नहीं ना गेम को गेम समझिएगा जाफना किंग्स तैयार है क्या यहाँ से गालेगलेटर गेम को ट्विस्ट कर सकती है अगर बात करें इस ओवर की सिर्फ तीन गेंदें हुई हैं दो रन आए हैं और बड़े शॉट के दरकार है आने वाले बल्लेबाज वहाब रियाज भी हैं बड़े शॉट लगा लेते हैं मगर यहाँ से थोड़ा प्रेशर में है महेस्टी कसीना की अगली गेंद इस बार ऑस्ट्रोन के बाहर ये गेंद थी सीधे बल्ले से खेला जरूर है गेंद जा रही है कवर की दिशा में फील्डर दौड़ के गेंद को फील्ड कर रहे हैं दो रन मिल जाएंगे लीजिए दो रन मिल जाएंगे इमाद वसीम को धीरे धीरे गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती हुई 26 गेंदों में चाहिए 44 रन जीतने के लिए इमाद वसीम 14 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं क्या क्या पारी खेल रहे हैं इमाद वसीम और वहाँ पर कोच भी उनके बोल रहे हैं कि करना क्या चाहते हैं कौन है किसको किसने भेजा इसको बैटिंग पे चलिए चलते हैं ज़रा गेम की तरफ चौरानवे रन चार विकेट नुकसान पर काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एस ऐसे खुश रहिएगा आबाद रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और खुशी बांटते रहिएगा चलिए चलते हैं ज़रा गेम की तरफ यहाँ पर अगली गेंद है सामने मौजूद बल्लेबाज यहाँ पर क्या कहते हैं यहाँ पर इमाद वसीम लैक्सटम के बाहर कर दिए गेंद फाइन लेग की दिशा में चौका जाता हुआ जा रहा है जी हाँ पहुँचने दीजिए गेंद को जी नहीं पहुँच नहीं पाएगी बाउंड्री से पहले गेंद को फील्ड कर लिया फील्डर ने और यहाँ तो वाइड होनी चाहिए जी नहीं वाइड नहीं दिया अंपायर ने तीन रन मिलेंगे इस गेंद में बाय के तीन रन मिलेंगे यहाँ पर जो है अब गालिकटर को सत्तानवे रन चार विकेट नुकसान पर पंद्रह दशमलव पाँच गेंदे हो चुकी हैं इस ओवर की अभी भी आखिरी गेंद बची है सामने मौजूद कुशल मैंडिस पच्चीस गेंदे इकतालीस रन चाहिए जीतने के लिए दस रन प्रति ओवर क्या होगा क्या होगा इस मैच का सूरत देखने वाली बात होगी क्या यहाँ से मेस्टी का सेना कुशल मैंडिस को आउट करके अपनी बल्लेबाज अपनी गेंदबाजी को कुशल बना पाएंगे ये देखना होगा टाइगर रहा। खेल रहा है भाई बिल्कुल भाई अगले गेंद यहां पर अपील कर रहे हैं जोर जोर अपील आउट दे दिया लीजिए कोशल मैंडिस यहां पर आउट हो गए रही क सही कसर पूरी कर दी महेश सेना ने एक महत्वपूर्ण विकेट छटकाया है रिव्यू की मांग जरूर करेंगे जी यहां रिव्यू ले लिया है रिव्यू ले लिया है यहाँ पर कुशल मैंडिस ने अंदर आती हुई गेंद थी गेंद जाके पैट से टकराई अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी मगर जानते हैं कुशल मैंडिस की वो आखिरी बल्लेबाज से जो गेम को फिनिश कर सकते हैं सत्तानवे रन पाँच विकेट नुकसान पर सोलह ओवर समाप्त हो चुके हैं यहाँ पर आखिरी गेंद पर मिला है विकेट मगर रिव्यू ले लिया गया है एक बार अंपायर चेक जरूर करेंगे यहाँ पर इस आ, सोच की जरूरत थी कि यहाँ पर विकेट मिलना चाहिए और विकेट छटकाया भी वहाँ महेश टिकसन मगर ये एल पी आउट हुए हैं रिव्यू ले रहे हैं अंपायर चेक करेंगे यहाँ पर चेक हुआ बल्ला लगा है कि नहीं गेंद लाइन पे थी कि नहीं पिचिंग ऑन लाइन है कि नहीं तैयारी कर लीजिएगा मजा आ रहा है इस मुकाबले में चाहिए गाले ने किस तरीके से आ, गा यहाँ पर गाले लेटर लीटर ने किस तरीके से गेम को बनाया और बिगाड़ दिया ये देखने ली बात है कहते तो ना अपने हाथ से बनाया और अपने हाथ से ही बिगाड़ दिया यहाँ पर मैं इसका सर कि यह गेंद थी पढ़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई थी बल्ले के बिल्कुल भी थी ऐसा लग रहा है कि बल्ले के किनारा है कि नहीं बस चेक जरूर करेंगे क्या यार रिव्यू बिल्कुल रिव्यू लिया यार रिकॉर्ड लॉस भाई वेट कर लो वेट कर लो आउट दे, दे देंगे अब बैट्समैन नहीं है भाई बिल्कुल नहीं है भाई वहाँ भी आज है वहाँ भी आज है वो बड़ा शॉट खेल लेती है मगर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है इमाद वसीम पर मुझे भरोसा नहीं है भाई वहाँ भी आज अगर बल्ला घुमाएंगे तभी कुछ काम हो पाएगा काफ़ी व्यूअर्स जो है तैयारी कर रहे हैं आउट और नॉट आउट वेट करो भाई दिखा रहे हैं स्निकोमीटर कह रहा है बल्ला तो नहीं लगा पिचिंग इन लाइन इम्पैक्ट इन लाइन और विकेट अंपायरस कॉल लीजिए आउट हो गए आउट हो गए यहां पर जो है कुशल मैंडिस जो आखिरी कील ताबूत में ठोक दिया महेश ने यहाँ पर गालेगुलटर के लिए सत्तानवे रन पांच विकेट नुकसान पर मुकाबले में बिल्कुल कुशल मैं कुशल बल्लेबाजी कर रहे थे तिरतालीस गेंदों में इक्यावन रन बनाए और पाँच चौके लगाए सत्तानवे रन पाँच विकेट नुकसान पर गाले गिलीडीटर का स्कोर है इमाद वसीम एक छोर पर खड़े हुए अब स्ट्राइक पर होंगे इमाद वसीम चौबीस गेंदे इकतालीस रन चाहिए बल्ला घुमाना होगा बल्ला घुमाना होगा यहाँ पर क्या बल्ला घुमा पाएंगे आप सब लोग जो है डेल्टिन सेवन आपके साथ जुड़ जाइएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइसेंस मैंने पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करिएगा और आई क्रिएट करिए क्रिएट करिएगा आई क्रिएट करना बहुत आसान है रेफ्रेल कोड डालने की जरूरत नहीं है यूज़र ने बनाई पासवर्ड बनाई मोबाइल नंबर डाली आपकी आईडी क्रिएट हो मिनिमम ऐपिम सिर्फ दस रुपए सौ रुपए का है और यहां पर मिनट के अंदर विड्रॉल आपको मिल जाता है, है। गूगल पे फोन पे पेटीएम से को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा खेलिएगा और जीतिएगा डेल्टिन सेवन पर खेलेंगे अभी लॉस कट बुक सेट और ट्रेड कर सकते हैं ये मुकाबले जो होंगे वो ट्रेड करने वाले होंगे एक टीम पर जाके बैठेंगे तो दो फिर मुँह की खानी पड़ जाएगी सबको इसलिए ट्रेड करना सीखिए एक्सचेंज पर खेलना सीखिए टोटली एक्सचेंज है ऐप और मुकाबला यहां से ऐसा लग रहा है कि चार ओवर बच्चे हैं और यहाँ पर इमाद वसीम तो खड़े हुए हैं क्रीज़ पर क्या यहाँ पर अब क्या होगा जी जी हाँ यहाँ पर टाइम आउट ले लिया गया तो ट्वेल्टी सेवन एप पर जाकर फटाट तो तो जाकर रजिस्टर कर लीजिएगा टारगेट 138 का है और आज टॉस तो जीता था गाली गल्टर ने गेंदबाजी अच्छी की थी उन्नीस दशमलव पाँच गेंदों में एक सौ रन पर ऑल आउट कर दिया था यहाँ पर जाफनाई किंग्स को और यहाँ पर अगर बात की जाए तो टारगेट था एक तो रन का मगर एक रन बना बनाने के लिए अभी भी चौबीस गेंदों में इकतालीस रन चाहिए जीतने के लिए कुशल मैंडिस अभी भी आउट हुए हैं तैंतालीस गेंदों में इक्यावन रन बनाकर पाँच चौके लगाकर चौबीस गेंदों में चाहिए इकतालीस रन रिक्वायर रेट दस दशमलव तो दो पाँच का हो चुका है हो गया बुक साइड अब सब मैच देखना है भाई बिल्कुल भाई मैच देखिए इन्जॉय करिए यार स्वप्निल भाई क्या दिक्कत है आप आज कॉमेंट्री नहीं कर पा रहे थे कर पा रहे थे आप आज कॉमेंट नहीं पढ़ पा रहे नहीं पढ़ नहीं पढ़ रहे थे और सरार भाई सबके कमेंट पढ़ रहे थे अभी प्राइड भाई कर रहे हैं उनके कमेंट पढ़ रहे थे बस अभी थोड़ा बहुत बीच में जो है बताना ज़रूरी है ना व्यूअर्स को भाई क्या चल रहा है क्या सिचुएशन है कमेंट पढ़ते रहेंगे तो वो चीज़ मिस हो जाएगी थोड़ा सा मेन मेन चीज़ बता दो भाई क्या है क्या नहीं क्या सिचुएशन है इसके बाद देखो आने वाले बल्लेबाज हैं तो अब कितने बड़े नाम हैं वो देखना होगा क्योंकि देखो दस रन प्रति ओवर अमूमन हम देखते हैं टी के अंदर बन जाते हैं मगर यहाँ बनाने के लिए आपको एक सेट बल्लेबाज चाहिए यहाँ पर इमाद वसीम जो है वो फंसे हुए हैं पंद्रह के में आठ रन बनाए इमाद वसीम ने और इमाद वसीम अगर शॉट लगा सकते हैं रन बना सकते हैं तो काम बन जाएगा क्योंकि जेम्स फुलर का दो ओवर बच्चे हुए हैं जेंस फुलर के दो ओवर बच्चे हुए होंगे एक बचा होगा शायद यहाँ पर आ, आ, यहाँ पर जो है क्या नाम है लेफ्ट गेंदबाज का एक बचा होगा देखते हैं अभी क्या चलता है अभी तो टाइम आउट खत्म होने वाला है बस और उसके बाद सिर्फ चौबीस केंद्र चालीस रन एंजॉय करिएगा लव यू भाई लिख रहे हैं लव यू ए एंड भाई सर कौन से चैनल पर लाइव आ रहा है पार्थ मिस्त्री भाई पार्थ पार्थ मिस्त्री भाई डल्टी सन पर लाइव देख सकते हैं डल्टीसान पर लाइव देखिए टी वी मुझे नहीं मुझे नहीं पता किस पर लाइव आ रहा है जिसको आप पता होगा बता देगा भाई आपको क्योंकि हमारे कॉमेंट्री सुनने वाले लोग भी लाइव ही देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं मैच को और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ऐसा प्यार करते रहिए है ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए क्रिकेट लाइव हिंदी को लंका प्रीमियर लीग के साथ जुड़े हुए हैं साथ में बिग बैश भी आने वाला है उसकी भी कॉमेंट्री करके लाएंगे अगला मुकाबला भी शुरू होने वाला है अगला मुकाबला भी शुरू होगा तो देखते हैं अगले मुकाबले में किस तरीके से खेल चलेगा खेला हो गया कि यहाँ पर जो है गाले ने गाले को पेला हो गए जो भी किया हो बहुत गलत किया हो भाई गालि गीटर के साथ यहाँ पर विकटें जा रही हैं और गाले जो टाइम पर लग रहा था कि एक तरफ़ा कौन भाई था वो एक तरफा मैच जीतेगी कौन से भैया थे हमारे जो कह रहे थे एक तरफा मुकाबला होगा भैया कहाँ गए भैया हमारे देखते हैं अभी क्या होगा इस मुकाबले के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए स्ट्रीम को लाइक करते रहिए यहाँ से अब आखिरी के चार ओर बचे हुए हैं आखिरी के चार ओर डालने के लिए आए हैं पहले भी पहली गेंद सिंगल लिया यहाँ पर इमाद वसीम ने सामू आशान सामू आशान समूह सामू आशान जो है बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और देखना होगा शमो आशान जो है वो किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि तेईस है चालीस रन चाहिए आपको एक बड़ा ओवर चाहिए पंद्रह से सोलह रन का तो क्या वो बना पाएंगे कुशल मैंडिस ने अच्छी बल्लेबाजी करी पहले मुकाबले में जेन्स फुलर करने आए हैं गेंदबाजी अब ध्यान रखिएगा यहाँ से तो सत्रहवां और उन्नीसवा ओवर जेंस फुलर करेंगे अब देखना होगा अट्ठारहवा और बी अठारहवा और बीसवां ओवर कौन डालेगा क्या अठारहवें और बीसवें ओवर में टारगेट करेंगे सामुन शामु आशान जो है वो यहाँ पर मुकाबले में जुड़े हुए हैं हमारे साथ थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एस ओ, जुड़े में जो जुड़े नहीं हुए माफ़ करिए यहाँ पर स्ट्राइक पे है चलिए शामू आशान है स्ट्राइक पर खेलेंगे दूसरी गेंद जेंस फलोर के इस ओवर की जेंस फोलर के ओवर की दूसरी गेंद ऑस्टम की तरफ गेंद थी ड्राइव लगाया है आउटसाइड एज लगाया है गेंद गई है थर्ड मैन की दिशा में एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर दो सिंगल दो दो रन आ चुके हैं इस गेंद पर मैथ था चाचा जी राजा भाई टी भाई बिल्कुल सही बिल्कुल सही लिखा था आपने एक तरफा मुकाबला नहीं होते एक तरफा जीतेगी भाई इसलिए कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल दादा क्रिकेट पर भरोसा मत करिए क्रिकेट का गेम जो है ना बहुत जल्दी चेंज होता है जितना लॉन्ग फॉर्मेट है उतना आपको पेशेंस रखना पड़ता है पेशेंस रखेंगे तभी गेम को समझ पाएंगे सोलह ओवर ग्यारह ग्यारह बनेंगे थे भाई पता नहीं कितने बने थे जितने बने थे उतना बनने दीजिए ना यार चलिए यहाँ पर अगर बात करें दो गेंदे हो गई हैं सौ ओवर की अब सामने मौजूद है बल्लेबाज इमाद वसीम चेन सोलह के ओवर की अगली गेंद तीसरी गेंद गेंदन के बाहर एक बार फिर से इसको खेल दिया पॉइंट की दिशा में एक रन मिलेगा शायद अभी तक इमाद वसीम जो है वो समली बल्लेबाजी कर रहे हैं आज एक छोर से जो है सम्भल के बल्लेबाजी कर रहे हैं इमाद वसीम सत्रह गेंदे खेली नौ रन बनाए हैं वह क्या बल्लेबाजी है शोएब मलिक की बल्लेबाजी भी इनके सामने जो है फीकी रह गई है इमाद वसीम की जो बल्लेबाजी है आ, भाई आप बॉलिंग कर रहे हो क्योंकि सिर्फ विकेट विकेट की बात कर रहे हो भाई अहमद अहमद वसन भाई लोग डिमांड कर रहे हैं विकेट गिर रही तो विकेट की लोगों की डिमांड के हिसाब से कॉमेंट्री होती है यहाँ पर चलिए चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ देखते हैं क्या होता है यहाँ पर दूसरी टीम आ चुकी है जी हाँ दूसरी टीम आ चुकी है मुकाबले को खेलने के लिए अब पहले टीम तो की टीम का मुकाबला खत्म होगा तो अगली गेंद इस बार ऑस्टम की लेक्स्टम पे पिच करने के बाद गेंद ऑस्टम की तरफ निकली है ड्राइव लगाने गए हैं ड्राइव लगाने गए हैं इमाद वसीम और फिर से गेंद जो है गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है आज मैं कहता रहा तो हूँ शोएब मलिक की पारी जो है वो फीकी पड़ जाएगी इमाद वसीम की इस पारी के ऊपर क्योंकि अट्ठारह गेंदे खेली हैं सिर्फ नौ रन बनाए और अच्छी बल्लेबाजी बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर जाफनाई किंग्स के लिए रिकॉयरमेंट रेट ज़्यादा हो गया भाई बहुत ज़्यादा हो गया रिकॉर्ड लूट यू श्योर बिल्कुल कौन सा श्योर अरे नहीं जीतेगी यार अरे ब्राज़ील टीम विन द वर्ल्ड फिल्टर से जस्ट आगे गेंद गिरी है सिंगल मिल जाएगा इस गेंद पर सिंगल मिल जाएगा इस गेंद पर, पर स्ट्राइक पर आ जाएंगे बल्लेबाज सामू आसान शामू आसान सामू आसान आ जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए 19 गेंद 38 रन रिक्वायर 112 का हो चुका है सो रन पाँच विकेट नुकसान पर सोलह दशमलव पांच गेदे हो चुकी है अब कोई भी जीते कोई भी हार है फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे व्यूअर्स को क्योंकि लॉस कट बुक बुक्सट जरूरी है इसलिए कह रहा हूँ डटे से हमको जगह जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप कह रहा हूँ यहाँ पर लंका प्रीमियर लीग और बिग बेस्ट लीग भी स्टार्ट हो रही है तो आई डी क्रिएट कर लीजिएगा तो इस बात में को नहीं आता भाई आएगा जरूर तुरू भाई टेंशन मत लीजिएगा आप अगली बार फिर से ऑस्टन के बाहर एक गैन ड्राइव लगा ले गए आउटसाइड लगा एक और विकेट गिरता हुआ लीजिए एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर जो है शामू आसान हो गए हैं कैच आउट सौ रन छः विकेट नुकसान पर सत्रह ओवर समाप्त हो चुके हैं जेम्स उलो ने छटका दिया एक और विकेट इस ओवर में आए मात्र सिर्फ तीन रन अट्ठारह गेंदे अड़तीस रन क्या इस मुकाबले में कुछ बचा है क्या इस मुकाबले में कुछ बचा हुआ है देखने वाली बात होगी यहाँ पर आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा जुड़े रहिएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ आज उस तरीके का खेल देखने को नहीं मिला जिस तरीके का खेल खेल रही थी गालिक लेटर शुरुआत तो अच्छी की थी पावर प्ले में आप सोच के चलिए पावर प्ले में पैंतालीस रन बनाए आपने विकेट नहीं दिया मगर अब अगले जो आपने पचपन रन बनाए उस उसमें छः विकेट आपने दे दिए हैं ख़राब सोच खराब बल्लेबाजी आज हुई है यहाँ पर देखने वाली बात होगी अब किस तरीके से गेम आगे की तरफ बढ़ता है आप सब लोग जुड़ रही है लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा वहाब रियाज वहाब रियाज आ गए है। हैं बल्ला काफ़ी जोर से घुमाते हैं बल्लेबाजी करना पसंद है बड़े बड़े शॉट लगाते हैं मगर नहीं यहाँ पर वहाब रियाज को रोका गया है उनकी जगह पुलियाना पुलियाना थरंगा को बुलाया गया पुलियाना थरंगा आएंगे बल्ला घुमाएंगे क्या यहाँ से अपनी टीम को जीत दिलाएंगे क्योंकि रिक्वायर रन रेट बारह दशमलव छः सात का हो चुका है अट्ठारह गेंदों में अड़तीस रन चाहिए जीतने के लिए और दबाव दबाव बहुत लंबा हो चुका है मेरा काम तो हो गया भाई राकेश भाई बैटिंग कौन कौन कर रहा चाहता है भाई कर लिया भाई कर लिया आई एम इन मीटिंग एट योर डे ऑफ आवर लाइफ इज एज वेल यू ओके भाई थैंक यू भाई जे के जीत गया भाई जे के जीत गया नेक्स्ट ओवर टू विकेट्स ओके भाई बिल्कुल सही बात करें आठ आया बिल्कुल भाई नॉन कटिंग जानों ने जीतेगा बोला था ना शोर अच्छा राकेश भाई आप कब से गायब थे बता दो दीजिए कब से गायब थे अब जब तक हम हम ही बोल रहे थे तुम तो हम तो, तो बोल ही नहीं थे यहाँ पर हम ही बोल रहे थे लोगों को भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मैच में लोग समझ गए समझदार को इशारा काफ़ी लोग समझ जाते हैं चलिए अगले गेंद इस बार देखते हैं गेंदबाजी क्या होती है अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर हो चुका है सौ रन छः विकेट नुकसान पर अब जो वो बोलेगा ना आई आई टोल ड्यू आई टोल यू सबसे पहले उनको ब्लॉक मारो अट्ठारह गेंद में चाहिए अड़तीस रन जीतने के लिए इमाद वसीम है स्ट्राइक पर पुले ट्रंगा आए हैं अब देखना होगा कौन गेंदबाजी करने है या बिनारो फर्नांडो के हाथ में देंगे जी हाँ बिनारो बनारा फर्नांडो को हाथ फर्नांडो के हाथ में गेंद दिया है अब देखना होगा क्या होता है इस मुकाबले में इमाद वसीम की जो पारी आज चल रही है बिल्कुल वर्ल्ड क्लास ये पारी है और इस पारी के बदौलत जाफनाई किंग्स जो है वो बिल्कुल जीत के करीब बढ़ रही है इमाद वसीम तैयार हैं अब अगली गेंद खेलने के लिए यहाँ पर इमाद वसीम का जलवा जो है वो बिल्कुल छाया हुआ है जाफना किंग्स उनको कह रही है कि दो चार ओवर और कैसे एक दो ओवर और ऐसे खेल लीजिएगा हमारी जीत जो है पक्की हो जाएगी चलिए आ, अंकित बॉय भाई कर रहे हैं हेलो सर हेलो अंकित बॉय भाई, भाई कैसे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सर में जाकर आई डी करना मत भूलिएगा और जुड़ रहेगा भाई आपका नाम क्या है मनीष भाई मेरा नाम है दिवाकर मिश्रा हूं दिल्ली से एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया इस बार ही बात ने सीधा ये गेंद थी गेंद रही है छः रन के लिए सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से काफी देर के बाद यहां पर लॉ जलती हुई इमाद वसीम की जिस तरीके से कदमों का इस्तेमाल किया बिनारो फर्नांडो के सामने और छक्का बटोर लिया थोड़ा बहुत ड्यू फैक्टर जो है वो देखने को मिल रहा है और ध्यान रखिएगा अगले मैच में भी ड्यू फैक्टर आपको देखने को मिलेगा एक रन छः विकेट नुकसान पर सत्रह दशमलव एक 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 गेंद हो चुकी है थोड़ा सा ये ठंडा मौसम है और यहाँ पर थोड़ा सा गेंदबाजी में आपको समल दिखेगी सत्रह गेंदे बस बत्तीस रन चाहिए क्या बात कर रहे हो सत्रह तो गेंदों में पत्तीस रन चाहिए जीतने के लिए देवेंद्र साहू को समझ गए समझ गए देवेंद्र भाई क्या बात कर रहे हो चले चलते हैं ज़रा गेम की तरफ देखते हैं क्या होता है पहली गेंद तो छक्का लगा इस ओवर को बड़ा करना होगा चलिए अगली गेंद बिनारो फर्नांडो के सामने है इमाद वसीम दूसरी ये गेंद है इस ओवर की एक बार फिर से पटकी भी गेंद को हल्का तो खेला है थर्ड मैन की दिशा में एक रन तो मिल जाएगा इस गेंद पर सामने आ जाएंगे बल्लेबाज थरंगा इमाद वसीम मैच विनर अमन सिंह जी कह रहे छक्के लगाइए भाई ठीक है भाई ये किस किस पिच पे चल रहा है दूसरा मैच इसी पिच पर एस के पटेल भाई इसी पिच पे मिलेगा इसी ग्राउंड पे मिलेगा आपको दूसरी टीम इसी ग्राउंड पे आ चुकी है वैसे सात सौ चौबीस लाइक होंगे छब्बीस भाई और लाइक नीचे का साढ़े सात सौ लाइस पुरू हो जाएंगे तो, तो हमारे लिए भी इन्जॉयमेंट हो जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार लंका प्रीमियर लीग और बिग बैश लीग के मैचेस जो है आपको इसी चैनल पे जो है कमेंट्री सुनने को मिल जाएगी स्कोर की अगर बात की जाए तो एक सात रन बन चुके हैं छः विकेट नुकसान पर सत्रह दशमलव दो गेंदें हो चुकी हैं सात रन इस ओवर से आ चुके हैं आपको बारह रन प्लस रन चाहिए तेरह रन प्रति ओवर चाहिए तो आपको एक आधा बाउंड्री लगानी होगी शायद छक्का लगा गया जो है तिरंगा के ऊपर ज़िम्मेदारी फेंक दी है यहाँ पर हिमाद वसीम ने गेंद बीरान फर्नांडो की पटकी भी गेंद तीस बार कट कर दिया गेंद को गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में एक रन एक रन और जुड़ता हुआ खाते में स्ट्राइक पे आ जाएंगे बल्लेबाज यहाँ पर इमाद वसीम का गेम को आगे लेके जाएंगे का गेम को आगे पहुंचा पाएंगे देखना होगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा जुड़ जाइएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है देखना होगा गेम को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे जुड़ रहिए आप सब लोग लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को एंजॉय करिए इस मुकाबले को देखना होगा यहाँ से किस तरीके से खेल चलता है बिनारो फर्नांडो की ओवर की अगली गेंद सामने मौजूद बल्लेबाज इमाद वसीम पटकी हुई गेंद थी कट करने गए थे आउट से नजर का और विकेट कीपर ने पकड़ा है कैच आखिरी उम्मीद यहाँ पर जाफाना किंग्स के इमाद वसीम आउट होते हुए लीजिए एक और विकेट मिलता हुआ यहाँ पर जो है गाले ग्लेटर की टीम को कैच आउट हो गए हैं इमाद वसीम 108 रन सात विकेट नुकसान पर सत्रह दशमलव चार गेंदें हो गई हैं चौदह गेंदों में चाहिए तीस रन इसी बात पर चला चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा जुड़ जाइएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो नाखुश भी होंगे मुझसे क्योंकि यार टीम बदल दी मैंने बीच में हमें लगा लगातक जीत जाएगी यार चलो चलो कोई बात नहीं गाले का गाल जो है वो लाल कर दिया है जाफनाई किंग्स ने ख़त्म टाइगर टाइगर भाई कह रहे हैं टाइगर समझ गए समझ गए जी जी क्या जीत गया पक्का हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट रिकॉर्ड भाई कोई दिक्कत नहीं है दूसरा मैच क्या होगा हाँ कहाँ होगा भाई यहीं होगा यहीं होगा हमन टोटा में होगा भाई आखिरी मैच भी यार दूसरा मैच भी यहीं होगा और कल वाला मैच भी शायद दो मैच है यहाँ पर होगा कल दिन में शायद ना जुड़ें आप सबके साथ शाम वाले मैच में जुड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा काम है अपने को मगर आज शाम वाले मैच में जरूर जुड़ेंगे आप सबके साथ लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को यहाँ पर शायद फ्रेंचाइजी क्या कह रहे हैं जी क्या हो गया जी यहाँ पर शायद गुत्थम गुत्थी होगी क्या <laughs> यहाँ पर बात करते हुए शायद प्लेयरों से ऐसा अच्छा नहीं होगी गुतम वो बाहर का वेन्यू है हमें भी बड़े बदल दी भाई चेतन भाई समझ गए इन दो बॉल में एक सिक्स चाहिए भाई आपका लाइव एक और चैनल पर चल रहा है भाई चलने दीजिए भाई तीन, तीन 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 चैनल पर चल रहा है हमारा लाइव जस्ट फ्रिज भाई तीन चैनल पर हमारा लाइव चल रहा है तीनों तीनों चैनल पर हमारी आवाज़ जो है सब लोग सुन रहे हैं अपनी आवाज़ ऐसी फैला दी है कि लोगों को नुकसान नहीं होने देंगे हमारे साथ रहेंगे लोग जीतते रहेंगे चलिए अब वहाँ भी आ जाएँ बल्लेबाजी करने के लिए अब ओवर की बात की चार गेंदें हो गई हैं इस ओवर की आ, यहाँ पर थोड़ी चौथी गेंद है इस ओवर की सारे चार गेंदे तो हो गई हैं चार गेंदे हो गई इस ओवर की पाँचवीं गेंद बिनारो फर्नांडो की पटकी भी गेंद शॉर्ट पिच गेंद है टॉप पैच है फिर से फिल्टर नीचे जी नहीं पहुँचे तो कोशिश बहुत की वहाँ पर टॉम कूलर कैडमोर ने मगर गेंद तक पहुँच नहीं पाए और एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर और स्कोर पहुँचता हुआ एक रन नहीं स्कोर पहुंचता हुआ एक सौ दस रन से दो रन मिल जाएंगे इस गेंद पर तो वहाँ रियाज को एक सौ दस रन सात विकेट नुकसान पर धीरे धीरे मुकाबला जो है वो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है आप सब लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगले मुकाबले की स्ट्रीम जो है वो ऑन हो चुकी है तो जिन भाइयों को अगले मैच की स्ट्रेट्स चाहिए क्या बोला था मिश्रा भाई बिल्कुल अर्जुन सोनटा के भाई टीम बदल दी हमने तो हम ऐसे ही बदल देते हैं भाई हम तो हम तो ऑड के हिसाब से देख के बोलते हैं आई अप्रिशिएट वोल्ड टीम स्पिरिट जो जहाँ नो मैटर इस कुड भी एवर बाई लॉस कोई दिक्कत नहीं अपना अपने अपने तो भैया वही मान लिया सबसे बड़ा रुपया है चलिए चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ एक बार फिर से लॉन्गों की दिशा में खेला जरूर है एक रन मिल जाएगा वहां रियाज को बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अर्जुन भाई ऐसे ही जुड़ रही है अर्जुन भाई ऐसे ही गेम को आगे लेके जाते रहिए मुकाबला काफी बढ़िया चल रहा है काफ़ी बढ़िया मुकाबला चल रहा है पता नहीं क्यों चल रहा है ये मुकाबला स्कोर की अगर बात की जाए तो बारह गेंद में चाहिए सत्ताईस रन जीतने के लिए देखिए बारह गेंदे में सत्ताईस रन चाहिए जीतने के लिए ऐसा नहीं है कि वहाँ भी आज बल्ला घुमा नहीं सकते हैं। मगर यहाँ पर रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है यार मुश्किल है थोड़ा सा रन बनाना बाकी अब डिपेंड करता है किस तरीके से खेला हो वे <coughs> देखते हैं अभी क्या होता है वहाँ पर आज बल्ला घुमा सकते हैं बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं हमने देखा है वहाँ पर रियाज को यहाँ पर देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले में जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ यहाँ पर अब जरूरत है बड़े शॉटों की तो तेरह दशमलव पाँच शून्य का रिक्वायरमेंट हो चुका है क्या इस ओवर में वहाब से वहाब रियाज दो तीन बड़े शॉट लगा सकते हैं गेम को आगे जा सकते हैं आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है थैंक यू ए इंजीनियरिंग भाई अंपायर योगा करता नज़र आ रहा है भाई बिल्कुल करेगा भाई करेगा 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 भाई चलिए यहाँ पर जो है अगले गेंद इस बार सामने मौजूद हैं बल्लेबाज अरे बल्लेबाज आ क्यों नहीं रहे अरे वहाँ पर चाचा होता तो विन कराता था ये होता तो वो होता जो होता सो होता जो हो गया सो छोड़ो ना यार अगले गेंद जैसो की पटकी भी गेंद थी पुल करा है एक रन तो मिल जाएगा यहाँ पर बल्लेबाज को और दूसरा रन भी ले लेंगे वहाँ याँ। याँ पर आज जिया यहाँ पर रनआउट की अपील ज़रूर करी है मगर दो रन मिल जाएंगे अच्छी रनिंग बिटवीन है दोनों बल्लेबाजों के बीच और यहाँ पर एक सौ तेरह रन बन चुके हैं स्ट्राइक पे हैं वहाँ भी आज वहाँ के लिए रनआउट चेक किया जा रहा है वहाब रियाज के लिए ही रनआउट चेक करा जा रहा है यहाँ पर आवाज़ बहुत ही बकवास है भाई थैंक यू अबरार कोले भाई थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एस ऐसे ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिए कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर रनआउट की अगर बात की जाए तो रनआउट लग रहा है जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ ऐसा लग रहा है कि शायद वहाब रियाज को भी पवेलियन जाना होगा और मुकाबले में ऐसा लग रहा है कि एक और झटका एक और झटका भाई जीत गया तीसरी जीत पाया भाई बिल्कुल सुशील भाई कुमार जो भी जीत पाया वो भी खुश रहिए ज़िंदगी में खुशी बांटते चलिए और यहाँ पर जो है आउट दे दिया गया है वहाँ रियाज को भी तो मुकाबला यहाँ से फिनिश होने के कगार पे आ चुका है और यहाँ से ख़त्म हो रहा है ये मुकाबला अगर बात करें स्कोर की तो एक रन बन चुके हैं आठ विकेट नुकसान पर बहुत ही खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत मुकाबला हुआ मैंने जैसे कहा था शुरू में आपको कि जैकपॉट होने की उम्मीद रहेगी आज रोमांचक मुकाबला रहेगा और रोमांचक हुआ है मुकाबला ऐसा लगा था गाले जो है शुरुआत में ऐसा लगा कि मैच कुछ जीत जाएगा मगर वहाँ पर वापसी करी तो युवा गेंदबाज़ वहाँ पर जो है वापसी करवाई अपनी टीम को अभी भी अगर बात करें स्कोर की तो देखिए स्कोर हो चुका है यहाँ पर 112 रन आठ विकेट नुकसान पर अठारह दशमलव एक गेंद हो चुकी है 11 गेंदों में 26 रन चाहिए जीतने के लिए वहाब रियाज आउट हो चुके हैं अब नए बल्लेबाज आएंगे यहाँ पर नुआान प्रदीप आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए ग्यारह गेंदे छब्बीस रन सिर्फ चार बड़े शॉट चाहिए आपको चार छक्के चाहिए इस मैच को जीतने के लिए तो क्या चार छक्के नुवान प्रदीप लगा पाएंगे देखना होगा बॉलिंग कौन कर रहा है भाई आ, बॉलिंग कर रहे हैं बिनारो फर्नांडो नहीं नहीं जेम्स फुलर जेम्स फुलर कर रहे हैं गेंदबाजी जेम्स फुलर कर रहे हैं गेंदबाजी वहां पर आउट हो चुके हैं अब आ चुके हैं नुवान प्रदीप नुवान प्रदीप लगा दीजिए भाई तीन छक्के लगा दीजिए इसी ओवर में अगले में अगले में मैं लगा दूंगा हाउ आर यू आई एम लेट जॉइन भाई अरे सुबोध भाई बढ़िया है आप बताइए आप कैसे हैं लेट जुड़े कोई दिक्कत नहीं अब अब तो मैच खत्म हो रहा है दूसरे में जुड़िएगा चलिए अगली के गेंद इस बार नुहान प्रदीप को गेंदबाजी कर रहे हैं जेन सुलर जैन स्लर के ओवर की दूसरी गेंद प्रदीप को और पटकी भी गेंद थी ऑस्टन के बाहर बल्ला घुमाया ज़रूर कोई मौका नहीं यहाँ पर रन बनाने का कोई भी मौका नहीं यहाँ पर रन बनाने का स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर अभी भी स्कोर अभी भी यहाँ पर जो है रुका हुआ है थमा हुआ है और ऐसे ही थमे हुए स्कोर के लिए इसको बता दें आपको यहाँ पर एक सौ बारह रन आठ विकेट नुकसान पर अठारह दशमलव दो गेंदें हो चुकी हैं नुआन प्रदीप स्ट्राइक स्ट्राइफ मौजूद हैं दस गेंदों में चाहिए छब्बीस रन इस ओवर में दो बड़े शॉट चाहिए होंगे आपको चलिए चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ सामने मौजूद हैं बल्लेबाज यहाँ पर नुआन प्रदीप अच्छी बल्लेबाजी चलते हैं तुशारा है यहाँ तीन छक्के मार रहे हमारा नेक्स्ट ओवर में चलिए अगली गेंद इस बार नुहान प्रदीप स्ट्राइक पर पहली गेंद इस बार अगली गेंद बड़ा शॉट खेलने की कोशिश गेंद गई है डीप पॉइंट की दिशा में एक क्या दो रन तो मिलने चाहिए यार जी नहीं एक ही रन लेंगे नुहान प्रदीप और नुमान प्रदीप ने यहाँ पर एक रन और लिया अब चाहिए सिर्फ और सिर्फ सिर्फ़ और सिर्फ पच्चीस रन पच्चीस रन चाहिए जीतने के लिए नौ गेंदों के अंदर तो क्या यहाँ से कदा बड़े शॉट लगाते नजर आएंगे पुलियाना तरंगा पुलियाना तरंगा अमूमन बल्लेबाजी के लिए जाने नहीं जाते अब देखते हैं क्या यहाँ से बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में बारह रन बटोर सकते हैं अगर बारह रन बटोर तो आखिरी में तेरह चाहिए होंगे फिर नौ गेंद का खेल बचा हुआ है पच्चीस रन चाहिए जीतने के लिए सोलह दशमलव छः सात का रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ चौकों और छक्के चाहिए चौके और छक्के लगाने पड़ेंगे तभी आप इस मैच को फिनिश कर पाएंगे देखते हैं क्या फिनिश कर पाएंगे इस मुकाबले को जेन्सुलर की ओवर की अगली गेंद पुलियाना तरंगा को कोई मौका नहीं यहाँ पर रन बनाने का बढ़िया गेंदबाजी जेन्सुलर की तीन दशमलव चार गेंदे करी हैं यहाँ पर और बिल्कुल रन जो है उन्नीस दिए हैं और विकेट भी छटकाया है और गाले ग्लेडिटर ने आज अपने पैर पे खुलाड़ी खुद मारी है विकेट नहीं जानी चाहिए इस और इसमें नेक्स्ट ओवर में दोनों में आउट करो भाई वो दोनों आउट हो भाई चलिए चलते हैं काफ़ी लोग जुड़े हैं यार एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप सब लोग काफ़ी लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अकेला हरा दिया भाई विकेट विकेट करते रहे करते भाई बिल्कुल भाई ऐसे ही होता है अहमद हुसैन भाई ऐसे ही कर देते हैं हम ऐसे ही जब हम विकेट विकेट बोलो समझ जाया करो समझ जाया करो हमने कुछ काम हम कुछ कह रहे हैं समझा रहे हैं आपको चलिए चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ काफ़ी लोग जुड़े हैं थैंक यू फॉर सपोर्टिंग है इसी तरह के चैनल सपोर्ट करिएगा आप सब लोग सामने मौजूद हैं बल्लेबाज यहाँ पर अब यहाँ पर जो है बल्लेबाज तरंग तरंगा अगली गेंद यॉर्कर गेंद है बल्ले से गेंद लगी जरूर मगर पकड़ लिया जे वोलर ने जेन्स वोलर गेंदबाजी अच्छी करते हैं भाई सात गेंदों में पच्चीस रन चाहिए जीतने के लिए ऐसे ही एक मैच मुझे याद आता है पिछली बार भी सीज़न में सात एक ओवर में चौबीस रन चाहिए थे वहाँ पर इसरो उड़ाना ने लंबे लंबे छक्के लगाकर अपनी मैच को अपनी टीम को जो है मैच को टाई कराया था कि यहाँ पर पुराना तरंगा कर सकते हैं वो खेल को चलिए यहाँ से लेते हैं तो मैं थोड़ी बहुत मैसेज यहाँ पर और आप काफ़ी व्यूअर जो है वो खुश भी है क्योंकि अब मैंने टीम बदली तुरंत खुश हो गए यार ऐह अब क्या भैया चेज नहीं हुआ ना ना नहीं हुआ ना रमन कुमार भाई हम तो पहले ही बोल के चल दिए अब गाले को मैंने स्टार्ट में बोला था उसके बाद मैंने टीम बदल दी अपनी सेकंड इनिंग मैंने कहा था मैंने कुछ तो गड़बड़ाया इस मुकाबले में उस गड़बड़ का पूरा फ़ायदा उठाया हमने अगली गेंद इस बार के बाहर कट करने गए कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर ये हुई ना बात ये अच्छी गेंदबाजी बात की ऑस्टन के बाहर रखी गेंद को और यहाँ पर रन जो है वो नहीं मिलेगा छः गेंदे बची है पच्चीस रन चाहिए जीतने के लिए महज एक औपचारिकता लग रहा है अगर यहाँ पर नुआन परदीप अगले ओवर में चार छक्के लगा दे तभी जो है इस मैच को जिता जिता पाएंगे नहीं तो अदरवाइज़ भूल जाइए अदरवाइज़ भूल जाइए यहाँ पर मुकाबला खत्म है ये तो हाँ यहाँ पर आउट लिख रहे हैं अंकित बॉय भाई बिल्कुल उम्मीद करेंगे आउट हो जाए टीम बदली और मज़ा आ गया भाई बिल्कुल चेतन भाई चेतन भाई समझदार है हमारी बात को समझ लेते हैं सीरियसली लेते हैं हमारी बातों तो को ऐसे ही समझदारी से करते रहिए काम डल्टिन सन को ज्वाइन करते रहिए डल्टिन सन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है लाइव शटर पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आई क्रिएट कर लीजिएगा मिनिमम बैट सिर्फ दस है मिनिमम डिपोजिट जो है सिर्फ सौ रुपये का और अगले मैच में भी एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा ध्यान रखिएगा अगला मैच भी रोमांचक मैच होगा मारो मुझे भाई क्यों मारे यार ए एन जी भाई क्यों मानेंगे आपको यार आप जुड़े हैं आखिरी के छः गेंदे देखने के लिए तो छः गेंदे देख लीजिएगा उसके बाद आप मिलेंगे आपसे अगली स्टीम पे एक बार फिर से एक गेंदबाजी करना है बिनारो फर्नांडो पहली गेंद वन प्रदीप को कदमों का इस्तेमाल ज़रूर किया मगर गेंद और बल्ले से संपर्क हुआ नहीं और कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर अगर बात करें स्कोर की तो स्कोर अभी भी यहाँ पर स्कोर अभी भी यहां पर 113 रन आठ विकेट के नुकसान पर उन्नीस दशमलव एक गेंद हो चुकी है और पांच गेंदों में 25 रन चाहिए जीतने के लिए और अब 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 मुकाबला खत्म हो चुका है अब महजा तब बची हुई है आज गेंदबाजी अच्छी हुई है यहां पर सर ड्रीम एम टीम दीजिए नीरज कुमार भाई ड्रीम एम टीम अभी इसी इसी चैनल पर आप जाके देख लीजिएगा शशांक भाई दे भी रहे हैं दूसरे मुकाबले की क्या भैया चार चौका कौन चार छक्का कौन मारेगा भाई रमन कुमार भाई तुक्का है ये तो लग जाता है मैंने बताया ना पिछले सीजन, पिछले सीजन के अंदर इस रूनार ने एक ओवर में चौबीस रन चाहिए थे तेईस रन बनाए थे ओवर में और टाई करवाया था उस मैच को ऐसे भी होता है भाई ऐसे भी होता है ये यहाँ पर क्या सी बात करें हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक ओवर में चौबीस रन चाहिए थे चार छक्के लगाए थे विकेट होना चाहिए भाई बीस रुपये मिलेगा भाई तो हमारा फायदा किसको मिलेगा हमारा हमें हमें फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा इतनी विकेट चटकावा दिए यार फिर विकेट मांग रहे हैं सब लोग अरे राजपूत ब्रदर भाई क्या हो गया लगातार एक ही में धम 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 क्या हो गया क्या नाराज है क्या आई लव यू भाई लव यू भाई ऑलीवर भाई बिल्कुल लव यू लव यू लव यू ब्रो टाइम आउट आउट टाइम को दे रहे हैं यार स्विल भाई ऐसे बंदों को आप सीधा हाइड कर दीजिए तंग कर रहे हैं स्वप्निल भाई अगर कोई तंग करे तो तुम हाइड कर दीजिएगा बिल्कुल ही हमें कोई दिक्कत नहीं है पर यार ऐसमानसमिन भाई कह रहे हैं लास्ट बॉल विकेट चाहिए भाई मिल जाएगा गुड जॉब जाफना अरे जाफरा ने कुछ काम नहीं किया प्रेम जी सारा काम तो हमारा है कैसे बात कर रहे हैं आप हम यहाँ बैठे हुए हैं जाफना किता जिताएंगे नहीं क्या सर प्लीज़ मेरा नाम नाम भी ले लो आ, मुरार सिंह भाई आपका नाम ले लिया है यहाँ पर चलिए अगली गेंद बिनारो फर्नैंडो के इस ओवर के सामने है यहाँ पर आ, जो है नुआन प्रदीप पटकी भी गेंद पुल करने गए बीट हो गए इस गेंद पर दो गेंदे बची हैं पच्चीस रन चाहिए पच्चीस रन चाहिए मुकाबले में और ख़त्म हो चुका है जी मुकाबला अब महजी कोचार बची है दो गेंद डालने हो की बिनारो फर्नैंडो को तो किसको चाहिए विकेट किसको चाहिए इन दो गेंदों विकेट कुसमुल कुशमल श्याम भाई कह रहे शाम सिंगर भाई कैसे हैं, हैं, जुड़ जुड़, हैं कमेंट्री में, <laughs> भाई। भाई भाई। भाई तो में, में चले विकेट चाहिए शॉर्ट पिच गेंद थी पुल करने गए थे टॉपिच तो लगा और सीधा गेंद गई लॉन्ग ऑफ की दिशा में यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में कैच आउट होते हुए यहाँ पर नुआन प्रदीप नुआन प्रदीप ने छटका दी है विकेट विकेट मिलता हुआ यहाँ पर जो है बिनारू फर्नांडो को तो 113 रन 9 विकेट नुकसान पर प्लीज विकेट किंग भाई मिल गया मिल गया विकेट जी चलिए यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद है टॉप पेज लगा है और कैच पकड़ लिया यहाँ पर नुआन प्रदीप का नुआन प्रदीप सात गेंदों में एक रन बनाकर पवेलियन जाते हुए एक रन नौ विकेट नुकसान पर एक रन नौ विकेट नुकसान पर कोई भी मौका नहीं यहाँ पर क्या यहाँ पर रन बनाने का अब एक गेंद बची है पच्चीस रन चाहिए महज को औपचारिकता बचा है तो मुकाबला खत्म हो रहा है थैंक्स ब्रदर लव यू ब्रो लव यू इंजीनियरिंग भाई जो कहते हैं हम कर देते हैं व्यूअर्स के लिए यार घबराइए नहीं घबराना नहीं है यहाँ पर जका किंग जीता भाई बिल्कुल भाई मैं पाँच सौ जगह जीत गया भाई बिल्कुल सही बात है भाई ऐसे जीती है भरत भाई हमारी बातों को ध्यान रखिए कमेंट्री में लोग सुनते हैं इसलिए हमारी बातों को क्योंकि उनको कुछ ना कुछ टिप्स मिल समझाती है प्रडिक्शन की यहाँ पर चलिए स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है यहाँ पर अब एक सौ तेरह रन नौ विकेट नुकसान पर एक गेंद पच्चीस रन चाहिए जीतने के लिए अगली गेंद बिनारो फर्नांडो की सामने मौजूद यहाँ पर बल्लेबाज ऑस्ट्रन के बाहर ये गेंद इस गेंद पर भी विकेट मिला गया जी हाँ विकेट मिल गया लीजिए एक और विकेट ऑल आउट हो गई यहाँ पर बीस ओवर के अंदर ही एक रन टीम ऑल आउट हो गई है गाले ग्लेडिएटर की तो यहाँ से मुकाबला हो गया इस समाप्त तो अगर बात करें इस मुकाबले की तो ध्यान रखिएगा मैच का सूरती हाल आपको सबको बताएं यहाँ पर कि गाले गलेटर ने टॉस जीता यहाँ पर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया एक रन पर ऑल आउट किया यहाँ पर जाफनाई किंग्स को उन्नीस गेंदों के अंदर उसके बाद टारगेट दिया एक रन का जाफनाई किंग्स ने और यहाँ पर गाले ग्लीटर से बना पाए एक सौ रन और पूरी टीम ऑल आउट हो गई बीस ओवर के अंदर जाफनाई किंग्स यहाँ से चौबीस रन से इस मुकाबले को जीत चुकी है धन्यवाद आप सब लोगों का सपोर्ट करने का लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एंजॉय करिए इस मुकाबले को जाफनाए किंग्स इस मुकाबले को जीत गई है चौबीस रन से चौबीस रन से अपने नाम किया इस मुकाबले को जाफनाए किंग्स ने और यहाँ पर अगला मुकाबला भी इसी ग्राउंड पे होना है इसी पिच पे जो है अगला मुकाबला होना है तो क्या लगता है आपको क्या लगता है कि क्या फिर से एक बार डिफेंड होगा या फिर चेज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे तो मुकाबला अगला शुरू होने वाला है तो आप सब लोग जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ इस स्ट्रीम पर नहीं अगली स्ट्रीम पर शशांक भाई आपका सब कर रहे हैं इंतजार जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे इसी चैनल पर जो है अगली स्ट्रीम के अगले मुकाबले के लिए तो जाफना किंग्स चौबीस रन से इस मुकाबले को जीत गई है मिलेंगे आपसे कल नहीं कल तो नहीं कल तो नहीं मिलेंगे कल तो मिलेंगे आप सबके साथ मिलेंगे आपसे अगली स्ट्रीम पे जय हिंद जय जाह भारत आ, मिलते हैं आप सबसे अगली स्ट्रीम पे और यहाँ से यहाँ से लेंगे अब ब्रेक पाँच मिनट का ब्रेक होगा ब्रेक के बाद जुड़ेंगे आप सबके साथ लाइव एक्शन में दूसरे जन में कल इंडिया जीतेगी क्या भाई बिल्कुल जीतेगी कृष्ण भाई टेंशन मत लीजिए कल जीतेगी इंडिया कल इंडिया जिताएंगे हम तो यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद जुड़ेंगे लाइव एक्शन में दूसरे मुकाबले में जुड़ जुड़ चुके हैं दूसरे मुकाबले में जुड़, जुड़, जुड़ जाइएगा स्ट्रीम ऑन हो चुकी है वहां पर वहाँ पर देख लीजिए कौन सी टीम कि भारी पड़ेगी बिनानो फंडो ने गेंदबाजी के चीख करी है भाई अज बिनारो ने तीन विकेट छटकाएं बाईस रन देकर इस ओवर में लगातार दो गेंद दो विकेट तो यहाँ से लेंगे आप सब जय हिंद जय भारत मिलते हैं आपसे अगली स्ट्रीम पे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट स्ट्रीम में जय हिंद जय भारत सिवाय को गुड नाइट खेलिए और जीतिए ध्यान से खेलिएगा डल्टिन साथ ज्वाइन कर लीजिएगा आप सब लोग